कमेंट भी शुरू कर देना शिवानी सोलंकी एंड आई वेलकम यू ऑल टू दी पीडब्ल्यू लॉ वाला जहां पे चल रहा है जेलों का संपूर्ण सीरीज और आज कवर करेंगे स्टूडेंट्स हम सीआरपीसी है ना CRPC जो बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि क्या हमें पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है जेलो aspirants एंड ऑल दो जुडिशरी एस्पिरेंट्स जिनका एग्जाम ऑलरेडी नोटिफाई हो चुका है आप सबको ये सब्जेक्ट पढ़ना ही पढ़ना है एंड वी डू नॉट नो कि ये एक्ट जो है जो आपके जो बिल्स हैं कोड्स हैं वो कब इफेक्ट में आएंगे तब तक के लिए ये आपको पढ़ना है तब तक के लिए ये आपके सिलेबस का हिस्सा रहने वाला है सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद द सेशन बिगे एक बार स्टूडेंट्स थम्स अप करके बता देंगे दैट यस मैम ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है सो दैट वी कैन बिगिन विद द सेशन थोड़ा सा दो चार मिनट हम लोग लेट जरूर हुए हैं थोड़ी सी टेक्निकल एरर को डील uh, करते हुए यस yes. स्टूडेंट्स एक बार कॉमेंट सेक्शन में फटाफट -फड़ से बता देंगे दैट मैम ऑडियो वीडियो कोई प्रॉब्लम नहीं है सो so दैट हम लोग सेशन को स्टार्ट करें एकदम बराबर यस गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी सोनाक्षी जी शशांक जी हेमा जी दामिनी जी विवेक जी शुभांगी जी अनुकृति जी ओके ओके एवरीथिंग इज़ क्लियर मान के चलना स्टूडेंट्स मैं ऑलरेडी ये बोल चुकी घंटे घंटे नहीं सात आठ या नौ घंटे का ये सेशन रहने वाला है पूरी कोशिश रहेगी कि शाम को सुबह के बजे बजे शाम को को से पहले पहले हम सीआरपीसी फिनिश कर दें ये सोचना भी मत कि ये सीआरपीसी हम लोग स्किप कर दें और जो हमारा नया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आई है उसको पढ़ लें डेफिनेटली वो पढ़ना है लेकिन ये अच्छे से पढ़ लोगे तो वो भी क्लियर है एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट जैसे ही आपका बी जो कोड uh, है वो इफेक्ट में आता है हम उसको भी वन शॉट डील करेंगे लेकिन इससे ज्यादा अलग नहीं रहने वाला है ठीक है समृद्धि जी कल के सेशन में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं अगर आपके जुडिशरी का एग्जाम नोटिफाई हो चुका है नोटिफिकेशन आ चुके हैं तो आपको आईपीसी सीआरपीसी इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ना है पुराना नया बोलना छोड़ो क्योंकि पुराना मतलब आईपीसी सीआरपीसी अब जो नया है उसका तो नाम ही बदल दिया गया है तो जहां कहीं देख रहे हो कि न्यू सीआरपीसी आईपीसी दैट इज नॉट अ न्यू सीआरपीसी आईपीसी इंडियन एविडेंस एक्ट दैट इज बी एन एस एस बी एस एंड बी एन एस बराबर है क्लियर है कि नहीं है ओके okay. यस एब्सोल्युटली विवेक जी तो वी डू नॉट नो कि कब ये जो है एनफोर्समेंट में आएगा हो सकता है इमीडिएटली आ जाए हो सकता है कुछ टाइम भी लग जाए हमको ओके okay? एंड क्या पता अगर इसके इसको चैलेंज भी किया गया तो देखो क्या नतीजे होते हैं ठीक है और जो नया वाला भी पढ़ना है उसको एक बार ऑब्जर्व करके रखो कि इंडेक्स में क्या क्या चीजें हैं कितनी कितनी चीजें वो ऑब्जर्व करके रखो बराबर क्लियर है चलो यस यू कैन सी नितिन यू कैन सी दिस वीडियो क्लैट एस्पिरेंट्स आराम से ये वीडियो देख सकते हैं थर्ड दिसंबर को आपका पेपर है और यही सिलेबस आपका रहने वाला है आपके लिए पेपर चेंज नहीं होगा क्लियर है चलो सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं अपना सीआरपीसी का सेशन उससे पहले मैं स्टूडेंट्स आप सभी को बता दूं दैट नेक्स्ट अब अब सर कूल डाउन हो जाओ सर अब आप, ठीक है आपका सेशन स्टार्ट नहीं हो पा रहा था बिकॉज कुछ टेक्निकल एरर्स uh, हो गई थी तो हमारी टीम को लगा कि आज सेशन ही नहीं हो पाएगा लेकिन मुझे तो सुबह से पॉजिटिव वाइब्स थी भाई सेशन तो होके रहेगा ऐसे कैसे नहीं होगा हो सकता दो पांच मिनट लेट हो जाए ठीक है क्लियर है देखो जब टीम सॉरी uh, टेक्निकल जो ग्लिचेस हैं वो मशीन में भी आ जाए तो फिर ह्यूमन से तो यू नो एरर्स होना पॉसिबल है सो नॉट अ बिग प्रॉब्लम ठीक है दुख थोड़ी ना खत्म होगा हिमाली जी अच्छा जिन स्टूडेंट्स को लग रहा है कि हम जजेस uh, बनते उससे पहले हमारे लिए सिलेबस चेंज हो चुका है तो मैं आपको बता दू सिलेबस नहीं लॉ चेंज हुआ है तो जो ऑलरेडी जजेस बन चुके हैं जो ऑलरेडी जुडिशरी क्लियर कर चुके हैं उन्होंने बहुत मेहनत की कि वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ के जजेस बने लेकिन अब जज बनने के बाद कुछ नया पढ़ना पड़ेगा उनको ठीक है तो आप तो डबल मेहनत करके शिद्दत से नई चीज पढ़ने वाले हो ठीक है उनको पढ़ना पड़ेगा आउट ऑफ द वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज चलो अब सुनिए हम लोग ऑलरेडी स्टूडेंट्स इंडियन एविडेंस एक्ट एंड लिमिटेशन कंप्लीट कर चुके हैं आज सीआरपीसी वन शॉट कंप्लीट करेंगे एंड दैट इज मंडे को दैट इज कल हम डील करेंगे जेलों में आए हुए सीआरपीसी के 2013 एंड 2019 के लगभग 150 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन आपके 2013 में आए थे 75 क्वेश्चन 2019 में आए थे ठीक है सौरभ जी पूरी स्लाइड्स देख तो लो और अगर कभी ब्लैक स्लाइड यूज करनी पड़ती है तो टीम कहती है इसलिए यूज करनी पड़ती है नमे को कहा शौर के ब्लैक स्लाइड यूज करने का मैं खुद ब्लैक स्लाइड पे आपको चमकते हुए नहीं दिखती ये लो ठीक है बराबर डू नॉट वरी ठीक है ये आपका टाइम टेबल का स्लाइड था डियर इसीलिए आपको ये दिख रही है कैसे कलर की ब्लैक कलर की ठीक है चलिए सीआरपीसी सीआरपीसी मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कब का है 1970 दर, बराबर है गलत तो नहीं लिखा सीआरपीसी का यूज कहां आता है सबसे पहले हमको ये समझना सूर्य जाहिर सी बात है द वर्ड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ये हमें सजेस्ट करता है स्टूडेंट्स कि ये एक प्रोसीजरल लॉ है क्या है स्टूडेंट्स एक प्रोसीजरल लॉ है ये ध्यान रखना है हमें स्टूडेंट्स सीआरपीसी 1973 पहले जब थी सॉरी जब 1973 वाली सीआरपीसी थी उससे पहले भी ऐसा नहीं है पहली दफा सीआरपीसी बनी थी ब्रिटिश एरा के टाइम पे भी बहुत सारी सीआरपीसी बनी बट एट द एंड दिस वाज द ओनली सीआरपीसी जिसको परिपूर्ण माना गया जिसमें कोई भी लैक्यूनास नहीं थे पुराने हिस्ट्री में हमें जाने की जरूरत नहीं है बिकॉज आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से सीआरपीसी के क्वेश्चन नहीं पढ़ाए जा पूछे जाते हैं ठीक है गीता जी नाइन तक आपका सीपीसी हो जाएगा बराबर है ये सोनो क्लियर है तो सीआरपीसी के कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग डील करेंगे इंफॉर्मेशन देखो प्रोसीजर लॉ और सब्सटैंडिव लॉ दो तरीके के लॉ होते हैं स्टूडेंट सब्सटैंडिव लॉ कौन से होते हैं जो आपको राइट्स एंड लाइबिलिटीज के बारे में है जैसे कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया आईपीसी हो गया मतलब वो बता रहे कि मेरा क्या अधिकार है और अगर मेरा अधिकार इन्फ्रिंज हुआ तो मेरे पास क्या रेमेडीज है कौन से वाले पर्सन कौन से पर्सन को क्या क्या लाइबिलिटीज इंपोज की जा सकती है वहीं पर प्रोसीजर लॉ लाइक सीपीसी इंडियन एविडेंस एक्ट सीआरपीसी ये सब प्रोसीजर देते हैं जो कि हमारी सिविल प्रोसीडिंग या क्रिमिनल प्रोसीडिंग को कंडक्ट करने में हेल्प आउट करें सोचो अगर ये प्रोसीजर लॉज नहीं होते स्टूडेंट्स तो कहीं ना कहीं हमारे जुडिशरी कह सकते हैं या पूरे जो भी जुडिशरी फील्ड में चाहे लॉयर्स हो या जजेस हो वो अपनी एक आर्बिटरी प्रोसीडिंग चला रहे होते

प्रॉब्लम ही नहीं है अप्रैल अप्रैल 1974 जब पूरी दुनिया डे मना रही होती है, उस दिन हम सीआरपीसी का बर्थडे मना रहे होते हैं प्रेसिडेंट की असेंट कब रिसीव हुई 25 जनवरी 1974 ये जरूरी है क्योंकि इस बार हम देखेंगे हमारे बीएस बीएनएस एंड बीएनएसएस को कब एक्चुअली असेंट मिलती है टोटल अगर हम इसके चैप्टर्स वगैरह डरना नहीं है कुछ नहीं किया गया। उल्टा माइनस की गई है चीजें जो चीजें आपको इतनी ज्यादा सेक्शन बढ़ते हुए दिख रही है कुछ नहीं एबीसीडी जितना भी हमारा सीआरपीसी में था उनको नंबर दे दिया गया कुछ भी एबीसीडी नहीं रखा गया कौन सी एंट्री में है स्टूडेंट्स एंट्री नंबर टू है दैट इज कॉन्ट लिस्ट लिस्ट नंबर थ्री दैट मीनस स्टेट और सेंटर दोनों ही इस पे लॉज बना सकते हैं बिल्कुल छत्तीसगढ़ सिविल जज के लिए सारे ही सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे लोकल लॉ में भी हेल्प चाहिए ठीक है मैं डेफिनेटली डेफिनेटली कोशिश करूंगी ठीक है अब सुनो आगे से हा हिमाली जी बिल्कुल 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 मैं आपको बोला था कि जेलो के हिंदी और इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट शेयर करती हूँ मैं मैं जल्दी शेयर करती हूँ ओके चलो नेक्स्ट

हमें नेचुरल जस्टिस के कॉन्सेप्ट देख रहे हैं इन्हीं कॉन्सेप्ट बेस है हमारी पूरी सीआरपीसी जहां ये हालांकि पार्ट तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का है लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हुआ या सीआरपीसी हुआ ये कभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर नहीं जाएंगे जिसमें पहला नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट क्या है स्टूडेंट्स नो वन इज द जज ऑफ हिज ओन केस कोई भी पर्सन अपने केस की सुनवाई नहीं कर सकता है सेकेंड इज लेट अदर साइड बी हर्ड पार्टम आप किसी भी दूसरे साइड को बिना सुने पनिशमेंट नहीं दे सकते या किसी भी डिसीजन पे नहीं पहुंच सकते एंड द थर्ड इज टू स्टैंड बाय थिंग्स डिसाइडेड दैट इज स्टेयर डिसाइजी एवरी डिसीजन गिवन बाय द जज शुड बी बैड बाय अ प्रॉपर रीजन ठीक है क्लियर है ये पीडीएफ स्टूडेंट्स क्लास खत्म होने के बाद क्लास खत्म होने के बाद ये जैसे ही आपकी क्लास खत्म होगी उसके बाद पीडब्ल्यू लॉ वाला जुडिशरी टेलीग्राम चैनल पे आपको इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा ठीक है ओके ठीक okay. है शशांक जी इसको ट्राई कर लेंगे हम ठीक है लिमिटेशन एंड इंडियन एविडेंस एक्ट की वाइट बैकग्राउंड चलो ये व्हाइट बैकग्राउंड वाली रिक्वेस्ट भी ना तुम लोग मेरे को ही करते हो तुमको पता नहीं है पीडब्ल्यू का जो स्टैंडर्ड रूल uh, है दैट इज ब्लैक स्लाइड्स हैं एक शिवानी मैम व्हाइट लेके आती हैं। चलो, जिसमें मेरे को कई भी जाती है चलो जिसमें स्टूडियो लाइटिंग ब्लैक में थोड़ा आपको क्लैरिटी नहीं दिखेगी चलो ऑब्वियसली मैं ओल्ड और पुरा, पुरानी सीआरपीसी क्या होती है सी जी सीआरपीसी सीआरपीसी थी अभी न्यू सीआरपीसी है क्या न्यू सीआरपीसी नहीं है न्यू बीएनएसएस है न्यू बी एन एस एस है इसको आप सीआरपीसी नहीं बोल सकते नाम ही चेंज कर दिया अमित शाह जी ने अगर वो चाहते थे कि सीआरपीसी सीआरपीसी तो फिर नाम CRPC रखते ना चलो कितने चैप्टर्स है हमारे पास थर्टी सेवन फटाफट से रेंज रिकॉल कर लेंगे ताकि एक बार हमें कंसेप्ट क्लियर हो जाए कहां कहां क्या क्या चीजें दे रखी है सीआरपीसी 1973 का सबसे बड़ा ना ये है स्टूडेंट्स कि कुछ भी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग नहीं दे रखा और हम आज सब कुछ प्रोसीजर, प्रोसीजर के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे चैप्टर वाइज नहीं जाने वाले हैं डेफिनेटली पहले हम जो मिसलेनियस चीजें है उसको कवर करेंगे जैसे क्रिमिनल कोर्ट्स हो गए उनके हायर हमारे पुलिस के पावर्स हो चुके हैं ये सारी चीजों को डील करेंगे आपके definitions हो गए, application, -application, maintenance हो एप्लीकेशन एप्लीकेशन नॉन मेंटेनेंस चुके हैं ये डील करेंगे और उसके बाद प्रॉपर ऑफेंस की इंफॉर्मेशन से लेके हम लोग अपील रिव्यू रिविजन तक डील करने वाले हैं ओके okay? क्लियर है चलो शिवम जी बी क्या होता है भारतीय न्याय संहिता चलो

प्रेजेंस हमको चाहिए डॉक्यूमेंट का प्रोडक्शन हमको चाहिए तो फिर क्या तो फिर वहां पे हमारा लगता है चैप्टर नंबर सेवन जहां पर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए भी हम किसी पर्सन को समन कर सकते हैं उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को सर्च करने के लिए कोई जगह को हम सर्च कर सकते हैं उसके लिए सर्च वॉरेंट इशू किया जाएगा एंड सर्टन प्रोविजन जो कि सर्च से रिलेटेड है कि जब हम सर्च करेंगे तो कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना है कहाँ कौन कौन किस तरीके से सर्च कर सकता है मिसलेनियस प्रोविजन है फिर रेसिप्रोकल अरेन्जमेंट दे रखे हैं रेसिप्रोकल अरेजमेंट्स हमें जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना ध्यान रखना कि कौन से सेक्शंस उसमें इंक्लूडेड है बाकी ज्यादा रेसिप्रोकल प्रोमिस रेसिप्रोकल प्रोमिस नहीं अरेंजमेंट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं फिर हमारे पास आता है स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर एट जो बोलता है सिक्योरिटी हमसे सिक्योरिटी ली जा सकती है स्पेसिफिकली उस पर्सन से जिसकी ट्रायल चल रही है जिसको कि क्या किया जा रहा है स्टूडेंट्स जिसके अगेंस्ट ऐसे एलिगेशन लगाएगी भाई तुमने कोई ऑफेंस किया है उससे हम क्या कर सकते हैं पीस रखने के लिए एंड गुड बिहेवियर इंश्योर करने के लिए सिक्योरिटी ले सकते हैं सेक्शन 106 से लेके 124 मेंटेनेंस पढ़ेंगे 125 से 128 अनलॉफुल असेंबली से रिलेटेड कोई भी मेंटेनेंस पब्लिक ऑर्डर का है या ट्रैंक्विलिटी का है 129 से लेके 148 में जिसमें पब्लिक न्यूसेंस पढ़ेंगे डिस्प्यूट पढ़ेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी का पुलिस कैसे प्रिवेंटिव एक्शन ले सकती है प्रिवेंटिव एक्शन में यह देखना है कि कमिट होने से पहले कमिट होने के बाद, किस तरीके से पुलिस उसे होगा यह रहेगा सबसे महत्वपूर्ण पढ़ेंगे क्रिमिनल कोर्ट का वन से लेके वन फिर चलेंगे हम कॉग्निजेंस की तरफ इज चैप्टर फोर्टीन से लेकर वन नाइन नाइन फिर देखेंगे कि हम किस तरीके से कंप्लेन कर सकते हैं मजिस्ट्रेट को कमेंसमेंट कैसे होती है प्रोसीडिंग का चार्ज का फॉर्मेशन एंड जॉइनर ऑफ द चार्ज फिर सभी तरीके की ट्रायल्स पढ़नी है प्ली बारगेनिंग के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स एक पर्सन को अगर हम कन्फाइन करके रखते हैं प्रिजन में तो क्या प्रोविजंस है इंक्वायरी एंड ट्रायल्स के क्या प्रोविजंस है देखो इन्वेस्टिगेशन का अलग से चैप्टर अभी हमने देखा दिस पार्ट इज विद दिस पार्ट

सेंटेंस कंफर्मेशन जो कि हम हाई कोर्ट को भेजते हैं अपील रेफरेंस रिव्यू रिविजन सॉरी इंपॉर्टेंट रहता है क्रिमिनल केसेस को ट्रांसफर कब कैसे कौन कर सकता है उनका विड्रॉल कैसे होगा फिर कोई भी सेंटेंस मिली है स्टूडेंट्स तो उसका एग्जीक्यूशन सस्पेंशन रेमिशन कम्यूटेशन भी पढ़ना है बेल एंड बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टीज इरेगुलर प्रोसीडिंग लिमिटेशन एंड मिसलेनियस दैट वॉज हाउ इट वॉज गिवन और हाउ इट इज गिवन इन योर सीआरपीसी का इंडेक्स पर क्या हमको उस तरीके से पढ़ना उस तरीके से पढ़ोगे तो कभी भी सीआरपीसी समझ नहीं पाओगे तो हम सीआरपीसी अपने तरीके से समझेंगे जहां पे मैंने सीआरपीसी को चार पार्ट्स में डिवाइड किया है जहां जनरल पार्ट को छोड़ दे तो हम सीआरपीसी के तीन स्टेजेस के अकॉर्डिंग सीआरपीसी को पढ़ेंगे हमको पता है स्टूडेंट कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलती है तो उसके क्या होते हैं उसके तीन लेवल्स होते हैं या तीन स्टेजेस मैं कहूं जहां सबसे पहले स्टूडेंट ऑफेंस कमिट होते ही आपकी पुलिस मशीनरी एनफोर्समेंट में आती है जहां सबसे पहले क्या करती है इन्वेस्टिगेशन करती है तो हमें वो सारे चैप्टर पढ़ने जा, पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिल रही है फिर पुलिस अरेस्ट करने जाएगी फिर किसी को समन दे हम बुलाएंगे फिर उस पर्सन की अटेंडेंस जो कि ऑलरेडी जेल में कन्फाइंड है उसको इंश्योर करना डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करना उसे सिक्योरिटी लेनी है उसको बेल लेना ये सब हम लोग इन्वेस्ट इन्वेस्टिगेशन के पार्ट में, में हम ये सारे ट्रायल ट्रायल में किस तरीके से माई ट्रायल स्टार्ट होती है प्ली बार्गेनिंग कैसे चार्ज फॉर्म होंगे कैसे जजमेंट दिया जाएगा किस तरीके से अपील की जाएगी उसका रिविजन एंड रेफरेंस कैसे होने वाला है finally, उसका एग्जीक्यूशन कैसे होने वाला है ये सारी चीजें हम ट्रायल में पढ़ेंगे कुछ अलग चीजें हो चुकी है एडिशनल तो वो भी यहाँ पे पढ़ेंगे बट जिस तरीके से मैंने सीआरपीसी पढ़ा है हमेशा ऐसे पढ़ा है कभी भी चैप्टर वन चैप्टर टू चैप्टर थ्री करके नहीं पढ़ा है और हमारी स्लाइड्स जो लगभग लगभग 260 स्लाइड्स है वो भी इसी तरीके से या तो आप प्रोसीजर वाइज पढ़ सकते हो या पर्सन वाइज भी पढ़ सकते हो लेकिन पर्सन वाइज में स्टूडेंट्स एक स्टोरी नहीं बनेगी आपकी इसलिए मुझे लगता है कि हमें पर्सन वाइज ना पढ़ के हमें प्रोसीजर वाइज पढ़ना चाहिए पर्सन वाइज मतलब क्या हुआ पर्सन वाइज मीन स्टूडेंट्स कि सीआरपीसी में बहुत सारे हमको पर्सन दे रखे चाहे पुलिस है मेजिस्ट्रेट है जज है अक्यूज है विक्टिम है उन सबसे रिलेटेड कोई ना कोई कोई ना कोई वर्ड है एंड उसको लेके हम बहुत सारी चीजें कनेक्ट कर सकते हैं अगर मैं हाई हाईकोर्ट्स बोलूँ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बोलू एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बोलू तो हम इनके पावर्स के बारे में पढ़ सकते हैं इनके पनिशमेंट्स के बारे में पढ़ सकते

क्रिमिनल प्रोसीजर को एनफोर्समेंट में आने के लिए क्या जरूरी है इट इज वेरी नेसेसरी कि कोई ऑफेंस होना चाहिए क्या हम बैठे अच्छे से सभी स्टूडेंट्स बात को सुनेंगे विदाउट टू मच इन दी लाइव क्लास ठीक है जब मैं पूछू तो जवाब दे दीजिए अन्यथा अपना जो लाइव चार्ट सेक्शन है उसको बंद करो बढ़िया अपना नोट्स किताब लेके आराम से बैठो ठीक है घूमते फिरते देखना जैसे आपको अच्छा लगे वैसे देखो अब सुनो मैंने बोला कि क्रिमिनल मशीनरी या मैं बोलूं कि पुलिस मशीनरी एनफोर्समेंट में आने के, के रीजनेबल सस्पिशन है कि शायद कोई ऑफेंस हो सकता है तो वो अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है प्रिवेंटिव एक्शन जरूर ले सकती है लेकिन अगर कोई ऑफेंस कमिट हो चुका है तो अब फॉर श्योर हमारी पुलिस मशीनरी को क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स

154 अप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट्स सेक्शन नंबर 154 सीआरपीसी में हम क्या करते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन देते हैं पुलिस को कॉग्निजेबल ऑफेंस कहां डिफाइंड है 2 सी और कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन किधर 156 लेकिन मान लो अगर ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल हुआ है तो फिर सेक्शन 155 में उसकी इंफॉर्मेशन दी जाएगी और नॉन डिफाइंड डिफाइंड है Students, 2L है स्टूडेंट्स टू एल में जैसे हम इंफॉर्मेशन दे देते हैं ऑफेंस ऑफेंस की cognizable में क्या हो जाएगा एफ लग जाएगी नॉन कॉन्ग्नेसबल ऑफेंस में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स कंप्लेन हो जाएगी बराबर जैसे ही आपने कांग्नेजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन पुलिस को दे दी उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी क्या होगी इन्वेस्टिगेशन पुलिस स्टार्ट करेगी अब इन्वेस्टिगेशन करना इन्वेस्टिगेशन का पूरा प्रोसेस खत्म होने के बाद या इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो जो लोग पुलिस को लगता है कि इस ऑफेंस में जिनका जिनका हाथ था पुलिस उनको क्या करेगी स्टूडेंट्स अरेस्ट करेगी ये पुलिस का राइट है वो अरेस्ट कर सकते हैं क्लियर है नाउ अरेस्ट करते वक्त पूरी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद वो अपनी क्या करेंगे एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे जिसको कि हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स चार्जशीट कहते हैं अगर वॉट विल तो है, है, होती है सेक्शन वन सेवेंटी थ्री क्लॉज टू नॉट क्लॉज है क्लॉज और का मैंने वीडियो बनाया था सभी स्टूडेंट जरूर देखेंगे ठीक है क्लियर है 1732 में क्या होगा चार्जशीट पेश होगी लेकिन अगर लग रहा है कि नहीं ऑफिस तो बन ही नहीं रहा है पुलिस टू ऑलो प्रोसीड विदिगेशन एंड लुक इन टू द मैटर प्राइमर फेसि पुलिस को ये लग रहा है फाइनल रिपोर्ट भी, भी कहा जाता है समझ में आया चीज तो यहाँ पे क्या सबमिट होगी स्टूडेंट्स क्लोजर रिपोर्ट सबमिट होगी ये रिपोर्ट सबमिट करने के बाद के बाद क्या होता है, है संज्ञान लेने की शक्ति मेजिस्ट्रेट के पास होती है जहां वो जुडिशियल करते हैं एंड देखते हैं वेदर दस है और लेते किस बलबूते पे है या कौन से आधार पे लेते हैं स्टूडेंट ये लिया जाता है हमारे हमारे चार्जशीट के ऊपर चार्जशीट के ऊपर डिपेंड करता है क्लियर है एंड वंस दॉनिजेंस इज टेकन फिर शुरू होती है हमारी ट्रायल अब ट्रायल कौन सी हो सकती है वॉरंट ट्रायल हो सकती है समन ट्रायल हो सकती है या फिर हमारी समरी ट्रायल हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ दस क्लियर है यह चीज जब हम इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं स्टूडेंट्स तो यहां पर क्या होता है कुछ स्टेजेस होते हैं इन्वेस्टिगेशन के स्टेजेस क्या क्या है हालांकि हम ये सेक्शन वन फिफ्टी सेवन के दौरान बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ठीक है क्लियर है अब सुनो इन्वेस्टिगेशन तो में सबसे पहले हमारे पास आता है कि पुलिस पहले नहीं है, मान लो कि अगर आपने कभी सीआरपीसी पढ़ी ही नहीं लेकिन सीरियल्स देखे हैं आसपास चीजों को ऑब्जर्व किया तो आप ये खुद भी सोच के बता सकते हैं अच्छे से कि कोई भी अगर ऑफेंस होगा और वहां पे इन्वेस्टिगेशन करनी है अगर पुलिस को तो पुलिस क्या करेगी स्टूडेंट सबसे पहले उस स्पॉट पर जाएगी जहां पर एक्चुअल ऑफेंस हुआ है वहां पर जाएगी मौका वारदात पर जाएगी फैक्ट्स एंड असर्टन मतलब अच्छे से जांच पड़ताल करेंगे सब चीजों को देखा जाएगा हर चीज को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व किया जाएगा किसी चीज की पिक्चराइजेशन दैट फोटोग्राफी की जाएगी डिस्कवरी एंड अरेस्ट चीजों को ढूंढा जाएगा अगर किसी ने कहीं नाइफ Uh, कोई यूज करके फेंक दिया है बॉडी के पार्ट्स कहीं फेंक दिए गए कोई व्हीकल को यूज किया गया कोई फोन को यूज किया गया उन चीजों को डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे एंड पर्सन को हम अरेस्ट करने की कोशिश करेंगे देन इज रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट एंड द कन्फेशन जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हो रही है स्टूडेंट्स तब पुलिस के पास राइट है कि वो सेक्शन नंबर वन में क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स स्टेटमेंट ले सकते हैं ठीक है रूबी जी देख सकते हैं बिल्कुल देख सकते हैं आप है ना आराम से देख सकते हैं क्लैट के लिए ओके नेक्स्ट इज स्टेटमेंट एंड कन्फेशन वर्ड भले कन्फेशन लिखा है स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया जाता है 161 में 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 भी भी. 164 164 जब हम witnesses का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं and का confession record कर रहे हैं, तो वहां पे मजिस्ट्रेट होना जरूरी स्टेटमेंट के मामले में confession के मामले में सेक्शन 164 की अच्छे से हम लोग जो पॉइंट दे रखे हैं वो पढ़ने वाले हैं अलॉन्ग विद टू एंड फोर बराबर नेक्स्ट इज सर्च ऑफ प्लेस एंड सीजन ऑफ थिंग्स जो जगह उनको लग रहा है कि कोई पर्टिकुलर प्लेस हमें सर्च करने की हो सकता है इस पर्टिकुलर जगह पे अक्यूज पर्सन हो तो उसको सर्च किया जा सकता है कोई चीज को हम सीज कर सकते हैं लग रहा है कि दिस ऑफेंस हैज सॉरी दिस पर्टिकुलर मटेरियल और दिस पर्टिकुलर इक्विपमेंट हैज बीन फॉर द कमीशन ऑफ द ऑफेंस दैट कैन बी सीज एंड नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ द ओपिनियन फॉर फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट हमेशा स्टूडेंट्स ध्यान रखना पुलिस अपना ओपिनियन फॉर्म करेगा वेदर द चार्जशीट हैज टू बी फाइल्ड और नॉट ठीक है बराबर है ये चीज चलिए शुरू करेंगे हमारा सीआरपीसी का एप्लीकेशन एंड नॉन एप्लीकेशन सीआरपीसी कहां, कहां अप्लाई होती है

नहीं होगी पूरी सीआरपीसी के अलावा सिर्फ चैप्टर एट नाइन एंड टेन इज गोइंग टू अप्लाई टू स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरिया वॉट इज एट नाइन टेन एट किसकी बात स्टूडेंट सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर दैट इज दैट इज योर चैप्टर एट चैप्टर नंबर टेन किससे डील करता है मेंटेनेंस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ योर पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी इलेवन किससे डील करता है प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ दी पुलिस ठीक है बराबर है ये चीज तो ये सारी चीजों के लिए ये सारी चीजें हमारे स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज पे अप्लाई करती है ठीक है क्लियर है आगे चलेंगे जहां पे सबसे पहले सेक्शन नंबर फोर देखेंगे दैट इज एक्सटेंशन ऑफ सीआरपीसी सीआरपीसी कि हदे कहां कहां तक है अभी हमने क्या देखा स्टूडेंट्स अभी हमने इसका टेरिटोरियल एप्लीकेशन देखा क्या देखा था स्टूडेंट्स अभी हमने इसका टेरिटोरियल एप्लीकेशन देखा था अब आपको लगेगा क्या बोल रहे हैं अश्मिता जी बताओ यस 11 है बेटा जस्ट अ मिनट लेट मी चेक है ना इलेवन है ना मैंने बोला था शायद. Okay. Yes, it is 8, 10, 11. बराबर है मैंने क्या बोला था बताओ एट नाइन टेन बोला था क्या ओके 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 एट नाइन टेन नहीं इट इज इट इज एट टेन इलेवन ठीक है बराबर है इट इज गिवन एट टेन इलेवन दे रखा है हो सकता है मैंने मुंह से गलत बोल दिया ठीक है कुछ चीज जो है वो थोड़ा इम्पलाइटली समझ लेना फिर लगे आपको कि मैम थोड़ा सा त्रुटि हुई है तो मेरे को बता देना ठीक है क्लियर है है okay. ओके वही लिखा हुआ ज्ञान जी शायद मैंने बोल गलत दिया था तो मेरे स्टूडेंट्स ना जो मैं बोलती हूँ लिखती हूँ सब सब ध्यान देते हैं ठीक है थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी आगे सुनो स्टूडेंट्स क्लियर है अच्छा ओके 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 ओके, ओके. बराबर क्लियर है ओके ऊपर वाले बक्से में गलत था ठीक है चलो थैंक यू जी अभी वॉइस तो क्लियर है आवाज सबको क्लियर है आगे सुनो सेक्शन नंबर थ्री को हम डील करने वाले जो कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स के कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करता है पहले सेक्शन नंबर फोर की बात करेंगे जो बोलता है कि सीआरपीसी के एक्चुअल जो कोड है उसके एप्लीकेशन की बात कर है। ये टेरिटोरियल की बात नहीं कर रहा, ये क्या कह रहा है कि कोई भी अकॉर्डिंग अच्छा को तो होगा सीआरपीसी के अकॉर्डिंग होगा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कोई भी ऑफेंस आईपीसी में हुआ तो उसकी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी ट्रायल सीआरपीसी के अकॉर्डिंग होगी लेकिन 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 अगर कोई भी कोई भी ऑफेंस बिना आईपीसी के हुआ दैट मींस कोई और अदर एक्ट में हुआ तो एनी अदर ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ तो उसकी इंक्वायरी ट्रायल एंड इन्वेस्टिगेशन कैसी होगी तो इन्होंने बोला उसकी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी एंड ट्रायल कैसी होगी अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी प्लस सब्जेक्ट टू दी दीक्टमेंट वो पर्टिकुलर लॉ क्या कहता है अगर वो पर्टिकुलर लॉ अपनी

प्रोटेक्ट कर रहा है दैट इज सीआरपीसी का इफेक्ट इन चार चीजों पे नहीं होने वाला है कौन कौन सी चीज है पहला बोल रहा है कोई भी स्पेशल लॉ स्पेशल लॉ क्या है no IPC, न्याय तो मैं फिर से वापस से बोल रही हूं ओल्ड सीआरपीसी न्यू सीआरपीसी बोलना छोड़ दीजिएगा बिकॉज ओल्ड एंड न्यू कुछ नहीं होता है आईपीसी आईपीसी थी अब आईपीसी आईपीसी नहीं रही वो हो चुकी है बी ओके क्लियर है अंडरस्टूड और लिख के भी मत आना कहीं पर न्यू आईपीसी न्यू सीआरपीसी ये सेशन जेएलओ प्लस ऑल स्टेट जुडिशरी के लिए इम्पोर्टेंट है हर्षवर्धन बराबर बर आप देख सकते हैं ठीक है ठीके? मैंने सोचा भी था बहुत पहले मैंने स्टूडेंट को बोल दिया था कि मैं सीआरपीसी का वन शॉट लूंगी बट सिंस जेएलओ का एग्जाम ही चुका है तो मैंने सोचा कि सबको एक साथ ही हम सीआरपीसी पढ़ाएं आगे सुनो कोई भी स्पेशल लॉ पे सीआरपीसी इफेक्ट नहीं करेगी मतलब स्पेशल लॉ विल प्रिवेल ओवर जनरल लॉ लोकल लॉ पर भी सीआरपीसी इफेक्ट नहीं करेगी थर्ड इज स्पेशल और पावर जूरिस अगर कोई अदर लॉ है स्टूडेंट्स और उन्होंने कोई अपना अलग पावर और प्रोसीजर बना रखा है तो सीआरपीसी उसको इफेक्ट नहीं करेगी भाई सीआरपीसी तुम पुराने तुमको क्या लेन देन ये हमारा पॉक्सो अभी, अभी अभी आया पीसीपीएनडी अभी आया या मान लीजिए एस सी एस टी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट आया है एनडीपीएस एक्ट आया है तो उनकी खुद की प्रोसीडिंग है

भाई अदर लॉज आराम से चला सकते सीआरपीसी इज नॉट गोइंग टू हैं यू ओके नाउ वी विल मूव ऑन टू सेक्शन नंबर थ्री सेक्शन नंबर टू पे खूब सारी डेफिनेशन हम डील करेंगे ठीक है है क्लियर यस यस बिल्कुल छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स आराम से इसको डील कर सकते हैं सेक्शन नंबर थ्री में बोला कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेज सेक्शन नंबर थ्री बोलता है स्टूडेंट्स जब हम कुछ वर्ड्स यूज कर रहे हैं तो आपको उन वर्ड्स का कुछ मीनिंग समझना है जब हम कुछ वर्ड्स यूज कर रहे हैं तो आपको उन वर्ड्स का कोई पर्टिकुलर मीनिंग समझना है सबको स्क्रीन क्लियर है यस और नो बताओ अगर थोड़ी बहुत भी स्क्रीन धुंधली दिख रही है तो प्लीज आप अपनी क्वालिटी इंक्रीज कीजिए एक बार ठीक है क्वालिटी मैंने यहां पे 1080 करवा दी है बेटा एक बार चेक कर लो ठीक है चलो अगर कोड में वर्ड यूज हुआ मैजिस्ट्रेट तो मेट्रोपोलिटन एरिया के लिए उसका मतलब होगा मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट

रिलेशन टू मेट्रोपोलिटन एरिया इट इज मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट तो अदर देन मेट्रोपोलिटन एरिया में स्टूडेंट यह मेट्रोपोलिटन मेजिस्ट्रेट नहीं है यह जुडिशियल मेजिस्ट्रेट है क्लियर है ओके नेक्स्ट इज मेजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास अगर हम बोल रहे हैं कि भाई मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास तो मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए वो कौन हुआ वहां पर भी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट है लेकिन अदर एरियाज एरियाज दैट दैट इज इज मेट्रोपॉलिटन के अलावा वो को, क्या माना जाएगा मैजिस्ट्रेट मैजिस्ट्रेट क्लास देन अगर हम मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की बात कर रहे हैं तो मेट्रोपॉलिटन एरिया में फिर भी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होगा लेकिन हमारे अदर एरियाज दैट इज अदर देन मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट में क्या बोला जाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया के अलावा एरियाज जितने भी हो गए उसमें हम बोलेंगे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास फिर आता है सीजीएम अगर वर्ड सीजीएम यूज किया है तो मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए वो क्या वर्ड होगा चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड अदर एरियाज के लिए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अगर वर्ड यूज हुआ है जुडिशियल मजिस्ट्रेट तो मेट्रोपॉलिटन एरिया में उसको हम मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मानेंगे एंड अदर एरियाज में हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहेंगे अगर वर्ड यूज हुआ है प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट तो मेट्रोपोलिटन एरिया के लिए हुआ वो मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एंड अदर एरिया के लिए उन्होंने कोई वर्ड स्पेसिफाई नहीं किया अगर वर्ड हुआ चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट तो मेट्रोपोलिटन एरिया के लिए हम उसे बोलेंगे चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एंड एंड अदर एरियाज के लिए कोई वर्ड यूज नहीं हुआ है बताओ मैम मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट में नहीं जे एम एस सी नहीं होता उसका डिस्कशन नहीं चल रहा दविंद्र सिंह जी अभी हम सेक्शन नंबर थ्री की बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर थ्री की बात कर रहे हैं मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास नहीं होता हाँ तो हमने कब बोला कि होता है मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट कहें मेट्रोपोलिटन एरिया कहें वहां कहा होता है सेकेंड क्लास फर्स्ट क्लास वहां या तो सीएमएम होता है या एमएम MMM होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट में होता है सीजेएम, जेएमएफसी जेएमएससी हमने पढ़ा था ना चार स्टूडेंट्स मेट्रोपोलिटन एरिया एंड अदर एरियाज मेट्रोपोलिटन एरिया में क्या होता है सीएमएम होता है उसके नीचे एमएमएम MMM होता है अगर हम अदर्स की बात करें सीजेएम होता है उसके नीचे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होता है फिर हमारा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास होता है ठीक है क्लियर है बराबर क्लियर अभी देखो जो आप पावर्स की बात कर रहे हो वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट बता देगी कि कौन क्या माना जाएगा लेकिन ये सेक्शन नंबर थ्री बोल रहा है कि अगर हमने ये वर्ड्स यूज किए तो मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए आप ये मानेंगे एंड अदर एरिया के लिए यह मानेंगे किसी को कोई डाउट तो बताओ सेक्शन नंबर थ्री के अकॉर्डिंग यह सारी चीजें दे रखी है पढ़ना है किसी को सेक्शन नंबर थ्री तो बोलो बराबर एज पर द टेबल जे एम एस सी विल बी एम एम इन मेट्रोपोलिटन एरिया चलो एक बार पढ़ लेते हैं सुनो हम पढ़ रहे हैं क्लॉज ए का फर्स्ट पॉइंट इन रिलेशन टू आउटसाइड मेट्रोपोलिटन एरिया ऐसे एरियाज जो कि आउटसाइड मेट्रोपॉलिटन एरिया है उसको क्या बोलेंगे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इन रिलेशन टू मेट्रोपॉलिटन एरिया ये क्या हो गया मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट पॉइंट नंबर बी इन रेफरेंस टू मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास सेकंड क्लास के मामले में आते हैं इन रिलेशन टू आउटसाइड मेट्रोपॉलिटन एरिया जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास एंड इन रिलेशन टू मेट्रोपॉलिटन एरिया इट विल बी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट देखो पॉइंट नंबर सी पढ़ रही हूं इन रेफरेंस टू मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास इन रिलेशन टू मेट्रोपॉलिटन एरिया

उसको हम क्या बोलेंगे सी बोलेंगे बराबर इन अदर कोर्ट अनलेस द कॉन्टेक्स अदरवाइज रिक्वायर एनी रेफरेंस इन दी कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स इन रिलेशन टू मेट्रोपॉलिटन एरिया इन रिलेशन टू मेट्रोपॉलिटन एरिया बी कंस्ट्रूड एज रेफरेंस टू दी मेट्रोपॉलिटन एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया अनलेस द कॉन्टेक्स अदरवाइज रिक्वायर एनी रेफरेंस एनी रेफरेंस इन एनी कमेंसमेंट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ इनैक्टमेंट पास बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट टू दी मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास टू दी शैल बी कंस्टिट्यूट रेफरेंस टू दी जुडिशियल फर्स्ट क्लास सेकेंड बोला है थर्ड क्लास शैल बी कंस्टिट्यूट एज द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द्लास एंड टू देसिडेंसी मैजिस्ट्रेट एंड चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट टू अट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट और चीफ मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट बताओ कहां डाउट है किसी को कोई डाउट है बताओ जी और ऐसा कुछ डाउट है तो मुझे जरूर बता देना ठीक है क्लियर है हालांकि आपको जो मेन फोकस रखना है वो इस पर रखना है ठीक है है प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट वगैरह से से पूछा नहीं जाता हालांकि इनफैक्ट यहां से सवाल आता भी नहीं है बट फिर भी आप इस तरीके से जरूर समझना कि अगर उन्होंने कोई वर्ड यूज किया है तो वो किस कॉन्टेक्ट में यूज किया जा रहा है ठीक है okay? क्लियर है ओके सबको क्लियर है सुमिता जी वीडियो की क्लैरिटी एक बार बढ़ा दीजिए आप जाके ओके okay? चलिए शुरुआत करेंगे हमारे डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है आपके प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी एज वेल एज एज वेल एज किसके लिए इंपॉर्टेंट रहती है हमारे मेन्स के लिए भी ठीक है क्लियर है अब सुनो हमने बोला स्टूडेंट्स कि डेफिनेशन हमारे प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहती है लेकिन आपको यह समझना है कि जब आप डेफिनेशन पढ़ रहे हो तो उसके क्लॉजेस भी इक्वली इंपॉर्टेंट रहते हैं जहां सबसे पहले हमारे पास क्या है

और अगर कोई भी लॉ है तो वो भी क्या होगा अगर बता रहा है कि कोई पर्टिकुलर ऑफेंस बेलेबल है तो वो मामले में हम उस मामले में ऑफेंस में बेल देंगे एंड दैट विल बी कंस्टिट्यूड एज अ बेलेबल ऑफेंस बी पॉइंट बोल रहा है दैट वॉज दिट इज मेंट बाय अ चार्ज चार्ज मीन्स द हेड ऑफ द चार्ज चार्ज मीन्स द हेड ऑफ द चार्ज जब एक से ज्यादा हेड है फिर आता है हमारे पास Cognizable offense, जो बताता है टू एल के साथ पढ़ेंगे अब कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या हुआ स्टूडेंट्स वो सारे ऑफेंस जहां पर इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है बिना मेजिस्ट्रेट के परमिशन की जहां पे अरेस्ट किया जा सकता है बिना मेजिस्ट्रेट के कोई भी वॉरेंट के ऑर्डर्स के स्टूडेंट वॉट इज कंप्लेट अच्छा टू सी को पढ़ लेते हैं हमारे टू एल के साथ दैट इज नॉन कॉन्जेबल ऑफेंस जहां पर आप इन्वेस्टिगेशन या फिर अरेस्ट बिना मेजिस्ट्रेट के पावर्स के नहीं कर सकते हैं नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज क्लियर नहीं दिख रही है स्टूडेंट ओके जरा मैं इसका क्वालिटी एक बार चेक करवा देती हूँ स्टूडेंट्स मैं भी यहां से एक बार एक बार चेक कर लूंगी ठीक है क्लियर है एक बार मैं भी चेक कर लूंगी स्टूडेंट्स आगे सुनते जाओ Complain क्या होती है कंप्लेन रखना भी, भी दे सकते हैं ऑलवेज रिमेंबर हमेशा और हमेशा मैजिस्ट्रेट को दी जाती है व्यू ऑफ हिज टेकिंग एक्शन दैट एनी पर्सन हैज कमिटेड एनी ऑफेंस चाहे वो पर्सन नोन हो या अनोन हो ठीक है स्टूडेंट्स क्लियर है ओके okay. चाहे वो पर्टिकुलर पर्सन नोन है या अनोन है उस पर्सन के अगेंस्ट हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स कंप्लेन दे सकते हैं किसको मेजिस्ट्रेट को कंप्लेन दे सकते हैं ध्यान आपको ये चीज रखना है स्टूडेंट्स कि कंप्लेन में क्या नहीं आता है कंप्लेन में एक चीज नहीं आती है दैट इज पुलिस रिपोर्ट कभी भी कंप्लेन में नहीं आता है कंप्लेन ओरली भी हो सकती है रिटर्न भी हो सकती है और हमेशा किसको दी जाएगी हमेशा मेजिस्ट्रेट्स को ही कंप्लेन दी जाएगी इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी यस और नो नहीं इस क्लास में केस लॉ नहीं होगा सेशन बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा इस क्लास में केस लॉ नहीं होगा पीडीएफ में ऑलरेडी बता चुकी हूं स्टूडेंट्स पीडीएफ आप कैसे लेंगे पीडीएफ आप जाके लेंगे पीडब्ल्यू लॉ वाला टेलीग्राम चैनल से ठीक है

हाई कोर्ट हमने पढ़ लिया नेक्स्ट पढ़ेंगे इंडिया क्या होता है भारत इंडिया कहीं और भी डिफाइंड है यस और नो इंडिया मींस वो पूरी टेरिटरी जहां पर ये कोड एक्सटेंड करता है ठीक है मैं मैं बात करवाती हूँ जी एक बार टीम आ जाए मैं टीम को बोलती हूँ क्वालिटी चेक कर लेंगे वो ओके आगे सुनो व्हाट इज इंक्वायरी इंक्वायरी कौन कंडक्ट करता है स्टूडेंट्स इंक्वायरी इज ऑलवेज कंडक्टेड बाय योर मेजिस्ट्रेट्स एंड रिमेंबर दिस थिंग रिमेंबर दिस थिंग कि जब भी स्टूडेंट्स हम इंक्वायरी की बात करते हैं साफ साफ लिखा है मेजिस्ट्रेट या कोर्ट दोनों कर सकते हैं इंक्वायरी इज द प्रोसीजर प्रोसीजर अदर देन योर ट्रायल ट्रायल को कहीं डिफाइन नहीं किया गया है हालांकि इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी डिफाइंड ट्रायल इज नॉट डिफाइंड एनीवेर बट हम लोग ट्रायल की डेफिनेशन भी समझेंगे ऑलवेज रिमेंबर ट्रायल हो गया इंक्वायरी हो गया दे आर सेट टू बी दी जुडिशियल प्रोसीडिंग पार्ट ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग इन्वेस्टिगेशन कभी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं होता है बिकॉज इन्वेस्टिगेशन कौन करता है स्टूडेंट इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड बाई दी पुलिस नेक्स्ट होता है हमारा जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होता है जुडिशियल प्रोसीडिंग मीन्स वो प्रोसीडिंग जो कि वो प्रोसीडिंग जहां पर कि हम ओथ पे एविडेंसेस ले सकते हैं जहां पर एविडेंसेस लिए जा सकते हैं ओथ पर अच्छा इन्वेस्टिगेशन छूट गया इन्वेस्टिगेशन कौन करता है स्टूडेंट्स इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड बाय

अगर हमको मेजिस्ट्रेट ने पावर दिया है वी कैन डू दैट लोकल ज्यूरिस्टिक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? वो ज्यूरिस्डिक्शन जहां तक की कोर्ट या मेजिस्ट्रेट अपना पावर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं नेक्स्ट इज मेट्रोपोलिटन एरिया जो इन्होंने बोला भाई सेक्शन एट में जो बता रखा है वो मेट्रोपोलिटन एरिया एंड मेट्रोपोलिटन एरिया में सेक्शन नंबर एट में क्या बताया स्टूडेंट्स दे कि जहां पर वन मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन पॉपुलेशन है that is to say 10 lakh से जहां population है दैट दैट इज इज टू टू से से लाख ज्यादा जहां सेट बी अ मेट्रोपोलिटन एरिया नेक्स्ट इज नॉन कॉमजल ऑफेंस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं नोटिफिकेशन क्या होता है नोटिफिकेशन जो कि आपको टेलीग्राम पे अक्सर लेट मिल जाता है यस और नो चलिए नोटिफिकेशन उन्होंने डिफाइन किया कि कि कोई भी नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल गैजेट में दिया गया ऑफिशियल गैजेट में कोई भी नोटिफिकेशन दिया है तो वो नोटिफिकेशन की कैटेगरी में आता है नेक्स्ट इज ऑफेंस ऑफेंस क्या है सेक्शन नंबर 40 ऑफ आईपीसी में भी डिफाइंड एक चीज ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स जब मैं ऑफेंस वर्ड की बात करती हूं तो जो सीआरपीसी में डेफिनेशन दे रखी है ऑफेंस की उससे ज्यादा वाइड डेफिनेशन कहां दे रखी है सेक्शन 40 ऑफ आईपीसी में दे रखा है क्योंकि यहां पे सेक्शन नंबर एन ऑफ ऑफेंस में क्या बोला एनी एक्ट और ओमिशन पनिशेबल बाय लॉ फॉर टाइम बिग इन फोर्स कोई भी ऐसा एक्ट या ओमिशन मतलब कोई कार्य करना और कुछ नहीं भी करना ओमिशन कब पनिशेबल होगा स्टूडेंट्स ओमिशन तब पनिशेबल होगा जब आपकी कोई ड्यूटी है परफॉर्म करना फॉर एग्जांपल इफ आई एम अ नर्स माय ड्यूटी इज टू माय ड्यूटी इज टू गिव द मेडिसिंस दी डेली बेसिस टू पेशेंट वन डे आई इंटेंशनली ओमिटेड सो दर्सन की डेथ कॉज हो जाए या उसकी जो भी इंजरी कॉज हो तो मेरी ड्यूटी थी लेकिन मैंने नहीं किया ड्यूटी तो करने से विच वॉजे टू बी एन ऑफेंस लेकिन सेक्शन नंबर फोर्टी को देखे तो उन्होंने बोला एनी एक्ट विच इज विच इज पनिशेबल अंडर दिस कोर्ट और एनी अदर स्पेशल लॉ और लोकल लॉ साथ ही साथ आईपीसी में अब देखो ऑफेंस को बोले या इलीगल बोले बोलें दोनों चीज कई बार हमें सेम लगता है लेकिन दोनों को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है जहां पे सेक्शन नंबर सेक्शन नंबर अगर हम आईपीसी में देखें फोर्टी थ्री क्या बोलता है उन्होंने बोला है एनी एक्ट विच इज एन ऑफेंस प्रोहिबिटेड बाय लॉ और विच गिव राइज टू सिविल एक्शन तो कहने का मतलब यह है इन में बहुत सारी चीजें आती है इलीगल में बहुत सारी चीजें आती जिसमें से एक ऑफेंस है एंड ऑफेंस कहां डिफाइंड है सेक्शन 40 ऑफ आईपीसी एंड 2 एन ऑफ योर सीआरपीसी

कि यहां पे प्लेस क्या होती है टू पी डिफाइन स्टूडेंट्स प्लेस जो बोले हाउस बिल्डिंग टेंट वहीकल वेसल ये सब किस में आता है प्लेस में आता है प्लीडर वर्ड अच्छे से ध्यान रखना प्लीडर अक्सर आप इग्नोर कर देते हैं टू क्यू क्या डिफाइन करके दे रहा है स्टूडेंट्स प्लीडर जहां इन्होंने क्लियरली बोला है कि प्लीडर में आपको यह ध्यान रखना है कि जब हम प्रोसीडिंग की बात करें इन अ कोर्ट दैट मींस एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय और अंडर एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इंफोर्सड टू प्रैक्टिस इन सच कोर्ट एंड इंक्लूड एनी अदर पर्सन एम्प्लॉयड बाय दी अपॉइंटेड बाय दी परमिशन ऑफ दी कोर्ट तो फर्स्ट इज कौन है पहला वो पर्सन जो कि ऑथराइज्ड है ऑथराइज्ड है वहां पे प्रैक्टिस करने के लिए प्लस कोई भी स्टूडेंट्स ऐसा पर्सन है जिसको कोर्ट परमिट करे कोर्ट परमिट करे वो कौन होता है स्टूडेंट्स वो प्लीडर होता है यस और नो में live section में लाइव सेक्शन जवाब देंगे क्या हम बोल सकते हैं कि हर प्लीडर एडवोकेट होता है कैन वी से दैट हर पर्सन एक एडवोकेट होता है यस और नो मैं आंसर देते रहूंगी या पढ़ाऊंगी बताओ डियर स्टूडेंट्स मैम प्लीज एग्जांपल जो ओके शशांक फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स होंगे बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स होंगे जो कि इलीगल है अन इलीगल होने की वजह से वॉइड है लेकिन जरूरी नहीं कि वहां पे पनिशमेंट मिले ठीक है क्लियर है यस, एब्सोल्युटली वेरी गुड कपिल जी चौरसिया कोचिंग सेंटर सोनिया बिश्नोई आशुतोष जी सुमिता जी संस्कार जी वेरी गुड एब्सोल्युटली Why? Why? जयराजी पूजा जी रीजन बहुत सिंपल है स्टूडेंट वो पर्सन वो पर्सन जो की लॉ डिग्री होल्ड करता है प्लीडर जिसको कि कोर्ट परमिट करते कॉमन प्लीड योर केस अलाउड है ऐतराज मूवी देखी है हमने राइट अब उसके बाद कौन बचता है एडवोकेट advocate. एडवोकेट कौन हुए जो की स्टेट बार काउंसिल पर एनरोल्ड है जिन्होंने ए आई बी का एग्जाम दिया है प्रॉपर जिनको लाइसेंस मिला हुआ है बराबर क्लियर है नेक्स्ट इज पुलिस रिपोर्ट क्या होता है स्टूडेंट्स पुलिस रिपोर्ट मीन द रिपोर्ट विच इज सबेड बाई दुलिस बट 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 ये पुलिस रिपोर्ट का हमें पॉइंट और कहाँ देखने को मिला था स्टूडेंट्स ये मिला था हमें अभी टू डी में देखने को जहां हमने कंप्लेंट पढ़ी थी बिकॉज इन्होंने बोला कि कंप्लेंट में एक चीज नहीं आती है और वो क्या नहीं आती है वो होता है पुलिस रिपोर्ट पुलिस रिपोर्ट मीन्स कैन आई से चार्जशीट येस दैट इज चार्जशीट नेक्स्ट इज पुलिस स्टेशन क्या होता है पुलिस स्टेशन मीन्स इसमें चौकी भी आ सकती है ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स इट मीन्स एनी पोस्ट और

स्पेसिफाई है कि यहां पे पर्टिकुलर एरिया का पुलिस थाना रहने वाला तो चौकी भी होगी और पुलिस प्रिस्क्राइब हो मतलब मतलब होता जहां पर भी दे, दे दिया जाए प्राइड मीनस की बात कर रहा है।, क्या होता है इन्होंने बोला सेक्शन नंबर ट्वेंटी को रेफर कर लो ट्वेंटी में अच्छे से पढ़ेंगे हाई कोर्ट्स एंड अदर कोर्ट्स के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है फिर उसके बाद में सब डिविजन क्या होता है डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट में भी सब डिविजन

ओके अंडरस्टूड यस, यू कैन प्लीड योर ओन केस एब्सोल्युटली उर्वशी जी बिल्कुल प्लीड कर सकते हैं अब सुनो अच्छी सी अच्छी अच्छी वाली चीज सुनो गार्डियन में स्टूडेंट्स क्या क्या इंक्लूड होता है सॉरी विक्टिम में गार्डियन प्लस लीगल है नेक्स्ट इज वार्ट केस हम इंक्लूड कर चुके हैं स्टडी कर चुके हैं टू वाई क्या बोलते इन सीआरपीसी सीआरपीसी में कोई भी वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज कर रखे हैं जो कि सीआरपीसी में डिफाइंड नहीं है लेकिन आईपीसी में डिफाइंड है तो वही मतलब होगा जो कि हमने आईपीसी में वर्ड दे रखा है अब एक डेफिनेशन जो आप सबके लिए जानना जरूरी रहता है उससे पहले सर एक बार चेकआउट कीजिएगा क्वालिटी स्टूडेंट्स बोल रहे थे क्वालिटी बराबर है क्या ठीक है ओके एक वर्ड स्टूडेंट्स आपको देखना है ट्रायल ट्रायल की डेफिनेशन लिख लेंगे सभी स्टूडेंट्स अगर किसी ने नहीं लिखा है तो ठीक है क्योंकि अगर आपके मेंस में डेफिनेशन आ गई या इंटरव्यू में आपको पूछ लिया गया तो आपको पता होना चाहिए ठीक है ट्रायल भी क्या है स्टूडेंट्स ट्रायल इज ऑल्सो अ जुडिशियल प्रोसीडिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग विच कम्स टू एन एंड विच कम्स टू एन एंड आइदर बाय आइदर वर्ड लिखना है ना आइदर बाय एक्विटल और बाय कन्विक्शन ठीक है आइदर बाय एक्विटल और बाय कन्वेक्शन जो जुडिशियल प्रोसीडिंग एंड पर आ जाए उसको क्या बोलते हैं हम ट्रायल बोलते हैं ठीक है क्लियर है चलो स्टार्ट करेंगे अब हम अपना क्रिमिनल कोर्ट्स का पार्ट दैट इज सेक्शन नंबर सिक्स से लेके सेक्शन नंबर ट्वेंटी फाइव ए कहीं पर लगे कहीं पर लगे कि मैम हमें स्लाइड्स को जूम करके बता दीजिए तो मैं स्लाइड्स को जूम करके बता दूंगी मैंने हर स्लाइड पे स्टूडेंट्स आपके लिए चार्ट्स बना के रखे हुए हैं ताकि हमें कोई आगे प्रॉब्लम ना हो और हमारा लिखने में जो है ज्यादा वक्त ज़ाया ना हो इसलिए मैंने कोशिश की है कि हम ज्यादा से ज्यादा चीज़ों को ऑलरेडी नोट्स फॉर्मेट में बना के लाए एंड यू ऑल पीपल ऑलवेज नो कि मैं थोड़ा हस्तलिखित में ज्यादा मानती हूँ क्योंकि हस्तलिखित चीज़ें क्या होती है ज़्यादा ईजीली याद रहती है ठीक है सुशांत जी मैम यू हैव नॉट आंसर्ड मी अरे 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 सॉरी 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 आई एम रियली सॉरी देखो मान रही हूँ टेलीग्राम पे काफ़ी टाइम से स्टूडेंट्स के जो मैसेजेस हैं वो आ रहे हैं मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ थोड़ा सा स्टूडेंट्स हद से ज़्यादा बिजी स्कड्यूल होने की वजह से मैं थोड़ा रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ कल परसों में एक दो स्टूडेंट के भी कॉल है मैं वो भी रिसीव नहीं कर पाई आई एम रियली वेरी सॉरी सॉरी स्टूडेंट्स ठीक है जैसे ही समय मिलता है मैं मैं जल्दी रिस्पॉन्ड करूँगी आप सभी स्टूडेंट्स को ठीक है चलो आगे चलो हमने बोला स्टूडेंट्स अगर कोई भी ऑफेंस होता है तो ट्राई कौन करेगा क्रिमिनल कोर्ट ट्राई करेगा क्या हर कोई कोर्ट ट्रायल कर लेगा क्या नहीं कंडक्ट करेगा बिकॉज क्रिमिनल मैटर्स में एक क्रिमिनल कोर्ट ही ऑफेंस को ट्राई करेगा तो पहले यह समझना है स्टूडेंट्स कि क्रिमिनल कोर्ट होता क्या है तो सेक्शन नंबर सिक्स ने बता बोला इधर आओ हम आपको बता कि कौन कौन से जो कोर्ट्स हैं वो कौन कौन से जो कोर्ट्स हैं वो क्रिमिनल कोर्ट्स के डेफिनेशन में आता है जागृति जी बताओ क्या नहीं क्लियर हुआ यह भी बताना ठीक है तो कौन कौन से कोर्ट्स जो है वो क्रिमिनल कोर्ट है सेक्शन नंबर सिक्स में अच्छे से आपको जवाब मिल जाएगा इन्होंने बोला अपार्ट फ्रॉम हाई कोर्ट मतलब court. Court जी, एक बार क्लास में फोकस करो ठीक है अच्छे से फोकस करो सुप्रीम कोर्ट आपका क्रिमिनल कोर्ट नहीं है आगे सुनिए तो पहला हो गया हाई कोर्ट और उसके अलावा दूसरे कोर्ट्स कौन से हुए विच आर कॉन्स्टिट्यूटेड अंदर एनी अंदर लॉ हाई कोर्ट के अलावा ये सारे कोर्ट्स तो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं प्लस और कोई अदर कोर्ट बोले कि कि हमारे लिए या कोई है, वो बता स्पेशल कोर्ट होने वाला है तो वो स्पेशल कोर्ट उस पर्टिकुलर क्रिमिनल एक्ट के लिए क्रिमिनल कोर्ट रहने वाला है जहां सबसे पहले बोला गया है एवरी स्टेट फॉलोइंग क्रिमिनल कोर्ट हर स्टेट में ये फॉलोइंग क्रिमिनल कोर्ट तो होंगे अपार्ट फ्रॉम हाई कोर्ट फर्स्ट इज कोर्ट ऑफ सेशन सिविल मैटर्स में क्या हो जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बन जाता है लेकिन क्रिमिनल मैटर्स में वही कोर्ट क्या हो जाता है सेशन न्यायालय हो जाता है दैट इज कोर्ट ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन हो जाता है देखो मैं पढ़ा हिंदी रही हूं बट हिंदी में ही सेम कंटेंट लाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर मी ठीक है बार बार स्पैम बेटा नहीं करोगे तो समस्या हो जाएगी ठीक है तो मैं आपको पहले ही बता रही हूं ठीक है पढ़ा मैं हिंदी लैंग्वेज बोथ में रही हूँ लेकिन कॉन्टेंट आपको हाल फिलहाल के लिए इंग्लिश में ही मिलेगा ठीक है आगे सुनो चलो सुनो थैंक यू कृतिका जी चलो यस इट इज एन अरे अरे सुनो 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 एस के लिम जी ये वन शॉट सिर्फ वो अच्छे से देखे हैं वो अच्छे से देखेंगे जो ऑलरेडी अच्छे से पढ़ चुके हैं पहली बार ये वन शॉट पढ़ो बाउंसर जाएगा और बहुत चीजें आपकी क्लियर नहीं होगी प्लीज यू हैव टू गो थ्रू अ प्रॉपर क्लासेस मैं ये नहीं बोल रही बैच खरीदो जहां आपको परचेस करना जहां अच्छा लगे वहां परचेस करो अभी हाल फिलहाल तो हम बैच भी नहीं दे रहे तो दैट इज नॉट एट ऑल अ प्रमोशन ठीक है तो आपको जो बैच अच्छा लगे आप आराम से एनरोल करो लेकिन ये वन शॉर्ट्स उनके लिए जो ऑलरेडी पहले अच्छे से सब्जेक्ट को पढ़ चुके हैं ठीक है नाउ लेसन अब अच्छे से सुनो पहला बोला कोर्ट ऑफ सेशन सेकंड सेकंड बोला मैजिस्ट्रेट मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास क्लास एंड एग्जीक्यूटिव और मेट्रोपॉलिटन एरिया में क्या हो जाता है मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट हो जाता है तो अच्छे से देखें तो हमारे पास कितने क्रिमिनल कोर्ट हो गए पांच हो चुके हैं इन्होंने क्रिमिनल कोर्ट इनको बोला प्लस हाईकोर्ट में भी क्या बोला है कि एक तरीके का हमारा क्रिमिनल कोर्ट ही है बराबर आगे सुनो इन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट ट्राई है क्रिमिनल केस इट हैज ओनली एंड ओनली एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन क्या है सिर्फ और सिर्फ एपिलेट जूरिस्डिक्शन है हां जी एल के लिए भी बराबर है नेक्स्ट चलेंगे टेरिटोरियल डिविजन किस तरीके से हमारी टेरिटरीज को डिवाइड किया जाता है स्टेट के अंदर तो पहले बोला गया है सेक्शन नंबर सेवन वन में कि हर स्टेट में सेशन डिवीजन होने वाला है क्या होने वाला है सेशन डिवीजन होने वाला है जैसे राजस्थान में संभाग होते हैं और जिले होते हैं ठीक है कितने संभाग बन चुके हैं राजस्थान में बताओ कितने संभाग और कितने जिले बन चुके हैं हम दस संभाग और नहीं 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 कौशल जी आप मेट्रोपॉलिटन एरिया सिर्फ लेवल अलग हुआ ना सिर्फ लेवल अलग हुआ आप छह नहीं बोल सकते ठीक है क्लियर है कौशल्या जी साजिद जी बोल रहे एल एल बी के लिए नहीं एमबीए के लिए अरे रोस्ट कर रहे हो एक दूसरे को ही ठीक है क्लियर है ओके विराट जी वेरी गुड जीत जी दस संभाग बन चुके हैं और पचास जिले बन चुके हैं ठीक है फाइव राशि फाइव ओके नहीं शिवम कोई जेनुअनली अगर मान लो मैं कहीं त्रुटि कर दू आप लोग मुझे कोई बताओ फिर मेरे को में में पता नहीं चले। 5 -10, बराबर 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 ठीक है चलिए आगे सुनो metropolitan area में क्या होगा होने वाला है मेट्रोपोलिटन एरिया में अलग सेशन डिविजन एंड अलग से डिस्ट्रिक्ट होने वाला है अब सुनो सेक्शन नंबर सेवन सबसे थ्री में यह बोला जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ हाईकोर्ट ये तीन चीजें कर सकता है पहला ऑल्टर कर सकता है हमारे किसी भी डिवीजन या फिर डिस्ट्रिक्ट को किसी भी डिवीजन या डिस्ट्रिक्ट को संभाग या जिले का बाउंड्री कम ज्यादा कर सकता है कौन सेशन स्टेट गवर्नमेंट विद दी विद कंसल्टेशन ऑफ विद कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट सेकंड बोल रहा है ऑल्टर कर सकता है इन्होंने बोला चेंज द नंबर ऑफ डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट भी कर सकता है सेवन टू में सेवन थ्री में बोला डिवाइड एनी डिस्ट्रिक्ट इनटू सब डिविजन एक डिस्ट्रिक्ट को हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स सब डिविजन में डिवाइड कर सकते हैं क्लियर है तो एक संभाग में बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं इन्होंने बोला एक डिस्ट्रिक्ट को हम आगे क्या कर सकते हैं सब डिवाइड कर सकते हैं प्लस और और चेंज दी दी लिमिट नंबर ऑफ सब सब भी सेक्शन थ्री में इन्होंने बोला आप ऑल्टर भी कर सकते हो और चेंज भी कर सकते हो क्या लिमिट किसकी सब डिविजन की सब डिविजन की लिमिट भी कर सकते हैं सॉरी डिवाइड भी कर सकते हैं लिमिट uh, भी चेंज कर सकते हैं और कर सकते हैं इज इट क्लियर ठीक है ओके okay. मैम आप राजस्थान में कहाँ हो जोधपुर में बराबर मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है शुभांगी जी ओके okay. हाँ स्पेशल कोर्ट भी इंक्लूड होता है कौशल्या जी स्पेशल कोर्ट भी लेकिन सुनिए कौशल्या जी स्पेशल कोर्ट का जिक्र इन्होंने यहाँ नहीं किया क्योंकि स्पेशल कोर्ट जिक्र अपना स्पेशल लॉ में कर देगा ओके okay? क्लियर है आगे सुनो आगे सुनेंगे। yes, hierarchy of the criminal courts. ये के के पढ़ेंगे और और उसके बाद हम कहां चलेंगे? उसके बाद बाद हम हम चलेंगे? चलेंगे एक-एक में बैठे सारे पावर्स की बात करेंगे क्लियर okay? है नो दिस इज नॉट टॉट ऑन बेसिस ऑफ द न्यू सिलेबस अगर न्यू सिलेबस होता तो क्या ये सीआरपीसी होता नहीं ये होता बीएनएसएस क्योंकि सीआरपीसी सीआरपीसी थी अब सीआरपीसी सीआरपीसी नहीं रही वो बी एन एस एस हो चुकी है कोई भी ओल्ड सीआरपीसी न्यू सीआरपीसी ओल्ड आईपीसी न्यू आईपीसी नहीं बोलेगा ओके चलो सबसे पहले आता है स्टूडेंट्स हमारे पास सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इज नॉट अ क्रिमिनल कोर्ट ध्यान रखेंगे ये मैंने हायर की सारे कोर्ट्स की बना दी है क्रिमिनल मैटर्स के मामले में ध्यान रखेंगे ध्यान रखेंगे

तो अगर मैं बात करूं कोर्ट ऑफ सेशन एंड एडिशनल सेशन जज ऑलमोस्ट सेम रैंक दे रखी है हमारे मतलब पावर्स अगर आप देखोगे तो सेम दे रखा है सीआरपीसी में बट व्हेन वी व्हेन वी टॉक अबाउट एडिशनल सेशन जज तो यहां पे पावर्स में क्या है यहां पे पावर्स थोड़े कम दिए गए हैं फिर इसको डिवाइड करते हैं दो एरियाज में दैट इज एरिया एंड अदर देन एरिया मेट्रोपोलिटन एरिया में पहले कौन आता है सीएमएम आता है एडिशनल सीएम आता है एंड एंड मेट्रोपोलिटन मेजिस्ट्रेट आता है ठीक है क्लियर है स्टूडेंट्स को इज इट क्लियर यस और नो बराबर आगे सुनेंगे सभी स्टूडेंट्स ये हम आगे कवर करेंगे ठीक है इस चीज को हम स्टूडेंट्स आगे कवर करेंगे सारे पनिशमेंट्स को उसके बाद हम बात करते हैं अदर देन मेट्रोपॉलिटन एरिया जिसमें सीजेएम आता है जुडिशल मैसेज फर्स्ट क्लास आता है जुडिशियल मैसेज सेकंड क्लास आता है अब अगर आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स इस तरीके से चार्ट बना सकते हैं जहां पे मेट्रोपॉलिटन एरिया कहां डिफाइंड है सेक्शन एट में डिफाइंड है सीएमएम के के बारे बारे में 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 सेक्शन बताया बताया एडिशनल सीएम और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बारे में में बताया ये इनके पनिशमेंट्स के सेक्शन हो गए स्पेसिफिकली सेक्शन नंबर एंड नाइन अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि यहां पे पनिशमेंट देखी है चलो पनिशमेंट भी हम लोग यही डिस्कस कर लेते हैं अगर हम स्टूडेंट सेशन जज की बात करें या कोर्ट ऑफ सेशन की बात करें कितना पनिशमेंट होता है वो कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स कोई भी पनिशमेंट ये दे सकते हैं लेकिन अगर उनको डेथ सेंटेंस देना है तो वो कंफर्म करेंगे हाई कोर्ट से अंडर चैप्टर नंबर 28 चैप्टर नंबर 28 में उनको हाई कोर्ट से कंफर्म करना पड़ेगा एडिशनल सेशन जज एंड कोर्ट ऑफ सेशन कोई भी पनिशमेंट दे सकते हो विच इज ऑथोराइज बाय लॉ बट इफ दे वांट टू गिव डेथ सेंटेंस इट हैज टू बी इन कंफर्मेशन विद दाई कोर्ट नेक्स्ट इज असिस्टेंट सेशन जज साल तक दे सकता है। अगर हम बात करें सीजीएम की, तो वो दे सकते हैं साल, तक, साल, तक, एक साल तक। में हमारे कितने टाइप के जजेस को डाला है या कितने टाइप के कोर्ट्स को डाला है मैं बोलूं तो अच्छे से हमने तीन टाइप ऑफ कोर्ट्स एंड जजेस को इंक्लूड किया है एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है एंड हमारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर है देखो पहले हमने टेबल में क्या लिखा कोर्ट ऑफ सेशन फिर क्या लिखा जुडिशियल फिर क्या लिखा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इट इज एक्टिव लेकर सारी चीजों का पूरा चार्टस्ट तरीके से बन सकता है जहां पहले हम कोर्ट्स एंड जजेस की बात करेंगे कोर्ट को स्टैब्लिश अलग अथॉरिटी करती है स्टूडेंट्स एंड कोर्ट के अंदर बैठने वाले जजेस की नियुक्ति, अलग authority करती है ये दो कॉन्सेप्ट अच्छे से ध्यान रखना फिर है इनके के बारे में बात करेंगे कोई special है या इनका कौन होने वाला है? फिर बात करेंगे इनके पावर्स टू गिव पनिशमेंट ठीक है हाँ जी आ जाएगा आ जाएगा क्लैट 2025 के लिए भी जल्दी बात जाएगा ओके चलो शुरू करेंगे कोर्ट ऑफ सेशन एडिशनल सेशन जज एंड असिस्टेंट के बारे में कहा दे रखा है चलो साजिद जी फोकस है ना आ जाओ फोकस अब सुनो कोर्ट ऑफ सेशन हमें दे रखा है स्टूडेंट सेक्शन नंबर नाइन में जो ये बताता है वेरी गुड कौशल्या जी दीप्ति जी ओके okay, रोहित जी सेक्शन नंबर नाइन ये कहता है कि हमारे कोर्ट ऑफ सेशन को स्टैब्लिश कौन करेगा और वहां के जजेस की नियुक्ति कौन करेगा एक एक पॉइंट अच्छे से समझने वाले हैं ठीक है

एक सेशन जज दूसरे जगह का दैट इज दूसरे सेशन डिवीजन का क्या बन सकता है एडिशनल सेशन जज बन सकता है कौन बताएगा ये? ये भी हाई कोर्ट बताने वाला है ये भी हाई कोर्ट बताने वाला है राइट जागृति जी नेक्स्ट इज इफ सीट ऑफ सेशन जजेस वेकड मान लो सेशन जज वहां नहीं है तो फिर तो ये हाई कोर्ट बताएंगे दैट कोई भी एडिशनल एडिशनल सेशन 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 जज 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 या असिस्टेंट को वो बना देंगे वो भी कौन बनाएगा हाई कोर्ट बनाएंगे कोई भी एडिशनल सेशन जज या असिस्टेंट सेशन जज को कोई भी नहीं उसी पर्टिकुलर कोर्ट को क्या करेंगे वो सेशन जज बना देंगे अगर सेशन जज वहां नहीं है अब मान लो असिस्टेंट सेशन जज या एडिशनल सेशन जज भी नहीं है तो क्या करना है मैम तो इन दैट केस हाईकोर्ट में अपॉइंट सीजीएम फॉर द डिस्पोजल ऑफ अर्जेंट एप्लीकेशन हाईकोर्ट किस को अपॉइंट कर लेगा सीजीएम को अपॉइंट कर लेगा कोई करने के लिए एंड कोर्ट ऑफ सेशन की सिटिंग कहा होगी स्टूडेंट जो कि हाईकोर्ट नोटिफाई करेगा एक्सेप्ट दसेंट ऑफ द अक्यूज प्लस प्रोसिक्यूशन दैट इज कंसेंट लेनी पड़ेगी किसकी अक्यूज एंड प्रोसिक्यूशन की अगर ऐसा मामला है तो और उसके बाद कोर्ट ऑफ सेशन की सिटिंग डिस, कौन डिसाइड करेगा हाई कोर्ट डिसाइड करेगा अब कोर्ट ऑफ सेशन के स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे सबॉर्डिनेट्स भी देखेंगे कोर्ट ऑफ सेशन का सबॉर्डिनेट कौन हुआ बताओ कोर्ट ऑफ सेशन का सबॉर्डिनेट कौन होगा या सेशन जज का सबॉर्डिनेट कौन होगा असिस्टेंट सेशन जज होने वाला है यस yes, JLO में यही सिलेबस रहेगा ठीक है क्लियर है ली लीला वानी जी बेटा ये जुडिशरी की क्लास चल रही है जेलों की क्लास चल रही है क्लैट का जो डाउट है स्टूडेंट्स हम क्लैट की क्लास में डील करेंगे ठीक है वैसे फिफ्टींथ ऑगस्ट को भी डील करेंगे हम फिफ्टींथ ऑगस्ट को मिलेंगे ठीक है एक सरप्राइज है स्टूडेंट्स के लिए अब बेचारे मेरे भोले भाले मासूम जुडिशरी के बच्चे ये खुश हो गए और जुडिशरी बात चाहे है ना कितने मासूम हो आ जाओ चलो सेशन जज के सब कौन होगा असिस्टेंट सेशन जज होगा ठीक है कौन बोलता है सेक्शन नंबर टेन ने ये बोल दिया है सेशन जज विल मेक द रूल्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बिजनेस अमंग ऑल दी जजेस जो भी उनके एडिशनल सेशन जज है असिस्टेंट सेशन जज है कौन बनाने वाला रूल्स? सेशन जज बनाने वाला है आगे प्रोविजन बाय द सेशन जज फॉर द डिस्पोजल ऑफ द अर्जेंट एप्लीकेशन हमारे सेशन जज प्रोविजन बना के देंगे कि कोई अर्जेंट एप्लीकेशन वो किस तरीके से डिस्पोज ऑफ करनी है अगर सेशन जज एबसेंट है तो फिर एडिशनल एंड असिस्टेंट सेशन जज अर्जेंट मैटर्स को डील कर सकते हैं एंड अगर कोई भी एडिशनल या सेशन जज नहीं है तो फिर सीजीएम को डिसाइड कर सकते हैं अर्जेंट मैटर्स या अर्जेंट एप्लीकेशन को सुन सकते हैं ऐसा प्रोविजन हमारा पहले से सेशन जज बना सकता है नेक्स्ट इज पावर्स ऑफ द पनिशमेंट सेक्शन नंबर कौन सा डील करता है स्टूडेंट्स 28 बोलता है कोर्ट कोई भी पनिशमेंट दे सकता है एडिशनल सेशन जज एंड सेशन जज कोई भी पनिशमेंट दे सकता है लेकिन डेथ को क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स डेथ को हमें कंफर्म करना पड़ेगा हाई कोर्ट द्वारा डेथ सेंटेंस देनी है तो आपको वो हाई कोर्ट द्वारा कंफर्म करके लानी है एंड अगर हम बात करें हमारे असिस्टेंट सेशन जज की तो वो टेन इयर्स तक की पनिशमेंट दे सकता है ठीक है यस जेएलओ के लिए इट इज मोर देन एनफ एंड सेमेस्टर्स के लिए भी इट इज मोर देन बट अगर जुडिशरी की बात करोगे तो दीज वन शॉर्ट आर नॉट एनफ प्रॉपर नोट्स बनाओ प्रॉपर अच्छे से जो फाउंडेशन बैच में हमने क्लासेस ली है वो भी देख सकते हो और कोई कहीं पे बैच ज्वाइन करना तो वो भी कर सकते हो ठीक है अपना बैच भी आएगा और बहुत जल्दी आएगा ठीक है चलो आगे सुनो अर्जुन जी अब भाई जो अर्जुन जी ने बोला है वो मैं पूरी लॉ वाला टीम को बोल के दिखा दू मैम जुडिशरी का बैच आएगा या नहीं हमें बताओ हम कहीं और एनरोल करें ठीक है ये डाउट देखो काफी सारे स्टूडेंट्स बहुत टाइम से बोल रहे हैं तो जल्दी आएगा ठीक है नहीं नहीं हजरा जी ये 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 क्लैट वालों के लिए है ठीक है सरप्राइज क्लैट वालों के लिए चलो आगे चलो आगे सुनो नेक्स्ट मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट किसकी बात कर ली अभी हमें अभी हमने कर ली बात कोर्ट ऑफ सेशंस की अब बात करेंगे स्टूडेंट्स हम किसकी अब बात करने वाले हम अपने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट्स की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट्स मतलब मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मतलब सेक्शन नंबर एट

पे मेट्रोपोलिटन कोर्ट्स को मेट्रोपोलिटन कोर्ट्स को स्टैब्लिश करेंगे ठीक है नेक्स्ट इज अब इनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा तो इनमें बैठने वाले जजेस का अपॉइंटमेंट किया जाएगा हाई कोर्ट द्वारा हाई कोर्ट यहां पे नियुक्ति करने वाला है बात करेंगे सेक्शन नंबर 17 के जो बोलता है अपॉइंटमेंट ऑफ सीएमएम एंड एडिशनल सीएमएम चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मेजिट्रेट एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को अपॉइंट कौन करेगा हाई कोर्ट ही करने वाला है यहां बात कर ली ना तो यहां पर भी हाई कोर्ट ही करने वाला है लेकिन इन्होंने क्या बोला अपॉइंट एंड जो सी एम एम है वो एम एम से बनता है दैट इज मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट को ही या तो हम सी एम एम बनाएंगे या एडिशनल सी एम एम बनाने वाले हैं ठीक है क्लियर है हो जाएगा जी हो जाएगा डू नॉट वरी ठीक है बराबर अब सुनो आगे

सबॉर्डिनेट टू दी सी एम एम तो दैट इज नॉट सी जे एम बच्चो दैट इज सी एम एम ओके सी एम एम यस सही है कि नहीं अब अभी यस yes, यस yes, कौशल्या जी वही मुझे लगा यहाँ पे जुडिशियल मैसेज नहीं है मेट्रोपोलिटन मैसेज ठीक है

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट्स के पनिशमेंट्स के पावर कहां दे रखे हैं? अच्छे से सुनो इन्होंने बोला सेक्शन नंबर ट्वेंटी नाइन सब सेक्शन फोर जहां ये बोलता है सीएमएम के पास पावर है सेवन इयर्स का सीएमएम का पावर एंड सीजीएम के पावर इक्वल है एंड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स का पावर कितना है स्टूडेंट्स थ्री ईयर है सेम जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जितना इनका भी पावर है ठीक है क्लियर है ओके यस जेएलओ के लिए सफिशियंट है जेएलओ के लिए सफिशियंट है ओके क्वालिटी बढ़ा लेंगे स्टूडेंट्स मैंने अभी चेक किया था थोड़ा क्वालिटी तो क्लियर हो सकता आपके हो, okay? है आपके यहां थोड़ा नेटवर्क का इश्यू हो ओके क्लियर है यस यस यू कैन जतिन जी यू कैन ओके मेरे नाम से सर्च कर लेना मुझे ओके okay? अब सुनो आगे सुनो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स मतलब वही मैजिस्ट्रेट जो आप बनेंगे जब आप आरजीएस का एग्जाम क्लियर करेंगे सुनो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स में बोला इनके कोर्ट्स एंड जजेस दैट इज कोर्ट्स को अपॉइंट स्टैब्लिश uh, कौन करेगा सेक्शन नंबर इलेवन में बोला इनका स्टैब्लिशमेंट किसके कोर्ट का फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास का कौन करेगा एवरी डिस्ट्रिक्ट में होगा लेकिन करेगा कौन स्टेट गवर्नमेंट ध्यान रखो हर हर आपके स्कोर्ट्स का स्टैब्लिशमेंट हमेशा स्टेट गवर्नमेंट करती है लेकिन मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के मामले में स्टेट गवर्नमेंट को हाई कोर्ट की कंसल्टेशन चाहिए नेक्स्ट इज इनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा जजेस का इन्होंने बोल दिया है हाई कोर्ट करने वाला है ठीक है आगे सुनो सेक्शन नंबर ट्वेल्व ये बोलता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ द सीजेएम एंड एडिशनल सीजेएम

जागृति बताओ सीएमएम सेवन ईयर थ्री पनिशमेंट कोई प्रॉब्लम था नहीं था तो आगे चलेंगे अब सुनो क्लियर तो जेएमएफसी को सीजेम बना देंगे एडिशनल बना देंगे या फिर एस डी कौन बना सकता है हाई कोर्ट अपॉइंट कर देगा इनको क्लियर है आगे सुनो सेक्शन नंबर थर्टीन क्या कहता है लेकिन अब सवाल ये उठता है जेएमएफसी कौन होगा फिर फिर जेएमएफसी कौन होगा जेएमएफसी कौन होता है जो नियुक्ति होकर आती है जिनकी वही होता है कौन वही होता है हमारा जेएमएफसी ठीक है क्लियर uh... है हेमा hey जी सेक्शन नंबर ट्वेल्व सेक्शन नंबर ट्वेल्व ये बोल रहा है कि सीजेएम एंड एडिशनल सीजेएम का अपॉइंटमेंट कौन करेगा इन्होंने बोला हाई कोर्ट करेगा लेकिन होगा कहाँ से तो जो ऑलरेडी जेएमएफसी है या तो हम उसको सीजेएम बना सकते हैं हम चाहे तो उसको एडिशनल सीजेएम भी बना सकते हैं हम चाहे तो उसको एस भी बना सकते हैं

That is to say, जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करेगी तो हाईकोर्ट क्या कर सकता है हमारे स्पेशल जुडिशियल मैजिट्रेट अपॉइंट कर सकता है जिनका टर्म भी क्या रहेगा स्टूडेंट्स वन ईयर तक के लिए रहने वाला है क्लियर ओके okay? चलो आगे सुनो नेक्स्ट कवॉर्डिनेशन uh, आपका रहेगा ऊपर सेशन जज सीजीएम फिर रहेगा जुडिशियल मेजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास ओके क्लियर है नेक्स्ट okay? आगे सुनो सीजेम में मेक रूल्स फॉर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बिजनेस अमंग द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अब यहां पे रूल्स कौन बनाने वाला है मैंने बोला था सीजेम हमारे मेट्रोपॉलिटन एरिया में कौन बना रहा था सीएमएम बना रहा था सेशन जज दैट इज कोर्ट ऑफ सेशंस में कौन बना रहा था सेशन जज बना रहा था सेक्शन नंबर फोर्टीन बोल रहा है लोकल ज्यूरिस्डिक्शन वही होगा जो कि हमारे सीजीएम ने डिफाइन किया लेकिन अगर सीजीएम ने डिफाइन नहीं कर रखा है देन थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट हमारे दिस्ट्रिक्टुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स का क्या रहने वाला है यहां पर जुडिस्डिक्शन रहने वाला है पावर्स कहा दे रखा है सेक्शन नंबर ट्वेंटी नाइन में जो कि कहता है सीजीएम के पास पावर है सेवन ईयर्स का जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास पावर है थ्री इय पनिशमेंट देने का एंड टेन थाउजेंड रुपीज फाइन लेकिन राजस्थान में फिफ्टी थाउजेंड है And, शायद महाराष्ट्र में भी यही है महाराष्ट्र वाले स्टूडेंट्स चेक करेंगे जुडिशियल में सेकंड क्लास में कितना पनिशमेंट है सेकंड क्लास को पावर है वन ईयर पनिशमेंट देने का या फिर फाइव थाउजेंड रुपीज ठीक है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की जहां इन्होंने यह बोला है कि सेक्शन नंबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी थ्री एंड ट्वेंटी टू स्पेसिफिकली किसकी बात करता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की जहां सेक्शन ट्वेंटी में यह बोला स्टूडेंट्स कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स का अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाएगा

हांसा जी आरपीएससी नोटिफाइड देखो अक्टूबर में जेलो का एग्जाम हो जाएगा लिख लो हो जाएगा आरपीएससी ने आर का एग्जाम नोटिफाई कर दिया था और उनकी डेट आ चुकी है फर्स्ट एग्जाम को आर का एग्जाम है तो आरपीएससी आर का भी एग्जाम करवा रही है राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का उनका एग्जाम फर्स्ट अक्टूबर को है तो जेलो वालों नींद में मतलब हो जाएगा अक्टूबर में एग्जाम तीन चार साल बाद हो रहा है, पता भी नहीं चलेगा कब हो जाएगा मात्र डेढ़ महीना बचा है आपके पूरा पूरा ले वैभव जी पता नहीं उनकी मर्जी होगी तो दो अक्टूबर को भी ले लेंगे सोचो ही मत कि अक्टूबर एंड में होगा आप मान के चलो कि आपके पास 30 सितंबर तक टाइम है हो सकता है सेवन अक्टूबर टेन अक्टूबर अक्टूबर कभी भी ले ले वो ओके okay? क्लियर आगे सुनो देखो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट अपॉइंट वन वन ऑफ ऑफ द द एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एज डीएम एंड मे मजिस्ट्रेट एज एडिशनल डीएम तो शैल और मैं अच्छे से ध्यान रखना मे प्लेस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन चार्ज ऑफ सब डिविजन अगर हमारा स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो किसी एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इंचार्ज कर बना सकता है किसका सब डिविजन दे सकता है और उसको और क्या कहलाएगा वो वहां पे वो वहां पे कहलाएगा एसडीएम ठीक है सब डिविजनल जिस्ट्रेट मे कॉन्फर फॉर पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑन होम ऑन दी कमिश्नर ऑफ द पुलिस तो ध्यान रखना एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास बहुत सारे पावर्स हैं जो भी हमारे तहसीलदार होते हैं नायब तहसीलदार हो रहे हैं उसके ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वगैरह ये इन्हीं तरह का इनका क्या होता है स्टूडेंट्स इनका प्रमोशन होता है ठीक है क्लियर है आगे चले नेक्स्ट तो जो हमारा राजस्थान का एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है या अगर आप लोअर लेवल के जितने भी पोस्ट देखोगे तो वहां पे शुरू होता है आपके पटवारी से पटवारी होता है आर होता है तहसीलदार होता है नायब तहसीलदार होता है और फिर उसी तरीके से आपके ऊपर आपको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट देखेंगे चलो सेक्शन नंबर ट्वेंटी वन किस बात करें स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या बोल रहा है अपॉइंट कौन करेगा स्टेट गर्मेंट अपॉइंट करेगा क्योंकि हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स को भी स्टेट गवर्मेंट अपॉइंट कर रहा है क्या अपॉइंट करेगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एज स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट किसी भी नॉर्मल को स्पेशल बना देगा फॉर पर्टिकुलर एरिया फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्टिकुलर फंक्शन बात करेंगे इनमें से किसकी स्टूडेंट्स बात करेंगे हम्म हमारी स्लाइड कहीं तो गई ओके गई स्टूडेंट्स कहीं तो हमारी स्लाइड गई चलो कोई बात नहीं चलो नॉट अ प्रॉब्लम स्टूडेंट्स आगे आ जाओ यहाँ से पढ़ लेते हैं ठीक है इसमें से पढ़ लेते हैं

कि आपके बी पर ही बनाए ठीक है वेट करते एक दो महीने तक पता चल जाएगा चलो आगे चलेंगे जहां हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स किसके बारे में वी विल डिस्कस अबाउट दी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स पब्लिक प्रोसिक्यूटर अभी महाराष्ट्र का एपीपी का रिजल्ट आया है शायद है ना काफी अच्छे नतीजे निकले हैं देखा है हमने हमारे टीचर्स तक क्वालिफाई कर गए ठीक है ग्रेट अब सुनो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहां पढ़ के आए सेक्शन नंबर एट में पढ़ के आए इन्होंने बोला पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स क्या होते हैं तो यहां पे हमको देखना है स्टूडेंट्स क्योंकि उन्होंने बोला कि सेक्शन सेक्शन नंबर नंबर नॉट क्लॉज यू में हम क्या पढ़ के आए थे पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स कौन होते हैं तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स में सेक्शन नंबर ट्वेंटी फोर में पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्लस एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर दोनों के बारे में बताया तो इन्होंने बोला कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर हाईकोर्ट के मामले में कौन होगा हाईकोर्ट के मामले में स्टूडेंट्स इन्होंने बोला है अपॉइंटमेंट किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट द्वारा विद द कंसल्टेशन ऑफ विद द कंसल्टेशन ऑफ हाईकोर्ट हाईकोर्ट के पीपी साहब को देखे हो ना उनकी नियुक्ति कौन करता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट करती है इसीलिए तो देखते हो आप उनको सरकार जब अपनी अपनी सरकार आती है तो खुश हो जाते हैं कि चलो अब हमारी बारी आ सकती है ठीक है आगे सुनो बट विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द लॉयर्स है ना वर्णा अभी कोई बरस के आ जाएगा मैम ऐसे थोड़ी होता है ऐसे कोई फेवरेटिज्म वगैरह थोड़ी चलता है है ना क्लियर है ऑब्वियसली वाह क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ होता है प्रॉपर आपका स्टेट गवर्नमेंट सारी क्वालिफिकेशन उनकी uh, कहें तो इंटेलिजेंस वगैरह को देख के क्या करते हैं अपॉइंट करते हैं ठीक है चलो पीपी -पी और एडिशनल पीपी ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट कैन बी कैन बी ए पीपी कैन बी अपॉइंटेड एज सॉरी कैन बी अपॉइंटेड एज पीपी और एडिशनल पीपी ऑफ अनदर डिस्ट्रिक्ट ऐसा बिल्कुल हो सकता है एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में क्या होता है स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है वहां हाई कोर्ट की कंसल्टेशन की जरूरत नहीं है लेकिन हाई कोर्ट में जब अगर हम पीपी या एडिशनल पीपी को अपॉइंट कर रहे हैं स्टूडेंट्स वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट को हाई कोर्ट की परमिशन चाहिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं चाहिए एलिजिबिलिटी क्या है पीपी और एडिशनल पीपी की टेन ईयर्स एज प्रैक्टिस उन्होंने की होनी चाहिए स्पेशल पीपी की टेन ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस चाहिए लेकिन पीपी एंड एडिशनल पीपी के लिए सेवन ईयर्स अगर मैंने गलत बोल दिया है तो वापस सुनेंगे वापस सुनेंगे पीपी एंड एडिशनल पीपी के लिए सेवन ईयर्स स्पेशल पीपी के लिए कितना चाहिए टेन ईयर्स चाहिए एंड अपॉइंटमेंट कैसे होगा स्पेशल पीपी का बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और दी स्टेट गवर्नमेंट

होते हैं कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट के लिए होते हैं और अपॉइंट कौन करता है स्टेट गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करती है एंड अगर असिस्टेंट पीपी नहीं है तो फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में अपॉइंट एनी पर्सन टू बी असिस्टेंट पीपी जब असिस्टेंट पीपी नहीं है तो स्टेट गवर्नमेंट को तो रोल निभाने की जरूरत ही नहीं है डीएम साहब आ जाएंगे क्योंकि डीएम साहब क्या है डीएम भी तो आपके स्टेट गवर्नमेंट का ही एक रिप्रेजेंटेटिव है दैट इज द रीजन दैट इज द रीजन अच्छे से देखना कि अगर असिस्टेंट पीपी अवेलेबल नहीं है हमारे कोर्ट ऑफ मेजिस्ट्रेट में रिप्रेजेंट करने के लिए डीएम किसको अपॉइंट कर देगा किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर देगा किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर देगा असिस्टेंट पीपी बनने के लिए लेकिन अच्छे से देखो जब हम यह बोल रहे हैं स्टूडेंट कि कोई भी पर्सन पीपी बन सकता है दैट इज अगर पीपी -पी अवेलेबल नहीं है तो हमारे डीएम क्या कर सकते हैं किसी भी पर्सन को पीपी अपॉइंट कर सकते हैं ठीक है समझ लिया लेकिन वो पर्सन कोई भी हो सकता है कहने का मतलब क्या वो पर्सन क्या वो पर्सन सेम सवाल बार 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 क्या वो सवाल क्या वो पर्सन क्या वो पर्सन पुलिस भी हो सकता है आंसर इज यस वो हो सकता है पुलिस ऑफिसर भी हो सकता है वैभव पांचोली जी लेकिन सिर्फ इन दो केसेस में पुलिस ऑफिसर नहीं हो सकता है सिर्फ इन दो केसेस में पुलिस ऑफिसर नहीं हो सकता है अन्यथा पुलिस ऑफिसर को भी हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट असिस्टेंट पीपी के रूप में अपॉइंट कर सकते हैं कौन से वो दो सिचुएशंस है पहला पुलिस ऑफिसर शैल नॉट बी अपॉइंटेड एज असिस्टेंट प्रोफेसर असिस्टेंट असिस्टेंट Assistant पी -पी वो की rank के बिलो है, तो वो कभी भी असिस्टेंट पीपी नहीं बन सकता है इन दो एक्सेप्शन के अलावा एक पुलिस ऑफिसर को भी आप असिस्टेंट पीपी बना सकते हैं येस और नो बताओ ट्वेंटी फाइव वालों को न्यू पढ़ना पड़ेगा ठीक है दिव्यांश यस, okay. yes, yes, डिस्ट्रिक्ट में चाहिए स्टेट गवर्नमेंट की कॉन्सर्ट चाहिए ठीक है ओके यस और नो बताओ स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है आपके असिस्टेंट पीपी को एपीपी -पी को ठीक है क्लियर है बराबर आपका एग्जाम वगैरह हो सकता है क्लियर आगे चले ओके okay. चलो अब बात करेंगे हम डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन की सवाल आता है यहां से भूल के भी मत सोचना बिल्कुल बिल्कुल सुनील जी ये हम ट्वेंटी सेवेंथ को ले लेंगे ठीक है क्लियर है आगे सुनो

ऑफ़ ऑफ़ चीफ जस्टिस द हाई कोर्ट मतलब तो हमारा स्टेट गवर्नमेंट करेगा लेकिन कंसल्टेशन किससे करेगा सीजे ऑफ द हाई कोर्ट हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनसे वो कंसल्ट करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है टेन आर्ट एडवोकेट रहने वाली है आपके प्रोसिक्यूशन का जो डायरेक्टर है हेड ऑफ दी डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन कौन रहेगा डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन हेड रहने वाला है फंक्शन दैट इज किसके कंट्रोल में आने वाले हैं आपके होम मिनिस्ट्री के कंट्रोल में आने वाले हैं दैट इज होम डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट के कंट्रोल में आने वाले हैं अब इनका सबॉर्डिनेशन देखें स्टूडेंट्स तो हाईकोर्ट के मामले में जो डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है उनका हायरकी कैसे रहेगा पहले ऊपर पीपी रहेगा नीचे एडिशनल पीपी रहेगा फिर स्पेशल पीपी रहेगा सेम गोज आल्सो देखो डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन एक तरीके का क्या हो चुका डिपार्टमेंट हो चुका है उनकी हायर की हो चुकी है उनका भी प्रॉपर जो भी कामकाज है उसका क्या होता है प्रॉपर हम कहें तो आ, एड्रेसिंग हो सकती है एक अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं वो तो वो प्रोसिक्यूशन अगर आपको सॉरी उस प्रोसिक्यूशन का डायरेक्टोरेट अपॉइंट करना है आपको स्टेब्लिश करना है तो दैट इज अलाउड वो कौन करेगा वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा बराबर है क्या कोई भी एडिशनल चीज है स्टूडेंट्स तो मैं मेक श्योर sure करती हूँ विच इज नॉट रिक्वायर्ड आई रिमूव इट सो दैट आपको थोड़ी पीपीटी सही मिले ठीक है क्लियर है चलो आगे चलेंगे बात करेंगे पावर्स ऑफ द कोर्ट की कोर्ट के पावर्स दैट चैप्टर नंबर थ्री बताओ यस <coughs> yes, पूजा जी जेलो की टेस्ट सीरीज जैसे ही यस सुमितेलो की सीरी मॉर्स कह सकते हो आप या हम लोग तो हम चलो कर रहे हैं जो क्वेश्चन की सीरीज है हो सकता है जैसे हमारा ये वन शॉट्स निपटते हैं हम 15 सितंबर के बाद हर सब्जेक्ट के कुछ एम सी क्यूज को डील कर लेंगे ठीक है थीके? तो इसके बारे में मैं थोड़ा आप लोगों से भी रिव्यू ले लूँगी ठीक है टेलीग्राम ग्रुप पे ले लूँगी और मैं भी इस बारे में सोचूंगी कि क्या हमें एक ही क्लास में सारे सब्जेक्ट्स का मिक्स एम करना चाहिए या सब्जेक्ट वाइज चलें है ना वीक करें डेली करें, कैसे करें उस पर सोचूंगी ठीक है और सोच के कुछ अच्छा सा हम लोग इसका डिसीजन निकाल दे, ठीक है, लेकिन हाँ क्वेश्चन कर लेंगे ओके okay? चलो आगे सुनो कोर्ट्स के पावर्स की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें ये देखना है सेक्शन नंबर ट्वेंटी सिक्स अच्छे से देखना मैंने इसको कैसे डिसाइड किया पहले हमें यह देखना की ऑफिंस ट्राई कौन करेगा सेकंड हमें देखने की कि किसके पास होगा जुवेनाइल्स के केस में फिर हम देखेंगे कि सेंटेंस देने का कैसा पावर है और सेंटेंस का पावर मुझे बताओ 28 और 29 कवर किया कि नहीं किया अभी करके आए हम लोग एमएम MM के साथ हमारे सीजीएम के साथ जेएम के साथ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अच्छा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के आपको पावर्स मिलेंगे सेक्शन नंबर 3 सब सेक्शन 4 में सेक्शन नंबर थ्री सबसे में आपको पावर्स मिलेंगे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के क्या फंक्शन है लाइसेंस देना विद्रॉ करना ये सब किसके पावर्स हैं हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के हैं जो हमारी स्लाइड डिलीट हो गई थी ओके सेंटेंसेज हमें देखना है स्टूडेंट्स दो सेक्शन में थर्टी एंड थर्टी वन में सेक्शन थर्टी क्या बोलता है अगर फाइन नहीं पे किया डिफॉल्ट कर दिया तो उस मामले में कैसे सेंटेंस दिया जाएगा एंड जब बहुत सारे ऑफेंसेस हैं सेवरल ऑफेंस एट वन ट्रायल तो फिर हमारे मजिस्ट्रेट पनिशमेंट कैसे देंगे मान लो चार ऑफेंस करके आए हैं कुल मिला के बारह साल की पनिशमेंट होगी तो कैसे पनिशमेंट देना है उसके बाद पावर्स है, है किस तरीके से हम पावर्स को आगे कॉन्फर कर सकते हैं किस तरीके से पावर्स को वापस विड्रॉल कर सकते हैं थर्टी फोर थर्टी थ्री एंड थर्टी फाइव किससे डील करता है बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑफिसर्स एंड जजेस एंड मजिस्ट्रेट की तो शुरू करेंगे section number 26 से, जो कि यह कहता है बिल्कुल बिल्कुल सभी स्टूडेंट्स फोकस करेंगे अच्छे से 26 से लेके 36 का जो हमारा अगला मैं कहूं कि स्लैब है या जो टाइम है उस पर बहुत अच्छे से फोकस करना है आपको ठीक है क्लियर है हाँ, हाँ जेलो पेपर के अकॉर्डिंग ही करेंगे जेलों के लिए अगर पीवा पीवाई क्यूज नहीं अगर हम क्वेश्चन की सीरीज लेंगे तो जेलों की सीरीज में ही रहेगा और जेलों के पेपर्स के अकॉर्डिंग ही रहने वाला है ठीक है जैसे कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हैं तो ऑब्वियस ये बात है कि फंडामेंटल राइट्स पे हम ज्यादा फोकस करके पेपर को बनाएंगे ठीक है आगे सुनो सेक्शन नंबर ट्वेंटी सिक्स कहता है कोर्ट बाई विच ऑफेंसिस आर ट्राइपल कौन सा कोर्ट ऑफेंस ट्राई करेगा तो पहले तो हमें ये देखना है कि ऑफेंस हुआ है कनेक्ट करेंगे सेक्शन नंबर फोर के साथ इसको किसके साथ कनेक्ट करेंगे स्टूडेंट सेक्शन नंबर फोर क्योंकि सेक्शन नंबर ने क्या बोला सेक्शन नंबर फोर बोलता है अगर आईपीसी के अंतर्गत तो ऑफेंस हुआ है तो उसका इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी ट्रायल सीआरपीसी के अकॉर्डिंग होगा एंड अदर जगह पर अगर ऑफेंस हुआ है तो उसका इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी एंड ट्रायल कहां होगा उस पर्टिकुलर एनेक्टमेंट के अकॉर्डिंग होगा सीआरपीसी के अकॉर्डिंग भी होगा बट सब्जेक्टेड टू दैट पर्टिकुलर वैसे कि वैसे सेक्शन नंबर ट्वेंटी सिक्स बोलता है अगर ऑफेंस आईपीसी के अंडर हुआ है तो हाईकोर्ट कोर्ट ऑफ सेशन एंड वो कोर्स जो कि

से ध्यान रखना इसको जूम कर देती हूं मैं स्टूडेंट ये देख लो इट से अगर अदर कोर्ट है तो वो कोर्ट जिसका नाम उस पर्टिकुलर एनेक्टमेंट में है अगर मैंशन नहीं कर रखा है देन हाई कोर्ट और द कोर्ट विच इज मैंशन इन योर फर्स्ट स्केड्यूल ओके मूविंग ऑन टू सेक्शन नंबर 27 जो क्या बात करता है जो बोलता है कि मैम अगर हमें जुवेनाइल्स के मामले में कोई भी पर्टिकुलर मैटर आया है तो उसका ज्यूरिसडिक्शन किसके पास होगा हु इज गोइंग टू ट्राई द केस व्हेद द अक्यूज पर्सन इज अ जुवेनाइल तो यहाँ क्या कहा गया है कि इफ द चाइल्ड इज बिलो 16 इयर्स ये अच्छे से ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट्स अगर चाइल्ड क्या है स्टूडेंट्स 16 इयर्स से बिलो है और उसने ऑफेंस कौन सा किया ऐसा ऑफेंस विच इज नॉट पनिशेबल विद डेथ एन ए मतलब लाइफ इंप्रिजनमेंट एंड डेथ के अलावा कोई भी ऑफेंस अगर उस पर्सन ने किया है तो जूर किसके पास लाई करेगा या तो सीजीएम वेरी गुड क्वेश्चन लिया थी। या तो सीजीएम के पास लाई करेगा या फिर कोर्ट स्पेशली एम्पावर्ड अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के, के, के जगह पे आपके सेक्शन नंबर ट्वेंटी सेवन में कौन से एक्ट का नाम दे रखा है ये बताओ स बेटा आप चाहते हो क्लाइट के लिए सीआरपीसी कर लो देख सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है सीआरपीसी भी थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है हालांकि अचीवर्स बैच में आपको सीआरपीसी के कुछ मुद्दे डेफिनेटली कराने वाली हूँ ठीक है क्लियर है प्लीज ओपन ऑफलाइन जुडिशरी डेफिनेटली पीडब्ल्यू का तो देखो सभी का ऑफलाइन सेंटर जो है वो खुल चुका है जल्दी आएगा ठीक है डेफिनेटली पूजा जी थैंक यू मन देव जी चलो यस yes, नव तो जी बिल्कुल मैंने क्या बोला जेल होगी सीरीज

कोई भी कोर्ट जो कि स्पेशली एम्पावर्ड है और ऐसा लॉ जो प्रोहिबिट करता, करता है जो प्रोवाइड करता है ट्रीटमेंट ट्रेनिंग और रीहेबिलिटेशन ऑफ द यूथफुल ऑफेंडर्स तो कौन से वो पर्टिकुलर एक्ट है कौन से वो पर्टिकुलर एक्ट है जो कि अब एनफोर्समेंट में इट इज इजे एक्ट जो कि आपको प्रोवाइड करता है किसके बारे में स्टूडेंट्स जो कि आपको प्रोवाइड करता है एक बच्चे के रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग या यूथफुल ऑफेंडर्स के रिगार्डिंग ठीक है क्लियर है ओके वैभव जी अभी ब्रेक मिलेगा आपको पांच बजे के बाद आगे सुनो Next.

बहुत अच्छे से ध्यान रखना है स्टूडेंट्स अभी अगले जो दो तीन ये हमारे पास सेक्शन आने वाले हैं ये थोड़ा अच्छे से समझना ठीक है हर सब सेक्शन को मैंने अच्छे से यहां पे लिखा हुआ है अब सुनो 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 आगे सुनो आगे सेक्शन नंबर एंड बोलता है सेंटेंस ऑफ इंप्रिजनमेंट जब स्टूडेंट्स जजेस और मैजिस्ट्रेट पहले जो मेरे पीछे लिखा उसको मत देखो ठीक है जब जजेस और मैजिस्ट्रेट स्टूडेंट्स क्या करते हैं कोई भी पनिशमेंट देते हैं सेंटेंस दे रहे हैं तो उनको डिसाइड करना पड़ेगा कि हम कितना सेंटेंस देते हैं बराबर तो जब सेंटेंस दे रहे हैं और सबसे पहले सेंटेंस तब है जब किसी पर्सन को फाइन देने को बोला लेकिन पे नहीं किया तो सेक्शन नंबर थर्टी क्या बोलता है कि भाई जब तुमने फाइन पे करने में डिफॉल्ट कर दिया तो तुम्हें क्या इंप्रेजनमेंट मिलने वाला है पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू अच्छा ब्रेक वाली बात ओके पॉइंट नंबर टू क्या बोला पॉइंट नंबर टू ये बोल रहा है कि जब ट्रायल एक है पर बहुत सारे है, भी है, थेफ्ट भी है, हर्ट भी है क्लियर है मान लो सीजीएम कोई पनिशमेंट ऑफेंसेस से डील कर रहा है से डील कर रहा है लेकिन सीजीएम की कितनी है पनिशमेंट देने की सात साल की है तो वो कैसे डिसाइड करे अगर बहुत सारे ऑफेंसेस की पनिशमेंट मिला के अगर एग्रीगेट दस साल हो रही है तो क्या क्लियर है तो सबसे पहले देखेंगे अगर आपको फाइन पे करने को बोला आपने नहीं पे किया डिफॉल्ट कर दिया नाउ सेज एज प्रोवाइडेड बाई द लॉ जितना आपको फाइन देने को बोला आपने नहीं दिया तो उतनी पनिशमेंट दे, दे देंगे जो कि आपका लॉ प्रोवाइड करता है लेकिन नॉट इन एक्सेस ऑफ द पावर अंडर सेक्शन भैया जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जब आप डिफॉल्ट के मामले में पनिशमेंट दे रहे हो तो आपको जो सेक्शन नंबर 29 में पावर दे रखी है उससे बाहर नहीं जाना है सेकंड पॉइंट नॉट मोर देन टर्म ऑफ दिजनमेंट ऑफ ऑफेंस तो कहने का मतलब यह है, जो एक्चुअल आपको ऑफेंस मिलने ऑफेंस के लिए पनिशमेंट मिलने वाली थी उसका वन फोर्थ हम किसके लिए करेंगे स्टूडेंट्स डिफॉल्ट इन फाइन के मामले में आपको पनिशमेंट देंगे ये बाद में डील करेंगे अमरीन जी पहले इस पे हो इस पे आओ, of जितने ऑफेंस के लिए आपको पनिशमेंट दी गई थी उसके वन फोर्थ से ज्यादा आपको उस फाइन को डिफॉल्ट करने के मामले में दी जाएगी वन फोर्थ से ज्यादा नहीं दी जाएगी प्लस जब वो दे रहे हैं तो वो सेक्शन नंबर ट्वेंटी के

क्लियर है यस और नो यस और नो बराबर चलो अगर ये क्लियर है तो अब हम चलेंगे आगे अब हम कहा चलेंगे स्टूडेंट्स अब हम आगे चलेंगे और चलेंगे हमारे देखो कितने भोले थे हम हम जब नोट्स बना रहे थे हमारे टीचर ने सेक्शन नंबर थर्टी तक करा दिया हमने आगे पूछा ही नहीं और नोट्स में सेक्शन नंबर थर्टी तक ही लिखा हुआ है बहुत बढ़िया चलो आगे सुनो स yes, बिल्कुल है ब्राह्मी जी बिल्कुल है आगे सुनो नाउ दिस इज नाउसॉट सेंटेंस इन केस ऑफ कन्विक्शन कन्विक्शन कर रहे हैं सजा दे रहे हैं हम किसी को दोष हो हो रही है है लेकिन क्या रहा लेके बहुत सारे ऑफेंसेस के लिए सजा मिल रही है आपको अब देखो कोर्ट कैन गिव द सेंटेंस फॉर द सेवरल ऑफेंस बहुत सारे ऑफेंसेज है सबके लिए आप पनिशमेंट दे सकते हो कोई दिक्कत नहीं लेकिन इम्प्रिजनमेंट टू कमेंट वन आफ्टर अनदर क्या बोल रहे हैं मान लो थेफ्ट करके आया और हर्ट भी कमिट करके आया तो भाई पहले तुम्हारे थेफ्ट की पनिशमेंट शुरू होगी फिर तुम्हारे हर्ट की पनिशमेंट शुरू होगी कैसे पनिशमेंट शुरू होगा इमेंट टू कमेंट वन आफ्टर अनदर एक के बाद एक कमेंट होने वाली है अनलेस कोर्ट डायरेक्ट इट टू रन कॉन करंटली तो क्या मैं ये जनरल रूल कह सकती हूं कि जनरल रूल ये है कि जब बहुत सारे ऑफेंसेस की पनिशमेंट मिल रही है तो एक के बाद एक ही पनिशमेंट शुरू होगी येस ऑन नो दिस इज द जनरल रूल दैट इज कॉन्जिक्यूटिवली ही चलने वाला है कॉन्जिक्यूटिव मीन एक के बाद एक कॉन करेंट मीन एक साथ पैरल री पैर पैरलो यस और नो बताओ जनरल रूल इज की हमारा पनिशमेंट एक के बाद एक शुरू होगा मतलब कॉन्जिक्यूटिवली ही चलने वाला है येस और नो पढ़ लो सेक्शन नंबर थर्टी वन देखो क्या लिखा है

जब तक कोर्ट ना बोले तब तक क्या होगा आपका एक के बाद एक चलने वाला है लेकिन हिमांशु जी अभी कट ऑफ कैसे बता दू मैं जेलो का पेपर ही नहीं हुआ अभी तो आगे सुनो और प्रीवियस ईयर की कट ऑफ मुझे देखनी पड़ेगी आगे सुनो लेकिन अभी भी आपको टारगेट रखना है कितने नंबर का पेपर होता है 200 नंबर का होता है पूरा मान के चलना आप 150 160 क्रॉस करने का रखो ठीक है 160 के आसपास सोच के रखो तो हो जाएगा ठीक है अब सुनो लेकिन बोल रहा है कि अगर कोर्ट बोले तो कॉन्करेंटली वरना कॉन्जिक्यूटिवली ही चलने वाला है अब सुनो <laughs> आगे सुनो इफ केस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंस अगर आपको पनिशमेंट मिली कॉन्जिक्यूटिव एक के बाद एक चली एक के बाद अगर एक चली तो सुनो कोर्ट नीड नॉट सेंड ऑफेंडर टू हायर कोर्ट फॉर रीजन एक बात बताओ अगर कोर्ट ने सीजेएम ने थेफ्ट की तीन साल की पनिशमेंट दे दी और ग्रीवियस हर्ट की मान लो सात साल की पनिशमेंट दे दी तीन साल और सात साल कितने हो गए दस साल अगर उन्होंने बोला कि कॉन्करेंटली चलेगी कॉन्करेंटली चलेगी तब तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना साल का को पावर तो चल सकती कोई दिक्कत नहीं है अगर कॉन्करेंटली चलेगी मतलब तीन और सात 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 में चलेंगे तीन और सात चलेंगे अगर उन्होंने बोला कि भाई कॉन्करेंटली रन करेगी लेकिन अगर कॉन्सिक्यूटिवली रन हो गई मतलब एक के बाद एक हो गई तो पहले तीन मिलेगी फिर सात मिलेगी भाई तुमको दस दे दी के पावर से ऊपर जा रही है तो जब हमारा कोई भी कोर्ट कॉन्जिक्यूटिव पनिशमेंट दे जहां एक के बाद एक चल रही है और वो पनिशमेंट हमारे हमारे कोर्ट के पावर से ज्यादा हो रही है तो इस मामले में कोर्ट सिर्फ इस ग्राउंड पे अपने से ऊपर वाले कोर्ट को वो केस इसलिए नहीं भेजेगा ऑन दी ग्राउंड्स कि जो एग्रीगेट पनिशमेंट है तीन और सात जब इकट्ठा किया जो एग्रीगेट पनिशमेंट है सेवरल ऑफेंसेस के लिए वो उसके पावर से एक्सीड कर रही है माही जी किधर सेशन ट्रायल किधर चल रहा है अभी सब कुछ छोड़ के मैं पहले सेशन ट्रायल बता दू। कैसे बता दू? बता कैसे क्यों एक हम लोग लय में चल रहे हैं उस लय में पढ़ाई करेंगे आज अब कम बैक टू द क्लास और इतना स्पैम करोगे जो आपका जेनविन डाउट है मैं बता दूं ऑटोमेटिक आपकी सेटिंग है दस बार से ज्यादा सेम कमेंट डालोगे ब्लॉक हो जाओगे यहां पे टीम भी अभी नहीं बैठी ऑटोमेटिकली हो जाओगे ठीक है डोंट स्पैम आगे सुनो तो एग्रीगेट पनिशमेंट अच्छा सुनेंगे students, अगर हमारे कोर्ट के के से से हो गई तो वो वो सिर्फ इस पे अपने से हायर कोर्ट के पास मैटर नहीं भेजेंगे क्या कि इंप्रिजनमेंट नॉट मोर देन फोर्टीन ईयर्स सुनो माना माना कि आपके पास जो सात साल की पावर थी उससे ज्यादा बाहर निकल रहा है दस साल हो गया ना तीन साल हमने थर्ट के लिए दे दिया सात साल मान लो हमने ग्रीवियस हर्ट के लिए दे दिया कितना हो गया दस साल हो गया तो सीजीएम सोचेगा मैं तो अपने हायर कोर्ट को भेज देता हूं नहीं आप नहीं भेजोगे क्योंकि वो पनिशमेंट साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए पहली बात दूसरी बात दूसरी एग्रीगेट पनिशमेंट पनिशमेंट नॉट ट्वाइस द द अमाउंट ऑफ कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू गिव फॉर सिंगल ऑफेंस वो जो हमारी एग्रीगेट पनिशमेंट है नॉट एक्सीड द ट्वाइस अमाउंट ऑफ पनिशमेंट कोर्ट इज कॉम्पिटेंट अब बताओ एक चीज बताओ पहले तो इन्होंने बोला जो एग्रीगेट पनिशमेंट है वो साल देने की तो जरूरत नहीं, तो नहीं है कहने का मतलब यह है स्टूडेंट्स की अगर मैं हमारे सीजीएम के पास पावर कितना है स्टूडेंट्स सेवन इयर्स का पावर है पनिशमेंट एग्रीगेट कितनी हो गई थ्री प्लस सेवन कितना हो गया स्टूडेंट्स टेन इयर्स हो गया था स हमने किसके लिए दी थी स्टूडेंट्स थेफ्ट के लिए दी थी थे किसके लिए दिया था स्टूडेंट्स हमने ग्रीवियस हर्ट के लिए दिया था दिस इज ग्रीवियस हर्ट ओके तो अभी सेंटेंस के मामले में जब दो ऑफेंसेस की पनिशमेंट दी जा रही है तो हमारे सीजीएम को पनिशमेंट कितनी देनी है दस साल की देनी है ये दस साल निकल गया इससे आगे हमारे सेक्शन नंबर सेक्शन नंबर 25 के लॉजिक के अकॉर्डिंग तो ज्यादा निकल गया लेकिन ये क्या बोल रहा है जब आप एग्रीगेट पनिशमेंट दे रहे हो तो 14 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए हो रहा है क्या 14 साल से ज्यादा नहीं हो रहा है तो यहां पे चौदह साल से भी ज्यादा नहीं हो रहा और जो एक्चुअल हमारे कोर्ट को पनिशमेंट देने की पावर है जब उसका ट्वाइस करते हैं स्टूडेंट तो ये होता है फोर्टीन ईयर्स तो सीजीएम के पास कितना पावर है सेवन इशल इंटू टू कर ही मामले में, 14 और 14 से ये नहीं रहा है तो इस ग्राउंड पे हम हायर कोर्ट को ये केस नहीं भेजेंगे पनिशमेंट देने के बाद बिल्कुल yes, शशांक यहां पे क्या हो सकता है इस मामले में सीजीएम के पास कितना पावर हो जाएगा सेवन इंटू टू कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 14 और इस मामले में तो उन्होंने बाय डिफॉल्ट बोल रखा है कि 14 इयर्स से अगर ज्यादा नहीं है तो आप खुद दे दो ना पनिशमेंट कहां प्रॉब्लम है इज इट क्लियर यस और नो सबको समझ आया यस और नो यस कौशल सोनिया जी तो अब बताओ अब बताओ सीजीएम के मामले में 7 2 14 हो गया जेएमसी के मामले में 6, uh, 3 2 6 हो गया जेएमसी के मामले में 1 2 2 2 हो गया है क्लियर यस यस

हाँ हाँ डेज कैलकुलेट होंगे ना क्यों नहीं कैलकुलेट होंगे ये जो एक भ्रम है रात और दिन अलग होता है कोई अलग नहीं होता है बराबर तीन दिन होता है क्यों भाई रात और दिन एक क्यों काउंट होगा एक ही बार खाना खाता है क्या नहीं ना ठीक है पंद, पंद्रह साल हो गए हिमांशु जी हम आगे ट्रांसफर कर देंगे तो हम आगे हायर कोर्ट को भेज देंगे हायर कोर्ट को भेज देंगे अगर ठीक है क्लियर है आगे चले ओके आगे सुनो यस सबकी सबकी डबल डबल हो जाएगी देखो इस मामले में हो गया। और हुआ नहीं अभी तो एक, तो, एक तो तुम लोग पता नहीं लॉ के स्टूडेंट्स हो बिल एक्ट कैसे बनता है पता नहीं है सबको पता है ना बिल आते ही थोड़ी ना एक्ट बन जाएगा वेट फॉर क्या होता है फार्मर्स बिल आया था कितना ज्यादा एजिटेशन हुआ था देखते हैं जुडिशरी में भी क्या होता है नहीं होता है कॉन्फ्रिंग एंड विद्रॉल ऑफ दी पावर्स कैसे हम पावर्स को विद्रॉ करेंगे एंड कॉन्फर करेंगे तो इस मामले में सेक्शन नंबर थर्टी टू क्या कहता है कि अपने पावर्स आप कॉन्फर कैसे करोगे तो बोलता है कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट पावर्स कॉन्फर कर सकता है किसको किसी भी पर्सन को पावर दे सकता है किसका पा, किसका पावर दे सकता है जो भी उनको उचित लगे वो पावर्स दे सकता है किसी भी पर्सन को और पावर्स इफेक्ट में कब से आएंगे जिस दिन उनको कम्युनिकेट किया गया भाई फलानी तारीख से तुमको इसका इसका पावर दिया गया गो एंड एक्सरसाइज दैट पनिशमेंट ठीक है क्लियर अब सुनो अब सुनो नेक्स्ट इज विज भाई अगर हमने तुमको थर्टी थ्री में थर्टी टू में पावर्स कौन करेगा भाई जो देगा वही तो हमसे पावर्स वापस लेगा दैट इज हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा एक मिनट स्टूडेंट थर्टी फोर पे आएंगे वापस। सेक्शन नंबर थर्टी फोर यस इट सेज the high court or the state government as the case may be may withdraw all or any of the powers conferred under this act on any person ठीक है किसी भी person से किसी भी person से वो क्या कर सकते हैं जो भी powers उन्होंने confer किए हैं वो वापस ले सकते हैं further subsection 2, any power conferred by the CGM or DM may be withdrawn by the respective magistrate by whom the powers were conferred तो इनसे भी CJM and DM से भी powers withdraw किए जा सकते हैं

एक तो पता नहीं हमारे स्टूडेंट्स आधी अधूरी इंफॉर्मेशन लेके कौन सी दुनिया में रहते अपडेट रहते नहीं है चलो आगे सुनो एक तो जगह 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 सुनना बंद करो थोड़ा अपना कॉन्शियस माइंड भी हम यूज करेंगे है ना हर चीज सुन के भ्रमित नहीं होना और एक तो पता नहीं ये आ, अभी स्टेटस चल रहा है सारे बेरेक्ट को लगा के माला चढ़ा दी स्टेटस पे स्टेटस स्टेटस पे स्टेटस अरे भाई ब्रेकिंग न्यूज मिल गई सबको पता है चलो, आगे सुनो सेक्शन नंबर 33, 35 जो की बात कर रहा है पावर्स की और वहीं पर 36 की भी बात करेंगे क्योंकि 36 भी बात तो पावर्स की कर रहा है लेकिन ये बात कर रहा है सुपीरियर ऑफिसर की और ये बात कर रहा है हमारे जजेस की सेक्शन नंबर 33 बोल रहा है पावर्स ऑफ दी ऑफिसर्स अपॉइंटेड कई बार स्टूडेंट्स ऑलरेडी एक पर्टिकुलर ऑफिसर एक प्लेस में अपॉइंटेड है और बाद में हम उसी पर्सन को कुछ और पावर्स दे देते दे हैं तो जब कुछ और पावर्स दे देते दे तो भाई तुम वैसे ही पावर्स एक्सरसाइज करोगे जैसे कि जब तुम यहाँ पे पावर्स एक्सरसाइज कर रहे थे जैसे कि तुम यहां के लिए अपॉइंटेड अपॉइंटेड हो देखो इट सेज शैल एक्सरसाइज द सेम पावर एज ही ही हैज इन लोकल एरिया वेयर इज भाई तुमको एक जगह जोधपुर में अपॉइंट किया था ना तो तुम यहाँ की पावर्स एक्सरसाइज कर रहे थे लेकिन बाद में जब तुमको कहीं और की भी पावर दे दी तो तुम यहाँ की भी पावर्स वैसे ही एक्सरसाइज करोगे जैसे कि तुम जोधपुर में एक्सरसाइज कर रहे थे उन पावर्स को जब तुम जोधपुर में क्या थे अपॉइंटेड थे सो दैट इज गिवन अंडर ऑफिसर्स की पावर्स की बात कर रहा है नाउ वी विल कम टू थोड़ी ज्यादा तेज है भूरा लाल जी सोलंकी आज तेज रखनी पड़ेगी बिकॉज वी हैव फोर एटी फोर सेक्शन मेरी कोशिश है पांच बजे तक खत्म करने की लेकिन हो सकता है छह भी बज जाए बजे हमारी अगली क्लास है सौम्या मैम की जो आपके आपकेट की क्लासेस लेंगे स्टूडेंट्स तो आप टाइम पे वो क्लास भी अटेंड करें ठीक है और मैं क्लास को दो सेशन में कंडक्ट करवाना ठीक नहीं समझती दूसरी चीज ये है कि ये जो को मैं पढ़ा रही हूं ये हम फाउंडेशन बैच में 54 क्लासेस दैट इज 54 फोर आवर्स से भी ज्यादा लगभग 56, 57 आवर्स में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके तो एक एक पॉइंट की सब्जेक्ट की क्लास अब आराम से वहां देख सकते हो जहां आराम से हमने पूरा टाइम लेके डिस्कशन किया है ठीक है क्लियर आगे सुनो 35 फाइव बोल रहे पावर ऑफ द जजेस एंड मेजिस्ट्रेट एक्सरसाइबल एक्सरसाइजल बाय देर सक्सेसर कोई भी जज है या मेजिस्ट्रेट है उनका अगर सक्सेसर आ रहा है उनके बाद उनको क्या कर रहा है कोई रिप्लेस कर रहा है पर्सन जब रिटायर हो जाते हैं जजेस वगैरह तो वो उनके पावर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं तो सक्सेसर इन ऑफिस मे एक्सरसाइज द पावर्स हमारे जजेस या मजिस्ट्रेट्स के जो सक्सेसर हैं वो पावर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं लेकिन अगर ये डाउट है कि एक्चुअली सक्सेसर इन ऑफिसर है कौन और अगर डाउट है इन केस ऑफ एडिशनल एंड असिस्टेंट सेशन सेशन जज जज एंड असिस्टेंट के पोस्ट को लेके डाउट है कि कौन हमारा है मैजिस्ट्रेट तो के मामले में हमारा कौन है तो वो डिसाइड कौन करेगा सीजेएम या डीएम डिसाइड करेगा सीजेएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट डिसाइड करेंगे कि हमारे मैजिस्ट्रेट के मामले में सक्सेसर ऑफिसर कौन है

ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के जगह पे जब उस थाने में हमारे बड़े वरिष्ठ अधिकारी आते हैं तो उनके पास भी लोकल एरियाज सेम पावर्स ऐसा थोड़ी ना है कि आप बड़े हो तो छोटे की पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकते आप छोटे वालों की भी पावर्स एक्सरसाइज कर सकते हो ठीक है क्लियर है बताओ आनंद जी नाउ मूविंग ऑन टू सेक्शन नंबर थ्री थर्ट सिक्सटी सिक्स से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर ट्वेंटी एट कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि मैंने बोला कि सबसे पहले हम अपने क्रिमिनल कोर्ट्स उनकी हायर की उनके पावर्स एंड उनके जितने भी प्रोसीजर्स हैं उनको निपटाने वाले हैं तो यहां पर ही आता है हमारे सेक्शन नंबर

366 में स्टूडेंट्स आपको क्या करना पड़ता है हाई कोर्ट को जाके एप्लीकेशन देनी पड़ती है सेंटेंस ऑफ डेथ टू बी सबमिटेड बाय कोर्ट ऑफ सेशन फॉर कंफर्मेशन यहां पे आप एक्चुअली हाई कोर्ट को सबमिट कर रहे हो केस और वो डेथ सेंटेंस तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक ये हाई कोर्ट कंफर्म ना कर ले तो 366 में आप वहां जा रहे हो तो हाई कोर्ट कौन से सेक्शन के अंतर्गत आपको उसे कंफर्म करके देगा उसका सेक्शन अलग है दैट इज 368 368 में स्टूडेंट्स हमने हाई कोर्ट को पावर दी अच्छे से देखो हमने हाई कोर्ट को पावर दी है हाई कोर्ट ये तीन चीजें कर सकते है ध्यान रखना एग्जाम में पूछा जाएगा ये पॉइंट्स में पूछा जाएगा कौन कौन सी चीजें हाई कोर्ट कर सकता है वाइल कन्फर्मिंग द डेथ सेंटेंस और यू नो वाइल डिसाइडिंग द डेथ सेंटेंस तो या तो वो कंफर्म कर देगा कि जी बराबर बिल्कुल सही किया है 366, 368 अलग अलग है ध्यान रखना या तो वो बोलेंगे कि हां जी बिल्कुल बराबर है है दे दीजिए पनिशमेंट या फिर एनल करने के कन्विक्शन को एनल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स एनल मीन कैंसिल रद्द कर दिया जाएगा उस पनिशमेंट को रद्द करने के बाद भी तो कुछ करेगा रद्द कर देगा या तो एंड उसके साथ क्या करेगा कन्विक्ट फॉर द ऑफेंस विच कोर्ट ऑफ सेशन माइट हैव है या तो वो पनिशमेंट दे देंगे जो कि कोर्ट ऑफ सेशन दे सकते थे अगर कोर्ट ऑफ सेशन डेथ सेंटेंस नहीं देते थे तो कोर्ट ऑफ सेशन के पावर की ही पनिशमेंट हाई कोर्ट दे देगा अगर वो डेथ सेंटेंस को कैंसिल करते हैं या फिर या फिर ऑर्डर न्यू ट्रायल ऑन द सेम और अमेंडेड चार्ज या फिर हाई कोर्ट ये भी बोल सकता है नई ट्रायल कंडक्ट करो भाई उनकी या तो सेम चार्जेस पे या फिर दूसरे नए चार्जेस पे या फिर कंप्लीट तरीके से एक्विट कर सकता है तो पहला या तो कंफर्म कर सकता है या तो एक्विट कर सकता है थर्ड या तो उस पनिशमेंट को कैंसिल करके कोई दूसरी ऐसी पनिशमेंट दे दे सकता सकता है जो कि कोर्ट ऑफ सेशन था या फिर न्यू ट्रायल के लिए ऑर्डर करेंगे जो कि सेम चार्जेस पे हो सकती है या फिर अमेंडेड चार्जेस पे हो सकती है क्लियर है मूविंग ऑन टू 367 जो ये बोलता है कि जब ऐसा हाईकोर्ट के पास आप मैटर भेज रहे हो उनको लग रहा है कि भाई मजा नहीं आया इंक्वायरी में तो वो क्या कर सकते हैं फर्दर इंक्वायरी कंडक्ट कर सकते हैं कैसे कोर्ट या तो फर्दर इंक्वायरी करवा सकते हैं या फिर खुद से एडिशनल एविडेंस ले सकते हैं या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं कि भाई कोर्ट ऑफ सेशन तुम ये कार्य करो तुम ये कार्य करो नहीं तो हमारा कोर्ट खुद से या तो इंक्वायरी कर सकता है या फिर क्या कर सकता है फर्दर एविडेंसेस फर्दर एविडेंसेस ले सकते हैं ध्यान रखना एडिशनल एविडेंसेस अलाउड हैं ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है कि एक बार अगर कोर्ट ऑफ सेशन ने एविडेंसेस ले लिया तो बाद में एविडेंसेस नहीं लिए जा सकते बिल्कुल लिए जा सकते हैं ओके मूविंग ऑन टू टू 369 कंफर्मेशन और न्यू सेंटेंस बी साइंड या तो हमने जो 368 में हाई कोर्ट को बोला या तो वो डेथ सेंटेंस कंफर्म कर देंगे कंफर्म कर देंगे कंफर्म कर देंगे या फिर उसको जब वो न्यू सेंटेंस दे रहे हैं तो वो साइन कितने के द्वारा किया जाएगा एटलीस्ट बाय द टू जजेस इट इज नेसेसरी कि हाईकोर्ट उसको क्या उसको कंफर्म करेंगे ठीक है ओके क्लियर बताओ पूजा जी यस यस मुस्तफा जी इट इज एनफर द जुडिशरी प्रोवाइडेड दैट यू हैव टेकन द प्रॉपर क्लासेस यू हैव नोट्स यू हैव गॉन दिस इज मोर देन है नेक्स्ट आगे सुनो सेक्शन नंबर थ्री सेवेंटी बोल रहा है अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो जो हमारा सेक्शन थ्री में जो प्रोविजन दे रखा है वो हम अडोप्ट कर लेंगे थ्री में क्या है जब हम अपील की तरफ चलेंगे तो वहां पर डिस्कस करेंगे थीके? क्लियर है तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ध्यान रखेंगे कनेक्ट करेंगे सेक्शन थ्री वहां जब जाएंगे तो याद दिलाएंगे कि हम 370 में भी 392 की बात कर रखी थी क्योंकि हाई कोर्ट जब डेथ सेंटेंस को कंफर्म कर रहा था डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया था तो उन्होंने बोला 392 वाली प्रोविजन अपना लो ठीक है 369 क्या बोलता है इन केसेस सबमिटेड टू द हाई कोर्ट फॉर द कंफर्मेशन जब हम केसेस को कंफर्मेशन के लिए हाई कोर्ट को भेज रहे हैं तो वहां पे हाई कोर्ट के प्रॉपर ऑफिसर को हमको भेजना है विदाउट डिले जब हमने मामला हाई कोर्ट को भेज दिया है तो प्रॉपर ऑफिसर ऑफ उफ हाई कोर्ट विदाउट डिले क्या करने वाला है जब भी कंफर्मेशन आ गया देखो 368 में अगर इन्होंने कंफर्म कर दिया तो हाई कोर्ट का जो प्रॉपर ऑफिसर है बिना डीले किए सेशन को वो कॉपी भेजेगा ऑर्डर की की लीजिए भाई साहब डेथ सेंटेंस क्या हो गया है कंफर्म हो गया है उस कॉपी पे क्या लगेगा हाई कोर्ट का सील लगेगा एंड उस प्रॉपर ऑफिसर के खुद के सिग्नेचर भी होंगे बराबर है क्या यस और नो क्लियर है यस 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 देखो देखो अभी से सबको चिंता हो पड़ी चलो आ जाओ आगे चलेंगे सुनो देखो जहां पे मैं आपकी क्लास ले रख रह, ले रही हूं ना आपकी टीम ने बढ़िया माहौल जो है बहुत अच्छा खासा ठंडा कर रखा है और ज्यादा पानी पीऊंगी तो फिर मुझे ज्यादा ब्रेक लेने पड़ेंगे ठीक है चलो आगे सुनो सेक्शन नंबर 125 पे चलेंगे दैट इज सबका फेवरेट अति 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 फेवरेट देखो हर घंटे हमें क्या करना है ट्वेंटी फाइव स्लाइड्स को कंप्लीट करना है तो लगभग हमें उम्मीद है कि हम पांच बजे तक सेशन को कवर कर लेंगे ठीक है सुनो सेक्शन 125 बोल रहा है

थ्री सेवेंटी वन एक मिनट रुको जरा थ्री ना बेटा थ्री को भी कवर कर लेते हैं एक बार किधर दिस इज योर थ्री सेवनटी वन ओके बराबर है स्टूडेंट्स दिस इज थ्री सेवेंटी वन थैंक यू थैंक यू कृष्ण कटारिया जी ठीक है प्रतेश जी दिस इज थ्री सेवेंटी वन ओके थ्री सिक्सटी नाइन तो हमने यहां डील कर लिया था ओके okay? ये पता है किस वजह से गड़बड़ी होती है वेन वी कॉपी द बॉक्सेस कई बार हो जाता है स्टूडेंट्स ठीक है चलो ओके okay.

हस्बैंड को डाइवोर्स दे दिया जिसने हस्बैंड के अगेंस्ट हस्बैंड ने डाइवोर्स डिग्री ली है, तो इन दोनों में होता है।, है लेकिन बहना तुमको मेंटेनेंस इन मामलों में नहीं मिलेगा वो कौन कौन से मामले है वाइफ कौन से ग्राउंड्स पे डिस हो जाएगी मेंटेनेंस के लिए स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे फर्स्ट इज इफ शी इज लिविंग इन अडल्ट्री

ओके okay, बराबर चलो आगे चलेंगे स्टूडेंट्स जहां हम देखेंगे मेंटेनेंस पे कौन करेगा मेंटेनेंस हर वो पर्सन को पे करने के लिए बोला जा सकता है जिसके पास सफिशेंट मीन है एंड हु हुक्ट और रिफ्यूजेस टू मेंटेन दीस पीपल अगर फिर भी वो फेल कर दे भाई तुमको ऑर्डर कर दिया ना तुमको ऑर्डर कर दिया ना मेंटेनेंस के लिए अब तुमको जब मेंटेनेंस के लिए ऑर्डर कर दिया है तुमको जब मेंटेनेंस के लिए ऑर्डर कर, कर दिया है तो उसके बाद भी अगर तुम पे ना करो दो देन मजिस्ट्रेट में फर्स्ट इशू वॉरेंट फॉर लेवी ऑफ अमाउंट ऑफ फाइन वॉरट इशू करेंगे वो फाइन इंपोज करने के लिए एंड सेकेंड वो वॉरंट के साथ साथ वन मंथ का इंप्रिजनमेंट भी मिल सकता है मंथ का इंप्रिजनमेंट भी मिल सकता है और अंटिल पेड या तो एक महीने तक की जेल की सजा होगी या फिर जब तक कि आप वो फाइन पे नहीं कर देते पत्नी को बच्चों को माँ बाप को फाइन तो क्या कॉम्पनसेशन कॉम्पनसेशन पोषण जब तक पे नहीं कर देते तब तक के लिए आपको क्या मिलने वाला है यहां पर पनिशमेंट मिलने वाला है ओके okay. तलाक हस्बैंड ले या वाइफ नो no, कोई issue नहीं है। दिव्यांग पति पति अपने पती से भरण पोषण ले, ले सकता है बुरा लाल जी ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकता देखो अगर 125 में जाए तो इट सपोर्ट्स ओनली वाइफ बट इफ वी गो अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट तो हिंदू मैरिज एक्ट बोलता है हस्बैंड भी ले सकती है वाइफ भी ले सकती है मेंटेनेंस ऐसा नहीं है yes, बताओ, तो वहां पे आप एलिमेनी और डायवोर्स के वक्त मेंटेनेंस मांग सकते हैं वहां वो उन्होंने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया यहां पे किया है अब देखो कई बार ऐसा है कि क्या हस्बैंड मेंटेनेंस ले सकता है बिल्कुल ले सकता है ऐसे केसेस आए हैं जहां पे ये प्रूफ किया गया है कि हस्बैंड इतना सक्षम नहीं है कि अर्न कर रहा है लेकिन वाइफ इतनी सक्षम है तो उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा हस्बैंड को क्लियर है ये yes सो नो no. अगला सवाल आ रहा है कि मैम 125 में डाइवोर्स होना जरूरी है क्या बताओ जिन जिन लोगों ने 125 पढ़ लिया है क्या 125 में डाइवोर्स जरूरी है या नहीं है तभी वाइफ मेंटेनेंस मांग सकती है नहीं वाइफ का डेफिनेशन ही इन्होंने ये दे रखा है कम टू सेक्शन नंबर 125 एंड रीड द डेफिनेशन ऑफ द वाइफ वाइफ इंक्लूड्स अ वुमेन हु हैज बीन डाइवोर्स बाय इंक्लूड्स अ वुमेन हु हैज बीन डाइवोर्स बाय और हैज ऑप्टेन अ डाइवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड एंड नॉट रीमैरिड वर्ड देखो इन्होंने क्या बोला है वर्ड देखो नो no, वर्ड देखो यस yes, एब्सोल्युटली सब लोग नो no क्यों बोल रहे हैं क्योंकि वर्ड क्या बोला है इंक्लूड्स इंक्लूड्स राइट नहीं कोई जरूरी नहीं ऐसे भी मांग सकती है अगर मान लो मान लो अगर उसका तलाक नहीं हुआ है तो क्या वो मेंटेनेंस नहीं ले सकती ले सकती है डेफिनेशन इज डेफिनेशन इज नॉन एग्जॉस्टिव इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट में पढ़ेंगे वर्ड देखो वर्ड इट हैज बीन रिटन इंक्लूड्स ऊपर माइनर की डेफिनेशन देखो माइनर में क्या लिखा है मीन दैट इज द डेफिनेशन इज एग्जॉस्टिव इंक्लूड्स मतलब इसमें और चीजें सम्मिलित हो सकती है दैट मीन्स अ वाइफ जो कि अभी भी उसके लिए लीगली वेडेड वाइफ है एब्सोल्यूटली करेक्ट ठीक है Yes, देखो, की से कुछ नहीं होता। की दो करोड़ रुपए है अच्छा कासा 25 कमा लेता, तो गुजारा निकल रहा है ना फिर कहेगा अब तुम्हारे शौक पूरे देखो, भी शौक पूरे करने के लिए कोर्ट किसी पर मेंटेनेंस नहीं ला सकती है जरूरतें पूरी करने के लिए डेफिनेटली कोर्ट क्या कर सकती है मेंटेनेंस दे सकती है जब आप भी जजेस बने तो देखना की पत्नी जो आपसे मेंटेनेंस डिमांड कर रही है एज यू नो वहां पे विक्टिम आके

तो इफ इट इज रिक्वायर्ड देन फाइन बट एक हद से ज्यादा तो फिर यू ऑल नो इट इज नॉट रिक्वायर्ड ठीक है क्लियर है आगे चलो बाकी देखो नेचुरल नेचुरल ब्यूटी ब्यूटी इज है ना भगवान ने जैसा बनाया है बढ़िया रहो है ना जाके देखो दादी नानी को बढ़िया नारियल का तेल लगाती है हमारी नानी तो अभी भी आप गांव में जाओ देखो जिसको कहते हैं ना मीठा तेल दे डोंट हैव अ नेम फॉर देयर हेयर ऑयल दे से मीठा तेल मीठा तेल मतलब क्या जो सब्जी में डालते हैं या फिर तिल का तेल लगा लेंगे सबसे बढ़िया है ना जो गांव में जाओगे आपके घाणी से जो तेल निकलता है उसको लगा लेंगे बहुत सही अभी भी देखो मेरे से ज्यादा उनका हेयर जो है वो बाउंसी है बढ़िया बहुत अच्छे से जी रहे वो लोग ठीक है चलो <coughs> बहुत चीजें हैं हम लोगों को बोलो लड़कियों को बोलो पूरे हफ्ते बालों में ऑयलिंग नहीं करेंगे नहीं नहाने से मतलब जिस दिन हेयर वॉश करेंगे उसके एक दिन पहले हम लोग क्या करेंगे बालों में ऑयलिंग करेंगे नानी को मम्मी को देखो बढ़िया रोज तेल लगाएंगे हेयर में तो जरूरत ही नहीं पड़ती आपको ये कलरिंग कराने की और जो कुछ भी है ठीक है, यस। मेरे हेयर का राज तो पूछो ही मत तुम लोग हैं चलो आ जाओ सुनो अब कमिंग बैक प्रोसीजर सेक्शन नंबर 126 तो कहने का तात्पर्य जो अभी हमने डिस्कशन किया है स्टूडेंट्स तो उसका यह मतलब है प्रकृति से जितने जुड़े हुए रहोगे ना उतना ही फायदा है उतनी ही बीमारियां टेंशन आपसे दूर रहने वाली है बाकी देखो शौक का तो कोई लिमिट ही नहीं है जितना थोपना है उतना थोपो लेकिन अल्टीमेटली सब धुल जाना है जितना मन स्वच्छ रहेगा ना जितनी अच्छी नींद होगी जितना साधारण खाओगे पियोगे मटके का बढ़िया ठंडा पानी पियोगे अच्छा मटके का है ना बहुत ज्यादा फ्रिज व्रिज का नहीं उतना ज्यादा आपका शरीर आपका साथ देगा आपको हमेशा एनर्जेटिक फील होगा ठीक है चलो प्रोसीजर सबसे पहले प्रोसीजर में बोला एप्लीकेशन किसको या तो आप दे सकते हैं में सिर्फ फर्स्ट क्लास या फैमिली कोर्ट को भी दे सकते हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट के कहां पे जहां पे वो पर्सन रिसाइड करता है और वाइफ का मामला है तो जहां पे हस्बैंड या husband की वाइफ रिसाइड करती है थर्ड इज वेयर ही विद हिज वाइफ लास्ट रिसाइडेड टुगेदर जहां पे आखिरी दफा वाइफ हस्बैंड के साथ रिसाइड की थी नेक्स्ट इज इफ विलफुली अवॉइड सर्विस एंड निगलेक्ट्स टू अटेंड द कोर्ट तो एक्स पार्टी डिसीजन हो जाएगा अगर अगर पर्सन ने सुनो क्या किया अगर पर्सन को हमने कोर्ट बुलाया भाई तुम नहीं आ रहे हो तो उस मामले में क्या हो जाएगा एक्स पार्टी डिसीजन आ जाएगा तो भाई हस्बैंड के ऑर्डर बोला नमस्ते निशान जी उसके अगेंस्ट डिसीजन आ गया तो वो क्या कर सकता है, की कर है. की कितने दिन में फाइल करनी है थ्री मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑन द गुड कॉज यू कि यू वर नॉट अवॉइडिंग दी समन जो आपको भेजा गया है जानबूझ के नहीं कर रहे थे वो बाई डिफॉल्ट हो गया है तो कोर्ट यहां पे क्या करेगा सेट असाइड करेगा उस एक्सपार्टे डिसीजन को नेक्स्ट इज ऑल्ट्रेशन अलाउड है क्या ऑल्ट्रेशन अलाउड है किस ग्राउंड पे स्टूडेंट्स आपको टाइम लिमिट हम पढ़ेंगे अभी टाइम लिमिट अभी पढ़ेंगे स्टूडेंट्स

जो पूरा सम ऑफ मेंटेनेंस कोई पर्सनल लॉ के अंडर एक साथ ही क्या कर ले स्टूडेंट्स कर ले या फिर डाइवोर्स वुमेन वॉलेंट्री सरेंडर कर दे पत्नी खुद बोल दे कि भाई हमको मेंटेनेंस नहीं चाहिए और ऐसी पत्नियां एग्जिस्ट करती हैं जो अगर शादी में खुश नहीं है तो वो मात्र डाइवोर्स लेना उनका ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि हमको डाइवोर्स चाहिए हमको मेंटेनेंस नहीं चाहिए जो पैसा पैसे की डिमांड नहीं करती और खुद को इतना सक्षम समझती है कि हम अपना जीवन का गुजारा कर लेंगे 128 क्या बोल रहा है एनफोर्समेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस कोई भी मजिस्ट्रेट ऐसे ऑर्डर को क्या कर सकती है स्टूडेंट्स ऐसे ऑर्डर को निष्पादित कर सकती है जहां पर भी वो पर्सन रह रहा है जिसके अगेंस्ट मेंटेनेंस ऑर्डर पास हुआ है ठीक है yes, यस दे सकते हैं वैभव बिल्कुल दे सकते हैं एक बार में नहीं सॉरी अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में नहीं एक बार में दे सकते परमानेंट एलि में नहीं चल सकता है ठीक है क्लियर है चलो ओके okay.

अंदर अंदर उसका एग्जीक्यूशन करवा दीजिए उसका निष्पादन करवा दीजिए थ्री मंथ्स के अंदर अंदर सेट असाइड दी एक्स ऑर्डर तीन महीने के अंदर अंदर क्या करना है स्टूडेंट्स आप एक्स ऑर्डर को सेट असाइड करवा सकते हैं एक और ले लो स्टूडेंट्स वन मंथ और अंटिल द अमाउंट इज पेड ये कौन सा है ये डिफॉल्ट इन फाइन अगर डिफॉल्ट किया गया पेमेंट में दैट इज मेंटेनेंस ठीक है मेंटेनेंस कॉम्पनसेशन अलग अलग होता है ठीक है पंडित दीपक जी मैम अगर वाइफ अपनी मर्जी से लिविंग में ना रहकर अपने पेरेंट्स के पास चली जाए वो मांग सकती देखो अगर बिना कॉम्पन के बिना कंसेंट के सेपरेटली रह रही है ठीक है अब कंसेंट से नहीं रह रही है ना आपकी बिना मर्जी से गई है अब डेजर्शन दो साल से ज्यादा हो गया तो डेजर्शन का भी ग्राउंड बनता है अपनी मर्जी से गई है लेकिन अगर अपनी मर्जी से गई है, से गई है तो ऑब्वियसली अभी हमने पूछा था देखो पूछा क्या था अभी पढ़ा था कि इस ग्राउंड पे क्या नहीं कर सकती स्टूडेंट्स वो मेंटेनेंस नहीं ले सकती कहां गई हमारी स्लाइड चली गई क्या येस लिविंग सेपरेटली विदाउट एनी कॉज नहीं ले सकती मेंटेनेंस नॉट अलाउड बट इफ शी टेल्स कि भाई मैं अलग क्यों रह रही हूं मान लो कोई ऐसी प्रताड़ना की गई है तो फिर हो सकता है ठीक है

क्या डील करेंगे स्टूडेंट्स शुरू करेंगे हमारा चैप्टर नंबर टेन चैप्टर नंबर टेन बताओ स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज पे अप्लाई करता है करता है चैप्टर नंबर एट चैप्टर नंबर टेन एंड चैप्टर नंबर इलेवन टू से कि जो जस्ट अभी हमने चैप्टर पढ़ा था कौन सा चैप्टर पढ़ा था स्टूडेंट्स हमने चैप्टर पढ़ा था चैप्टर नंबर नाइन वो अप्लाई नहीं करता है कहां पर अप्लाई नहीं करता स्टूडेंट्स दैट डज नॉट अप्लाई टू स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज एट

एंड सॉरी मैं आपको बार बार हर लेक्चर में बोल ही देती हूं कि अगर बेटा निकल जाता है मेरे मुंह से तो मुझे माफ करना बिकॉज काफी स्टूडेंट्स आप मेरी उम्र के हैं मुझसे बड़े भी हैं क्लैट के स्टूडेंट्स की रोज जब भी आप में क्लास लेते हैं तो उनको पता है कि उनको बेटा करके बोलते तो वो आदत पड़ चुकी है जुबान की ठीक है चलो आगे सुनो कंप्लीटेड नीति बैच टू पॉइंट ओ ग्रेट 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 ओके ऋषभ जी चलो आगे सुनो हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट स्पेसिफिकली में मतलब यह है अब हम बहुत सारे ऐसे प्रोविजन पढ़ेंगे जहां पे हमको यह देखना है कि पब्लिक ट्रांकलिटी या फिर पब्लिक ऑर्डर को मेनटेन करने के लिए कौन कौन से डिसीजन या कौन कौन सी मशीनरी एनफोर्समेंट में आ सकती है ठीक है सुनो पूरे सेगमेंट को मैंने चार पॉइंट में डिवाइड किया पहला डिस्कस करेंगे अनलॉफुल असेंबली अनलॉफुल असेंबली कहां से कहां तक 129 से लेके 132 बराबर अनलॉफुल असेंबली कहां से 129 से लेके 132 तक Second, हम पढ़ेंगे पब्लिक पब्लिक न्यूसेंस न्यूसेंस भी तो कर सकती है तो पब्लिक न्यूसेंस को रोकने का क्या तरीका है? 133 से फिर कुछ अर्जेंट केसेस है वो जो कर्फ्यू जिसको बोलते हैं डिस्प्यूट रिलेटिंग टू इमोबल प्रॉपर्टी जो झगड़ा करते रहते ना थारो आडो ने थारी है ही न, ये डिस्कस करते रहते ना कि भाई इधर गेट खोल दिया इधर खिड़की खोल दी मारवाड़ी में राइट तो वो वाली यहां करेंगे। करेंगे हमारी पे जहां 129 में बोला सिविल मतलब किस में सिविल फोर्सेस, फोर्सेस को पहले तैनात करेंगे काम नहीं की वन में हम आर्म्ड फोर्सेस को यूज कर लेंगे अगर सिविल फोर्सेज भी काम नहीं की तो आगे हम क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स आगे क्या कर लेंगे हम आर्म्ड फोर्सेस को बोलेंगे कि भाई आप क्या कीजिए यहां पे इस पर्टिकुलर अनलॉफुल असेंबली को डिस्पोर्स कीजिए 132 में कुछ प्रोसिक्यूशन की बात कर रहा है पब्लिक न्यूसेंस में 133 में वो इंपॉर्टेंट कंडीशनल ऑर्डर दे रखे हैं कितने कंडीशनल ऑर्डर हैं क्या क्या मुद्दों से रिलेटेड क्या क्या ऑर्डर आ सकते हैं वो पढ़ना है फिर पूरी प्रोसीजर पढ़ेंगे ठीक है चलो शुरू करते हैं सबसे पहले अनलॉफुल असेंबली के मामले में तो यहां पे सेक्शन नंबर 129 एंड 130 को एक साथ पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 129 ये बोलता है कि हम सिविल फोर्सेस को यूज कर सकते हैं कब पहली बात तो देखो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन या फिर पुलिस ऑफिसर इफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन इज नॉट प्रेजेंट नॉट प्रेजेंट एंड पुलिस ऑफिसर क्या नहीं होना चाहिए एसआई की रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए

जो चीज होती है कुछ प्रोज होते हैं कुछ कॉन्स होते हैं बट ठीक, है, ठीक है ठीक है देखो वो कॉलेज का काफी डेकरम काफी अच्छा रहता है जहां पे थोड़ा सा स्टूडेंट पॉलिटिक्स कम रहता है, है ना क्योंकि स्टूडेंट क्या रहता है पढ़ाई में थोड़ा इन्वॉल्व रहता है ठीक है तो चलो आ, डिस्कस करेंगे पूजा जी जो हमारा न्यू लॉ होगा न्यू लॉ होगा उसको डिस्कस करेंगे और धीरे धीरे स्टूडेंट्स अब आदत डालना शुरू कर देंगे बी एन एस एस बी एन एस एंड बी एस ये बोलना शुरू कर देंगे ताकि आपको आदत पड़ जाए ठीक है क्लियर है आगे सुनो नहीं फिलहाल पढ़ रही हूँ वहां से सुमित जी आगे सुनो सो फॉर वॉट फॉर डिस्पोजल ऑफ अनलॉफुल असेंबली सेकेंड क्या बोल रखा है असेंबली ऑफ फाइव फॉर मोर लाइकली टू डिस्टर्ब

ये उनका कंडक्ट शो कर रहा है कि भाई हम तो नहीं हटेंगे जो करना है कर लो तो यहां पे सिविल फोर्सेस यूज किया जा सकता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन या फिर पुलिस ऑफिसर जो कि की रैंक से बिलो नहीं होगा अगर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन अवेलेबल नहीं है तो क्या कर सकते हैं यूज ऑफ सिविल फोर्स टू डिस्पर्स एंड द पर्सन आर अरसन पार्ट ऑफ इट तो उन लोगों को क्या कर सकते हैं डिस्पर्स भी कर सकते हैं एंड अरेस्ट भी कर सकते हैं आज और सेक्शन नंबर वन पे ये बोल रहा है यहां पर आर्म्ड फोर्सेस का यूज कौन करेगा ऐसा ऑर्डर कौन पारित करेगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑफ द हाईएस्ट रैंक हाईएस्ट रैंक का जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो वन में क्या करेंगे आर्म्ड फोर्सेस को यूज करने के लिए बोलेंगे लेकिन कब जब 129 का 129 क्या नहीं हुआ स्टूडेंट्स यूजफुल नहीं रहा वेन असेंबली अंडर वन ट्वेंटी नाइन केन नॉट बी डिस्पर्स एंड इट इज नेसेसरी फॉर द पब्लिक सिक्योरिटी

पहले देखो 130, 129 में कौन कर रहा था

नहीं कर सकते उस मामले में क्या कर सकता है आर्म्ड फोर्स ऑफिसर पावर्स यूज करके असेंबली को डिस्पर्स कर सकते वन थर्टी टू कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं चलाया जाएगा वन ट्वेंटी नाइन वन थर्टी एंड 131 में किसी भी ऑफिसर ने कोई भी प्रोसिक्यूशन किया है सॉरी कोई भी एक्शन किया है कोई भी पावर यूज किया है तो उनके अगेंस्ट कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं चलेगा क्योंकि ऑब्वियस बात है उन्होंने पावर एक्सरसाइज के गुड फेथ में किया है विदाउट देंशन ऑफ द सेंट्र गर्वमेंट और विदाउट देंशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट वट द रैंक ऑफ द पर्टिकुलर ऑफिसर इज क्लियर है अंडरस्टूड तो वन पुलिस ऑफिसर एक्जीकूटिव मेजिट्रेट ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन

डीएम एसडीएम एंड एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ये छह तरीके के कंडीशनल ऑर्डर्स दे सकते हैं कब जब उनके पास कोई भी रिपोर्ट रिसीव हो या तो पुलिस ऑफिसर के द्वारा या फिर उनको कोई इंफॉर्मेशन मिले या तो पुलिस ऑफिसर कोई रिपोर्ट दे या फिर यहां पर उनको कोई इंफॉर्मेशन मिले तो क्या कर सकते हैं छह ऑर्डर्स दे सकते हैं नो ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट कैन बी कॉल्ड इन टू क्वेश्चन कोई भी मैजिस्ट्रेट ने चाहे डीएम एग्जीक्यूटिव मेजिस्ट्रेट है उनका कोई भी ऑर्डर सिविल कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जाएगा कौन कौन से ऑर्डर है अगर कोई भी अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन लग रहा है पब्लिक प्लेस हो गया रिवर हो गया चैनल हो गया कई बार होता है ना हमारे रास्ते में बहुत सारी लोग गाड़ियां खड़ी करके चले जाते हैं देन इन दैट केस वही ऑबस्ट्रक्शन हो गया ऐसे केस में तो ऑर्डर दिया जा सकता है कि प्लीज उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को या ऑब्स्ट्रक्शन को या न्यूसेंस को रिमूव कीजिए कोई भी ऐसा नेक्स्ट इज कोई भी ऐसा ट्रेड है ऑक्यूपेशन है जो कि इंजूरियस है हेल्थ के लिए अब रेजिडेंशियल एरिया में अगर कोई फैक्ट्री चला रहा है उसको रोका जा सकता है बोला जा सकता है कि प्लीज वो ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन को आप रेजिस्ट कीजिए बंद कीजिए कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग भी स्टॉप Be stop. May cause an है जिसका हमें रुकवाना है, या कुछ हो सकता है जो हो, तो बोला है तो ऐसे में पावर्स होता है कि हम पावर्स दे सकते हैं किस्ट्रक्शन रोक दीजिए बिल्डिंग टेंट और स्ट्रक्चर ट्री लाइकली टू फॉल लग रहा है कि ये पेड़ या फिर ये जो बिल्डिंग है कभी भी घिर सकती है यह बोला जा सकता है कि या तो उसको रिपेयर करवाइए रिमूव करवा एंड या तो उसको सपोर्ट करके कि कुछ कुछ तरीके से आप ठीक कीजिए कोई भी टैंक है वेल है एक्सकोवेशन है जो कि एडजस्टेंड है एडजस्टेंड टू वे बी फेंस्ड ऐसा लग रहा है कि भाई कोई बड़ा सा आपका कोई भी गड्ढा खुदा हुआ है कोई भी वेल है उसको फेंस करवाइए नहीं तो आम जनता उसमें गिर सकती है जैसे हम देखते हैं ना ज्यादातर गांव में बोरवेल में लोग घिर जाते हैं तो बोरवेल का कई बार पता नहीं होता बच्चा खेलते खेलते गिर जाता है बोरवेल में तो यह थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है तो ऐसे मामले में ऑर्डर दिया जा सकता है कि आप उस टैंक वेल या एक्सकोवेशन को क्या करवाइए फेंस करवाइए नेक्स्ट इज एनी डेंजरस एनिमल जो कि क्या है आपका हार्मफुल है आपको हार्म कर सकता है तो उसको कन्फाइन कीजिए या डिस्पोज ऑफ कीजिए ऐसे एनिमल को ठीक है क्लियर है स्टूडेंट्स तो ये छह ऑर्डर है आपसे सीधा सीधा छह के बारे में पूछा जा सकता है ये पूछा जा सकता है कि ऐसे मामले में ऑर्डर कब पारित करेंगे एज वेल एज क्या ऐसे ऑर्डर्स को क्वेश्चन किया जा सकता है एंड सबसे बड़ा सवाल कौन सेक्शन नंबर वन थर्टी थ्री के अंदर ऑर्डर दे सकता है दिस इज डीएम एस डी एम एंड एग्जीक्यूटिव मेजिस्ट्रेट्स ठीक है क्लियर है आगे सुनो

ज द टाइम डायरेक्टेड और अपियर इन अकॉर्डेंस टू द गि इन दर्डर जिस पर्सन को हम ऑर्डर दे रहे हैं वन थर्टी फाइव में स्टूडेंट्स क्या करेगा या तो ऑर्डर को जिस टाइम पे और प्लेस पे परफॉर्म करने को बोला या तो परफॉर्म करेगा या फिर उसको कोर्ट में हाजिर होने को बोला तो वो हाजिर हो जाएगा ठीक है वन थर्टी सिक्स आगे क्या बोलता है अगर वो फेल हो गया वन थर्टी फाइव में जो हमने चीज करने को बोली जो एक्चुअली ऑर्डर में बोला वन थर्टी फाइव में अगर उसने नहीं किया तो वन थर्टी सिक्स बोलता है ही विल बी लाइबल अंडर सेक्शन वन एटी से 187 है ना स्टूडेंट्स एक बार देख लेना इसको है ना आई थिंक दिस इज 187 वो लेबल होगा ठीक है क्लियर है 187 या 188 है, एक बार स्टूडेंट्स करेक्ट करेंगे आई थिंक मैंने लास्ट टाइम इसको थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था एक बार वापस इसको चेक कर लेते हैं सेक्शन नंबर 135 पे आएंगे स्टूडेंट्स 135 यस yes. ओके okay, 136 इट इज 188 ओके दिस इज 188 स्टूडेंट्स

टू सपोर्ट द डिनाइल ऑफ द एक्सिस्टेंस ऑफ द पब्लिक राइट ऑफ द पर्सन तो यहां पे क्या कर देगा प्रोसीडिंग को स्टे कर देगा अंटिल मैटर डिसाइडेड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट जो पब्लिक राइट से रिलेटेड कोई पर्टिकुलर एविडेंसेस उन्हें दिखे जहां लग रहा है कि पब्लिक राइट डिसाइड हमारा एक कोई सिविल कोर्ट करेगा तो उस मामले में जो मजिस्ट्रेट के सामने प्रोसीडिंग चल रही है उसको वो क्या करेंगे स्टे करेंगे तब तक के लिए जब तक कॉम्पिटेंट कोर्ट वो पर्टिकुलर पब्लिक राइट उस पर्सन के पब्लिक राइट right को डिसाइड नहीं कर देते उसके बाद ही मैजिस्ट्रेट हमारे सेक्शन वन में कोई ऑर्डर पारित कर पाएंगे नेक्स्ट इज अगर पर्सन फेल टू एड्यूस एविडेंस अगर पर्सन फेल हो गया कोई एविडेंस दे ही नहीं पाया अपने फेवर में देन इन केस सच पर्सन विल नॉट बी अलाउड टू डिनाई नहीं कर सकते हो इस चीज को जो तुम्हारे अगेंस्ट कही गई है एंड मजिस्ट्रेट ऑर्डर पारित कर देंगे सेक्शन वन में इज इट क्लियर इज इट क्लियर चलो ओके आगे सुनो जब 137 में हमने बात की कि मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी के बाद दो चीजें कर सकते हैं या तो स्टे कर देंगे या फिर उस पर्सन को मना कर देंगे आगे आगे कोई भी एविडेंसेस देने से देन इन दैट केस बोला है 138 में व्हेन पर्सन अपीयर्स टू शो कॉज व्हेन पर्सन अपीयर हो जाता है कि मैं उस चीज को क्यों कंप्लाई नहीं कर रहा था हिंदी में बात हेमा जी अभी थोड़ा डिसाइड करेगी टीम आपको बता देंगे ना जल्दी बताएंगे ओके okay? क्लियर है अब सुनो

फॉलो करूं या ना करूं देन इन दैट केस मैजिस्ट्रेट एविडेंसेस ले सकता है और अगर मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ ऑर्डर प्रॉपर है रियल है और आपको फॉलो करना पड़ेगा देन इन दैट केस ऑर्डर बी मेड एप्सोलूट ऑर्डर बी मेड एपसोल्यूट का मतलब क्या है कमेंट सेक्शन में फटाफट -फड़ से बताओ यस माय स्मार्ट स्टूडेंट्स एंड अगर मैजिस्ट्रेट को लगे कि नो no,

ऑर्डर हो रहा है तो मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे यहां पे जब भी ऑर्डर तो को उस yes, तो पर्सन को, को बोला जाएगा पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो तुमको 133 में ऑर्डर दिया गया काइंडली इट एंड इन्फॉर्म हिम कि अगर तुमने डिसोबीडियंस किया तो भैया तुम्हारे ऊपर क्या लगने वाला है आईपीसी के चार्जेस लगने वाले हैं तुम्हारे ऊपर लगेंगे आईपीसी का सेक्शन नंबर सेक्शन नंबर लगेगा और अगर फिर भी फेल हो जाता है मैजिस्ट्रेट मे कॉज इट टू बी बी मे कॉज टू बीफॉर्म बाय रिकवरिंग द कॉस्ट ऑफ द सेल मतलब यहां पे सेल होगी या तो उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी या कोई भी गुड्स कोई भी गुड्स या फिर मैम रिस्पेक्टेड जुडिशरी न्यू वाली है जतिन जी कल मैंने सेशन लिया था एक बार है ना 20-30 मिनट का एक सेशन लिया था उसको जाकर जरूर देखना काफी सारे डाउट जो हैं आपके क्लियर हो जाएंगे कल वाले सेशन से ठीक है अब सुनो अगर ऐसी प्रॉपर्टी से हम देखो अगर उसने नहीं चीज की अगर उसको जो ऑर्डर बोला हमने नहीं किया तो ऑब्वियसली बात है उसकी प्रॉपर्टी सेल होगी उसकी प्रॉपर्टी को सेल करके हम कॉस्ट को रिकवर कर लेंगे और अगर उसकी जो प्रॉपर्टी सेल करनी वो आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन है उस मजिस्ट्रेट के जिसने वो ऑर्डर पारित किया है देन इन दैट केस वो प्रॉपर्टी अटैच होगी एंड सेल होगी ओनली व्हेन द एंडोर्समेंट बाय द मजिस्ट्रेट ऑफ द लोकल ज्यूरिसडिक्शन जिस लोकल ज्यूरिसडिक्शन में वो प्रॉपर्टी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहां के जब मैजिस्ट्रेट क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स उस पर्टिकुलर अटैच प्रॉपर्टी को अटैच कर देते हैं सेल कर देते हैं तो वहां पे वहां पे क्या होगा स्टूडेंट्स जब उस पर एंडोर्समेंट कर दिया है मैजिस्ट्रेट ने वहां के लोकल ज्यूरिसडिक्शन के मैजिस्ट्रेट ने तभी उस प्रॉपर्टी को हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स सेल कर देंगे ठीक है क्लियर है ओके बराबर आगे चले <coughs> आगे चले यस और नो ओके okay. चलो आगे चलेंगे स्टूडेंट्स यस yes. अब बच्चे हुए सेक्शन देखो जो कि हमारे इस प्रोसीजर के बारे में बता रहा, जहां 139 बोल रहा है कि हमारे मैजिस्ट्रेट जब भी ऐसे 133 का ऑर्डर पारित करें तो वो क्या कर सकते हैं लोकल इन्वेस्टिगेशन भी करवा सकते हैं एंड एक्सामिनेशन कर सकते हैं एक्सपर्ट्स का एक्सपर्ट्स मीन सेक्शन नंबर फोर्टी टू फिफ्टी ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट भारतीय न्याय संहिता नॉट uh, संहिता बिल बोला है तो मतलब ये एक्ट बनेगा ठीक है इंडियन एविडेंस एक्ट है तो यहां पर भी भारतीय uh, साक्ष्य संहिता बनेगा क्लियर अब देखो क्यों करेगा इंक्वायरी फॉर द पर्पस ऑफ इंक्वायरी अंडर 137 थर्टी सेवन एंड वन थर्टी एक्ट जहां वो उस पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे ना तो वहां पे क्या करेंगे लोकल इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं एंड क्या कर सकते हैं एक्सपर्ट्स का एग्जामिनेशन करवा सकते हैं 140 में क्या बोला है फर्निश रिटर्न इंस्ट्रक्शन खुद से रिटर्न इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कब दे सकते हैं मैजिस्ट्रेट डायरेक्टिंग लोकल इन्वेस्टिगेशन बाय एनी पर्सन जब मैजिस्ट्रेट बोल रहे हैं कि भाई लोकल इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करनी तो खुद से क्या कर सकते हैं? सकते हैं हैं वहां पे इंस्ट्रक्शन दिए जा कि कुछ पर्टिकुलर टाइम में आपको पर्टिकुलर चीजें करनी है इंजंक्शन अच्छे से पढ़ेंगे स्टूडेंट्स वन फोर्टी टू अब देखो वन फोर्टी टू क्या बोलता है इंजंक्शन पेंडिंग इंक्वायरी जब इंक्वायरी पेंडिंग है तो मैजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो क्या कर सकते हैं इंजंक्शन दे सकते हैं देखो सेक्शन नंबर अभी हम इसमें पढ़ के आए हैं कि 141 में हमारे ऑर्डर्स 141 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं ऑर्डर 138 में जब ऑर्डर ऑर्डरूट हो रहा है तो इसका कॉन्सिक्वेंस बता रहे हैं इसका क्या बता रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉन्सिक्वेंस बता रहे हैं और हमने यहां बोला कि जब इंक्वायरी पेंडिंग है तो इंजंक्शन दिया जा सकता है क्यों इंजंक्शन देंगे सोचो क्यों इंजंक्शन देंगे वो इंजंक्शन इसलिए देंगे बिकॉज इमिनेंट डेंजर है कोई इमिनेंट डेंजर है या फिर इंजरी ऑफ सीरियस काइंड टू पब्लिक है अगर हम उस चीज को नहीं रुकवाएंगे स्टूडेंट्स तो वो चीज कंटिन्यू होती रहेगी होती रहेगी एंड जब तक हमारा ऑर्डर आएगा तब तक बहुत लेट हो चुका होगा सेज प्रोहिबिशन फॉर रिपीटेशन और कंटिन्यूंस ऑफ दी पब्लिक न्यूसेंस जो पब्लिक न्यूसेंस है उसकी कंटिन्यूंस या उसके रिपीटेशन को रोकने के लिए यहां पर प्रोहिबिट कर सकते हैं कौन कौन प्रोहिबिट कर सकता है फिर से डीएम एसडीएम या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यस और नो 139, 148, 310. फोर्टी एट थ्री हंड्रेड टेन ओके चले आगे यस yes, वन फोर्टी फोर डिस्कस करेंगे पावर टू ऑर्डर इन अर्जेंट केसेस अब हमारे मजिस्ट्रेट्स के पास पावर है कि कुछ अर्जेंट केसेस में हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? हम अर्जेंट केसेस में हम अर्जेंट केसेस में ऑर्डर इश्यू कर सकते हैं जहां पर हमें लग रहा है कि कोई डेंजर एप्रीहेंडेड है ऑर्डर कौन देगा चाहे 133 हो या 144 हो दोनों में ही डीएम एसडीएम एंड एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को पावर दे रखी है जहां 144 बोलता है डीएम एसडीएम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑर्डर ऑर्डर देंगे, रिटन देंगे रिटन दे करेंगे क्या सबसे पहले तो इन्होंने बोला है इंडिविजुअल या पब्लिक के अगेंस्ट ये ऑर्डर दे, देंगे कब देंगे क्या देंगे यहां लिखा है लेकिन इसका ड्यूरेशन कितना है बोला टू मंथ्स है अगर हम चाहें तो इट कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर अप टू सिक्स मंथ्स आगे छह महीने के लिए और एक्सटेंशन हो सकता है लेकिन ऑर्डर क्या पास होगा ऑर्डर यह पास होगा कि हम किसी भी पर्सन को डायरेक्ट करेंगे फ्रॉम फ्रॉम एबस्टेनिंग सर्टन एक्ट्स की भाई प्लीज कुछ पर्टिकुलर एक्ट्स आपको करने की जरूरत नहीं है देखो 144 133 में फर्क क्या है 133 में में आपको आपको कोई कोई दे दे रहा है। आपको कोई information दे रहा है, है, 144 में ये लोग खुद से directly कर लेते हैं। क्या फर्क है 144, 133 में? 144 में हम बोल रहे हैं ऐसे अर्जेंट केसेस जहां पे न्यूसेंस हो रहे हैं याजर हो रहा है जबकि वन में हम किसकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स हम कुछ ऐसे चीजों की बात कर रहे हैं जहां पर इंफॉर्मेशन मिल रही है हमारे मेजिस्ट्रेट्स को क्लियर है यस yes. और टेक ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एनी प्रॉपर्टी अंडर हिज़ पोजेशन या फिर ये ऑर्डर किया, कि किया जा सकता है कोई भी से, से, इंजरी से, या कोई भी ह्यूमन लाइफ को आप डेंजर कॉज ना करें और डिस्टरबेंस ऑफ द पब्लिक ट्रांकुलिटी रॉयट या एफरे तो धारा एक जो लगती है वो यही लगती है एक्स पार्टी ऑर्डर मे भी पास बिल्कुल पास हो सकता है बिना पार्टी की सुनवाई किए फर्क देखो 133 में 144 में 144 एंड 133 में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है दैट इज ये अर्जेंट केसेस है तुरंत प्रभाव से तत्कालीन प्रभाव से हमको यहाँ पे कोई चीज करवानी है कौन सा सेक्शन अप्लाई होता? होता है स्टूडेंट्स 144 अप्लाई होता है क्लियर है अब देखो कौन से केसेस में इमरजेंसी के केसेस में एंड इन केस नोटिस कैन नॉट बी सर्वड इन ड्यू टाइम ऑन द पर्सन अगेंस्ट हुम द ऑर्डर इज पास जिस पर्सन के अगेंस्ट हम ऑर्डर पास कर रहे हैं उस पर्सन को हम तत्प्रभाव से क्या नहीं कर सकते स्टूडेंट्स यहां पे नोटिस नहीं दे सकते हैं तो आप 133 144 का इमीडिएटली ऑर्डर पास कर सकते हैं नेक्स्ट इज 144 पावर टू प्रोहिबिट कैरिंग आर्म्स, मास सिर्फ और सिर्फ डीएम के पास पावर है किसके पास है, के पास है. इसको भी में डाला गया है कैसे करेंगे पब्लिक नोटिस या ऑर्डर किसके अगेंस्ट करेंगे वो पर्सन या वो पार्टी या वो ऑर्गेनाइजेशन जो चीजें करा रही है ड्यूरेशन रहेगा थ्री मंथ एंड इसका एक्सटेंशन भी सिक्स मंथस के लिए है तो ध्यान रखना वन में टू प्लस है और यहां पर थ्री प्लस है क्लियर है आगे देखो वेन ऑर्डर अंडर ए पास पास कब pass किया जाएगा पहला पब्लिक पीस के लिए पब्लिक सेफ्टी के लिए या मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर पब्लिक पीस पब्लिक पीस पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक ऑर्डर दैट इज पीस सेफ्टी ऑर्डर किस मामले में सेक्शन नंबर वन फोर्टी फोर ए के मामले में ठीक है क्लियर है अब सुनेंगे सेक्शन नंबर 145, 146, 147 को डील करेंगे प्रोसीजर वे डिस्प्यूट कंसर्निंग लैंड और वाटर इज लाइकली टू कॉज ब्रीच ऑफ पीस कई बार स्टूडेंट्स लोगों के बीच ऐसे डिस्प्यूट होते हैं जहां पे पानी को लेके जमीन को लेके झगड़े होते हैं एंड वी फील कि यहां पे हमारा पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो जाएगा तो इस मामले में यहां पे ऑर्डर पास किए जा सकते पावर किसके पास दे रखी है ओनली एंड ओनली एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सेक्शन वन सेक्शन वन एंड वन फोर्टी फोर पावर है डीएम, एसडीएम एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के पास लेकिन बात करें वन फोर्टी फोर ए में स्टूडेंट्स तो वहां पावर है सिर्फ डीएम को बात करूं मैं वन फोर्टी फाइव की पावर है सिर्फ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को क्लियर है ये चीज याद रखना और ध्यान रखना अच्छे से क्लियर है ओके आगे सुनो बाय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कब होगा जब पुलिस रिपोर्ट करे या फिर कोई अदर इंफॉर्मेशन मिले किस रिगार्डिंग कि भाई ब्रीच हो रहा है पीस का किस वजह से हो रहा है कोई लैंड है वाटर है या या इसकी बाउंड्रीज की वजह से पुलिस या कोई भी पर्टिकुलर पर्सन इंफॉर्मेशन दे कि लैंड वाटर या उसकी बाउंड्री से रिलेटेड कोई झगड़ा हो रहा है ब्रीच ऑफ पीस हो सकता है ब्रीच ऑफ पीस लाइकली है किसको इंफॉर्मेशन दे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को दे तो यहाँ पे क्या हो सकता है उस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के खुद के लोकल जुरिस्ट्रिक्शन में हो रहा है तो वो ऑर्डर कर सकता है पार्टी को

उस मामले में क्या बोला है कि हमारे मजिस्ट्रेट के पास पावर है कौन से मजिस्ट्रेट के पास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तो 146 में भी कौन हो गया स्टूडेंट्स इट इज एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसको हमने पावर दिया है कि वो क्या कर सकता है सब्जेक्ट मैटर जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड लड़ाई है उसको हम क्या कर सकते हैं उसको हम अटैच कर सकते हैं ठीक है कार्यपालक मजिस्ट्रेट दिलीप जी आगे सुनो सिचुएशन कौन कौन सी है कौन कौन सी मैटर को अटैच कर सकते हैं कोई झगड़ा हो रहा है जमीन को लेके, इमरजेंसी का मामला है तो। अगर 145 के, अंदर, कि exactly कौन सी party के पास यहां पे पोजीशन था उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का सेकंड अनएबल टू सैटिस्फाई व्हिच पार्टी इज इन पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ ओके सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट पहले तो दोनों में से कोई भी पार्टी उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के सब्जेक्ट में पोजेशन में नहीं थी सेकेंड बोला गया है अगर दोनों में से कोई भी पार्टी के बताने के बाद कोर्ट ये सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है कोर्ट ये खुद से क्या नहीं हो पा रहा है इस चीज को लेके क्लेरिफाई नहीं कर पा रहा है कि एक्सैक्टली exactly कौन सा पार्टी जो है, वो उस पर्टिकुलर में के तो जो है, वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से रिलेटेड पार्टी डिटिमाइन नहीं कर देती तब तक क्या कर लेंगे तब तक ये लोग उस प्रॉपर्टी को अटैच करेंगे एंड हमारे रिसीवर को भी हम अपॉइंट कर लेंगे कम टू सेक्शन नंबर सेक्शन नंबर 146 <coughs> आगे सुनो कैन मजिस्ट्रेट विद्रॉ द अटैचमेंट हां जी अटैचमेंट विद्रॉ हो सकता है इफ इज नो लॉन्गर ऑफ ऑफ ब्रीच पीस हम लोग कई बार आपका जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है एक बार प्रॉपर्टी अटैच करने के बाद भी उसको रिलीज कर सकता है अगर लग रहा है कि कोई अब प्रॉपर्टी को आगे डेंजर नहीं है अटैचमेंट होगा कैसे बाय अपॉइंटिंग द रिसीवर रिसीवर ऑर्डर नंबर फोर्टी ऑफ सीपीसी इफ सिविल कोर्ट इफ सिविल कोर्ट डिड नॉट अपॉइंट अगर सिविल कोर्ट ने अपॉइंट नहीं किया तो हमारा खुद सेम मैजिस्ट्रेट क्या करेगा

मामला सब कुछ यहां पर सेम है लेकिन यहां पे मामला क्या है राइट क्लेम्ड एज ईजमेंट और अदरवाइज यहां पे बोल रहा है कि जो हमारा झगड़ा हो रहा है ब्रीच ऑफ पीस एग्जिस्ट एज टू लैंड वाटर और बाउंड्रीज इसके मामले में क्या राइट right क्लेम किया जा रहा है कि हमारा ईजमेंट या कोई अदरवाइज राइट right है कैसा राइट right है या तो हमारा ईजमेंट का कोई राइट right है या फिर हमारा अदरवाइज कोई राइट right है ठीक है क्लियर है ओके okay. तो ये देखो पहले 147 बोल रहा है डिस्प्यूट कंसर्निंग राइट अधिकार किसका है 147 किसकी बात कर रहा है स्टूडेंट्स अधिकार किसका है एंड 147 बोल रहा है विद रिस्पेक्ट टू कंसर्निंग लैंड एंड वाटर इज लाइकली टू कॉज यहां पे सिर्फ मात्र झगड़ा है यहां पे मात्र झगड़ा है और यहां पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स यहां पे बेसिकली वहां पे राइट right की बात हो रही है अधिकार की बात हो रही है ठीक है सुशीला जी बराबर आगे सब कुछ सेम है। से वन थर्टी थ्री की जब प्रोसीजर चल रही थी तो वहां लोकल इन्वेस्टिगेशन अलाउड था एंड फर्दर टेकिंग ऑफ द एविडेंस वॉज अलाउड हम यहाँ वन में किसकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स लोकल इंक्वायरी की बात कर रहे हैं कब हो रहा है लोकल इंक्वायरी वन फोर्टी फाइव में और करेगा कौन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही करे सॉरी डीएम या एसडीएम करेगा ध्यान रखेंगे डीएम या एसडीएम लोकल इंक्वायरी कंडक्ट करवाएंगे इंक्वायरी यहां पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स नहीं करवाएंगे वापस से रिपीट कर देंगे स्टूडेंट्स हम सेक्शन नंबर 133 एंड 144 में किसको पावर दिया था डीएम एसडीएम एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स थे 140 फोर ए में कौन था स्टूडेंट्स सेम थे 145 में हमने किसकी बात की स्टूडेंट्स एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात की एंड 148 में कौन है स्टूडेंट्स डीएम है एंड एस है क्लियर है ये चीज ध्यान रखना 146 147 में भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स ही हैं ठीक है क्लियर है हाँ बिल्कुल है हाँ बिल्कुल है ये न्यूज आई है कि आरपीएससी इज ट्राइंग टू डिसाइड कि आपको ऑप्शन में फाइव ऑप्शन दिए जाएंगे जो क्वेश्चन आप नहीं करना चाहते हैं अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हैं उसके लिए ऑप्शन नंबर फाइव को गोला करना है एंड अगर फाइव को गोला नहीं किया तो नेगेटिव मार्किंग ठीक है दे आर ट्राइंग टू इंप्लीमेंट इट इफ इट वर्क तो फिर ये आगे से हर एग्जाम में कर देंगे ठीक है चलो एक मिनट स्टूडेंट्स वन फोर्टी फोर

किस परपस के लिए लोकल इंक्वायरी है 145 146 147 एंड डिस एंड क्या करेगा मजिस्ट्रेट डिप्यूट कर सकता है मै मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू इट प्लस फर्निश रिटन इंस्ट्रूमेंट्स रिटन इंस्ट्रक्शंस टू देम फॉर द गाइडेंस एंड डिक्लेयर हु विल पे द एक्सपेंसेस ऑफ इंक्वायरी एंड रिपोर्ट करेंगे क्या टू बी रेड इन एविडेंस कि जो भी यहां पे रिपोर्ट उन्होंने की है वो एविडेंस में पढ़ी जाएगी सो so आपको आपको जो बेसिक जो बेसिक आपको सेक्शन नंबर 148 में क्वेश्चन आएगा वो यह है कि पावर किसके पास है दैट दैट इज इज योर एक तो एंड ठीक है बराबर है शुरू करेंगे जोरिस्टिक्शन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स उससे पहले मैम क्या न्यूज बताई थी वो वापस से बता दीजिए न्यूज ये है कि आरपीएससी डिसाइड कर रही है स्टूडेंट्स कि वो कि वो पांच ऑप्शंस आपके एग्जाम में हर सवाल में देंगे जहां पर कि पांचवे ऑप्शन को आपको गोला करना है हो सकता है 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 आप इस एक छोटी सी क्लास भी ले आए ठीक पांचवे ऑप्शन को आपको गोला करना इफ यू डू नॉट टू अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना चाहते ना वो चारों में से कोई भी आप ऑप्शन करेक्ट नहीं करना चाहते पांचवे को ऑप्शन लगाओ तो वहां पे आपको जीरो मिलेगा लेकिन अगर वो नहीं लगाया तो नेगेटिव मार्किंग जहां तक कि मुझे इंफॉर्मेशन मिली हो सकता है कि इंफॉर्मेशन थोड़ी दर जहां तक कि मैंने इंफॉर्मेशन पढ़ा है रात को वो भी लोगों की स्टेटस दे, देख देख के पता चल था ठीक है राइट नेवर एंडिंग फुट स्टेप्स इतना टाइम भी देने की जरूरत है सीधा मना हाँ अब ठीक है बेटा देखो गवर्नमेंट है अपने सहूलियत के हिसाब से एग्जाम लेती है देखो सिलेबस चेंज होना हमारे हाथ में नहीं है एग्जाम का पैटर्न चेंज होना हमारे हाथ में नहीं है डेट्स का चेंज होना हमारे हाथ में नहीं है क्वेश्चंस का बदलना हमारे हाथ में नहीं है हमारे हाथ में हमारे कंट्रोल में एक ही चीज है दैट इज आप प्रिपरेशन हमारे कंट्रोल में कुछ है तो हमारी मेहनत और उसी को हम कम कर सकते हैं ज्यादा कर, कर सकते हैं इफेक्टिव कर सकते हैं तो इट इज कंप्लीटली अप टू यू वेदर यू वॉन्ट टू गेट इन्फ्लुएंस बाय ऑल दीज थिंग्स और एक्चुअली फोकस ऑन यूर प्रिपरेशन एंड कीप य सेल्फ सो यू नो फ्लेक्सीबल कि कोई भी अगर चेंज हुआ तो आप उसको ईजिली अडाप्ट कर लोगे ठीक है सिर्फ पढ़ो ओके okay. <coughs> आगे सुनो डिस्कस करेंगे इस पर प्रज्ञा जी कि आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जेलो की कितनी रही है पहले की और आपका लगभग लगभग कितना आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहिए कितने क्वेश्चंस में आप रिस्क ले सकते हो हालांकि कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर पेपर ठीक है चलिए ज्यूरस को फटाफट से कंप्लीट करेंगे अगले दस मिनट में मैम uh, ऐसा होना था जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उनका फिफ्थ ऑप्शन टिक करो तो इट विल गिव हाफ ऐसे कैसे होगा विदुषी जी हैं फिर फिर तो सोचो, फिर तो ये सोचो सोचो ये ना आपके आपके पास कितने क्वेश्चन आ रहे हैं जेलों में 600 आ रहे ना डेढ़ सो डेढ़ सो 150 150 150 सो छो क्वेश्चन आ गए ना आपके पास तो आप सब में वो ऑप्शन मार्क कर दोगे हाफ मार्क मिल जाएगा 300 नंबर तो आप ऐसे ही ले आए सोचो 300 नंबर तो ऐसे ही आ गए आपके है ना ओके राइट राहुल जी चलो मेरा देश बदल रहा है कानून बदल रहा है सिलेबस बदल रहा है एग्जाम पैटर्न बदल रहा है डिस्ट्रिक्ट बदल रहे हैं सब कुछ बदल रहा है और कुछ नहीं बदल रहा है तो हमारा करियर वही जैसे चल रहा था अभी तक सेम वही चल रहा है चल चली रहे चली रहे चली रहे कभी सोचा बचपन से पैदा हुए तब से पढ़ रहे हैं पढ़ रहे पढ़ रहे पढ़ ही रहे हैं और पता नहीं पढ़ाई खत्म कब होगी बस पढ़ रहे हैं जीवन के 24-25 साल हो गए मतलब पढ़ ही रहे हैं के जी में छोटे से थे एकदम तभी मैं जब सामने हमारे घर के क्वार्टर्स के सामने मतलब जो कॉलोनी के सामने जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं सुबह सुबह जाते हैं सात बजे उठ के स्कूल जाते हैं और बोलते हैं दीदी हमारे स्कूल जा रहे हैं मैंने तुम जाओ शुरू हुआ ये ख़त्म नहीं होना है तुम्हारा जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ चलो और मम्मियाँ खुश होती कि एक बार स्कूल से निपट जाएँ फिर हम खुश हो जाएंगे तो फिर वो मेरी मम्मी को देखते हैं कि आपकी बच्ची की भी स्कूल खत्म हो गई कॉलेज खत्म हो गई फिर भी मम्मी का काम इज़ नेवर एंडिंग, है ना मम्मी हमेशा ऑन ड्यूटी रहती है मम्मी इज दैट वॉरियर कि अगर एक दिन घर का काम नहीं करे मम्मी या महिला जो भी हमारे घर में गृहिणी है तो हमारा काम रुक नहीं जाता सब खत्म हो जाता है ठीक है चलो आगे सुनो क्ट द इनक्वाशन देखेंगे उसके बाद हमारे प्रॉपर प्रोसीजर पर सेक्शन नंबर वन सेवेंटी सेवन स्टूडेंट ये कहता है हमको सेक्शन नंबर सेवेंटी सेवन ये बोलता है जहां पे एक्चुअली ऑफेंस हुआ है वहीं का लोकल जूरिस्डिक्शन रहने वाला है प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल कहां रहेगा जहां पे ऑफेंस कमिट हुआ ये हमारा जनरल रूल है लेकिन प्लेसेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल लेकिन सेक्शन नंबर 178 ने बोला अगर अनसर्टन है कि दो में से या कोई भी ज्यूरिस्डिक्शन में कहां पे ऑफेंस कमिट हुआ है तो आप किसी भी जूरिस्टिक्शन में क्या कर सकते हैं वो मैटर को ट्रायल uh, या इंक्वायरी कर सकते हैं पार्टली एक जगह हुआ पार्टली दूसरी जगह हुआ अगर कंटिन्यूंग ऑफेंस है जोधपुर से किडनैपिंग हुई है जयपुर तक किडनैपिंग करते हुए लेके गए हैं पकड़ते हुए लेके गए गाड़ी में बिठा के ले गए कंटिन्यूइंग ऑफेंस है एंड कंसिस्ट ऑफ दी सेवरल एक्ट्स बहुत सारे एक्ट्स हुए हैं जोधपुर में एक एक्ट हुआ फिर दूसरा एक्ट जाके जयपुर में भी किया है फिर अलवर में किया उदयपुर में किया दिल्ली में किया तो बहुत सारे अलग अलग एक्ट किए हैं और ये नहीं पता है इन सभी मामलों में क्या होता है Students, हमको जुरस नहीं पता हो देन इन दैट केस क्या होगा देन इन दैट केस क्या होगा स्टूडेंट्स देन इन दैट केस यहां पर हमारा चैप्टर नंबर गलत लिखा है क्या बेटा आई थिंक इट इज है ना चैप्टर नंबर सही तो है थर्टीन तो है क्या लिखा था चैप्टर नंबर

आप वहां पे इंक्वायरी या ट्रायल कंडक्ट कर सकते हो जहां पे या तो एक्ट हुआ है या जहां पे कॉन्सिक्वेंस हुआ है मान लीजिए यहां पे कोई जहर खिलाया गया किसी पर्सन को ट्रैवल कर रहा था जाके डेथ हुई जयपुर में 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 तो इस केस में, तो इस इस केस केस स्टूडेंट्स ज्यूरिस्डिक्शन क्या होगा आइदर ऑफ द कोर्ट हो सकता है जहां पे एक्ट किया गया या जहां पे एक्चुअली रिजल्ट जो कॉन्सिक्वेंस हुआ है दोनों में से किसी भी एक जगह पे हमारा ज्यूरिस्डिक्शन हो सकता है ठीक है, है है जो बोलता बोल रहा है, कोई पर्टिकुलर एक्ट इस वजह से ऑफेंस है क्योंकि वो दूसरे एक्ट के साथ मिलके कोई ऑफेंस बना रहा है। वापस से पढ़ो प्लेस ऑफ ट्रायल वेयर एक्ट इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ रिलेशन टू दी अदर ऑफेंस

ओके okay, चलो नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 181 ये आपका होमवर्क रहने वाला है इसमें थोड़ी बहुत चीजें दे रखी है प्लेस ऑफ़ ट्रायल इन केस ऑफ सर्टन ऑफेंसेस अगर मर्डर है मर्डर बाय थग है एस्केप फ्रॉम कन्विक्ट तो आपको ये टेबल ब्लैंक फिल करनी है ये ब्लैंक टेबल फिल करनी है कि जो कहां रहने वाला है ठीक है स yes, हिमाली जी ट्राई टू रिमेम्बर दिस सेक्शन ऑल्सो वन सेवेंटी सेवन आपको बता रहा है जनरल स्पेसिफिकली वन एटी वन अच्छे से याद रखना है अगर किडनेपिंग एक्सट्रॉशन रॉबरी के मामले में कहां पर होगा क्रिमिनल मिसअप्रोप्रियशन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या फिर एनी ऑफेंस इंक्लूडिंग दोजिशन ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी ये टेबल आपको फिल करनी है आज का एक छोटा सा होमवर्क है ऑफेंस इज कमिटेड बाय द लेटर्स अगर ऑफेंस लेटर के द्वारा कमिट हुआ है तो क्या जहां पहला बोला अगर चीटिंग की गई है लेटर या टेलीकम्युनिकेशन मैसेज के द्वारा तो जहां पे आपका टेलीकम्युनिकेशन या फिर मैसेज रिसीव हुआ है या सेंड हुआ है दोनों में से किसी एक ज्यूरिस्डिक्शन में हो सकता है सेकंड बोल रहा है सेक्शन 494 और 495 ऑफ आईपीसी 494 और 495 ऑफ आईपीसी का अगर ऑफेंस किया गया है दैट इज बायगेमी की गई है 494 में फर्स्ट वाइफ

तो चीटिंग भी किया और डिसऑनेस्टली प्रॉपर्टी डिलीवर करवाई है वेर प्रॉपर्टी वॉज डिलीवर्ड या फिर रिसीव्ड बाई द अक्यूज वहां पर आपका ज्यूरसडिक्शन होने वाला है ठीक है क्लियर है नेक्स्ट सेक्शन नंबर 183 जो बोलता है ऑफेंसेस कमिटेड ऑन जर्नी और फ्लाइट में जा रहे थे फ्लाइट में धक्का मुक्की की मारपीट किया मर्डर कमिट किया तो जूरडिक्शन कहां बैठेगा हर उस जगह पे बैठेगा जहां से कि वो जर्नी या वोएज हुई है जहां जहां से वो प्लेन गुजरी है हर उस जगह पे क्या होगा स्टूडेंट्स जूरजिक्शन होगा वन प्लेस ऑफ ट्रायल फॉर ऑफेंस ट्राइबल टूगेदर

ठीक ज्वाइंटर ऑफ द चार्ज में बात करेंगे जहां सेवरल ऑफेंडर्स हैं यहां पे तो क्या हुआ थग हो गया मर्डर हो गया थेफ्ट हो गया ये सब हो गया। हो गया गया यहां चार पांच लोग एक साथ ऑफेंस करके हैं, तो फिर कहा होगा एनी कोर्ट कॉम्पिटेंट टू इंक्वायर और ट्राई एनी ऑफेंस जहां पे सेवरल ऑफेंसेस हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन से कोर्ट कॉम्पिटेंट है अकॉर्डिंग टू द दस ऑफ द पनिशमेंट जो कोर्ट कॉम्पिटेंट है वो क्या करेंगे वो बहुत सारे ऑफेंसेस को ट्राई कर लेंगे और उसी के साथ अगर बहुत सारे ऑफेंडर्स हैं तो भी वही कोर्ट ट्राई करेगा जो कि कॉम्पिटेंट है उस मैटर को उस ऑफेंस में इंक्वायरी या ट्रायल करने के लिए ठीक है प्रियंका जी 182 रिपीट कीजिए मैम 182 का मतलब क्या है प्रियंका जी 182 ये कह रहा है 182 ये कह रहा है कि अगर चीटिंग किया आपने आपको किसी ने फोन पे चीटिंग किया फोन करके चीटिंग कर लिया आपसे बोला कि फलाना फलाना स्कैन है फलाना फलाना कोड है इतने रुपए बैंक अकाउंट में डाल दीजिए तो कहां आपका जो है जो बैठेगा इट सेम्युनिकेशन वो सेंड और रिसीव जहां से कॉल आया कॉल गया लेटर आया लेटर गया वहां पर जो होगा सेकेंड बोल रहा है अगर चीटिंग हुआ प्लस डिसऑनेस्टली किया आपको प्रॉपर्टी डिलीवर करने के लिए और आपने कर दी प्रॉपर्टी डिलीवर देन इन दैट केस होगा द प्रॉपर्टी वॉज डिलीवर्ड जहां प्रॉपर्टी आपने डिलीवर की वहां या फिर जहां पे अक्यूज ने वो प्रॉपर्टी रिसीव की ठीक है नेक्स्ट इज 140 182 वन का सबसेक्शन टू ये कहता है अगर ऑफेंस बाइगेमी का है

जी जब कंटेन ऑफेंस है है ना ए पर्टिकुलर सिटी था ए से बी फिर बी से सी ये कोई पर्टिकुलर कार है इस पर्टिकुलर कार में इस पर्टिकुलर कार में क्या करके ले गया एक लड़की को आदमी किडनैप करके लेके गया तो जहां जहां जिस जिस सिटी से ये पर्टिकुलर कार निकली है उन सब जगह पे क्या होने वाला है स्टूडेंट्स यहां पे जोरिजिक्शन बैठने वाला है क्लियर है कंटेन्युंग ऑफेंस ओके वैभव जी अब सुनो तो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है स्टूडेंट्स की वो क्या कर सकते हैं वो कोई भी पर्टिकुलर केस को किसी डिफरेंट सेशन डिवीजन में ट्राई करने की अनुमति दे सकते हैं बोल सकते हैं कि नहीं ये केस पर्टिकुलर सेशन डिविजन में होगा बट नॉट अगेंस्ट नॉट अगेंस्ट द डायरेक्शन इश्यूड बाई दी कोर्ट हाई कोर्ट के डायरेक्शंस के अगेंस्ट नहीं होगा ना सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के अगेंस्ट होगा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे हैं ना ही सीआरपीसी या फिर अदर लॉज के डायरेक्शन में अगेंस्ट में होगा मतलब इन सब में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन दे रखे जो भी लॉज दे रखे उनको बिना वॉयलेट किए होगा ठीक है क्लियर है हा बिल्कुल हो सकता है बिल्कुल हो सकता है एनजे इफ ऑफेंस डी प्लेस पे शुरू हुआ है हाँ हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है जहां शुरू हुआ वहां पे, जहां एंड हुआ वहां पे, जो भी बीच के सिटीज थे वहां सब जगह ट्राई हो सकता है ओके चलो पूजा जी वैभव जी सही बोल रहे हैं ट्वेल्व नॉटिकल माइल्स हाई सीज के मामले में स्पेसिफिकली जब हम वॉटर्स uh, की बात करते हैं जो ओशंस की बात करते हैं तो जितना जहां तक कि इंडिया को अधिकार मिल रखा है वहां पे ऑफेंस हो रहा है तो इट इज अलाउड ठीक है क्लियर है आगे सुनो फिर उसके बाद आगे आपको देखना पड़ेगा वेदर इट वॉज डन ऑन दी रजिस्टर्ड इंडिया का रजिस्टर्ड शिप और नॉट इफ इट वॉज डन शिप डन इन इंडिया ओके पूजा जी वो आईपीसी हमको देखना पड़ेगा आईपीसी के जब हम सेक्शन को पढ़ेंगे और अब मुझे लग रहा है कि हमें आईपीसी नहीं हमें भारतीय न्याय संहिता पढ़नी पड़ेगी और फिलहाल हम एक आ, कह सकते हैं कि कुछ आने वाले कुछ महीनों में हो सकता है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भी पढ़ ले ठीक है तो आदत कर, डाल लो खुद को यह बोलने का और पूरा पूरा एक्ट कोड का नाम बोलने का लिखने का ठीक है क्लियर है सेक्शन अति महत्वपूर्ण सिक्स सेज हाई कोर्ट डिसाइड करेगा क्या डिसाइड करेगा अगर डाउट है डिस्ट्रिक्ट वेयर इंक्वायरी और ट्रायल शेड बी हेल्ड अगर ये डाउट है कि भाई कौन से डिस्ट्रिक्ट में एक्चुअली हमारी क्या होनी चाहिए ट्रायल होनी चाहिए तो डिसाइड कोर्ट करेगा लेकिन हाई कोर्ट में भी कंफ्यूजन होता है सिचुएशन अगर टू कोर्ट्स टेक द कॉग्निशन ऑन द सेम मैटर एंड क्वेश्चन अरिजेस कि कहां पे इंक्वायरी होनी चाहिए तो ये डाउट सॉल्व कौन करेगा हमारा हाई कोर्ट करेगा लेकिन हाई कोर्ट डाउट सॉल्व करेगा पर कौन सा हाई कोर्ट अगर दो कोर्ट्स में डाउट है लेकिन दोनों कोर्ट्स सेम हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट हैं मान लो सीजेएम जोधपुर सीजेएम जयपुर में दोनों कोर्ट सेम हाई कोर्ट को सबॉर्डिनेट है तो आपका राजस्थान हाई कोर्ट डिसाइड कर लेगा इफ बोथ द आर बोथिनेट टू द सेम हाई कोर्ट लेकिन अगर कोर्ट डिफरेंट डिफरेंट हाई कोर्ट के सबॉर्डिनेट है मान लो गुजरात के अहमदाबाद का कोई पर्टिकुलर सीजीएम है राजस्थान में जोधपुर का सीजीएम है इन दो सीजीएम के बीच डिस्प्यूट है कि कौन से एक्चुअली जुडिशियल मेजिस्ट्रेट को यहाँ पे उस पर्टिकुलर मैटर को देखना चाहिए ट्रायल करना चाहिए इंक्वायरी करना चाहिए तो कौन सा हाईकोर्ट राजस्थान हाईकोर्ट या गुजरात हाई Then in that case, वो हाई डिसाइड करेगा जिसके पास सबसे पहले हमने प्रोसीडिंग की थी। जिसके पास पास सबसे सबसे पहले पहले हमने की थी गया था वो हाई डिसाइड करेगा कि जोधपुर के CGM उसको देखने वाले हैं या फिर अहमदाबाद एहम्दा, के अहमदनगर okay. भी है ठीक है क्लियर है आगे सुनो नेक्स्ट सेक्शन नंबर है पावर है हमारे मजिस्ट्रेट के पास समन या वारंट इशू करने के लिए अगर बियॉन्ड लोकल जूरिसन कोई ऑफेंस हुआ है सोचो ये क्या बोल रहे हैं है। तो है ना क्या बात कर रहे हो अपने मैजिस्ट्रेट अगर किसी जगह पे ऑफेंस कमिट हुआ है तो मैजिस्ट्रेट किसी भी पर्सन को समन करके भेज सकता कहां दिक्कत है सिंपल चीज इतना तो समझ आता है इतना तो समझ आता है लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये उस बात के बारे में बात ही नहीं कर रहा ये किसकी बात कर रहा है ये बात कर रहा है कि हमारे जोधपुर का मान लो सरदारपुरा का लोकल ज्यूरिसडिक्शन है वहां के मजिस्ट्रेट सरदारपुरा का बंदा जाके मंडोर में कोई ऑफेंस कर दे हमारे लोकल ज्यूरिसडिक्शन का बंदा किसी और ज्यूरिसडिक्शन में जाके ऑफेंस कर दे तो हम अपने उस बंदे को क्या कर सकते स्टूडेंट्स समन करके बुला सकते पावर ऑफ द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट टू इशू समन और वॉरेंट फॉर द ऑफेंस इंक्वायर द ऑफेंस कब वेन पर्सन ऑफ हिज ज्यूरिस्डिक्शन कमिट्स हिज हिस्सा खुद के ज्यूरिस्डिक्शन के बाहर जाके ऑफेंस कमिट कर दिया खुद के के बाहर जाके ऑफेंस कमिट कर दिया देन इन दैट के स्टूडेंट्स हमारे हमारे ज्यूरिस्डिक्शन का जो मजिस्ट्रेट है हमारे ही उस ज्यूरिस्डिक्शन के बंदे को बुला सकता है अगर ये क्लियर है तो चलेंगे हमारे लास्ट सेक्शन ऑफ योर चैप्टर नंबर थर्टीन यस नो। वन एटी एट क्या कहता है ऑफेंस इज कमिटेड आउटसाइड इंडिया अगर आउटसाइड इंडिया ऑफेंस कमिट हुआ है एंड ऑफेंस कमिट हुआ है किससे

गैर नागरिक दैट इज भारत का नागरिक नहीं है उसने ऑफेंस कमिट किया है जो कि शिप और एयरक्राफ्ट इंडिया में रजिस्टर्ड है तो ऐसा माना जाएगा भाई तुमने इंडिया में ऑफेंस किया है तुमने इंडिया में ऑफेंस किया है ऐसा माना जाएगा और

हाँ 187 वापस से समझा दू चलो 187 वापस से समझ लेते, ओके क्लियर लेट्स रीड 187 देखो जेल का पेपर मैं सही बोल रही हूँ अच्छे से पढ़ोगे निकल जाएगा जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं पिछले दो तीन साल से अच्छे से करोगे बहुत अच्छे से निकल जाएगा एंड जेल का आप लोग प्रिलिमिनरी निकालो फिर आपके इंटरव्यू के लिए कुछ 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 तो करते हैं ठीक है चलो कुछ करेंगे अच्छा करेंगे देखो क्या बोल है? 187, रहा है 187 187 187 अंजलि जी 180 सुनो सुनो ठीक है है ये कह रहा कि हमारे का मजिस्ट्रेट है हमारे ही ज्यूरिस्डिक्शन के मजिस्ट्रेट के ज्यूरिस्डिक्शन के बंदे ने ऑफेंस किसी और जूरिस्टिक्शन में जाके कर दिया ये मान लो ये मजिस्ट्रेट का जूरिस्डिक्शन है सरदारपुरा का सरदारपुरा ठीक है मान लो मंडोर का एरिया जोधपुर के एरिया जो सरदारपुरा का जुडिशियल फर्स्ट क्लास है उसके खुद के के इस बंदे ने मंडोर के ज्यूरिस्डिक्शन में जाके ऑफेंस कमिट कर दिया तो ऑफेंस तो वहां कमिट हुआ ना तो मंडोर का सीजीएम क्या करेगा वहां के उस एरिया का जूरिस्डिक्शन जो है उसके वहां के कोर्ट पर बैठता है तो वो क्या करेंगे उस मैटर को सुनेंगे वो समन करेंगे लेकिन 187 कहता है कि ये सरदारपुरा का जहां का बंदा खुद है उसके जूरिस्टिक्शन का मेजिस्ट्रेट भी उसको समन कर सकता है ठीक है वो कहते हैं ना कि हमारे घर का बंदा है तो हम देख लेंगे हम देख लेंगे समझ में आया इज इट क्लियर बताओ अंजलि जी हां जेलों की देखो सैलरी कम है बट आपके जब प्रोबेशन पेड़ से बाहर निकल जाते हो अच्छी खासी हो जाती है ना डो नॉट वरी अच्छी खासी हो जाती है जैसे uh, कुछ डिपार्टमेंट्स हैं uh, जिसमें हमारे फैमिली हैं आई सीन वर्किंग ओवर देयर तो दे हैव गुड सैलरी ओके आपको प्रोबेशन टाइम पीरियड पे रहेगा लेकिन देखो आजकल लोग गवर्नमेंट जॉब्स में होने के बाद भी एडिशनल काम करते हैं तो आप कर सकते हो आराम से ठीक है सही बताऊ तो इतना हेक्टिक जॉब नहीं होता है अच्छा जॉब है ठीक है तो आई हैव सीन वन और टू जे अराउंड मी जो करते हैं ऑफिस में बढ़िया काम करते हैं चलो आगे चलें नहीं 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 हिमालय जी हिंदी मीडियम को बिल्कुल नहीं भूलेंगे चलो आगे चले स्टूडेंट्स प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस लास्ट सेगमेंट है जो हम मिसलेनियस से डील करेंगे फिर हमारे प्रॉपर ऑफेंसेस से हम डील करेंगे प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस मतलब क्या मतलब पुलिस के ऊपर ड्यूटी है कि आपको कुछ एक्शंस प्रिवेंट करने हैं आपको कुछ ऑफेंसेस को प्रिवेंट करने के लिए आपको एक्शन लेने पड़ेंगे ये बोलू तो ये भी सही है तो हमें यहां पे स्टूडेंट्स चार सेक्शन देखने चार इनफैक्ट पांच सेक्शन देखने हैं जिसके बारे में ये बोला जा रहा है या तो ऑफेंस हो गया या फिर ऑफेंस होने से पहले ऑफेंस होने से पहले आपको क्या करना है उस ऑफिस को होने से रोकना है तो उस मामले में स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर नंबर इलेवन इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा सेक्शन है इसी के तहत कई बार पुलिस वाले क्या करते हैं स्टूडेंट्स आपसे बातचीत करने आते हैं आपसे सवाल जवाब करते हैं आपसे बातचीत करने आते हैं और आपको सवाल जवाब करते हैं कि क्या भाई कुछ ऐसा देखा कुछ ऐसा पता चला क्या इसको जानते हो क्या उसको जानते हो क्या ये वो ठीक है ड्यूटी दे रखी है तीन चीजों की ड्यूटी प्रिवेंट करना है सेकेंड है इन्फॉर्म करना है थर्ड बोल रहे इंस्पेक्ट करना है तो प्रिवेंट क्या करोगे तो इन्होंने बोला 149 में हम कॉन्ग्नेजिबल ऑफेंस होने से प्रिवेंट करेंगे 150 में कोई कॉग्नेजिबल ऑफेंस ट करने के लिए किसी पर्सन को अरेस्ट करके लाएंगे 151 अच्छे से ध्यान रखना अरेस्ट में हम पढ़ेंगे अरेस्ट में पढ़ने वाले हैं ठीक है 142 152 ये बोलता है कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को इंजरी ना हो इसको हम रोकने के लिए कुछ एक्शन ले सकते हैं फिर आता है 150 जो ये कहता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के होने का कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन पता चले तो उसकी इंफॉर्मेशन आप क्या कर सकते हैं अपने से कम्युनिकेट करेंगे पुलिस ऑफिसर सबोर्डिनेट अब सुनो एक एक को डील कर लेते हैं, 149 फोर्टी ही बोलता है कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है जो कि पुलिस ऑफिसर को लग रहा है कि हो सकता है तो उसको रोकने के लिए विद विदिज एबिलिटीज ही हैव टू स्टॉप 151 ये कहता है कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस उनको लग रहा है

कॉज हो उसको रोकने के लिए पुलिस ऑफिसर क्या कर सकते हैं एक्शन ले सकते हैं इन्फॉर्म क्या करने वाले हैं इंफॉर्मेशन ऑफ डिजाइन टू कमिट दी कॉग्निजेबल ऑफेंस सेक्शन नंबर वन पे आएंगे एक मिनट के लिए स्टूडेंट्स विच सेज सेक्शन नंबर इन्फॉर्म करेगा स्टूडेंट सीनियर को इन्फॉर्म करेगा कि मुझे ऐसे सूचना मिली है कि शायद कॉग्निजिबल ऑफेंस हो सकता है तो यहाँ पे तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे तो आप प्रिवेंट कर रहे होग्नेसिबल ऑफेंस होने से यहाँ पे आप कॉग्निजिबल ऑफेंस होने के लिए अरेस्ट कॉग्जिबल ऑफेंस को होने से रोकने के लिए अरेस्ट करो यहां पे उस ऑफेंस को रोक रहे हो यहाँ पर जब आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो आप अपने सीनियर को इन्फॉर्म कर रहे हो एंड वन में बोला है कि पुलिस ऑफिसर के पास पावर है कि वो इंस्पेक्शन कर सकते हैं कोई वेट्स एंड मेर्स का बाय एनी पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन विदाउट वॉरेंट क्या कर सकता है ऐसा सर्च कर सकता है एंड जो भी मेटीरियल वो सीज करेंगे वो किसको भेजेंगे फॉरवर्ड करेंगे उस मेजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करेंगे किसको स्टूडेंट्स फॉरवर्ड करेंगे हम मजिस्ट्रेट को इज अ क्लियर स और नो चलो आगे चले यस 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 नेक्स्ट संडे को तो नहीं बेटा नेक्स्ट संडे हम लेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टार्टऊट ठीक है नेक्स्ट संडे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टार्टऊट है ठीक है मैंने क्या बोला था मैंने आप सभी स्टूडेंट को पहले ही बोला था जेलो की सीरीज मैं संडे संडे ही चला पाऊंगी एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है बेटा कि जब मैं आठ नौ घंटे की क्लास ले रही हूँ तो पूरी आपकी पीपीटी प्रिपेयर करने के लिए सात दिन का वक्त कम से कम चाहिए होता है ये भी चलो पहले से प्रिपेयर थी अब अगर मैं सीपीसी लेना है या कॉन्स्टिट्यूशन लेना है दैट मुझे आराम से दो हफ्ते लगे इसीलिए मैंने बीच में एक छोटा सब्जेक्ट डाल दिया जिसको मैं तीन चार दिन में आपकी बढ़िया से अच्छे से पीपीटी बना के उसको फिनिश करूंगी और कुछ दिन उस हफ्ते में मुझे मिल जाएंगे तो उसके नेक्स्ट हमने हफ्ते में हम में मेजर लॉ लेंगे तो थोड़ा सोच के मैंने उसको क्या क्या स्टूडेंट प्लान अप किया है ठीक है चलो चलो आ जाओ नवदीप जी पढ़ाई कर लो है ना पढ़ाई आगे पहुंचाएगी यही चीज़ है जिसके लिए हम सभी यहाँ हैं और हमें होना भी चाहिए इसी के लिए घर वाले बेचते भी हैं और घर वाले यही उम्मीद कर रहे हैं कि अभी हम फोन चला रहे हैं बच्चा पढ़ाई कर रहा है परेशान नहीं करना है है ना यू सी एट टाइम्स अब क्योंकि हम लोग इस वर्ल्ड uh, में हैं इस फील्ड में हैं जहाँ हम वीडियोज़ देखते हैं सब कुछ देखते हैं कोई फ़न कोई कॉमेडी कोई स्टैंडअप कई बार आप ऐसे ऐसे कमेंट्स पढ़ के ना स्टूडेंट्स आपको ये रियलाइज होगा लोगों में कितनी नेगेटिविटी भरी है ना मतलब क्या क्या वर्ड्स उगलते हैं क्या क्या बोलते हैं ना सोचते हैं ना समझते हैं किसी भी तरीके से किसी को भी से धोखे निकलते हैं ना तो लगता है कि अच्छे से अपनी चीज़ को पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि सामने वाले को बुरा ना लगे भले सामने वाले ने कुछ अच्छी चीज़ की है बुरी चीज़ की जो भी कंटेंट डिलीवर किया है बट आई हैव एट सीन कि इतनी ज्यादा हमें उस चीज़ को लेके वो भरी है नफरत कि हम इतना इफेक्ट हो जाते हैं कि धौड़ 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 बस बोल के चले जाते हैं लेकिन ये सोचते भी नहीं है कि भाई जिसको हम बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे पता भी नहीं चलेगा स्टूडेंट्स कई बार हम चलते फिरते लोगों से यूं ही लड़ झगड़ लेते हैं पता ही नहीं चलता है कि उस इंसान का हमारा साथ कितना है पता भी नहीं चलेगा स्टूडेंट्स यूं पट 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 दुनिया खत्म हो जाएगी कई बार हमको एकदम से न्यूज सुनने को मिलती यार वो मर गया उसकी जान ऐसे खत्म हो गई उसने खुद अपनी जान खत्म कर ली तो यू नेवर नो कि लोगों के साथ कितना समय है कभी कभी यू नेवर नो कि कोई सामने वाला पर्सन जो है कितनी प्रॉब्लम है लेकिन अगर आप अच्छे से उसको विश कर दो या उसे जब फोन पे बात कर रहे हो उसे ये पूछ लो और भाई घर में सब कैसे पापा मम्मी कैसे हैं उसको इतना अच्छा लगता है तो कई बार लगता है कि भाई मतलब बहुत बहुत गजब बोल देते हैं हम एंड खुदा ना करे कि जो चीजें हम आज सर्कुलेट कर रहे कल को वो हमारे ऊपर आ गई ना तो हम नहीं ले पाएंगे तो उतना ही चीजें बाहर फेंको जितना कि जब तुम पे फेंके ना या तुम पे वापस आए तो तुम बर्दाश्त कर सको ठीक है क्लियर है चलो बट ठीक है अब आपके ऊपर है कि जिस चीज जिस पर्सन के लिए बोला गया वो किस तरीके से इफेक्ट हो नहीं हो ठीक है चलो क्योंकि सबका समय एक सा नहीं रहता चलो सीपीसी नेक्स्ट संडे नहीं नेक्स्ट संडे सीपीसी नहीं अरे सुनो सीपीसी वैसे इसरा मैम भी करा रहे हैं आपको बिहार जुडिशरी का वो भी आप जरूर देखेगा जेलो के पर्सपेक्टिव से हम अलग से जरूर लेंगे नेक्स्ट संडे हम इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट करेंगे चलो फटाफट -फड़ से आ जाओ सेक्शन नंबर ट्वेल्व एंड सीपीसी को हो सकता है हम टू टाइम टू पार्ट्स में लेंगे एक जगह ऑर्डर करेंगे एक जगह सेक्शन करेंगे ठीक है सुनो सेक्शन नंबर 154 से लेके 176 अब शुरू होती है हमारी असली कहानी जहां पे अब हम डिस्कस करेंगे हमारी एक्चुअल क्रिमिनल प्रोसीजर पिछले तीन घंटों में सवा तीन घंटों में स्टूडेंट्स हमने क्या डिस्कशन किया था हाँ जी पहले कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा पहले हमने स्टूडेंट्स ये डिस्कस किया था जितने भी मिसलेनियस पार्ट कर लिया हमने पब्लिक ऑर्डर मेंटेनेंस डिसाइड कर लिया हमने ट्रांक्विलिटी का ऑफिस डिसाइड कर लिया ट्रैंक्विलिटी जो हो रहा है वो भी डिसाइड कर लिया हमने क्रिमिनल uh, कोर्ट्स के बारे में पढ़ लिया हमने डेथ सेंटेंस के कंफर्मेशन के बारे में सब 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 बात कर ली प्रिवेंटिव एक्शन के बारे में बात कर ली अब यहां से हमारी गति शुरू हो रही है इतने भी चैप्टर्स है हमारे पूरे प्रोसीजर के हम नाउ अब सभी स्टूडेंट्स अच्छे से सुनेंगे अब सभी स्टूडेंट्स अच्छे से सीखेंगे ठीक है सुनो 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 आगे सुनो चलो अब देखो फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट थिंग इज कि जब मैं ये बोलती हूं अब देखो बच्चों तुम मेरे को धर्म संकट में डालोगे कि मैम हमारा 3 सितंबर को एग्जाम है 3 सितंबर क्या है 3 सितंबर इज संडे चलो कुछ लेट मी थिंक अबाउट इट थर्ड सितंबर को छत्तीसगढ़ वालों का एग्जाम है ना ठीक है लेट मी लेट मी जस्ट थिंक अबाउट इट बिकॉज मुझे आप सभी स्टूडेंट्स के लिए दो ऐसे दिन निकालने पड़ेंगे जिस दिन आप सभी लोग अवेलेबल हो तो मान के चलना हो सकता है कि एक संडे हो और एक फिर ऐसा दिन हो जिस दिन छुट्टी हो मतलब रक्षाबंधन चलेगा सबको रक्षाबंधन पे बताओ सबको रक्षाबंधन पे क्लास चलेगी तो बोलो मैं रक्षाबंधन पे एक क्लास ले इज दो दिन में लेंगे चलो देखते हैं इसको ठीक है ओके okay? चलो शुरू करेंगे अभी हम दैट इज चैप्टर नंबर ट्वेल्व सेक्शन नंबर टू वन सेवन आई एल जस्ट डिसाइड मुझे स्लॉट्स भी देखने पड़ेंगे थोड़ा सा थोड़ा सा स्लॉट भी देखूंगी मैं है ना स्लॉट और भी कोई क्लास है कि नहीं है वो देखना पड़ेगा ठीक है चलो आगे सुनो सेक्शन नंबर 154 से 156 चैप्टर नंबर 12 अति महत्वपूर्ण जो ये बात करता है जो ये बात कर, कहता है कि मैम इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू कॉग्निजिबल एंड नॉन कॉग्जिबल ऑफेंस क्या बोलता है कॉन्ग्निजिबल एंड नॉन कॉगनेजिबल ऑफेंस अब जब भी ऑफेंस हुआ है स्टूडेंट्स तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब मैं इंफॉर्मेशन करने जा रही हूं तो मुझे ये देखना है कि है या है। अगर students, तो सेक्शन 154 में इंफॉर्मेशन देंगे बैक टू क्लास में टाइम टेबल सभी स्टूडेंट्स को बता दूंगी बैक टू क्लास अगर इंफॉर्मेशन कॉग्जिबल ऑफेंस की लेनी है अगर इंफॉर्मेशन कॉग्जिबल ऑफेंस की लेनी है तो सेक्शन 154 अप्लाई होगा क्या अप्लाई होगा स्टूडेंट्स सेक्शन नंबर 154 अप्लाई होगा ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन इट कि जब भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो 154 फिफ्टी की पुलिस ऑफिसर को इंफॉर्मेशन देनी है पुलिस ऑफिसर को जब आप इंफॉर्मेशन देंगे कैसे देंगे ओरली देंगे और पुलिस ऑफिसर कौन है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ दी पुलिस स्टेशन है एंड वो कैसे होगी इट हैजू बी रिड्यूज इन टू राइटिंग पुलिस ऑफिसर रीड आउट करेगा एंड एक्सप्लेन करेगा आपको एंड वो साइन की जाएगी इनफॉर्मेंट द्वारा और उसकी एक कॉपी किसको दी जाएगी उसकी एक कॉपी इन्फॉर्मेंट को दी जाएगी बराबर है ये चीज तो एफ की कॉपी हर उस इंफॉर्मेंट को दी जाती है अगर इन्फॉर्मेशन वुमेन ने दी है रेप के ऑफेंसिस के मामले में या फिर सेक्शन थ्री ए बी जूमआउट कर दो क्या स्टूडेंट उसको ठीक है अगर इंफॉर्मेशन दी है विमेन ने 326 ए बी 354 ए से लेके डी 376 के सारे ऑफेंसेस एंड 509 में तो इंफॉर्मेशन तो फिर इंफॉर्मेशन क्या होगी इंफॉर्मेशन दी, दी जाएगी विमेन पुलिस ऑफिसर को यस yes, जी अगर इंफॉर्मेशन दे रही है ऐसी वुमेन जो कि फिजिकली या मेंटली एबनॉर्मल है या यू नो डिसेबल्ड है तो वो इंफॉर्मेशन उसके रेजिडेंस पे रिकॉर्ड की जाएगी या कोई भी कन्वीनियंट प्लेस पे रिकॉर्ड की जाएगी एंड इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्पेशल अलुकेटर या इंटरप्रेटर प्लस उसे ऑडियो वीडियोग्राफ भी करवाना होगा वीडियोग्राफ कराना होगा इफ पुलिस ऑफिसर आपने इंफॉर्मेशन देने का पुलिस ने रिफ्यूज कर दिया तो वी ऑल नो आपको क्या करना पड़ेगा आपको एसपी के पास वो रिटर्न कंप्लेट भेजनी पड़ेगी एसपी

सेक्शन नंबर 144 की इन्वेस्टिगेशन कहां होगी स्टूडेंट्स इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी सेक्शन नंबर 156 में जो कहता है पुलिस के पास पावर है कि वो विदाउट दी ऑर्डर्स फ्रॉम द मेजिस्ट्रेट कांग्रेसिबल ऑफेंस के मामले में इन्वेस्टिगेशन कर सकता है एंड कॉन्ग्सिबल मामले में विदाउट वारंट भी अरेस्ट कर सकता है ये सेक्शन तो हमारे इतने फेवरेट है ना कि मुख्य सबको याद हो गए ठीक है कोई भी प्रोसीडिंग इस क्वेश्चन में कॉल नहीं की जाएगी सिर्फ इस ग्राउंड्स पे कि हमारे पुलिस के पास तो पावर्स ही नहीं थे उस पर्टिकुलर मैटर में इन्वेस्टिगेट करने के लिए विदाउट मैजिस्ट्रेट ऑर्डर 156 सब सेक्शन थ्री क्या बोलता है जब मैजिस्ट्रेट सेक्शन 190 में कॉग्निजेंस ले रहे हैं कॉग्निजेंस ले रहे हैं तो क्या कर सकते हैं मैजिस्ट्रेट बोल सकते हैं पुलिस ऑफिसर को प्लीज इन्वेस्टिगेट प्लीज इन्वेस्टिगेट सेक्शन नंबर 190 सब सेक्शन थ्री याद रखना

ऑफेंसेस की इंफॉर्मेशन दी है जहां पे एक इंफॉर्मेशन एक ऑफेंस कॉग्निजेबल इन नेचर का है दूसरा ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल इन नेचर का है तो पुलिस यहां उस पूमरे मामले को क्या डिस मानेगी कॉग्निजेबल इन नेचर मानेगी क्या मानेगी कॉग्निजेबल इन नेचर मानेगी क्लियर है ये चीज ओके चलिए आगे चलेंगे जहां हम डिस्कस करेंगे 159 1 157 158 159 157 क्या बोलता है प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन याद है ये या हमने स्टेजेस ऑफ स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग के टाइम पे यहाँ पे साइड में छोटा सा लिखा हुआ था 157 में जो आपको प्रोसीजर दे रखे है उसमें सबसे पहला बोल रहा है प्रोसीड टू द स्पॉट फैक्ट्स को असर्टन कीजिए वहां पे जाके आप देखिए कि जो भी डिस्कवरी हुई है या किसी सस्पेक्टेड पर्सन की अरेस्ट मुमकिन है अगर मुमकिन है तो आप उसको अरेस्ट कीजिए स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कीजिए 161 में कन्फेशन को रिकॉर्ड कीजिए 164 में एंड स्टेटमेंट ऑफ विटनेस रिकॉर्ड कीजिए 164 वन सिक्सटी किसी किसी प्लेस को कोई चीज सीज करनी है तो आप उसको भी कीजिए एंड इंफॉर्मेशन ऑफ द ओपिनियन एज टू सेक्शन वन सब सेक्शन सबसे टू यहां पे पुलिस को ओपिनियन फॉर्म करना पड़ेगा क्या उन्हें चार्जशीट यहां सबमिट कर देनी चाहिए या नहीं क्या उसके लिए उनके पास सफिशेंट है या नहीं है क्लियर है ओके नेक्स्ट इज देखो ये बुक जो उनके पास होती है ना ये बुक जो होती है ये आपकी स्टेट गवर्नमेंट खुद उनको देती है जहां पे वो प्रॉपर सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते कौन सी इंफॉर्मेशन आई एक तरीके की हम कह सकते हैं पुलिस डायरी होती है इनके पास ठीक है 158 रिपोर्ट कैसे सबमिट करेंगे देखो

क्लियर है आगे सुनो 159 मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हैं एंड प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी कंडक्ट कर सकते हैं तो 159 में किसको पावर दिया है हमने इन्वेस्टिगेशन करने का हमने पावर दिया है मैजिस्ट्रेट को इन्वेस्टिगेशन करने का अदरवाइज हमारे इन्वेस्टिगेशन के पावर्स कहाँ कहाँ दे रखे हैं स्टूडेंट्स एक तो 156 में दे रखा था और 155 में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस और यहाँ कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए लेकिन हमने बोला वन में इन्वेस्टिगेशन का पावर है पर किसका पावर है मैजिस्ट्रेट का पावर है यहाँ किसका पावर है स्टूडेंट्स पुलिस ऑफिसर का पावर है से रिलेटेड स्टूडेंट हमारे पास या तीन चार सेक्शन दे रखे स्पेसिफिकली चार सेक्शन जिसमें बोलते हैं पुलिस के पास पावर है स्टूडेंट जब भी ऐसे कोई इंफॉर्मेशन मिलती है उनको ऑफेंस से रिलेटेड तो वहां पर अटेंडेंस रिक्वायर कर सकते हैं अटेंडेंस रिक्वायर कर सकते किसकी किसकी अटेंडेंस रिक्वायर कर सकते वो देखेंगे उसके बाद जिन लोगों की अटेंडेंस रिक्वायर की थी उनको एग्जामिन करेंगे 162 में क्या बोला है कि जो इन्फॉर्मेशन आपने पुलिस को दी है उसको साइन करने की जरूरत नहीं है और 163 में बोल रहा है कि भाई कोई इंड्यूसमेंट नहीं करना सेम सेक्शन नंबर ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट तो पहले बोला है कि 160 में बोला है कि अगर पुलिस ऑफिसर्स को ये लगता है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन कोई फैक्ट से इक्विटेड है उनको कोई पर्टिकुलर चीज की नॉलेज है तो पुलिस ऑफिसर उनको आराम से बुला सकता है इट्स एस पुलिस ऑफिसर टिस भेजेगा इन राइटिंग टू अ पर्सन हु इज एक्विटेंट विद फैक्ट्स जिसको उन फैक्ट्स की जानकारी है टू अटेंड कि भाई आइए पुलिस थाने में आइए लेकिन इन फलाने लोगों को कोर्ट में नहीं बुलाया जाएगा लिख लेना यहां से बहुत बार सवाल आता है इट फॉलोइंग अटेंडेंस इज नॉट रिक्वायर्ड कौन पर्सन जो कि 15 ईयर से बिलो है जो कि 65 से अबेन है है या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो ये मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है उनको कहां बुलाया जाएगा कोई भी अदर प्लेस ऑल्सो अदर देन देयर अदर देन देयर रेजिडेंस सेक्शन नंबर वन पे आइए ये कहता है देखो इंपॉर्टेंट चीज है अच्छे से सुनो इट से ओके प्रोवाइडेड दैट नो मेल पर्सन अंडर द एज ऑफ फिफ्टीन ईयर और अबव or a woman वुमेन और मेंटली disabled शैल बी required टू अटेंड एट एनी प्लेस अदर देन the इन in which सच मेल पर्सन और women रिसाइड सो so, कहने का मतलब कहने का तात्पर्य यह है उल्टा कह रखा है बेटा उल्टा कह रखा है ठीक है उल्टा है मैंने उल्टा बोला इसको देखो किसी भी प्लेस पे बुलाया जा सकता है सॉरी किसी भी प्लेस पे नहीं बुलाएंगे सिर्फ और सिर्फ कहां बुला सकते हैं रेजिदन्स. अच्छे से पढ़ेंगे देखो बी रिक्वायर्ड टू अटेंड एनी प्लेस अदर देन द प्लेस इन विथ सच मेल और विमेन इज रिसाइडिंग क्लियर है ये चीज ओके okay, नरेश जी ओके 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 शिवानंद जी आगे सुनो सेक्शन नंबर सेक्शन नंबर 160 क्या कहता है अगर इसका नॉन कंप्लाइंस कर दिया आपको नोटिस दिया आप नहीं गए सेक्शन नंबर 174 में पनिशमेंट मिलेगी कितने साल की साल की नहीं एक महीना और रुपए फाइन फिर आता है सेक्शन नंबर 161 जो ये कहता है कि जब आपको बुलाया था और आप पधार चुके हैं थाने में तो यहां पे पुलिस ऑफिसर जो कि इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो क्या करेगा ओरली उस पर्सन का एग्जामिनेशन करेगा और चाहे तो उसको रिड्यूस कर सकता है राइटिंग में एंड अगर ऐसी वुमेन है जो स्टेटमेंट दे रही है सेक्शन नंबर 354 ए से लेके डी तक 376 के सारे ही सेक्शंस एंड 509 के मामले में कोई भी वुमेन इंफॉर्मेशन दे रही है वो रिकॉर्ड कौन करेगी वुमेन पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड करेगी एंड अगर लग रहा है कि जिस पर्सन ने आंसर दिया है और उस पर्सन के ऊपर सेक्शन नंबर 161 ये क्या कहता है कि आपको सारे ही आंसर्स ट्रूली आंसर करने हैं सारे क्वेश्चंस ट्रूली आंसर करने हैं एंड आप सिर्फ वो क्वेश्चंस को छोड़ सकते हो जो आपको लगे विच आर लाइकली टू एक्सपोज हिम टू क्रिमिनल चार्जेस एक्सेप्ट द्वेश्चन विच ऑर देंसर्स विच आर लाइकली टू इम्पोज टू क्रिमिनल लाइबिलिटी यू कैन स्किप दोज क्वेश्चन रेस्ट ऑल द क्वेश्चन टू आंसर ट्रूली एंड क्या बोला है ऐसे मामले में ऑडियो वीडियोग्राफ भी हमको करना पड़ेगा 162 यह कह रहा है कि जो स्टेटमेंट आपने पुलिस ऑफिसर को दिए हैं वो आपको साइन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसको एक्सेप्ट फॉर दर्पज ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन अंडर सेक्शन वन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ठीक है का बताओ भाई इनको. पूजा जी क्लासेस देखते थे आप पूरी इंडियन एविडेंस एक्ट की कोलाबोरेशन कोलाबोरेशन के तीन सेक्शंस मैंने एक साथ कराए थे कोलाबोरेशन एंड कॉन्ट्रडिक्शन कॉन्ट्रडिक्शन 145 कोलाबोरेशन 157 ठीक है क्लियर कोलाबोरेशन मींस पुष्टि कर रहे हैं कॉन्ट्रडिक्ट मींस आप उसको अपोज कर रहे हैं उसके विरुद्ध कोई चीज बोल रहे हैं उसको क्वेश्चन कर रहे हैं ठीक है क्लियर है चलो अंडर सेक्शन 145 इंडियन एविडेंस एक्ट आप क्या कर सकते हैं कॉन्ट्रोडिक कर सकते हैं जो स्टेटमेंट इधर बोला गया उसको यूज कर सकते हैं कॉन्ट्रोडिक्ट करने के लिए फिर है 162 डू नॉट अप्लाई टू टू सिचुएशंस मतलब कि हम जो ये बोल रहे हैं ना कि कहीं और यूज नहीं होगा ये दो चीजों में अप्लाई नहीं होगा सेक्शन नंबर 32 टू ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एंड सेक्शन नंबर ट्वेंटी किसी ने भी डाइन डिक्लेरेशन दिया है तो हम उसके मृत्यु उपरांत उसको यूज कर सकते हैं एंड कोई भी स्टेटमेंट उसने सेक्शन नंबर ट्वेंटी में विद इन दी कस्टडी दी मतलब इन्फॉर्मेशन दी और वहां पर आगे डिस्कवरी हुई है हम उसके अगेंस्ट यूज कर सकते हैं येस और नो करेक्ट इंटरप्रिटेशन 163 क्या कहता है स्टूडेंट्स 163 ये कहता है कोई भी इंड्यूसमेंट कोई भी थ्रेट कोई भी प्रॉमिस नहीं दिया जाएगा जो कि आप सेक्शन नंबर 24 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में करते हैं मतलब कोई भी पुलिस ऑफिसर या कोई भी पर्सन जो कि सेक्शन नंबर 24 में इंड्यूसमेंट वगैरह दे रखे वो यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है क्लियर है ओके okay? बराबर आगे सुनो आगे चलेंगे स्टूडेंट्स आते पूजा जी इस पॉइंट पे भी आते अब बात करेंगे हम की कन्फेशन मतलब 164, 463 एंड 281 अच्छे से सुनो ये क्या बोल रहा है कन्फेशन किसको दिया जाएगा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट चाहे उनके पास जुरिस्डिक्शन है नहीं है विद और विदाउट जुरिस्डिक्शन वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड इज Uh, क्या रिकॉर्ड करेंगे कन्फेशन कन्फेशन कौन देता है अक्यूज पर्सन देता और देगा कौन? जिसने किया है कन्फेशन तो, दिया जाएगा और जो दूसरे स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं 164 में, वो के नहीं है वो स्टेटमेंट किसके है वो स्टेटमेंट है हमारे अदर के और जब भी कन्फेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं ओथ तो जरूरी नहीं लेकिन अदर स्टेटमेंट्स के लिए जब विटनेसेस को हम बुला रहे हैं ओथ जरूरी है तो लिख लो जब ओथ हम अक्यूज से कन्फेशन दिलवा रहे हैं नॉट रिक्वायर्ड लेकिन विटनेसेस से जब हम स्टेटमेंट ले रहे हैं स्टूडेंट्स तो इट इज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 164 अच्छे से लिखेंगे क्योंकि सेक्शन नंबर 200 एंड 201 में इसको वापस से रिकॉल करेंगे हम ओके okay? क्लियर है चलो आगे क्या बोला कब हम कन्फेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं स्टूडेंट ऑब्वियसली बात है मैम इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर पढ़ रहे तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन यस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कन्फेशन एंड स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे 164 में कब बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल वेरी इंपॉर्टेंट इंक्वायरी और ट्रायल शुरू हो उससे पहले रिकॉर्ड कर सकते ऑडियो वीडियो होगा एंड इन द प्रेजेंस ऑफ द एडवोकेट ऑफ द अज क्लियर है आगे बोल रहा है कंडीशन फॉर कन्फेशन ये कन्फेशन की कंडीशन है पांच के पांच पहला बोला है मजिस्ट्रेट इन्फॉर्म करेगा अक्यूज पर्सन को कि अगर आपने कन्फेशन दिया तो ये आपके अगेंस्ट यूज होगा सेकेंड मे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इफ मेड क्या हो सकता है रिफ्यूज कर देगा अगर मैजिस्ट्रेट को ये लगा कि ये इनवॉलेंट्री किया गया है एंड मे एक्सेप्ट इफ मेड वॉलेंट्री अगर लग रहा है कि हाँ भाई वॉलेंट्री हुआ है तो उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है नेक्स्ट इफ पर्सन नॉट विलिंग टू मेक द कन्फेशन अगर पर्सन विलिंग नहीं है कन्फेशन देने के लिए तो उसको हम पुलिस कस्टडी में डिटेन नहीं कर सकते हैं एंड सेक्शन 281 के तहत ही आपको कन्फेशन रिकॉर्ड करना मतलब 281 की करनी पड़ेगी मेमो बनाना पड़ेगा जो 281 में दे रखा है जो कन्फेशन दे रहा है वो साइन करेगा एंड मजिस्ट्रेट क्या करेगा नीचे जो कन्फेशन है उसके नीचे मेमोरेंडम बनाएगा टू से ये मेरी प्रेजेंस में रिकॉर्ड किया गया है ओके okay, क्लियर है प्रतीक जी कल मैंने एक सेशन लिया था 28 मिनट का जरा वो एक बार जाके देखना डियर आपको सारे आंसर्स उसमें मिल जाएंगे क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है कितना पढ़ना है कन्फेशन के सेक्शंस कहाँ है स्टूडेंट 24 से लेके 30 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कन्फेशन इज नॉट डिफाइंड एडमिशन इज डिफाइंड आगे सुनो

प्रेजेंस इसीलिए हमेशा एग्जामिनेशन जो अक्यूज का है कन्फेशन रिकॉर्ड करे वो हमेशा मेजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में होता है क्लियर है चीज चलिए आगे चलेंगे

क्या बोल रहा है जब उनको रीजनेबल ग्राउंड लगे इन्वेस्टिगेशन के लिए खुद के ही लिमिट्स पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में तो वो क्या कर सकते हैं कंडक्ट कर सकते हैं सर्च इन पर्सन किसी भी पर्सन की सर्च करने के लिए कोई भी चीज की सर्च करने के लिए खुद से जा सकते हैं एंड सेक्शन विल अप्लाई ओवर ये बोलता है कि जब हम सर्च कर रहे हैं तो क्या सारे रूल्स को हमें देखना है क्या हम दरवाजा तोड़ के जा सकते हैं खिड़की तोड़ के जा सकते हैं क्या टाइम देना है सामने वाले पर्सन को ताकि वो विड्रॉ करे खुद को उस जगह से या नहीं तो वन के बाद आता है वन जो बोलता है कि इन्वेस्टिगेशन सॉरी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन में रिक्वायर अनदर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन टू इश्यू सर्च वॉरेंट क्या ऐसी कोई सिचुएशन है जब ऑफिसर इंचार्ज दूसरे ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन दूसरे uh, के उसको बोल सकता है कि प्लीज आप सर्च वारंट इशू कीजिए क्या ऐसा है द द आंसर इज यस कैन बी डन इन्वेस्टिगेशन इन सेम और द अदर डिस्ट्रिक्ट जब इन्वेस्टिगेशन या तो सेम डिस्ट्रिक्ट में करनी है या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में करनी है ऐसा हमारा पुलिस ऑफिसर करवा सकता है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन दूसरे ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन से करवा सकता है कब जब रीजन टू बिलीव है कि इन्वेस्टिगेशन में डीले हो जाएगा रिजल्ट इन कंसीलमेंट ऑफ जब पुलिस को लग रहा है कि भाई मिटाए जा सकते सबूत मिटाए जा सकते हैं तो पुलिस ऑफिसर क्या करेंगे दूसरे क्लियर है लेटर ऑफ रिक्वेजेशन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अक्सर हम छोड़ देते हैं सेक्शन नंबर बी कई बार एविडेंसेस की प्राप्ति अगर हमें चाहिए चाहे यहां पे इन्वेस्टिगेशन हो और बाहर के कंट्री को यहाँ के एविडेंसेस जो भी रिपोर्ट्स हैं वो सब करवानी हो या यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करवानी हो तो बाहर की कंट्री हमको लेटर ऑफ रिक्वेजेशन भेजेगी अगर हमको बाहर की कंट्री में कहीं इन्वेस्टिगेशन करवानी है कुछ एविडेंसेस चाहिए रिपोर्ट्स चाहिए तो हम बाहर की कंट्री को लेटर ऑफ रिक्वेजेशन भेजेंगे लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजेंगे तो वन ए में क्या हो रहा है आउट बाहर भेज रहे हम आगे भेज रहे हैं दैट इज आउटसाइड भेज रहे हैं इंडिया के बाहर भेज रहे हैं तो भेजेगा कौन एप्लीकेशन किसके द्वारा भेजी जाएगी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भेजेगा एप्लीकेशन टू क्रिमिनल कोर्ट वो क्रिमिनल कोर्ट किसको भेजेंगे है? क्या बोलता है? बोलता है, बाहर से आया दैट इज इनकमिंग इनकमिंग में क्या हो रहा है अगर बाहर की कंट्री इंडिया से कोई इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहती है इंडिया में इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहती है ट केस लेटर ऑफ रिक्वेजेशन भेजा जाएगा हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को जो कि फॉरवर्ड करेंगे या तो सीएमएम को सीजीएम को जेएम को या एमएम MM को या तो इन चार में से किसी को भेजेंगे या फिर पुलिस ऑफिसर को भेजेंगे इन चार में से किसी एक को को भेजेंगे और ये ये फर्दर क्या करेंगे 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 या या तो उस पर्सन समन स्टेटमेंट रिकॉर्ड फिर उसको बोलेंगे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो या फिर पुलिस ऑफिसर को बोलेंगे भाई तुम इन्वेस्टिगेशन कर लो ये दोनों में से जो भी कार्य कर लेते हैं जिनको भी बोलते हैं ये जब भी ये कार्य कर लेते हैं तो उसके बाद ये क्या करेंगे ये वापस वो सारी इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करेंगे हमारे हमारे किसको हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट उसी कोर्ट को वापस फॉरवर्ड कर देगा जहां से जिस फॉरेन कंट्री से हमको लेटर ऑफ रिक्वेजेशन आया था समझ आया यस और नो यस राइट सुरजीत जी चलिए जो ये बोलता है कि investigation अगर complete नहीं हुई 24 hours में तो क्या अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो 24 फोर आवर्स में then in that case what? अगर ट्वेंटी फोर आवर्स में कंप्लीट नहीं होती है तो फिर इसकी इंफॉर्मेशन हमें नियरेस्ट जुडिशियल मेजिस्ट्रेट को देनी पड़ेगी ठीक है दे देंगे इन्फॉर्मेशन एंड जिस मेजिस्ट्रेट जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है सॉरी कौन से मैजिस्ट्रेट के पास से हम एडिशनल टाइम लेके आएंगे भले जिसके पास हमारे पुलिस ऑफिसर्स को फर्दर टाइम दे सकता है हमारे पुलिस ऑफिसर या फिर, या फिर उस मैजिस्ट्रेट से जिसके पास जूरिजिक्शन हो या नहीं हो अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट वो सॉरी जुडिशियल कस्टडी डिमांड कर रहे हैं तो जुडिशियल कस्टडी मिलेगी नाइनटी डेज के लिए अगर ऑफेंस की पनिशमेंट है डेथ एल या टेन ईयर अबव अगर ऑफेंस ऐसा है स्टूडेंट्स जिसकी पनिशमेंट है डेथ एल और टेन ईयर से ज्यादा तो फिर उस मामले में नाइन्टी डेज की जुडिशियल कस्टडी मिलेगी एंड रेस्ट ऑल में सिक्सटी डेज की हमें क्या मिलेगी स्टूडेंट्स जुडिशियल कस्टडी मिलेगी बराबर ये चीज कोई भी डिटेंशन नहीं होगा विदाउट दी पर्सन प्रोड्यूस बिफोर इट कोई भी मजिस्ट्रेट उस पर्सन को डिटेन नहीं कर सकते जब तक कि उसके साम, उनके सामने उस पर्सन को प्रोड्यूस ना कर दिया जाए एंड जुडिशियल मैसेज सेकेंड क्लास कभी भी किसी पर्सन को डिटेन नहीं करेंगे जब तक कि हाईकोर्ट उनको एम्पावर ना कर दे नेक्स्ट क्या बोल रखा है प्रोविजन डिटेंशन ऑफ दी विमेन एज टू हु इज बिलो एटीन ईयर्स ऐसी विमेन जिसका डिटेंशन हमेशा रिमांड होम में होगा या फिर रेकग्नाइज सोशल इंस्टीट्यूशन में ही होगा उसका डिटेंशन कभी भी पुलिस कस्टडी या फिर जुडिशियल कस्टडी में नहीं होगा रिमेंबर दिस थिंग बहुत अच्छा पॉइंट है क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से ठीक है क्लियर है स्टूडेंट्स

एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिस कस्टडी में भेजेंगे क्या वो जुडिशियल कस्टडी होगी या पुलिस कस्टडी होगी ये सवाल है लाइव सेशन में जरूर जवाब देंगे सेकेंड <coughs> जुडिशियल कस्टडी क्यों दी है जो मेजिस्ट्रेटर को कि हमने फलाने पर्सन को पीसी में या जेसी में भेज दिया है अगर मैजिस्ट्रेट चाहे तो इन्वेस्टिगेशन स्टॉप कर सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर समन केस है जहां पे वो केस मैजिस्ट्रेट द्वारा ट्राइबल है और मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि भाई छह महीने हो चुके हैं अभी तक अक्यूज की अरेस्ट किए हुए और अभी तक आपने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं किए स्टॉप द इन्वेस्टिगेशन स्टॉप द इन्वेस्टिगेशन इमीडिएटली वो इन्वेस्टिगेशन स्टॉप हो जाएगी लेकिन अगर आगे वहीं पर सेशन जज चाहे तो क्या कर सकते हैं ये जो हमारे मेजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया कि प्रोसीडिंग को स्टॉप करो छह महीने हो गए आपने अभी तक कंप्लीट नहीं की है कब से देन इन से वापिस से स्टार्ट करवा सकता है ठीक है क्लियर है चलो आगे चले स्टूडेंट जहां पे आगे हमें पढ़ना है सेक्शन नंबर वन सेवेंटी टू अभी हमने लास्ट कौन सा पढ़ा था स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था 167 सिक्स अब पढ़ेंगे 172. वन सेवेंटी टू के बाद वन सेवेंटी थ्री ओके हम हैं एट्टी वन पे क्या हो गया भाई स्लाइड्स नहीं है क्या चलिए कोई बात नहीं एविडेंसेस डेफिशिएंट वगैरह वाली स्लाइड थी बेटा चलो कोई बात नहीं Inquest. हम आ चुके हैं चार्जशीट पे पुलिस डायरी पे चलो कोई बात नहीं तीन सेक्शन बीच में से रहते हैं 169, 170, 171 I'll cover those things, okay? ओके अब सुनो सुनेंगे 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 सभी स्टूडेंट्स अच्छे से सुनेंगे आई थिंक एक स्लाइड रिमूव हो गई कोई बात नहीं 172 वो रात को ही मैंने स्लाइड एड ऑन की थी डिस्कस करेंगे शुभम जी अभी मैंने क्लास के जो आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स बाद में ऐड हुए हैं है ना ठीक है कुछ स्टूडेंट्स बाद में ऐड हुए हैं तो मैं पहले ही बोल रही हूँ न्यू सीआरपीसी वगैरह ये सब हम बोलना छोड़ेंगे बीएनएसएस बीएनएस एंड बीएस बोलेंगे ठीक है अब सुनो <coughs> जो भी हमारी न्यू सीआरपीसी रहेगी या आई मीन टू से जो भी हमारे न्यू सब्जेक्ट्स रहेंगे मैं खुद भी बोल रही हूँ <coughs> दो तरीके से उन सब्जेक्ट्स को एक तो डील करेंगे हर सब्जेक्ट को कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे पुराना और न्यू कंपेरेटिव ताकि क्या होगा आपको यह पता चल जाए कौन कौन से सेक्शन में बदलाव किया गया ठीक है एक तो वो होगा और दूसरा होगा कि वन शॉट पूरे बदले हुए सब्जेक्ट का वन शॉट ठीक है इस तरीके से हम करेंगे आगे सुनो डायरी ऑफ प्रोसीडिंग इन इन्वेस्टिगेशन डायरी की बात कर रहे हैं मतलब रखेंगे क्या करेंगे? कब कब शुरू हुई investigation, उनकी investigation हुई, उनकी खत्म ये सब स्टेटमेंट ऑफ द सर्कमस्टांसिस भी एड ऑन करेंगे किसमें? उस डायरी में एड ऑन करेंगे वन ए क्या कहता है स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन नंबर वन को भी उसमें एड ऑन करने वाले हैं दैट इज स्टेटमेंट हमने उस पर्टिकुलर पर्सन से लिए हैं जिसको कि हमने 160 में नोटिस भेजा था डायरी कैसी होगी वॉल्यूमिनस होगी वॉल्यूम्स में रखनी है पेजिनेटेड मीन पेजेस पेज नंबर होना चाहिए डायरी नॉट टू बी यूज्ड इन एविडेंस उसको एविडेंस में यूज नहीं करोगे सिर्फ और सिर्फ इंक्वायरी और ट्रायल में एड करने के लिए वो होने वाली है फिर है अकाउंट सॉरी अक्यूज और एजेंट कैन नॉट कॉल फॉर द डायरी कभी भी अक्यूज या उसका एजेंट डायरी नहीं मंगवा सकता है पुलिस डायरी देखने का अधिकार हमारे अक्यूज या एजेंट को नहीं है लेकिन इट कैन बी यूज बाय द पुलिस ऑफिसर टू रिफ्रेश हिज मेमोरी या फिर कोर्ट यूज कर सकती है टू कॉन्ट्रेडिक्ट पुलिस ऑफिसर्स अंडर सेक्शन वन ऑफ सी एंड वन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट शैल अप्लाई अगर आप सबने स्टूडेंट्स पिंक मूवी देखी है तो हमने अच्छे से देखा है कि वहां पे वो लेडी पुलिस ऑफिसर को किया जाता है ना उस लेडी पुलिस ऑफिसर को किया जाता है कौन से ग्राउंड्स पे कि बताइए मैडम आपने ये जो एंट्री डाली है ये एंट्री तो एड ऑन कर रखा जिस दिन आपने इंफॉर्मेशन एड ऑन की थी इस पुलिस डायरी में आप तो उस वक्त कहीं और थी आप तो उस वक्त कहीं और थी तो ये क्या है ये हम हाँ उस पर्सन की मेमोरी रिफ्रेश करा रहे प्लस उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं कि आपने ये इन्फॉर्मेशन जब आपके पास इन्फॉर्मेंट आई थी तब आपने रिकॉर्ड ही नहीं की थी आपने बाद में रिकॉर्ड की थी प्रेशर होने की वजह से ठीक है तो जब आपको प्रेशराइज किया गया था तब आपने रिकॉर्ड की है ओके चलो 173 क्या कहता है रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन भाई जैसे आपकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाए जिसके लिए आप 167 section number 167 सेक्शन नंबर में क्या बोल रहे थे हमको ज्यादा टाइम चाहिए तो जैसे ही आपकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है 173 में आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स रिपोर्ट सबमिट करेंगे ठीक है हम रिपोर्ट सबमिट कर देंगे उसके आगे क्या करना है उसके आगे इन्होंने बोला है विदाउट एनी डीले आप रिपोर्ट सबमिट कीजिए अगर ऑफेंस रेप का है तो इन्वेस्टिगेशन दो महीने में कंप्लीट कीजिए अगर तब तो राइट हाँ, बिल्कुल शशांक जी एक बार थोड़ा क्वेश्चन क्लियर करो आपका राइट है कॉपी लेने का कौन सी कॉपी बताओ हेलो शिवानी जी चलो आगे सुनो सुन रहे हैं हम डी ने जिंदगी सुन रहे हैं हम ठीक है आगे सुनो अच्छा एक ये चीज इंपॉर्टेंट है कि फॉर्म क्या होगा या रिपोर्ट जो हमारा पर्टिकुलर चार्जशीट है उसका फॉर्म क्या होगा उस रिपोर्ट का फॉर्म क्या होगा जो हमारे, जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किए, जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किए, वो फॉर्म होगा नेम ऑफ द पार्टीज होगा इन्फॉर्मेशन की नेचर बताने वाले हैं कॉग्निजेबल है नॉन कॉग्निजेबल है, है उस पर्सन का नेम जो कि जो कि एक्विटेंट है उस सर्कमस्टांसिस को अरेस्ट किया, किया, किया गया है पे या नहीं कस्टडी में या फिर रिपोर्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द वुमेन अटैच विद रिस्पेक्ट टू योर रेप ऑफेंस एंड कम्युनिकेट कीजिए फॉर द एक्शंस टेकन बाय हिम कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि भाई हमने क्या क्या एक्शंस यहाँ पे लिए हैं सुपीरियर ऑफिस सुपीरियर ऑफिसर क्या करेगा रिपोर्ट सबमिट कर सकता है यहां पे इफ रिपोर्ट ऐसी है कि यहां पे अक्यूज को रिलीज किया गया है बॉन्ड पे तो मैजिस्ट्रेट शैल ऑर्डर फॉर द डिस्चार्ज ऑफ सच बॉन्ड मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है कि इस बॉन्ड को आप डिस्चार्ज कर दीजिए अगर आपने अक्यूज को खुद से बॉन्ड पे रिलीज कर दिया है तो देन इज सेक्शन 170 सेवेंटी अप्लाई हो जाएगा दैट इज सफिशियंट एविडेंस पुलिस ऑफिसर विल ऑल्सो फॉरवर्ड इट टू दी मेजिस्ट्रेट सेक्शन वन सिक्सटी नाइन सेवनटी वन अभी पढ़ेंगे इनफैक्ट वन को भी कवर करेंगे पहले अच्छे से सुनो क्या एक्सक्लूड करने इेलिवेंट सब्जेक्ट मैटर अगर पुलिस ऑफिसर को लग रहा है कि कुछ रिपोर्ट्स में ऐसे सब्जेक्ट मैटर है जो कि हमारे मजिस्ट्रेट को फोकस नहीं करने तो वो ये लोग मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करेंगे कि कुछ पर्टिकुलर इलेवेंट सब्जेक्ट मैटर है जो कि काम के नहीं है एंड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट किसको देंगे अक्यूज को देंगे बाय 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 इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर फर्दर इन्वेस्टिगेशन एट में वन सेवेंटी अगर चार्जशीट सबमिट कर दी सप्लीमेंट्री चार्जशीट अलाउड है अक्यूज एंड पुलिस ऑफिसर क्रॉस के टाइम रिफ्रेश करते हैं, yes, 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 yes. definitely मानवी जी अब सुनो अब हमें इस पॉइंट पे इनक्वेस्ट पे चलने से पहले हमें एक पॉइंट डील करना है ठीक है तीन सेक्शन को एक साथ डील करेंगे सेक्शन नंबर वन एंड वन सिक्सटी 69 70 सेवेंटी एंड सेवेंटी वन क्लियर है क्या सभी को ओके okay? चलो अब देखो वन सिक्सटी वन सिक्सटी नाइन वन सेवेंटी 171 क्लियर स्टूडेंट्स अब देखो ये किसकी बात कर रहा है ये बात कर रहा है रिपोर्ट्स की 169 किसकी बात कर रहा है जब एविडेंसेस क्या है स्टूडेंट्स डेफिशिएंट है 170 क्या बोल रहा है जब एविडेंसेस सफिशिएंट है जब स्टूडेंट्स इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस को ये लगे कि एविडेंसेस डेफिशिएंट हैं तो वो क्या कर देंगे अक्यूज को रिलीज कर देंगे अक्यूज को रिलीज कर देंगे प्लस उससे एक बॉन्ड फिल करवाया जाएगा कि जब भी आपको कोई पर्टिकुलर मैजिस्ट्रेट बुलाए या रिक्वायर करे आपकी अटेंडेंस उस दिन आप वहां पे आके प्रस्तुत होंगे लेकिन अगर आपके एविडेंशियस एविडेंसेस सफिशियंट हैं देन इन दैट केस उस पर्सन को फॉरवर्ड किया जाएगा उसकी कस्टडी किसको दे दी जाएगी मजिस्ट्रेट को मतलब मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रस्तुत किया जाएगा दैट यस yes, इस पर्सन के अगेंस्ट हमारे पास सफिशेंट सफिशेंट एविडेंसेस हैं

169 में रिलीज ऑफ अक्यूज वेन द इज एविडेंसिस एंड 170 में क्या बोला जब सफिशियंट एविडेंसिस हैं रीजनेबल ग्राउंड हैं तो हम क्या कर देंगे उस पर्सन को आगे मजिस्ट्रेट की कस्टडी में फॉरवर्ड कर देंगे क्लियर है एंड 170 में 171 में क्या बोला है जो भी हमारे स्टूडेंट्स कंप्लेनेंट हैं या विटनेस हैं दे नीड नॉट अ कंपनी अ कंपनी मतलब उनको किसके साथ जाने की जरूरत नहीं है पुलिस ऑफिसर्स के साथ जाने की जरूरत नहीं है जहां-जहां पुलिस ऑफिसर जाए जा, जा, वहां जाने की जरूरत नहीं है यस yes, एब्सोल्युटली अब देखो अब यहां से कनेक्ट करो 169 एंड 170 ये देखो ये क्या बोल रहे थे

बराबर क्लियर है आदत डाल दी है शिवांगी जी आप सब स्टूडेंट्स ने आप मुझे आदत डाल दी है पढ़ाने की ठीक है चलो आ जाओ लेट्स कम टू दी इंक्वेस्ट रिपोर्ट अब आगे सुनो इंक्वेस्ट रिपोर्ट इंक्वेस्ट रिपोर्ट सेक्शन नंबर 174 176 एंड 175

प्रेजेंस ऑफ टू और मोर रिस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट्स मतलब जब वो ऐसा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो वो मोहल्ले के लोकल रेजिडेंशियल जो आपके रिहेबिलिटेंट रिहेबिलिटेंट्स नहीं है जो

फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड आंसर ट्रूली उनको क्या कर सकते हैं उनको समन कर सकते हैं अब देखो वन सेवन सेवेंटी जूम कर देते हैं ठीक है यस yes. देखो वन सेवेंटी सिक्स ये कहना चाहता है स्टूडेंट्स की मैजिस्ट्रेट मे एंड शैल जब हम क्लास वन की बात करें तो मैजिस्ट्रेट के पास चॉइस है वो चाहे तो क्या कर सकते हैं 173 सब सेक्शन में जो भी, जो भी भी मामले हुए हैं उस मामले में इंक्वायरी कर सकते हैं 173 में जो भी हम मामले पढ़ के आए वन टू थ्री उन सब में क्या कर सकते हैं वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं इंक्वायरी बाय एनी अदर मैजिस्ट्रेट आल्सो इंक्वायरी बाय एनी अदर मैजिस्ट्रेट इन एडिशन टू द इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस ऑफिसर जहां

मारवाड़ी ना बूर दिया अगर उसको है ना मतलब जमीन में गाड़ दिया उसको और पुलिस को लग रहा है कि वो मैजिस्ट्रेट को लग रहा है कि उस बॉडी को निकलवाना है तो मैजिस्ट्रेट उस बॉडी को वापस निकलवा सकते हैं निकलवाइडेड की अलाउ करेंगे उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को या फिर रिलेटिव्स को कि वो उस इंक्वायरी के वक्त वहां प्रेजेंट रहे एंड वो डेड बॉडी फॉरवर्ड करेंगे किसको नियरेस्ट सिविल सर्जन को विदिन ट्वेंटी फोर आवर्स ये तो है इनका मे का प्रोविजन ओके okay? आइए एक बार सेक्शन नंबर हम लोग सेवेंटी सिक्स को पढ़ लेते हैं टू ऑफ सबसे नियर एस्ट मेजिस्ट्रेट एमपावर टू होल्ड द इंक्वेस्ट शेल शेल एंड इन एनी अदर केसेज एनी मैजिस्ट्रेट एनी मैजिस्ट्रेट सो एम्पावर्ड मे होल्ड द इंक्वायरी इन टू द कॉज ऑफ डेथ इन्वेस्टिगेशन हेल्प पुलिस ऑफिसर इन एडिशन टू इन्वेस्टिगेशन आल्सो एंड इफ इव ऑलर्सिंग इन पे इंक्वायरी अच्छे से देखना यहां पे इंक्वायरी कौन सा है यहां पे इंक्वायरी जब कंडक्ट हो रही है कोई भी मैजिस्ट्रेट इसकी इंक्वायरी कर सकता है कब जब 173, सब सेक्शन थ्री के क्लॉज वन एंड टू में आ जाओ एक बार सेक्शन थ्री क्लॉज वन एंड टू में क्शन थ्री कहता है केस इन्वॉल्व सुसाइड बाई अ वेमन विद इन सेवन ईयर्स सेकेंड द डेथ रिलेट्स टू द इन केस ऑफ द डेथ ऑफ अ वन विद इन सेवन इस ऑफ अ मैरिज इन द सर्कमस्टांसिस रीजनबल सस्पेशन दैटर इन रिलेशन टू सच वुमेन ठीक है थर्ड में अगर उस विमेन के बिहाफ पे कोई रिक्वेस्ट की जा रही है डाउटफुल है और सारी चीजें तो वन एंड टू में जब भी ऐसी इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है जहां पे पुलिस को ऐसी इंफॉर्मेशन मिल रही है यहां पे मजिस्ट्रेट की इच्छा है तो वो यहां पे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं आगे देखो आगे देखो राइट प्रितेश जी यहां पे वन ए में क्या बोला ये इंपॉर्टेंट है सेक्शन नंबर वन का वन ए ये कहता है कि मजिस्ट्रेट शैल हर मामले में मैजिस्ट्रेट क्या करेगा कोई भी पर्सन जिसकी डेथ हुई है या कोई भी पर्सन जो डिस हो जाता है या कोई भी रेप एलेज किया गया है तो उस मामले में मजिस्ट्रेट मेजिस्ट्रेट इंक्वायरी करेंगे मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी करेंगे लेकिन लेकिन किस मामले में नहीं इंक्वायरी तो होगी मामला तो हमको पता है लेकिन कौन

ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट्स ओके इज इट क्लियर अगर ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स तो अब हम चलेंगे आगे सबको समझ आया कोई सेक्शन पढ़ना है 174 में तो बताओ 174 में दैट इज शॉर्ट नोट्स आप बना लो दैट विल बी मोर देन ठीक है क्लियर है ये दो चीजें एक साथ पढ़ना शिवानंद शिवान पांडे जी क्या बोल रहे मैम कता भी सकते हैं मतलब चलो आगे चलेंगे अब ये वाला ये जो ब्लैक बैकग्राउंड के साथ हमारा ये जो अरेस्ट वाला पॉइंट है ये हमने यूपी यूपी यूपीपीएससी पीसीएस जे के वक्त जब नीति बैच लॉन्च किया था तब तो हमने ये चार्ट बनाया था किसका अरेस्ट का अगर आपको ये चार्ट पसंद है तो आप ये भी रख सकते हैं ब्लैक बैकग्राउंड वाला अगर किसी को चार्ट पसंद आ रहा है तो नीति बैच जो था फर्स्ट बैच था जो फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर लॉन्च हुआ था है ना तो उस बैच का जाके आप ये स्लाइड ले सकते हैं अब हम चलेंगे हमारे पावर्स ऑफ अरेस्ट ठीक है सुनीता जी ने बोला ही था मैम अब आएगा हमारा चैप्टर नंबर फाइव इसके बाद ठीक है क्योंकि जब ऑफेंस की इंफॉर्मेशन दी गई है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी एंड इन्वेस्टिगेशन के बाद अरेस्ट करेगी ठीक है तो अरेस्ट के अब प्रावधान स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे शुरू करेंगे जहां पे अरेस्ट का एक एक प्रावधान हमको अच्छे से पढ़ना है बराबर है ये चीज यस और नो चलिए ओके तो अरेस्ट के मामले में चलो अरेस्ट के मामले में स्टूडेंट्स हमें ये चीजें ध्यान रखनी है कि मैंने इसको डिवाइड कैसे किया पहले देखना है हु हैज द पावर टू अरेस्ट अरेस्ट कौन कर कर सकता सकता है है भाई पुलिस ऑफिसर प्राइवेट पर्सन कर सकता है मजिस्ट्रेट कर, कर, कर सकता है कौन कौन से है वो हमें पता है एंड अरेस्ट होगी कैसे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर फोर्टी सिक्स दैट इज अरेस्ट होगी कैसे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके नरेश जी यशु जी ओके okay?

अरेस्ट कैसे होगी 46 बोलता है एक्चुअली टचिंग और कन्फाइनिंग of of woman, अगर की की है तो अगर उसने टच नहीं करेंगे विदाउट विमेन पुलिस ऑफिसर कब अरेस्ट नहीं करेंगे आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज बिल्कुल अरेस्ट नहीं करेंगे except, अगर आपको लग रहा है एक्सेप्शन केसेस में हमें उसकी अरेस्ट चाहिए तो फिर आप जुडिशियल मैसेज फर्स्ट क्लास की परमिशन लेके आएंगे एंड अरेस्ट किसके द्वारा होगा विमेन पुलिस ऑफिसर के द्वारा अरेस्ट किया जाएगा अब बात करेंगे अरेस्ट 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 बाय पावर पावर टू टू पुलिस पुलिस ऑफिसर ऑफिसर प्राइवेट पर्सन एंड एंड कौन-कौन से सेक्शन में 41, 42, 151, ऑलरेडी 151 पढ़ चुके याद आ रहा है यस और नो प्रिवेंटिव 153 में भी पढ़ा था हम ये बोल रहे थे कि हम ऐसे पर्सन को अरेस्ट कर रहे हैं जहां हमें लग रहा है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस 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 हो सकता है और ऐसे की, ऐसे की को हम तब तक प्रिवेंट नहीं कर सकते जब तक कि हमें हम उसको अरेस्ट ना कर ले तो उस मामले में अरेस्ट कर सकते हैं फोर्टी वन ये बोलता है स्टूडेंट्स कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस जहां लग रहा है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस का कमीशन हो रहा है आप आराम से अरेस्ट कीजिए ठीक है एक मिनट एक मिनट रुको बेटा ये लो ठीक है क्लियर है चलो अभी ठीक है प्रियंका जी ओके okay. अगर पुलिस ऑफिसर को यह इंफॉर्मेशन अगर पुलिस ऑफिसर चाहे ही मे अरेस्ट विदाउट वारंट कब जब उनको कोई रीजनेबल कंप्लेन मिले जब उनको क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिले जब उनको रीजनेबल सस्पिशन हो आरसी आर एस किस चीज का कि सात या सात साल से अब का कोई ऑफेंस का कोई ऑफेंस हो गया है एंड इट इज नेसेसरी टू अरेस्ट अ पर्सन देन इन दैट मैटर अरेस्ट कर सकते हैं प्रिवेंट कमीशन ऑफ फर्दर ऑफेंस आगे कोई ऑफेंस ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एविडेंस डिसअपियर ना हो इसके लिए टू प्रिवेंट टू प्रिवेंट टीआईपी टू पर्सन एक्वेटेड विद द फैक्ट टी आईपी मीन्स थ्रेट इंड्यूसमेंट एंड प्रोमिस जिस पर्सन को फैक्ट्स के बारे में पता है उस पर्सन को क्या ना हो स्टूडेंट्स उस पर्सन को कोई भी थ्रेट ना करे इंड्यूसमेंट ना करे इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए अरेस्ट हो सकता है विदाउट अरेस्ट नो प्रेजेंस इन द कोर्ट जहां लग रहा है कोर्ट में हम तब तक प्रेजेंट नहीं कर सकते किसी पर्सन को जब तक हम उसे अरेस्ट नहीं कर लेते क्रेडिबल इंफॉर्मेशन दी गई है सात साल से ज्यादा के पनिशमेंट ऐसे ऑफेंसेस की जो कि पनिशेबल है सात साल से ज्यादा या फिर हमें क्या दिया गया है स्टूडेंट्स स्टेट गवर्नमेंट ऐसा बोले हमको या फिर पोजेशन ऑफ अ स्टोलन प्रॉपर्टी है या फिर ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है कोई पुलिस ऑफिसर को या फिर डेजर्टर है कोई Armed का तो और ऐसे में हमें पुलिस मैजिस्ट्रेट के परमिशन की जरूरत नहीं है अगर ब्रीच किया जा रहा है सेक्शन नंबर थ्री सब सेक्शन फाइव का रिक्वेस्ट फ्रॉम दी अदर पुलिस ऑफिसर अगर पुलिस ऑफिसर्स के पास से रिक्वेस्ट आ जाए कोई दूसरे पुलिस ऑफिसर्स के सामने से रिक्वेस्ट आ जाए कि कोई रीजनेबल कंप्लेन है क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है या फिर रिजनेबल सस्पेशन है कोई आउटसाइड इंडिया ऑफेंस कमिट हुआ है और ऐसी इन्फॉर्मेशन दूसरा पुलिस ऑफिसर देते दे, तो इस मामले में स्टूडेंट्स क्या किया जा सकता है हम उस पर्सन को बिना वॉरेंट भी अरेस्ट कर सकते हैं क्लियर है मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट अच्छा अब बोलोगे मैम कहा गया अरे बाबा फोर्टी टू कि अगर आपको ट्रू एड्रेस और नेम देने को बोला आपने नहीं दिया पुलिस पकड़ के लेके जा सकती है सो so, 42 टू मीन्स वॉट फोर्टी वन क्या बोल रहा है फोर्टी वन बोल रहा है कि कि आपको क्या करना है स्टूडेंट्स कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामले में पुलिस अरेस्ट कर सकती है विदाउट वॉरेंट एंड हमने यहां डिस्कस किया अक, अगर रिफ्यूज कर दे किस चीज़ के लिए अपना ट्रू नेम एंड एड्रेस देने से तो क्या किया जा सकता है आपको अरेस्ट किया जा सकता है लेकिन सेक्शन नंबर जो हम 42 की बात कर रहे हैं इसकी एक अच्छी खासियत सुनेंगे चलो सेक्शन नंबर 42 को रीड आउट करते हैं स्टूडेंट्स व्हाट इज सेक्शन नंबर 42 इट सेज व्हेन एनी पर्सन पुलिस ऑफिसर कौन सा तो फोर्टी टू में अरेस्ट होती है नाउ कमिंग टू दी प्राइवेट पर्सन सेक्शन नंबर थ्री सेक्शन नंबर थ्री में अरेस्ट की जा सकती है yes, जा सकती. कौन करेगा प्राइवेट पर्सन अरेस्ट करेगा कब जब उसके सेक्शन नंबर फोर्टी ओके सेक्शन नंबर फोर्टी थ्री दैट इज इज अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर नॉन वेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तो वो क्या करेगा पुलिस ऑफिसर को मेक ओवर कर देगा उस पर्सन को और अगर पुलिस ऑफिसर एबसेंट है तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में लेके जाएगा उस परसन को. उस पर्सन पर्सन को को रिलीज कर देंगे अगर पुलिस ऑफिसर को लग रहा है कि भैया क्या नहीं है कोई पर्टिकुलर ऐसा ग्राउंड नहीं है जिस ग्राउंड पे इस पर्सन को हमने क्या किया है? अरेस्ट किया है है अरेस्ट कमिटेड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बट रिफ्यूज टू गिव द नेम एंड एड्रेस तो सेक्शन नंबर कौन सा अप्लाई होगा अप्लाई हो जाएगा और उसको हम अरेस्ट कर लेंगे सेक्शन नंबर फोर्टी बात करता है मजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट दोनों को ही अरेस्ट की पावर्स है और कब कर सकते हैं अगर उनके प्रेजेंस में कोई भी पर्सन ऑफेंस कमिट करता है एंड आल्सो मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं किसी भी पर्सन को डायरेक्ट कर सकते कि भाई साहब चलो आप अरेस्ट कर लो ओके okay? क्लियर है ये चैप्टर होने के बाद एक छोटा सा ब्रेक ले, ले लेंगे ठीक है क्लियर है चलो अमेंडमेंट 2008 का अमेंडमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर 2010 सेक्शन नंबर 41 ए 41 ए किसकी बात करता है स्टूडेंट्स 41 ए ने बोला है नोटिस टू अपियर बिफोर दी पुलिस ऑफिसर पुलिस ऑफिसर नोटिस दे सकता है कि भाई आप हमारे सामने अपियर हो जाइए आप हमारे सामने अपियर हो जाइए उस पर्सन को जिस पर्सन के अगेंस्ट क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली है रीजनेबल इंफॉर्मेशन है या फिर आपको एक सस्पेशन है कि भाई किसी पर्सन ने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है उसको हम नोटिस दे सकते हैं कि प्लीज आप आ जाइए अगर वो आ जाता है तब तो हम कोई उसको अरेस्ट करेंगे नहीं नहीं आता है तो डेफिनेटली हम उसको अरेस्ट करने वाले हैं फिर सेक्शन नंबर बी क्या कहता है प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटी ऑफ पुलिस ऑफिसर आपको क्लियर आइडेंटिफिकेशन बेयर करना है अरेस्ट मेमो होना चाहिए आपके पास में सो so दैट जब भी पर्सन डिमांड करे आप उसको दिखा सके एंड जो अरेस्ट मेमो होगा उस पर क्या होना चाहिए साइन होना चाहिए

One. एक मेंबर के द्वारा अरेस्ट होना चाहिए अरेस्ट होना चाहिए अटेस्ट होना चाहिए अटेस्ट क्या करेंगे हम मेमो अरेस्ट मेमो को हमें क्या करना है स्टूडेंट अटेस्ट करना है और उसके साथ हमें क्या पॉइंट लिखना है क्लियर आइडेंटिफिकेशन क्लियर आइडेंटिटी क्लियर आइडेंटिटी बेयर करना है ठीक है क्लियर है यस एक्यूरेट विजिबल एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन आगे सुनो

है उसके बाद प्रॉपर बोर्ड लगा हुआ होगा नाम लिखा हुआ होगा प्रॉपर डेजिग्नेशन होगा एंड उस नोटिस बोर्ड में ये इंफॉर्मेशन दी गई होगी कि कौन से कौन से पर्सन को अरेस्ट कर लिया गया है फोर्टी वन डी में क्या दिया गया स्टूडेंट्स राइट टू मीट दी एडवोकेट आप अपने चॉइस के एडवोकेट से क्या कर सकते हैं मीट कर सकते हैं फिर बताया जा रहा है सर्च या तो प्लेस को सर्च करेंगे या फिर बॉडी को सर्च करेंगे अभी वन सिक्सटी फाइव में हम ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन के बारे में पढ़ के आए हैं 165 में अभी स्टूडेंट्स हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है जब हम किसकी बात कर रहे थे हम चार्जशीट की बात कर रहे थे जहां पे हमने 173 में चार्जशीट की बात की 167 में किसकी बात की स्टूडेंट्स कि अगर सफिशियंट टाइम दैट इज 24 में अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती है तो इन सब चीजों के बारे में, कि तो के के में, में क्या बोलता है सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाई पर्सन टू बी अरेस्टेड ये थोड़ा सा प्रोविजन मैं चाहूंगी कि आप अपने स्तर पर थोड़ा जरूर करें क्योंकि बहुत बेसिक चीज है कि, कि किस तरीके से आपको अरेस्ट करना है किस तरीके से आपको सर्च करना है एंड आप नॉर्मल टाइम्स पे जाएंगे कोई भी ऐसे अजीब वो गरीब टाइम पे आपको कहीं पर भी एंटर करके सर्च नहीं करना है एंड फ्री इनग्रेस एंड आउटग्रेस अगर नहीं हो रहा है तो आप विंडोज खिड़की दीवार जो भी है वो तोड़ के जा सकते हैं एंड अगर आपको लग रहा है स्टूडेंट्स कि जिस जगह पर आपको एंटर करना है दैट इज ऑक्यूपाइड ऑफ परदा नशी वूमेन हु इज़ नॉट अलाउड टू कम इन टू पब्लिक देन इन दैट केस यू कैन आस्क हर टू विद्रॉ यू हैव टू गिव हर द टाइम लिबर्टी देना पड़ेगा आपको कि आप उसको अपना विद्रॉ कर लीजिए मतलब आप हट जाइए हम वहाँ एंटर होना चाहते हैं ठीक है क्लियर है जिस तरीके से अंदर गए हैं उसी तरीके से आप वापस बाहर भी आ सकते हैं ठीक है क्लियर है चलिए तो ये थोड़ा सा पॉइंट आपको जरूर देखना अब डील करेंगे हम किससे एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन किस किस का हो रहा है स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है दैट एक अक्यूज का होता है एक अरेस्टेड पर्सन का होता है दोनों ही मामले में आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स इन दोनों ही मामले में अरेस्ट सॉरी जो इंफॉर्मेशन uh, भेजी जा रही है जो रिक्वेस्ट की जा रही है वो रिक्वेस्ट किसके द्वारा की जा रही है पुलिस ऑफिसर हु इज नॉट दी बिलो दी रैंक ऑफ एस आई के रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए और यहां पे मेडिकल कर कौन रहा है इनका एक तरीके का मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इसके साथ स्टूडेंट सेक्शन नंबर 164 ए भी लिखेंगे क्या लिखेंगे 164 164 ए ए क्यों लिखेंगे स्टूडेंट्स 164 ए इसलिए लिखेंगे स्टूडेंट्स क्योंकि वहां पे एग्जामिनेशन किसका हो रहा है मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है रेप विक्टिम का इज इट क्लियर इज इट क्लियर ओके एंड 164 में जो भी एग्जामिनेशन के पॉइंट्स दे रखे आपको वो इसमें आपको कवर करने होंगे ठीक है क्लियर है उम्मीद कर लू कि इतना सा काम आप कर लेंगे नहीं नहीं जितना भी हमारा 41 ए की बात कर रहे हैं ना हम देखो बेरेक्ट पे आओ एक बार जस्ट इज सेक्शन नंबर 41 ओके okay. <coughs> देखो अच्छे से सुनो वैभव जी एक्ट कब का है 2008 का एक्ट नंबर क्या है 5 ऑफ 2009 मतलब इफेक्ट में कब आया इफेक्ट में कब आया 2009 में इफेक्ट में आया ठीक है बना कब 2008 में इफेक्ट में कब आया 2009 में आया ओके दैट इज मतलब एक्ट को पास कब किया गया 2009 में एंड इसको नोटिफाई कब किया गया है फर्स्ट नवंबर 2010 में इज इट क्लियर यस और नो

मतलब क्या है स्टूडेंट यहां पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है इन्वेस्टिगेशन चल रही है विद रिस्पेक्ट टू देंस ऑफ रेप जो कमिट हो गया है या उसका अटेम्प्ट किया गया है देन इन दैट केस क्या बोला गया है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या करेगा उधर इन्वेस्टिगेशन करेगा विच इज रन बाय अ गवर्नमेंट और अ लोकल अथॉरिटी इन द एब्सेंस ऑफ सच प्रैक्टिशनर कोई भी ऐसा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हो सकता है विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स फ्रॉम द रिसीविंग ऑफ द इफॉर्मेशन ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्वेंटी फोर आवर्स फ्रॉम इंफॉर्मेशन में ये रेप विक्टिम का रेप विक्टिम का क्या होगा स्टूडेंट्स मेडिकल होने वाला है इट इज नेसेसरी टू कलेक्ट दी एविडेंसेज उसके बाद सबसेक्शन टू में आपको सारी चीजें मैंशन करके देखिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए एंड जो भी रिकॉर्ड है उसमें स्पेसिफिकली आप ये मैंशन करेंगे कि वुमेन की कंसेंट ली गई थी टाइम मेंशन करना है कब वो आपकी आ, मेडिकल जो है प्रोसेस है वो स्टार्ट हुई है खत्म हुई है एज वेल एज जो भी रिपोर्ट्स आएगी वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर किसको फॉरवर्ड करेंगे मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करेंगे किसके साथ सेक्शन नंबर 173 सब सेक्शन के साथ एंड अगर कोई भी चीज इसमें विदाउट कंसेंट हुई है तो फिर वो लॉफुल नहीं होगी नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी कंस्टिट्यूड एज रेंडरिंग लॉफुल एनी एग्जामिनेशन विदाउट दी कंसेंट ऑफ अ और एनी पर्सन कॉम्पिटेंट टू गिव सच कंसेंट ऑन दी क्लियर है ये चीज ओके okay?

इंजरी मा है क्या उसको कोई मार्क है क्या उसका कोई बर्थ मार्क है कि नहीं है वो सारी चीजें नोट डाउन करने के लिए अरेस्ट के टाइम पे क्या करते, है, हम उसका करते हैं स्टूडेंट्स है? में, में, है, जानने के लिए कि क्या वो बेल ले सकता है नहीं ले सकता रिलेटिव को इन्फॉर्म कीजिए कि मैं अरेस्ट हो चुका हूँ फिफ्टी फोर में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा उसका फिफ्टी सिक्स में प्रोड्यूस बिफोर द मेजिस्ट्रेट फिफ्टी सेवन में आप

कोई भी ऐसे ऑफेंसेस से रिलेटेड कोई भी वेपन है वो बरामद किया जा सकता है एंड फिफ्टी फोर ए में क्या बोल रहा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अरेस्टेड पर्सन दैट इज़ रीड विद सेक्शन नंबर नाइन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट क्लियर है ओके okay? क्लियर है चिकित्सा व्यवसायी और चिकित्सा अधिकारी देखो एक है आपका रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एक है मेडिकल प्रैक्टिशनर मेडिकल प्रैक्टिशनर मतलब कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर हो सकता है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जैसे कि अपन एडवोकेट स्टेट बार काउंसिल पे एनरोल्ड है वैसे कि वैसे उनका भी आ, जो मेडिकल बोर्ड होता है उसमें भी वो लोग रजिस्टर्ड होते हैं ये फर्क होता है ठीक है क्लियर है ओके आगे चलेंगे ओके okay, कुछ और प्रोविजंस है चलो डिस्कस करते हैं प्रोसीजर व्हेन द पुलिस ऑफिसर द दिप्यूटिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट तो ऐसा किया जा सकता है जैसे ही खुद के सबॉर्डिनेट को हम डिप्यूट कर हैं कि भाई, अरेस्ट तो, तो यहाँ पे डिस्चार्ज किया जा सकता है सिक्सटी में पावर ऑन एस्किप टू परस्यू एंड रीटेक जहां जहां जब हमने एक बार उसको अरेस्ट कर लिया उसके बाद भाग गया हाथ से निकल गया तो हम क्या कर सकते हैं उसको वहां वहां पकड़ने जा सकते हैं सिक्सटी ए बोल रहा है अरेस्ट टू मेड अरेस्ट टू बी मेड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन आर गिवन अंडर सीआरपीसी ओके चलिए समन शुरू करेंगे ठीक है अगला नया मुद्दा समन शुरू करेंगे ओके चलो देखो मेरी तो ब्रेक लेने की इच्छा बिल्कुल नहीं है मुझे लग रहा है आज रात को 11 बारह बजे तक भी मैं आपको पढ़ा दूं लेकिन नहीं हम टाइम पे सेशन फिनिश करेंगे ओके कोशिश करते हैं पांच बजे तक सेशन को पूरा फिनिश करने का ठीक है अब सुनो

एक बात बताओ मतलब हमारा आजकल तो ऐसा चलता है कि कई बार अब हो सकता है कि पीडब्ल्यू जब ये मेरे क्लास देखे तो सुन ले शायद और पता चले कि हाई मैम कितना काम होता है ना कई बार ऐसा लग रहा होता है कि मीटिंग चल रही होती है म्यूट कर करके निवाला लेते हो जब बोलना होता है तो पूरा गटक के फिर म्यूट ऑन करके फिर बोलते हैं जैसे हम खाना खा ही नहीं रहे थे ठीक है इट इज यू कैन यू कैन राहुल जी यू कैन ठीक है संडे संडे में आपकी क्लास लेने आती हूँ तो बढ़िया देखो ठीक है बढ़िया खाना सामने रख लो खाओ अच्छे से ठीक है अब सुनो समन हाउ सर समन को सर्व कैसे करेंगे पुलिस ऑफिसर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट पब्लिक सर्वेंट हाउ समन या तो पर्सनली सर्व कर दीजिए या फिर उसको डुप्लीकेट में देंगे देखो समन की कॉपीज दो होगी एक उसको सर्व करेंगे दूसरा उसका सिग्नेचर करके अपने पास होता है ही शैल साइन ऑन द रिसीट ऑफ द अदर डुप्लीकेट क्या करेगा वो दूसरे डुप्लीकेट पे साइन करेगा ठीक है क्लियर है चलो राहुल जी मैंने बोल दिया देख लो एक बार बेटा क्लाइंट के लिए ओके ओके okay? ठीक है आगे सुनो आगे सुनो समन टू विटनेस और अदर्स विटनेस सेक्शन नंबर 69 विटनेस को समन कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं अदर्स के लिए अभी चार्ट में जाएंगे हम जब हम विटनेस को समन कर रहे हैं स्टूडेंट्स तो किसके द्वारा करेंगे रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा करेंगे जहां पे वो ऑर्डिनरली रिसाइड कर रहा है देख लो कुछ वर्ड्स है स्टूडेंट्स एब्रीवेशन है जो मैं अपने नोट्स में लिखते रहती हूँ ओ आर मीन ऑर्डिनरली बी मीन्स कैरीज बिजनेस पीडब्ल्यू जी मीन पर्सनली वर्क फॉर द गेम्स रजिस्टर्ड पोस्ट कहां भेजेंगे इन तीनों में से किसी एक और किसी भी जगह भेज सकते हैं प्लस इन एडिशन टू द इशू ऑफ द समन जो हम समन इशू कर रहे हैं एक्चुअली जो वहां पे जिस तरीके से इशू कर रहे हैं उसके साथ साथ रजिस्टर्ड पोस्ट से भी हम यहां पे भेज सकते हैं इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी एंड अदर्स जब हम टनेस को समन भेज रहे तो मैम आपने सेक्शन नंबर 69 बता दिया तो अदर्स के मामले में अदर्स के मामले में हम चलेंगे हमारे अगले चार्ट पे चार्ट क्या कह रहा है 63 में अगर आपको कॉर्पोरेट बॉडी या सोसाइटी को सर्व करना है समन तो किसको करोगे सेक्रेटरी को कर लो लोकल मैनेजर को कर लो उनके प्रिसाइडिंग ऑफिसर या चीफ ऑफिसर ऑफ कॉर्पोरेशन को कर लो क्लियर है ओके नीरज जी ब्लॉक हो जाओगे मैं क्लियरली बोल रही हूँ फिर बोलोगे की मैम हम चैनल पे विजिट नहीं कर पा रहे हैं ठीक है थीके? ये फालतू फर्जीपना क्लास में नहीं जुडिशरी क्लास चल रही किधर तुम लोग इन्फ्लुएंसर को लेके आ रहे हो प्लीज एटलीस्ट गुड पीपल इन योर लाइफ जिससे इन्फ्लुएंस हो आप लोग किसी को भी अपना रोल मॉडल और हीरो बना ले रहे हो चलो कम बैक टू द क्लास

मेंबर ऑफ द फैमिली सेक्शन नंबर 64 फोर वेन पर्सन समंट कैन नॉट बी फाउंड तो उसके घर पे हम किसी भी अडल्ट मेल मेंबर को दे देंगे लेकिन सर्वेंट को हम कभी भी फैमिली मेंबर नहीं मानेंगे ठीक है ठीक है

अः uh, क्या हो गया बरामदा हो गया गेट हो गया गेट खोलते ना मेन गेट वहां पे अगर प्रॉपरली चिपका है तो पता चलेगा कि हाँ भाई समन है कोई पीछे की गली में जाके चिपका दे पता ही नहीं चले पीछे से छत पे चिपका दे ऐसे बालकनी पे ऊपर चिपका दे ऐसे थोड़ी पता चलेगा

उस को कर कर दोगे जिसके लोकल में आपका वो वो पर्सन करना है 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 आप उसको कर दो ठीक क्लियर है? आगे चले, चलो. आगे चलो चलेंगे जहां बोल रहे हैं प्रूफ प्रूफ ऑफ ऑफ सर्विस सर्विस समन समन क्या कि हमारा जो सर्व हो चुका है. तो उन्होंने बोला व्हेन तो सर्विंग्स तो बोल अगर

आना जाएगा अनलेस अनंटिल आप कंटरी प्रूफ कर दो ओके एडल्ट मेल मेंबर का मतलब क्या होता नीरज जी एडल्ट मतलब मेजर है ना मेजर समझदार नहीं देखो एडल्ट मेल मेल भी हो गया मतलब पुरुष भी है और एडल्ट मतलब इतनी समझदारी होनी चाहिए उसमें ठीक है चलो आगे चले ऑर्डर 5 रूल 20 सुमिता जी किस कॉन्टेक्स्ट में बोला चलो वारंट के बारे में बात करेंगे वारंट वारंट मींस फॉर What? ये ये किसके लिए है है स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं हम चैप्टर नंबर जो बोलता प्रोसेस कंपेल ऑफ़ अ पर्सन तो जगह जैसा पहला करवाते थे वैसा करो वो ऐसा पेंट से ऐसा मतलब ऐसा में, कोने में बैठ के वहां पे बैठ के पढ़ाते थे, थे बोलते स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाओ हैं अच्छा है मेरे क्या मेरे 45 और 45 घंटे मिनट और पैंतालीस मिनट डेढ़ घंटा बचेगा है चलो आगे सुनो वारंट कहां दे रखा है स्टूडेंट सेक्शन नंबर सेवेंटी से लेके एट्टी वन वारंट ऑफ अरेस्ट सेक्शन नंबर सेवेंटी से लेके एट्टी वन अब यहां पे सेक्शन नंबर सेवेंटी ने बोला फॉर्म ऑफ वारंट क्या है

साइंड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर सील ऑफ द कोर्ट लगना चाहिए एंड कब तक एनफोर्समेंट में रहता है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वॉरेंट कब तक एनफोर्समेंट में रहता है जब तक कि हम उसको एग्जीक्यूट ना कर ले या फिर, जब तक कि जिस कोर्ट ने उसको इशू किया है वो उसको कैंसिल ना कर दे वेरी इंपॉर्टेंट चीज ठीक है यहां से क्वेश्चन आ सकता है सेवेंटी बोलता है पावर ऑफ द कोर्ट टू डायरेक्ट टू टेक द सिक्योरिटी मैंने बोला सेवेंटी और सेवेंटी एक साथ पढ़ेंगे हालांकि कोई कनेक्शन नहीं है बट आपस में साथ में पढ़ लो कि जैसे ही कोई पर्सन की अरेस्ट हुई तो सेवेंटी में मेजिस्ट्रेट के पास पावर है कि जो मैजिस्ट्रेट उसके उसके लिए अरेस्ट वारंट जारी कर रहा है वो उसकी सिक्योरिटी ले सकता है फ्रॉम द पर्सन हु इज अरेस्टेड ठीक है एक्सरसाइज कौन करता है ये पावर्स पुलिस ऑफिसर एक्सरसाइज करता है वारंट डायरेक्टेड टू होम तो 72 ये बोलता है कि मुझसे दो सेक्शन कनेक्ट होंगे 73 एंड 74 72 ने बोला वन और मोर पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है या कोई भी पर्सन अरेस्ट कर सकता है इफ नो पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट देन इमीडिएट एग्जीक्यूशन

Yes. 73 में आपको वॉरंट निकाल के कौन देगा जुडिशियल फर्स्ट क्लास या किसी भी पर्सन को अरेस्ट को इवेड कर रहा है, है प्रोक्लेम्बेंडर है, है. है, है. Okay? है पुलिस ऑफिसर यहाँ पे अरेस्ट कर सकते हैं कब जब वॉरेंट डायरेक्ट किया गया पुलिस ऑफिसर को वॉरेंट कौन इशू करता है वॉरेंट पुलिस ऑफिसर इश्यू करता है मे बी एक्सिक्यूटेड बाई एनी अर पुलिस ऑफिसर इन नेम इज इंडोर्स जिस भी पुलिस ऑफिसर को बोला गया तुम जाके अरेस्ट करो

पर्सन अरेस्टेड टू बी बिफोर द कोर्ट विदाउट के साथ डील पढ़ेंगे हम ठीक है जो भी पर्सन को अरेस्ट किया गया बिना उसको क्या करना है? हमें? के सामने प्रस्तुत करना है. हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आउटसाइड जोरिस्टिक्शन करना है तो सेवन सेवन एट्टी एट्टी वन अच्छे से सुनना सेक्शन सेवेंटी एट बोल रहा है, है मैम आप एक काम कीजिए आप बाय कोर्ट फॉरवर्डेड टू एनी अदर लोकल ज्यूरिसडिक्शन इस पर्स इस पर्टिकुलर ज्यूरिसडिक्शन का कोर्ट क्या करेगा दूसरे ज्यूरिसडिक्शन के कोर्ट को यहां से वारंट फॉरवर्ड करेगा किसके द्वारा पोस्ट के द्वारा फॉरवर्ड करेगा लेकिन वहां के मजिस्ट्रेट को नहीं करना है आप यहां पे किसको फॉरवर्ड करोगे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट डीएसपी और कमिश्नर ऑफ द पुलिस ठीक है क्लियर है तो इन तीन को आप क्या करोगे दूसरे डिस्ट्रिक्ट के इन तीन लोगों को आप यहां से वारंट फॉरवर्ड कर दोगे ठीक है मैम कर देंगे एंड जब पर्सन अरेस्ट हो जाए तो सेक्शन अप्लाई हो जाएगा उससे पहले सेक्शन नंबर सेवेंटी नाइन पढ़ते हैं सेक्शन नंबर सेवेंटी नाइन बोल रहा है डायरेक्शन टू पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन यहां पे तो हम क्या कर रहे थे हम सीधा के सीधा दूसरे ज्यूरिस्डिक्शन के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट डीएसपी एंड सीओपी को भेज रहे थे लेकिन यहां पे हम बोल रहे हैं

यहाँ पे ये पुलिस ऑफिसर को ए जुरिसडिक्शन के पुलिस ऑफिसर को मैजिस्ट्रेट ने बोला बी जूरिस्टिक्शन में जाके अरेस्ट करो तो ये अरेस्ट वारंट लेके वहां गया बी जूरिस्टिक्शन में और बी जूरिस्डिक्शन के एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट एंड पुलिस ऑफिसर हु इज नॉट दी बिलो द रैंक ऑफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन उसके पास लेके जाता है एंडोर्समेंट के लिए फिर वो क्या करते हैं ये मैजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है एंडोर्स कर सकता है उसका नाम किसका इस पुलिस ऑफिसर का कि भाई मेरा नाम इस पे एंडोर्स कर दो मैं तुम्हारे ज्यूरसडिक्शन में क्या करना चाहता हूं यहां पे किसी पर्सन की अरेस्ट करना चाहता हूं वो इनका नाम एंडोर्स कर देंगे दूसरे जुरिसडिक्शन वाले ई या फिर हमारे पुलिस ऑफिसर और साथ में जो कि स्थानीय पुलिस कर्मी है उनको भी बोलेंगे कि जाके इनकी सहायता करो क्लियर है एंड अगर पुलिस ऑफिसर को लग रहा है कि भाई नहीं इतना टाइम नहीं है कि हम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास या फिर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ऑफ पुलिस स्टेशन दैट ज्यूरिडिक्शन के पास जाए तो वो क्या कर सकता है बिना एंडोर्समेंट भी प्रोसीड कर सकता है बिना एंडोर्समेंट भी प्रोसीड कर सकता है

कोर्ट इशुंगश्यू किया है वहां से अंदर अंदर तीस तो किलोमीटर नहीं हुई है उस, उस 30 के बाहर हुई है तो हम इनके पास उसको प्रोड्यूस कर देंगे क्लियर और नियर देन दिस प्लेस जहां पर हमारे एग्जीक्यूटिव मेजिस्ट्रेट डीएसपी और सीओपी है उस अदर जुरिस्डिक्शन के वो ज्यादा दूर है और हमारा खुद का वो कोर्ट जिसने वारंट इश्यू किया है वो ज्यादा पास में तो हम अपने कोर्ट के पास लेके जाएंगे

क्लियर है जिस कोर्ट ने वारंट इशू किया उसके कस्टडी में इनको भेज देंगे अगर ऑफेंस बेलेबल है तो ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट डीएसपी या सीओपी क्या करेंगे बेल ले लेंगे एंड बॉन्ड फॉरवर्ड करेंगे उस कोर्ट को जिन्होंने वारंट इश्यू किया अगर ऑफेंस नॉन वोलेबल है तो फिर सीजीएम एंड कोर्ट ऑफ सेशन

<laughs> जीत वर्मा बोल रहे मैम आज जज बनने वाला हूं बट आपका क्लास देखते नाइस नाइस स्टूडेंट्स आपका जब ये रिस्पॉन्स आता है ना आई ऑलरेडी फील दैट आई अचीव टू मच इन माई लाइफ ठीक है चलो आगे चले आगे चलते चलो स्टूडेंट्स आगे चलते हो प्रोक्लेमेशन यस प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्रोक्लेमेशन क्या बोलता है प्रोक्लेमेशन ये बोल रहा है कि प्रोक्लेमेशन कब होगा प्रक्लेमेशन तब होगा स्टूडेंट्स जब जिसके अगेंस्ट हमने वारंट इश्यू किया है वो एब्सकॉन्ड कर रहा है कंसील कर रहा है हमने समन भेज दिया हमने वारंट भेज दिया नहीं अरेस्ट हो रहा है प्रोक्लेमेशन मतलब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हम उसे घोषित कर सकते हैं यहां पे अभी क्या कर रहे हैं हम प्रोक्लेमेशन घोषित प्रोक्लेमेशन इशू कर रहे हैं लिखित में होने वाला है विद इन विद इन हाउ मच अपियर विद इन थर्टी डेज जिस दिन वो प्रोक्लेमेशन इश्यू किया जा रहा है उसके पब्लिकेशन के तीस दिन के अंदर अंदर पर्सन ने क्या करना है अपियर करना, कर, करना है हाउ प्रोक्लेमेशन पब्लिश प्रोक्लेमेशन पब्लिश कैसे होगा स्टूडेंट्स चार तरीके दे रखे हैं रीड आउट पब्लिकली इन कॉन्स्पिक प्लेस ऑफ द टाउन और विलेज जहां पे ऑर्डनली वो पर्सन रिसाइड करता है है ना सुनो 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 फलाना फलाना व्यक्ति इज इज रिक्वायर्ड ओके देन अफिक्स पार्ट ऑफ द हाउस वेयर कैरीज बिजनेस और वर्क्स फॉर द गेम्स जहां पे वो रहता है उसके प्लेस पे चिपका दीजिए या फिर कॉन्सपिग पार्ट ऑफ द कोर्ट हॉल जो कोर्ट हॉल है वहां पर चिपका दीजिए या फिर पब्लिश कॉपी इन द डेली न्यूज जो डेली न्यूज है जो कि वहां के न्यूज है जो कि वहां के लैंग्वेज में सर्कुलेट होता है वहां पे क्या करना है स्टूडेंट हमको वो न्यूज में पब्लिश करना है जहां पे वो रिसाइड करता है वहां पर जो न्यूज सर्कुलेट होता है

ऑर्डर क्या देंगे तो या या रीजन फड़ ये है कि भाई साहब यू आर अबाउट टू डिस्पोज ऑफ योर प्रॉपर्टी कि तुम अपनी प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ कर सकते हो या फिर अपनी प्रॉपर्टी रिमूव कर दोगे लोकल जुरिस्डिक्शन से तो हम क्या कर देंगे हम उस पर्सन को हम उस पर्सन के अगेंस्ट स्टूडेंट्स हम उस पर्सन के अगेंस्ट

नहीं पहले प्रोक्लेमेशन होगा प्रोक्लेमेशन में जो टाइम मेंशन कर है, वो खत्म होने के बाद वो खत्म होने के बाद ठीक है जनरल प्रैक्टिस रूल जो है वो वो वाला ठीक है ओके क्लियर है ये वाला ना ये तो नहीं होता हम थोड़ा टाइम देते हैं उस पर्सन को कि भाई तुम अपियर हो जाओ लेकिन 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 सुनो प्रोक्लेमेशन आपने इशू कर दिया वो नहीं आया लेकिन प्रोक्लेमेशन इशू करने के तुरंत बाद लग रहा है कि भाई तुम प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ कर दोगे आप इमीडिएटली वो टाइम खत्म हो उससे इमीडिएटली पहले आप क्या कर सकते हो अटैचमेंट कर सकते हो अंडरस्टूड वैभव जी आगे सुनो इमुवेबल प्रॉपर्टी में कैसे होगा टेक इन पोजेशन पोजेशन ले लीजिए रिसीवर को अपॉइंट कर लीजिए या फिर प्रोहिबिट कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से जो भी रेंट आ रहा है वो किसी और को ना मिले ये चीज हो सकती है

ओके प्रोवाइडेड दैट विद विदाइम टाइम ऑफ द इशू ऑफ द प्रोक्लेमेशन द कोर्ट इज सैटिस्फाइड इन रिलेशन टू होम दीज दीज देन ही मे ऑर्डर द अटैचमेंट साइमल्टेनियसली साइमल्टेनियसली या भी हो सकता है ठीक है यस यस क्रिश जी बिल्कुल हो सकता है साइमल्टेनियसली बराबर तो यही तो पॉइंट हमने बोला ना साइमल्टेनियसली का ग्राउंड क्या है कि भाई प्रोक्लेमेशन इशू कर दिया लेकिन ये मामला लग रहा है हमको तो हम साइमल्टेनियसली भी कर सकते हैं प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट दोनों एक साथ बराबर क्रिश जी चौधरी वैभव चलो आगे सुनो अगर प्रॉपर्टी पेरिशेबल इन नेचर की है या लाइफ स्टॉक है पेड़ बकरियां वगैरह ये सब हो गया कोर्ट में इमीडिएटली ऑर्डर फॉर इट सेल इमीडिएटली इन चीजों को हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स सेल किया जा सकता है सेक्शन नंबर 84 किसकी बात कर रहा है स्टूडेंट्स 84 बात कर रहा है क्लेम एंड ऑब्जेक्शन टू द अटैचमेंट क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन टू द अटैचमेंट अगर हमने अटैचमेंट कर दिया स्टूडेंट्स तो उससे माम, उस मामले में क्या किया जा सकता है हम ऑब्जेक्ट कर सकते हैं हम ऑब्जेक्ट कर सकते हैं एंड हम क्या कर सकते हैं वहां पे ये बोल सकते हैं कि भाई हमारा इसमें इंटरेस्ट है ऑब्जेक्ट करने कब आना है विद इन सिक्स मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट जिस दिन अटैचमेंट हुआ कुर्क की गई संपत्ति को छह महीने के अंदर अंदर आ जाओ बोल दो कि साहब मेरी संपत्ति को अटैच मत कीजिए ग्राउंड क्या है कि क्लेम claim, क्लेमेंट या ऑब्जेक्टर बोले कि भाई मेरा इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है

शाल बी कंक्लूसिव ओके नेक्स्ट एटी 85, एटी क्या बोल रहा है रिलीज सेल एंड रिस्टोरेशन ऑफ द अटैच प्रॉपर्टी किसकी बात कर रहा है रिलीज सेल एंड

सिक्स मंथस जब तक नहीं हो तब तक नहीं होगी जब तक छह महीने के अंदर अंदर या तो डेट ऑफ अटैचमेंट जिस दिन वो अटैचमेंट हुई है क्लेम किया है सेक्शन नंबर एटी फोर में जिस दिन प्रॉपर्टी अटैच हुई उसके बाद जब भी आपने क्लेम किया जब तक वो क्लेम डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाता तब तक यह प्रॉपर्टी सेल नहीं होने वाली है ठीक है क्लियर है When sold before this time, अगर इस time से पहले sell कर दी गई, मतलब कब हम when we can when we can sell the property before this time? ये छह महीने से पहले property कब sell कर सकते हैं students? अगर property speedy and natural decay का subject matter है, plus कोर्ट कंसिडर करता है कि ये सेल नेसेसरी होगी उस पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर ओनर के बेनिफिट के लिए तो सेल कर सकते हैं अब मान लो अगर पर्सन दो साल के अंदर अंदर अपियर होगा कब से फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट हमने बोला कि अगर तुम दो साल के अंदर अंदर जिसको प्रोक्लेमेशन में बुलाया था दो साल के अंदर अंदर अपियर हो जाता और वो ये प्रूफ कर देता है कि साहब मैं जान बुझ्ड नहीं कर रहा था आई वॉज नॉट और कंसीलिंग या फिर मुझे नोटिस ही नहीं था कि ऐसी कोई पर्टिकुलर प्रोक्लेमेशन मेरे अगेंस्ट हो गई है तो कोर्ट क्या करेगा वो प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी ही वापस उसको दे देंगे कोर्ट शायद डिलीवर द प्रॉपर्टी अगर वो प्रॉपर्टी सेल नहीं की गई है लेकिन अगर प्रॉपर्टी सेल की कर दी गई है तो उस प्रॉपर्टी के सेल प्रोसीज हम उस पर्सन को दे देंगे जो कि अपियर हो रहा है दो साल के अंदर अंदर नेक्स्ट इज अपील फ्रॉम दिया था था किस चीज़ के लिए application दिया था? कि सर ये ये जो आप property को सेल कर रहे हैं ये ना कीजिए टू डिलीवर ऑफ द सेल तो आप अपील फाइल कर सकते हैं उस कोर्ट में जहां पे ऑर्डिनरली हमारी अपील लाई करती है फ्रॉम द सेंटेंस क्लियर है क्या ओके okay. चलिए Uh, yes, 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 सेवन क्या बोल रहा है नाइनटी वन से लेके वन जीरो वन जीरो फाइव डील करेंगे चार चीजें यहां पे भी हो रही यहां पे भी समन हो रहा है यहां पर भी वॉरेंट हो रहा है जनरल प्रोविजन बता रखे सर्च के अनमिस्लिनियस बता रखे समन में क्या कर सकते हो, फिर सर्च के में, 94 में बोला प्लेस का सर्च 94 में बोला कि न्यूज़पेपर और बुक्स जो कि जो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया और अगर आपको सेटिसाइड करना है वो ऑर्डर तो 96 में चाहिए 97 में वो पर्सन जिसको हमने रॉन्गफुली डिटेन कर लिया गया है एंड 98 में टू कंपेल दी रेस्टोरेशन 108 स्लाइड्स हो चुकी है कंप्लीट

ये टेलीग्राम अथॉरिटी के बारे में बात कर रहा है सेक्शन नंबर नाइनटी टू एब्रीवेशन में खुद ही भूल जाती हूँ ओके लेटर्स पोस्ट और टेलीग्राफ ठीक है पार्सल और दे रखा है डॉक्यूमेंट पार्सल और थिंग डॉक्यूमेंट पार्सल और थिंग जो कि किसके कस्टडी में पोस्टल या टेलीग्राफ अथॉरिटी में है टू प्रोड्यूस ऐसा डॉक्यूमेंट ऐसा पोस्टल रूल सॉरी एस, ऐसा पोस्ट या ऐसा टेलीग्राफ जो कि किसके कस्टडी में है आपके पोस्टल या टेलीग्राफ अथॉरिटी के कस्टडी में है तो वो ऐसे ऐसे आप नहीं उसको निकलवा सकते ऐसे आप उसको नहीं मंगवा सकते हैं क्योंकि क्योंकि ये वाला पॉइंट क्या है यहाँ पे तो कौन कर रहा है यहां पे हमारा कोर्ट या आयोग कर रहा है लेकिन यहाँ पे डीएम सी जे एम कोर्ट ऑफ सेशन या हाईकोर्ट अच्छे से बड़ा बड़ा लिख लेती हूँ डीएम सी जे एम कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट अगर बोलेंगे तो ही आप सेक्शन नंबर 92 में ये डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकते हैं किसको करेंगे पोस्टर टेलीग्राफ अथॉरिटी को फॉरवर्ड इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल अरे 435, 33 भी हो जाएंगे सुमिता जी क्योंकि 484 जो सेक्शन से अभी के सीआरपीसी के उनमें से ए बी सी डी फलाना डिमकाना सब हटा दिया है सॉरी सब कुछ हटा दिया गया है एंड सेक्शन नंबर फाइव तक आपके जो न्यू लॉज है उसमें ऑन कर दिया गया अंडरस्टूड तो ऐसा नहीं है कि कुछ कम था हमारे फोर एटी में फोर में बहुत सारे

या तो कोर्ट को यह नहीं पता कि किसके कब्जे में किसके पोजिशन में एक्जैक्टली हमारा वो प्रॉपर्टी है या कोर्ट ये बिलीव करता है कि इंक्वायरी या ट्रायल विल बी सर्वड बाय सर्च और इंस्पेक्शन क्या लग रहा है कोर्ट को ये लग रहा है कि इंक्वायरी या ट्रायल सर्व सर हो जाएगी ऐसे हमारे सर्च वारंट से तो क्या करेगा सर्च वारंट इशू करेंगे टू एनी पर्सन और यहाँ सेक्शन हंड्रेड अप्लाई होगा सर्च फॉर वर्ड नाइनटी में बोला हम ऐसी प्लेस को सर्च करेंगे जहां में सस्पेक्शन है सेल ऑफ एनी सस्पिशियस स्टोलन प्रॉपर्टी सेल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी है सेक्शन नंबर नाइनटी फोर यस हमें ऐसा लग रहा है कि वहां पे कोई स्टोलन प्रॉपर्टी है या फिर वहां पे क्या है स्टूडेंट्स डिपोजिट है सेल है और प्रोडक्शन है किसी ऑब्जेक्शनेबल एक्ट का किसी भी कोई भी ऑब्जेक्शनेबल एक्ट है ऐसी कोई चीज वहां पे पड़ी है तो डिस्ट्रिक्ट एसडीएम या जेएमएफसी बहुत अच्छे से नाम सारे के सारे के याद होने चाहिए आपको डीएम एसडीएम या जेएमएफसी क्या कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन रिसीव होते ही अथॉरिटी को बोल सकते हैं दैट इज पुलिस ऑफिसर अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल को जाइए वो जगह को आप बढ़िया से ढूंढ के आइए मतलब उस जगह पे जाके तलाशी लो देखो ये चीजें हैं कि नहीं है टू सर्च वट न्यूज पेपर बुक्स और डॉक्यूमेंट कोई भी ऐसे न्यूज पेपर बुक्स और डॉक्यूमेंट को हम सर्च कर सकते हैं लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का पावर है कि वो डिक्लेयर कर सकते हैं किन चीजों के फोर फीचर को इन सारी चीजों के फोर फीचर को बोल सकते हैं कि सारी चीजें फोर फीटेड है जब दे कंटेन द मैटरेशन पनिशेबल अंडर सेक्शन वन ट्वेंटी फोर ए वन फिफ्टी फोर ए ए 154 बी 292 293 295 आईपीसी एंड पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है उन सारी चीजों को सीज कर सकता है एंड मजिस्ट्रेट में इशू सर्च वारंट अगर स्टेट गवर्नमेंट ये सारी चीजों का बैन कर दे फॉरफीट कर दे इन चीजों को और अगर पुलिस ऑफिसर को लगे ऐसी कोई चीज है तो उस चीज के लिए सर्च किया जा सकता है एंड जब भी कोई पर्सन ऐसे सर्च से एग्रीव्ड है कि भाई ऐसा कोई मटेरियल नहीं है ये जो लेके गए हैं ये एकदम सही मटेरियल है ऐसा ये कोई भी ऑब्जेक्शनेबल मेटीरियल नहीं है तो वह एप्लीकेशन कहां देंगे नाइनटी में देंगे हाईकोर्ट को 94 में बेसिक हम प्लेस को सर्च कर रहे हैं 95 में न्यूज़पेपर बुक्स एंड किसको कर रहे हैं स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट को कर रहे हैं और हम क्या करेंगे ऐसा एग्रीव है हम तो एप्लीकेशन दे सकते हैं हाई कोर्ट को बाय एनी पर्सन हैविंग हैविंग दी दी इंटरेस्ट विद इन टू मंथ्स जिस दिन से ऐसा वो लोग आइटम सीज करके लेके गए वहां से टू मंथ्स के अंदर अंदर आपको क्या करना है एप्लीकेशन फाइल करना है एंड एप्लीकेशन बी हर्ड कितने जजेस द्वारा थ्री और मोर जजेस द्वारा या फिर तीन से कम है तो तो आपको उस केस में देखना है कि कौन से जजेस जो हैं, कितने जजेस यहां पे आपका केस की सुनवाई करेंगे Moving on to section number 97 जो ये बोलता है, है। है, अगर कोई भी person wrongfully detained है, तो वहां पे एसडीएम या जुडिशियल फर्स्ट क्लास क्या कर सकते हैं की तरह उस चीज़ को यूज करके यहाँ पे सर्च करवा सकते हैं किसी प्लेस को एंड ऐसी कोई भी फीमेल अपडक्टेड फीमेल है कोई भी टेड फीमेल है जब वो मिल गई है तो उसको रिस्टोर कहां करेंगे उसको रिस्टोर करेंगे या तो लिबर्टी अगर वो मेजर है तो उसको छोड़ देंगे अगर वो 18 से कम है माइनर है तो हस्बैंड पेरेंट्स या गार्डियंस के पास उसको वापस हम भेज देंगे लेकिन पावर किसके पास है अपडेक्टेड फीमेल को रिस्टोर करने के लिए डीएम डीएमएसडीएमएम जेएमएफसी सेम जैसे इधर था ओके okay? क्लियर है

2103 एंड 104 102 बोल रहा है पुलिस ऑफिसर के पास पावर है वो सीज कर सकता है कोई भी ऐसा मटेरियल जो उसको लगे कि भाई सही नहीं है रिपोर्ट करेगा मजिस्ट्रेट को कि जो मटेरियल उन्होंने सीज किया है वो वहां तक कोर्ट तक क्या नहीं कर सकते ट्रांसमिट नहीं कर सकते ना ही उनके पास प्रॉपर कस्टडी है उस मटेरियल को अच्छे से <coughs> अच्छे से रखने के लिए। as well as, वो तो तो अगर या का है है, और की बिलो रुपीस है, तो उसको इमीडिएटली सेल कर सकते हैं ऑल्सो अगर पर्सन है, पता ही नहीं है हमें कि इस का, का, प्रॉपर्टी का जो ओनर है वो कौन है तो इट कैन बी सोल्ड बाय इट कैन बी सोल्ड बाय ऑप्शन Under the order of SP, ये है. है? का order लगेगा यहाँ पे और हम इसको sell कर सकते हैं. 103 में क्या बोला मेजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो डायरेक्ट कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर प्लेस को सर्च उनके प्रेजेंस में ही किया जाए 104 ये बोल रहा है पावर है कोर्ट के पास इंपाउंडिंग यस yes, बताओ सीपीसी का ऑर्डर यस पीपीटी मिल जाएगी बिल्कुल मिल जाएगी पावर ऑफ कोर्ट टू इंपाउंड एनी डॉक्यूमेंट और थिंग जो कि उनके सामने प्रोड्यूस किए गए उसको जब्त कर सकते हैं वन जीरो फोर रेसिप्रोकल अरेन्जमेंट रिगार्डिंग प्रोसेस के बारे में बताता है जो अभी हाल फिलहाल हमारे लिए जरूरी नहीं है चलिए उसके बाद हम चलेंगे सिक्योरिटीज का एक चार्ट पढ़ेंगे बताओ स्टूडेंट्स यस yes. <laughs> मैं ये ऑलरेडी बोल चुकी हूं स्टूडेंट्स कि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जितने भी वन शॉट्स लिए हैं आप आराम से पीडब्ल्यू लॉ वाला टेलीग्राम चैनल पे जाके पीडब्ल्यू लॉ वाला जुडिशरी टेलीग्राम पे जाके आप पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है क्लियर है स्टूडेंट्स चलो विदुषी जी लेट्स वन जो डील करता है सिक्योरिटीज फॉर कीपिंग पीस एंड बिहेवियर काफी महत्वपूर्ण तो चैप्टर है। अब देखो, सिक्योरिटी 106 से 110, प्रोसीजर 112 से 115, inquiry 116 से 120, 121 से लेके 124 किससे डील करता है स्टूडेंट्स पावर्स ऑफ द कोर्ट से डील करता है चलो अब हिंदी एंड इंग्लिश की मैं प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगी मुझे ग्रुप पे प्लीज थोड़ा मुझे याद दिलाना और कोई स्टूडेंट लेट नाइट को मुझे याद दिला दिया करो दोपहर तो में आई एम लिटिल बिट ऑक्यूपाइड तो मुझे सुधी नहीं रहती है तो आप मुझे स्टूडेंट्स थोड़ा सा लेट नाइट में कोई स्टूडेंट अवेलेबल हो तो मेरे को लेट नाइट में कोई मैसेज ड्रॉप कर दो तो मैं आपको जो है आपकी जो प्ले है वो देख के शेयर कर दूंगी ठीक है क्लियर है चलो ओके okay. चलो आगे सुनो ओके डेफिनेटली विदुषी जी अब सुनो सेक्शन नंबर 106 क्या बोलता है अगर किसी का कन्विक्शन हो गया और फिर हमें उसे कीपिंग पीस के लिए सिक्योरिटी लेनी है तो कौन ले सकता है पहले ये देखो सिक्योरिटी ली कब जाएगी व्हेन ही इज कन्टेडिक्टेड ऑफ व्हेन व्हेन ही ही इज इज ये लो ऑफ ऑफेंस अंडर 106 सब सेक्शन 2 में जो लिस्ट दे रखी है उन ऑफेंसेस के लिए है या फिर या फिर एग्जीक्यूट बॉन्ड करवाया जा सकता है विद और विदाउट विदाउटरिटी या फिर हम क्या कर सकते हैं साथ ही साथ उसका कन्विक्शन सेटासाइड कर सकते हैं इन सारे ही केसेस में कोर्ट ऑफ सेशन जुडिशियल मैसेज फर्स्ट क्लास एपलेट कोर्ट एंड रिवीज़नल कोर्ट तीन साल के लिए सिक्योरिटी लेगा ध्यान रखना बाकी सब में वन 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 ईयर है फर्स्ट एंड लास्ट में तीन साल है सेकेंड है 107 में, अगर कीपिंग पीस फॉर अदर केसेस वहां कन्विक्शन के लिए 106 में सेवन में अदर केसेस के लिए है जहां पे ब्रीच ऑफ पीस हुआ है डिस्टरबेंस ऑफ पब्लिक ट्रैंक्विलिटी हुआ है रॉन्गफुल एक्ट है एंड कॉज ऑफ ब्रीच ऑफ पीस है देन दैट केस ऑर्डर ऑफ ऑर्डर बाय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एक साल 108 में क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स गुड बिहेवियर के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं

इलेवन क्या बोलता है ये जितने भी ऑर्डर वन जीरो सेवन एट नाइन एंड टेन में ये सब किस में होंगे राइटिंग में होने वाले हैं ये सभी ऑर्डर्स ठीक है क्लियर ओके आगे 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 डील करें अब सुनो प्रोसीजर वेन पर्सन पर्सन फॉर होम ऑर्डर इज टू बी पास्ड इज क्या प्रोसीजर अपनानी है हमें

एक तो वो क्या नहीं है कस्टडी में भी नहीं है दूसरा कि भाई घातक व्यक्ति है इसको ऐसे तो नहीं बुला सकते तो उसके लिए अरेस्ट वारंट जारी कर देंगे ठीक है क्लियर है 115 में क्या बोला मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो चाहे तो पर्सनल अटेंडेंस डिस्पेंस कर सकते हैं इस पर्सन की जिसको हम सिक्योरिटी देने के लिए बोल रहे हैं हंड्रेड में बोल रहे हैं कॉपी ऑफ ऑर्डर किसके साथ कंपनी किया जाएगा जब भी आप कॉपी ऑफ ऑर्डर दे रहे हो हंड्रेड में यहाँ पे उस पर्सन को समन करने के लिए या वॉरेंट के लिए तो वहां पे कॉपी ऑफ ऑर्डर भी रहेगा कि भाई तुम्हारे अगेंस्ट ये ये ऑर्डर हम पारित करना चाह रहे हैं ठीक है क्लियर है चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड दैट इज अब इस मामले में इंक्वायरी भी होगी है ना इंक्वायरी भी होगी हंड्रेड एंड सिक्सटीन यह बोलता है इंक्वायरी एज टू द ट्रूथ ऑफ इंफॉर्मेशन करेगा कौन मैजिस्ट्रेट करेगा कब करेगा जब 111, 12 और 13 में ऑर्डर पास किया जा रहा है 112 में जब पर्सन क्या हो जाता है स्टूडेंट्स अभी प्रेजेंट है 113 में जब वो प्रेजेंट नहीं है तो मेजिस्ट्रेट क्या करेंगे स्टूडेंट्स? यहाँ पे इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे सेम एज कंडक्टिंग द ट्रायल और रिकॉर्डिंग दी एविडेंसिस इन समन केस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट किस तरीके से यहां पे इंक्वायरी कंडक्ट की जाएगी सेम वैसे ही जैसे हम इंक्वायरी कंडक्ट करते हैं इंक्वायरी और रिकॉर्डिंग करते हैं एविडेंसेस का इन द केस ऑफ समन केस क्लियर है ओके okay, क्या हुआ अंजलि जी बताइए अब देखो आफ्टर इंक्वायरी एंड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी मैजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं मैजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं मैजिस्ट्रेट मे मेक पर्सन टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड या तो बोलेंगे भाई एग्जीक्यूट करो बॉन्ड जब तक इंक्वायरी कंक्लूड नहीं हो जाती या बोलेंगे चलो जेल में उनको क्या बोलेंगे डिटेन है जब तक बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं करोगे तब तक हम डिटेल उसको क्या कर लेंगे उसको डिटेन कर लेंगे ड्यूरेशन कितना रहेगा 6 मंथ्स का रहेगा व्हेन द पर्सन क्या कर रहा है ब्रीच ऑफ पीस कर रहा है डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक ट्रांकुलिटी है या फिर पब्लिक सेफ्टी के लिए थोड़ा हार्मफुल लग रहा है उस पर्सन का बाहर रहना कि भाई हमको पता नहीं है अभी इससे सिक्योरिटी दिलवाए या नहीं दिलवाए और अभी उसके अगेंस्ट इंक्वायरी चल रही है तो उस मामले में हम क्या कर सकते हैं या तो उसको बोलेंगे बॉन्ड एग्जीक्यूट करो और थोड़ी देर के लिए रिलीज कर देंगे या फिर उसको डिटेन कर लेंगे हम अपनी कस्टडी में ठीक है है इफ द इंक्वायरी इज अगर ये proof हो गया कि जी तुम्हारा ऑफेंस माना जाता है और तुमको यहाँ पे गुड बिहेवियर एंड कीपिंग पीस के लिए यहाँ पे ऐसा ऑर्डर पारित करना तुम्हारे लिए जरूरी है तब तो वो ऑर्डर पास हो जाएगा लेकिन लग रहा है इट इज नॉट नेसेसरी तो फिर वो ऑर्डर पास नहीं होगा नेक्स्ट बोल रहा है ऑफ द पीरियड जब हम उस टाइम पीरियड को कैलकुलेट करेंगे किसकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स 119, 119 में क्या बोल रहा है कमेंसमेंट ऑफ द पीरियड आपका एग्जैक्टली पीरियड स्टार्ट कब से होगा वह आपके सिक्योरिटी का अंडर सेक्शन हंड्रेड एंड सिक्स एन हंड्रेड एंड सेवन यह बोल रहा है एक्सपायरी ऑफ द सेंटेंस अंडर गोइंग सेंटेंस एंड डेट ऑफ ऑर्डर इन अदर केसेस जहां आपको सेंटेंस मिल गया है ऑलरेडी सेंटेंस को अंडर गो कर रहा है तो जब वो सेंटेंस खत्म हो जाता है तब एंड दूसरे केसेस में फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर जहां पर वो अंडर गो नहीं कर रहा है जिस दिन आपका ऑर्डर आ जाता है उस दिन से जितने भी टाइम पेरियड तक के लिए आपको वो बॉन्ड एग्जीक्यूट करने को बोला है उतने टाइम तक के लिए आपको वो क्या करना है उस बॉन्ड की जो भी शर्तें हैं वो निभानी है ठीक है क्लियर है चलो

जो पर्सन फेल हो जाता है सिक्योरिटी देने में तो हम क्या करते हैं उसे बॉन्ड एग्जीक्यूट करा के उसको बाद में रिलीज भी कर देते हैं इंप्रेजनमेंट से अब जरूरी यह है कि आपको इस मामले में स्टूडेंट्स नेचर देखना है. 122 में आपको नेचर बहुत अच्छे से देखना है जो ये कह रहा है कि जब भी इंप्रेजनमेंट हो रहा है किसी पर्सन का तो उसका नेचर कैसा है अगर आपने उसको बोला था कि कीपिंग पीस के लिए आपको सिक्योरिटी देनी है तो अगर वो नहीं देता है तो 106 एंड 107 में स्टूडेंट्स हमें क्या करना है सिंपल इंप्रेजनमेंट के लिए हम उसको भेजेंगे लेकिन <coughs> अगर गुड पीस की सिक्योरिटी थी तो उस मामले में जहां 108 में था तो हम उसको सिंपल इंप्रेजनमेंट देंगे 109 एंड 110 इज सस्पेक्टेड एंड एंडल ऑफेंडर के मामले में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स सिंपल या रिग्रेस इंप्रेजनमेंट दे देंगे ठीक है क्लियर है अंडरस्टूड चलो आगे चलेंगे स्टूडेंट्स आ जाओ जाओगे दैट इज रिलीज ऑफ एन पर्सन ओके रिलीज ऑफ द पर्सन इंप्रिजनमेंट ऑन फेलियर टू गिव द सिक्योरिटी जो पर्सन क्या नहीं करे स्टूडेंट्स सिक्योरिटी नहीं दे पाए तो हम उसको क्या करेंगे रिलीज भी कर देंगे करेंगे करके उस पर्सन को रिलीज करेगा अब देखो आगे हाईकोर्ट कोर्ट ऑफ से जुडिशियल फर्स्ट क्लास या डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं क्या कर सकते हैं वो सिक्योरिटी का अमाउंट रिड्यूस कर सकते हैं नंबर ऑफ श्योरिटीज के बारे में बता सकते हैं टाइम ड्यूरेशन बता सकते हैं कितने टाइम पीरियड तक के लिए वो ऑर्डर कंटिन्यू रहेगा आगे सुनो। उसमें है। क्या शर्त लगाई जा सकती है स्टेट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब द कंडीशन फॉर फॉर दी कंडीशन फॉर दॉर कैंसिलेशन ऑफ द ऑर्डर ओके लेट्स कम टू सबसेक्शन फोर वन ट्वेंटी थ्री का स्टूडेंट सबसेक्शन फोर ओके कंडीशन बताया जा सकता है जिन ग्राउंड्स पे हम उस ऑर्डर को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स डिस्चार्ज कर सकते हैं कैंसिलेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द डिस्चार्ज बिल्कुल हो सकता है अगर नॉन कंप्लायंस किया अगर नॉन कम्प्लायस किया तो वो ऑर्डर तुरंत प्रभाव से कैंसिल हो सकता है जो पर्सन अरेस्ट कर सकते हैं उस पर्सन को विदाउट वारंट एंड प्रोड्यूस बिफोर द डीएम और सीजीएम क्यों भाई तुमने ऑर्डर की पालना नहीं की ना तो हो जाओ अब अरेस्ट उसके बाद उसको रिमांड पे भेजेंगे कितने टाइम तक के लिए अंटिल सिक्योरिटी गिवन इन अकॉर्डेंस विदिजनल ऑर्डर जो ओरिजिनल ऑर्डर था उसके तहत जो आपको सिक्योरिटी देने को बोला था की वैसी सिक्योरिटी नहीं देते हो तब तक आपको रिमांड पे भेजा जाएगा रिलीज कर दिया जाएगा रिमांड पर से अगर आपने सिक्योरिटी दे दी तो हाई कोर्ट और कैंसिलेशन ऑफ द बोर्ड टू द कोर्ट ठीक है क्लियर है बराबर अंडरस्टूड तो ये कुछ प्रोविजन जो हमने सब को करते हुए क्या, -क्या है? इनको शॉर्ट कर दिया है ठीक है ओके okay. आगे चलेंगे स्टूडेंट्स वन ट्वेंटी फोर क्या बोल रहा है 124 अच्छे से सुनेंगे सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है ना आई के नॉट सी द वन 124 फोर बोल रहा है 121, 3, और 123, 10. ये देखो, यहाँ पे समन मिल रहा है एक तो यहां पे समन मिल रहा है और एक यहां पे समन मिल रहा है ठीक है तब क्या हो रहा है

इसके बाद जो चैप्टर आता था दैट इज चैप्टर नंबर नाइन मेंटेनेंस हम ऑलरेडी स्टार्टिंग में डील कर चुके हैं यहां पे आता है हमारा चैप्टर नंबर थर्टी थ्री सेक्शन फोर थर्टी सिक्स टू लेके फोर फिफ्टी दट इज बेल एंड बॉन्ड बेल एंड बॉन्ड जनरल प्रोविजन फोर थर्टी थर्टी सेवन ए एंड फोर फिफ्टी ए फिर स्पेसिफिक बेल दैट इज एन बेलेबल ऑफेंस नॉन बेलेबल ऑफेंस एंड एंटीसिपेटरी बेल के बारे में बात करेंगे फिर बॉन्ड के बारे में बात करेंगे दैट इज माइनर के मामले में और ये सारी चीजें हम डील करेंगे जो इंपॉर्टेंट चीज रहेगी उसको कवर अप करते जाएंगे ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस कौन साबल ने फर्स्ट शेड्यूल और एनी अदर लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स एंड रेस्ट ऑल ऑफ दर सेट टू बॉन अवेलेबल तो बेलेबल ऑफेंस की बेल कहा मैटर ऑफ राइट जो कहता है कोट शेल क्या बोल रखे स्टूडेंट्स कोर्ट शेल गिव देश एंड अगर एक वीक के अंदर अंदर पर्सन क्या नहीं कर पाता है स्टूडेंट्स बेल के लिए जो भी कंडीशन है उनको कंप्लाई नहीं कर पाता दिख नहीं रहा है कि वो रेडी है तो उस मामले में उसको इंटेंजेंट पर्सन घोषित कर दिया जाएगा एंड पुलिस ऑफिसर पुलिस ऑफिसर या कोर्ट के द्वारा उस पर्सन को इंटेंजेंट घोषित कर दिया जाएगा नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑफ द द कंडीशन बेल देन कोर्ट कंप्लायस रिफ्यूज यू टू गिव द बेल क्लियर है नॉन बेलेबल ऑफेंस फोर में मिलता है कौन दे सकता है कोर्ट में अदर देन हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन कोर्ट में दैट इज अदर देन हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन क्या कर सकता है नॉन बेलेबल ऑफेंस के मामले में बेल दे सकता है प्रोवाइडेड ऑफेंस डेथ या एल से पानीशेबल नहीं होना चाहिए कॉग्निजेबल ऑफेंस है एंड प्रीवियस कन्विक्शन है तो भी नहीं मिलेगी

कौन से मामले में स्टूडेंट्स अगर उसने डेथ या एल का ऑफेंस किया है तो हम उसको रिलीज कर सकते हैं अगर अगर वो 16 बिलो है है सिखी है है क्लियर है 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 ठीक क्लियर बाकी सारे मामले में स्टूडेंट्स जो भी हमारा कोर्ट उसको रिलीज कर रहा है, तो जस्ट एंड प्रॉपर ग्राउंड्स अगर लगता है तो यहाँ पे क्या किया जा सकता है यहाँ पे रिलीज किया जा सकता है ठीक है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में सॉरी नॉन अवेलेबल ऑफेंस में कभी भी मॉडिफाई uh, किंग हमारा पुलिस ऑफिसर बेल नहीं दे सकता है कॉग्निजेबल ऑफेंस में दी जा सकती है क्लियर है आगे चले

किसके लिए होती है नॉन अवेलेबल ऑफेंसिस के लिए ही मिलती है और देता कौन है हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन देता है जहां एक पर्सन को ये एप्रीहेंशन है कि मैं अरेस्ट हो जाऊंगा या फिर मेरे अगेंस्ट नॉन अवेलेबल ऑफेंसेस के चार्जेस लग सकते हैं एंड आफ्टर कंसीडरिंग द नेचर एंड द ग्रेविटी ऑफ अक्यूजेशन प्रीवियस कन्विशन फ्लाइंग फ्रॉम द जस्टिस ह्यूमिलिएट ह्यूमिलिएट एप्लीकेंट एंड ये सारी चीजें कंसिडर करने के बाद कोर्ट को अगर उचित लगता है कि यस एंटीसिपेटरी बिल अग्रिम जमानत देनी आवश्यक है तो वहां पे दी जा सकती है नोटिस नोटिस टू को दिया जाएगा कि सात दिन में अपियर हो जाइए और बताइए इस पर्सन को बेल दे या नहीं एंड कोई भी एंटीसिपेटरी बेल सेक्शन थ्री सेवन ए बी डी ए एंड डी बी में किसी भी सूरत में नहीं मिलने वाली है ठीक है जनरल प्रोविजंस क्या है 436 में मैक्सिमम पीरियड अंडर ट्रायल प्रिजनर कितने टाइम तक के लिए प्रेजमेंट पे रख सकते हैं उसको जिसकी अभी भी ट्रायल कंडक्ट हो रही है 436 वो ए बोलता है हाफ ऑफ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ द पनिशमेंट जो आपका मैक्सिमम पनिशमेंट है उसके हाफ टाइम तक के लिए आप क्या कर सकते हैं उसको इंप्रिजनमेंट पे रख सकते हैं 437 ये बोल रहा है बेल टू रिक्वायर अक्यूज टू अपियर बिफोर नेक्स्ट एपलेट कोर्ट फोर ए बोल रहा है कि हम अक्यूज पर्सन से इस ग्राउंड पे इस ग्राउंड पे उससे क्या कर सकते हैं बेल दे सकते हैं कि भाई जो हमारा नेक्स्ट एपलेट कोर्ट होगा आप उसमें अपियर होने वाले हो When? Before the conclusion of the trial, की trial conclude हो उससे पहले and before the disposal of the appeal, तुमको appellate court के सामने क्या होना पड़ेगा appear होना पड़ेगा तब तो तुमको हम bail दे देंगे okay? Duration of the bond कितना रहेगा students? सिक्स months का ये duration रहने वाला है ठीक है clear है Next is 440, that is amount of the bond कितना रहेगा and duration कितना रहेगा Amount of bond क्या नहीं रहेगा students? Excessive नहीं रहेगा Can I connect section number 63 of of ईपीसी विच से फाइन कभी भी एक्सेसिव नहीं होगा यस और नो फाइन आप लगा दीजिए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन फाइन कैसा नहीं होगा स्टूडेंट्स फाइन शैल नॉट बी एक्सेसिव ओके क्लियर है नेक्स्ट रिडक्शन अगर करना है उस पर्टिकुलर बेल में दिए गए अमाउंट का तो वो हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन ही कर सकता है ठीक है चलेंगे अब कॉन्गेंस पर किसपे चलेंगे स्टूडेंट्स कांगनीजेंस के मामले पर चलेंगे अरेस्ट हो गया बेल हो गया अब लेंगे हम क्या अब हम मामला लेंगे कॉग्नसेंस का ठीक है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हुई थी और चार्जशीट भी फाइल कर दी गई कॉग्निसग्नजेंस दैट इज नंबर, बताओ फटाफट -फड़ से चैप्टर नंबर कौन सा है चैप्टर नंबर फोर्टीन येस और नो थर्टीन में जोरिस्डिक्शन डील करके आए थे अब देखो सेक्शन नंबर 190 से लेके 199 तक क्या बोल रहा है कॉग्निजेंस एप्लीकेशन ऑफ द माइंड और दी मैं कहूं जुडिशियल माइंड बिफोर टेकिंग दी बिफोर टेकिंग दी कॉग्निजेंस ऑफ द मैटर ये देखना है कि क्या वाकई में कोई पर्टिकुलर ऑफेंस वहां बन रहा है या नहीं बन रहा है प्राइम ऑफेसी केस है या नहीं है ठीक है

थर्ड पॉइंट इज इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी पर्सन नॉट पुलिस ऑफिसर पुलिस ऑफिसर नहीं कोई और पर्सन से अगर इंफॉर्मेशन रिसीव हो तो एंड ओन नॉलेज दैट इज सो मोटो और नो सो मोटो सेल्फ टेकिंग द विदाउट दी एनी विदाउट यू नो इन्फॉर्मेशन एफ आई आर कंप्लेन अपने आप से कोर्ट कांग्नेजेंस ले सकता है ये चीज ध्यान रखनी है आपको ए बी सी इज इट क्लियर येस और नो यस और नो बराबर चलो अगर ये बराबर है तो अब आगे चलेंगे और देखेंगे ट्रांसफर ऑफ द केसेस सेक्शन नंबर 191 क्या बोल रहा है हो जाएगा हो जाएगा शिवांश जी अभी अभी कर रहे हैं देखो आप फटाफट फटाफट फट करेंगे सुनो ट्रांसफर ऑफ द केसेस ट्रांसफर ऑफ केस में क्या बोल रहा है 191 में हम केस को ट्रांसफर कर सकते हैं कब जब हमें एप्लीकेंट ये बोले अक्यूज बोले एप्लीकेशन दे अक्यूज बिफोर द एविडेंसेस टेकन ट्रांसफर टू द मैजिस्ट्रेट एज़

जब हम कोई बात नहीं प्रीते जी क्या फर्क पड़ता है ना मैंने क्या बोला एक स्टूडेंट भी होगा ना क्लास में जेनुअनली पढ़ने वाला मैं तो उसको ही पढ़ा दूंगी ठीक है दो टॉपिक बच्चे कहां से दो टॉपिक बच्चे हैं रेफरेंस रिविजन जजमेंट एग्जीक्यूशन कौन करेगा वो सब कोई नहीं करेगा ना चलो मतलब हम ही करेंगे ना आगे सुनो मेकिंग ओवर ऑफ द केस यहाँ क्या कर रहे हैं ट्रांसफर कर रहे हैं यहाँ क्या कर रहे हैं केस को मेक ओवर कर रहे हैं 192 में क्या बोला आफ्टर देखो ट्रांसफर यहाँ पे क्या हो रहा है किसी अक्यूज के एप्लीकेशन लगाने पे ठीक है यहाँ बोल रहे हैं मेकिंग ओवर मेकिंग ओवर मतलब सेल्फ से कर रहा है कोर्ट ये देखो कब हो रहा है 192 में बोल रहे हैं जब कॉग्निजेंस ले लिया और उसके बाद सीजेएम को लगे कि कोई और पर्टिकुलर कॉम्पिटेंट मेजिस्ट्रेट के द्वारा ये केस ट्राय होना चाहिए था तो यहां पे कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट को हम केस ट्रांसफर कर देंगे जुडिशियल फर्स्ट क्लास को लगे कि कोई कॉम्पिटेंट मेजिस्ट्रेट को केस ट्रांसफर करना था वो कर सकते हैं उस मेजिस्ट्रेट को जो कि हमारा स्पेसिफाई करें फॉर वॉट फॉर इंक्वायरी और ट्रायल फॉर इंक्वायरी और ट्रायल तो सीजेम सॉरी से नहीं कनेक्ट करना था वन नाइन टू में जहां पर सीजेम आगे ट्रांसफर कर रहे हैं वहीं पे फोर हंड्रेड टेन पे सीजेम एंड जुडिशियल विद्रॉ कर सकते हैं कौन ट्रांसफर कर रहा है या तो सेशन जज या कोर्ट ट्रांसफर कर सकते हैं किसको ट्रांसफर कर सकते हैं एडिशनल सेशन जज या असिस्टेंट को ट्रांसफर कर सकते हैं और जब हम वन थ्री में बात

कब तक नहीं लेगा जब तक कि द केस हैज बीन कमिटेड टू इट बाय द मैजिस्ट्रेट जब तक मैजिस्ट्रेट केस ना ट्रांसफर कर दे और मैजिस्ट्रेट कहां करता है स्टूडेंट्स मैजिस्ट्रेट 193 में बोला कोर्ट ऑफ सेशन जस्ट स्टॉप यू कैन नॉट टेक द कांग्रेस आप रुको आपको मैजिस्ट्रेट जब केस कमिट करेगा तभी और केस का कमिटल कहां होता है केस का कमिटल होता है 209 में केस का कमिटमेंट होता है 209 में और वो कौन से सेक्शन से फॉर एग्जांपल सेक्शन नंबर 199

मजिस्ट्रेट मतलब मजिस्ट्रेट के सामने लेके आया जाता है तब क्या किया जाएगा हमारा मजिस्ट्रेट उसको कोर्ट ऑफ़ सेशन के सामने भेज देगा डायरेक्टली नहीं लिया जाएगा जब तक ये एक्सेप्शन वाली चीजें फुलफिल ना हो जाए सबसे पहले बोला जा रहा है अगर हमें किसका प्रोसिक्यूशन चलाना स्टूडेंट्स टेंट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट कोई भी पब्लिक जस्टिस है या ऑफेंस रिलेटेड डॉक्यूमेंट एंड एविडेंसिस जब तक की कोई रिटर्न कंप्लेट नहीं आ जाती पब्लिक सर्वेंट के द्वारा तब तक सेकेंड इज प्रोसीजर फॉर विटनेस इन केस ऑफ थ्रेटनिंग हमने वन नाइनटी फाइव ए ऑफ आई पी सी में उसको थ्रेटन किया कि एविडेंस दे लिया तो देख लेना विटनेस बन गया तो देख लेना वहीं पर सेक्शन 198 ए ऑफ़ सीआरपीसी ये कहता है कि जब तक वो विटनेस ऐसी रिटर्न कंप्लेन ना दे दे या उसके बिहार पर्सन ऐसी कंप्लेन ना दे दे तब तक यहां पे कॉग्निज नहीं लिया जाएगा 196 क्या बोलता है अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस है जो कि स्टेट के अगेंस्ट किया गया है या फिर उस ऑफेंस का क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी किया गया है तो वो मैटर तब तक कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा जब तक कि ये चीज ना हो जाए अगर अगर सुनो स्टूडेंट्स, अगर मामला है 153A, 295A, 501A ए ए ए का या फिर इनकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अबेटमेंट भी हुआ है तो ऐसे मामले में हम तब तक

नेक्स्ट इज 197 जजेस या पब्लिक सर्वेंट्स का प्रोसिक्यूशन करना है जब वो ऐसे जज थे या पब्लिक सर्वेंट है एंड कोई भी ऐसा रीजनेबल नॉट रिमूवेबल विदाउट सैक्शन ऑफ द गवर्नमेंट और वो ऐसी पोस्ट पे थे जिनको हम बिना गवर्नमेंट के सेक्शन के रिमूव नहीं कर सकते और उनके ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं कोई भी ऑफेंस कमिट करने के जब वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे इन द डिस्चार्ज ऑफ दी इन द डिस्चार्ज ऑफ द ऑफिशियल ड्यूटी तो उनके अगेंस्ट तब तक कॉग्निजेज नहीं लिया जाएगा जब तक कि हम प्रीवियस सैक्शन ना लेके आ जाए सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का अगर पर्सन इंप्लॉयड है यूनियन अफेयर्स में एंड अगर पर्सन इंप्लॉइड है स्टेट स्टेट अफेयर्स में तो स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन ना ले के किया जाए नो सैंक्शन इन केस ऑफ अगर आपका मान लो जजेस हैं पब्लिक सर्वेंट है माना उन्होंने ऑफेंस किया सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन के बिना कोई कॉग्निसेस नहीं लिया जाएगा लेकिन इस मामले में बिना बिना परमिशन के भी आप कॉग्निसेस लीजिए कौन से मामले हैं 166 ए 166 बी 354 ए से लेकर डी तक 370 75 76 76 के 376 से सारे ऑफेंसेस एंड 509 ऑफ आईपीसी ठीक है तो इस मामले में हमें क्या नहीं चाहिए जजेस एंड पब्लिक सर्वेंट्स के अगेंस्ट कोई ऐसी परमिशन नहीं चाहिए ठीक है क्लियर है आगे सुनो <coughs> आगे सुनो चलो सेक्शन नंबर 198 नाइनटी फॉर द ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज प्रोसिक्यूशन फॉर व्हाट प्रोसिक्यूशन फॉर द ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज अगर मैरिज का ऑफेंस है अंडर चैप्टर नंबर 20 ऑफ आईपीसी तो उस मामले में उस मामले में हम तब तक कॉग्निजेंस नहीं लेंगे जब तक ये चीजें पूरी नहीं हो जाती

हस्बैंड यहां पे केस फाइल करना चाहता है जो कि आर्म्ड ऑफिसर है आर्म्ड फोर्सेस में है आर्म्ड फोर्सेस कौन सी यूनियन की है तो उसके बेसिस पे उसके बिहाफ पे कोई भी ऑथराइज पर्सन जिसको कि हस्बैंड ऑथराइज करे वो वहां पे केस फाइल कर सकता है बिकॉज ऑब्वियसली बात है अपना आर्मी का जॉब छोड़ के वो नहीं आ सकता देशभक्ति का काम है ठीक है अगर कंप्लेनेंट वाइफ है तो तो या तो वो खुद से कंप्लेनेंट बन सकती है या फिर फादर मदर ब्रदर सिस्टर सन डॉटर हो सकते हैं फादर या मदर के ब्रदर या या सिस्टर हो सकते हैं कोई भी आपको की परमिशन लगेगी. उसके बाद ही आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स आप यहां पर कंप्लेन फाइल कर सकते हैं नेक्स्ट इज अगर सेक्शन थ्री रेप का ऑफेंस एलेज किया गया है स्ट दैट इज हस्बेंड के अगेंस्ट एलर्ज किया गया है जो कि वेमेन है डेट ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस ये पॉइंट मार्क करना ठीक है तो यहां पे क्या करना है एक साल के अंदर जिस दिन ऑफेंस कमिट किया गया हस्बैंड के द्वारा अपनी अठारह वर्ष की कम उम्र की वाइफ के साथ बलात्संग का अगर अपराध किया गया है तो एक साल के बाद कभी भी न्यायालय उसका संज्ञान नहीं लेगा ओके okay, चलो आगे चलेंगे स्टूडेंट्स 198 अगर 498 ऑफ आईपीसी 498 ए बताओ फटाफट से लाइव कमेंट सेक्शन में कौन सा ऑफेंस है अगर ये तो हम तभी लेंगे सिस्टर मदर और फादर के ब्रदर या सिस्टर ने या फिर कोई भी पर्सन जो कि ब्लड और ब्लड मैरिज्शन के मामले में आपको कोर्ट की परमिशन चाहिए अगर थ्री सेवेंटी सिक्स बी ऑफ आईपीसी के मामले में

सब सेक्शन वन ये बोलता है कोई भी कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा एक्सेप्ट द कम्प्लेन ऑफ द दीव पर्सन जब तक अग्रीव पर्सन खुद से कंप्लेन नहीं कर देता तब तक यहां ये, ये की खुद की रेप्यूटेशन एंगेज है ठीक है या ना तो बॉडी के अगेंस्ट ऑफेंस है ये ना ही प्रॉपर्टी के अगेंस्ट दिस ऑफेंस इज विध रिस्पेक्ट टू दी विद रिस्पेक्ट टू द रेपेशन अगर पर्सन बिलो एटीन है इनफर्म है है और क्या है साउंड माइंड का नहीं है दैट इज सिक है विमेन है जो कि पर्दा नशी वेन है case, कोई भी और की लीव के साथ यहां पे क्या कर सकता है कंप्लेन फाइल कर सकता है प्रोसीजर कहां दे रखी टू थर्टी सेवन में दे सकती है लेकिन अगर डेफोमेशन प्रेसिडेंट का है वाइस प्रेसिडेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटर है मिनिस्टर्स ऑफ यूटी है यूनियन है या फिर स्टेट्स है या फिर कोई भी पब्लिक सर्वेंट है तो कॉग्निजेंस तब भी लिया जाएगा जब कोर्ट ऑफ़ ही लेगा ये देखो यहां से कनेक्ट करो सेक्शन नंबर 193 का जो पॉइंट लिखा है ना अनलेस एक्सप्रेसली आर अंडर सीआरपीसी और एनी अदर लॉ फॉर टाइमिंग बींग इन फोर्स क्लियर है अब तो माना का सिर्फ एक ही धारा कर है इन्होंने ठीक है आई थिंक थ्री ऐसी कुछ है ओके चलो एंड कोई कॉग्निजेंस तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक कि रिटर्न कंप्लेंट नहीं दे दे कौन पीपी -पी? और पीपी -पी भी कब तक रिटर्न कंप्लेंट नहीं देगा जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट उसको सैंक्शन ना दे दे टाइम फॉर कंप्लेंट कितने टाइम में कंप्लेंट कर सकता है पीपी विद इन द दिक्स मंथ्स ऑफ ऑफेंस एंड कैमरे ट्रायल होगी कैमरा में एंड इस ट्रायल का प्रोसीजर क्या होगा ट्रायल ऑफ वॉरंट केस अदरवाइज ऑन पुलिस रिपोर्ट बिफोर द मजिस्ट्रेट ध्यान रखना पूछा जा सकता है दैट प्रोसिक्यूशन ऑफ वीआईपी दैट इज डेफेमेशन के मामले में वीआईपी डेफेमेशन के मामले में कौन सी प्रोसीजर स्टैब्लिश होगी दैट इज वॉरेंट ट्रायल अदरवाइज ऑन दी पुलिस रिपोर्ट बिफोर द मैजिस्ट्रेट नॉट कोर्ट ऑफ सेशन ओके चलो नेक्स्ट इज 237 प्रोसीजर इन केसेस इंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 1992 क्या प्रोसीजर होगी तो प्रोसीजर के मामले में क्या बोला स्टूडेंट्स वही जो भी हमने बात की है डील कौन करेगा कोर्ट ऑफ सेशन डील करेगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर्सन अक्यूज बी एग्जामिनड एज विटनेस ऑफ द प्रोसीक्यूशन क्या बोला क्या है पर्सन अक्यूज्ड बी एग्जामिनड एज विटनेस ऑफ प्रोसीक्यूशन जिस पर्सन के ऊपर हमने एलिगेशन लगाए कि तुमने वीआईपी डेफोमेशन किया है उसको हम कैसे एग्जामिन करेंगे एग्जामिन करेंगे हम उसको एज विटनेस ऑफ हमारी ट्रायल कैसे चलेगी स्टूडेंट्स दिस विल बी इन कैमरा ट्रायल मतलब कैमरा में ट्रायल चलने वाली है कोई रिस्क ये भी देखो अगर पार्टी डिजायर करे तो अगर पार्टी बोले तो कोई भी रीजनेबल ग्राउंड इफ नो रीजनेबल ग्राउंड फाउंड मान लो मेरे अगेंस एलिगेशन लगाया कि, कि मैम प्रेसिडेंट का डेफेमेशन कर दिया हमने ठीक है मान लो अगर ऐसा लगाया जाता है तो इन दैट केस

तो जो पर्सन ने केस किया कि प्रेसिडेंट का डेफोमेशन कर दिया वो सिविल या क्रिमिनल लाइब्रिलिटी से एग्जाम नहीं हो जाता है कॉम्पनसेशन ऑर्डर के अगेंस्ट अपील किसको होगी हाई कोर्ट को लिख लो कॉम्पनसेशन के अगेंस्ट ऑर्डर अगर गवर्नमेंट को करना है वो करेंगे सीधा के सीधा हाई कोर्ट को कॉम्पनसेशन नॉट टू बी पेड बिफोर कब तक तो कॉम्पनसेशन पे नहीं करेंगे जब तक कि जो अपील देने का टाइम पीरियड था वो प्रेफर वो जो अपील का टाइम पीरियड अलाउड था वो इलाप्स ना हो जाए या फिर जो अपील का टाइम पीरियड था अगर उसमें मैंने अपील प्रेफर कर ली है तो वो अपील डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाती डिसाइड नहीं हो जाती तब तक कॉम्पनसेशन नहीं दिया जाएगा बात करेंगे अब हम स्टूडेंट्स किसकी बताओ चैप्टर नंबर कौन सा है चैप्टर नंबर फिफ्टीन यस और नो आ गए हैं हम चैप्टर नंबर फिफ्टीन पे स्टूडेंट्स यस चैप्टर नंबर फिफ्टीन जहां अब हम डील करेंगे स्टूडेंट्स कंप्लेन टू मजिस्ट्रेट्स, ओके चलो बेरेक्ट का पन्ना किधर गया यस कंप्लेन टू मेजिस्ट्रेट चैप्टर नंबर यस अरे किधर गलत लिखा रे बाबा बताओ रिंकी जी किधर लिखा आपने भी लिखा भी आपने गलत किधर फिफ्टीन तो मैंने लिखा हुआ ही नहीं है सिर्फ सेक्शन नंबर लिखा हुआ है चलो अभी लिख देती हूं मैं आपके लिए ना Okay. To magistrate. Okay. हम तो students क्या कर सकते हैं Complain कर सकते हैं, किसको कर सकते हैं मैजिस्ट्रेट्स को कर सकते हैं बराबर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जब हम कंप्लेन करेंगे magistrate को तो section number 200 क्या बोलता है कि एग्जामिनेशन होगा किसका एग्जामिनेशन होगा पर्सन का एग्जामिनेशन होगा तो देखो यहां पे एग्जामिनेशन किया जाएगा उस मेजिस्ट्रेट द्वारा जो कि कॉग्निजेंस ले रहा है कैसे अपॉन ओथ याद करो यहां पे सेक्शन कौन सा था सेक्शन नंबर 164 कन्फेशन ऑन ओथ नहीं होता है कन्फेशन ऑन ओथ होता है क्या और नो यस स्टेटमेंट ऑन ओथ होता है सेक्शन नंबर 161 वापस आ जाओ सेक्शन नंबर 161 पे हमने क्या बोला था सॉरी वन सिक्सटी यस इट इज 164 सिक्सटी फोर यस स्टेटमेंट इट इज नॉट confession. ठीक है नहीं नहीं बेटा हो जाती है देखो भरवत प्रताप भरवत प्रताप गलती टीचर से भी हो जाती है मैं मानती हूँ कई बार हो जाती है सेक्शन इधर उधर हो जाता है तो कुछ चीजें प्रिज्यूम आप ए, इंप्लाइडली प्रिज्यूम कर सकते हो कि ये डायरेक्ट में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है ठीक है यस स्टेटमेंट ऑन ऑर्थ वेरी गुड तो वहां पे हमने पढ़ा था कि हम क्या करते हैं स्टेटमेंट ऑन ओथ लेते हैं वैसे कि वैसे यहां पे क्या करते हैं जो एग्जामिनेशन किया जा रहा है मजिस्ट्रेट द्वारा कंप्लेन का डायरेक्टली मजिस्ट्रेट के पास गया मतलब मजिस्ट्रेट के पास अगर अपनी कंप्लेन लेके जा रहा है तो यहां पे क्या करेंगे उसको एग्जामिन करेंगे oath पे कि भाई सही बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। प्लस विटनेस को भी जो वहां प्रेजेंट है जो पीछे बैठे हैं इन राइटिंग साइन बाय विटनेस प्लस विटनेस और कौन करेंगे स्टूडेंट्स विटनेस और कंप्लेनेंट साइन करेंगे उस चीज को जो उन्होंने वहां पे बोला है कोई भी एग्जामिनेशन रिक्वायर नहीं होगा कोई भी मामले में सेक्शन 200 बोला एग्जामिनेशन करेंगे लेकिन लास्ट में एंड में जाते जाते बोला कोई भी एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं है अगर

जीरो टू वन जीरो सॉरी टू जीरो बोलता है मेजिस्ट्रेट नॉट कंपेटेंट टू टेक द कॉग्निजेंस अगर आप कंप्लेन लेके ऐसे मेजिस्ट्रेट के सामने गए हो स्टूडेंट्स जिनके पास पावर ही नहीं है कॉग्निजेंस लेने का जिनके पास कॉग्निजेंस लेवर का काग्निजेंस लेने का पावर ही नहीं है तो आप क्या करोगे तो उस मामले में कॉग्निजेंस ये

202, 202 क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स 202 बोल रहा है पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू प्रोसेस इशू प्रोसेस क्या होता है इशू प्रोसेस मतलब होता है स्टूडेंट्स समन्स वारंट प्रोक्लेमेशन अटैचमेंट यही सब होता है हमारा किसमें इशू प्रोसेस में आता है ये बोल रहा है कि हम इशू प्रोसेस को क्या कर सकते हैं पोस्टपोन कर सकते हैं क्यों कर सकते हैं कहां जरूरत पड़ गई तो यहां बोला जा रहा है स्टूडेंट्स यहां ये यह बोला जा रहा है स्टूडेंट्स दैट अगर मेजिस्ट्रेट चाहे जो कि ऑथराइज्ड है कॉग्निजेंस लेने के लिए ऑन कंप्लेंट

स्ट नहीं कर सकते हैं उसके बाद ये डिसाइड करेंगे क्या सफिशिएंट ग्राउंड्स है कि नहीं है अगर पुलिस को लग रहा है कि यस देर आर सफिशिएंट ग्राउंड्स

complainant is where complaint is not made by the court unless the complainant or witnesses have been examined on the oath under section 200 under section 200 jab tak ki complainant and witness ko aapne examine nahi kar liya hai tab tak kya nahi karenge hum aise orders nahi denge clear hai ये थोड़े से points स्टोन अच्छे से पढ़ के जाना है mains के सवाल भी आते हैं यहाँ से और प्रिलिम नदी का सवाल भी आता है वो तो शुक्र मनाओ तुम्हारे JLO में mains का exam नहीं होता है वरना जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन है वो वैसे ही कम हो जाएंगे हैं चलो देखना बेटा जिस दिन आप लोग सेंटर पे जाओगे ना भीड़ देखना उस दिन गजब भीड़ मिलेगी गजब शानदार भीड़ मिलेगी ट्वेंटी सिक्स स्लाइड्स बाकी है किधर ट्वेंटी सिक्स स्लाइड्स बाकी है वन थर्टी फोर हुई है इधर वन थर्टी फोर अभी ठीक है चलो लेट्स सी कब कंप्लीट होती है हमारी स्लाइड्स आगे चलें सुनो अपॉइटेड टू जीरो थ्री टू में हमारे मेजिस्ट्रेट के पास पावर है इन्वेस्टिगेशन इशू प्रोसेस पोस्टोन करने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी का रिजल्ट आ जाएगा और उनको लगता है कोई नहीं है कंप्लेन को डिसमिस किया जा सकता है कंप्लेन डिसमिस है मतलब अगर आपके पास सफिशियंट ग्राउंड होते हैं बाद में तो आप सेकंड कंप्लेन अलाउ की जा सकती है सेकंड कंप्लेन वापस हो टू जीरो फोर सबसेक्शन फोर भी पढ़ेंगे जहां पे हमारी डिसमिसल होती है बिकॉज ऑफ द नॉन पेमेंट ऑफ द फाइन क्लियर है चलो चैप्टर नंबर दैट इज़ लिमिटेशन फॉर टेकिंग लिमिटेशन फॉर सॉरी लिमिटेशन इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर द मेजिस्ट्रेट ठीक है सब जगह होगी सब जगह होगी सब जगह दिखेगी है ना अच्छी खासी भीड़ दिखेगी अक्टूबर में बढ़िया भीड़ गर्मी भी होगी वो चुभती चिल भी गर्मी होगी दो दो एग्जाम होंगे तो आपके ब्रेक भी मिलेगा आपको तो जब ब्रेक मिलेगा तो मेक श्योर करना अपने हताही पंचायती रिश्तेदारी ये सब नहीं करनी है ना दो घंटे बाद मत करना कोई मुंह सुझा ले तो सुझाने देना है ना क्योंकि अपने वहां एग्जाम शुड बी द प्रायोरिटी दो लोगों से डिस्कस करके वहाँ आखिरी दो घंटे या दो मिनट में नॉलेज नहीं बढ़ेगा जो पढ़ लिया पहले पढ़ लिया है उस वक्त अपना एटीट्यूड अपना माइंडसेट बहुत कंट्रोल में रखना नियंत्रण में रखना कोई मिल भी जाए तो पहचानने से इनकार कर देना शक्ल मोड़ लेना मेरी तरह मेरे को कोई दिख जाए एग्जाम हॉल पर अगर ऐसा होता है तो मैं पलट जाती हूँ लास्ट मोमेंट तक आई एम द लास्ट पर्सन टू एंटर इन टू द एग्जामिनेशन हॉल जो लास्ट टाइम होता है ना लास्ट मोमेंट होता है वरना खड़े रहो खड़े रहो खड़े रहो भीड़ में नहीं तो जाके अपने गाड़ी घोड़े में जाके बैठ जाओ पेड़ के नीचे जब लगे कि हाँ सब चल दिए चल दिए आखिरी में जाके बैठ जाओ ठीक है क्लियर है

और वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे डिस्कशन होंगे बड़े भैया दीदी लोग आएंगे सब आएंगे अपने से एक्सपीरियंस लोग भी आएंगे आएंगे तो आएंगे आपको इतना इफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है ठीक है आई स्टिल रिमेंबर हम लोग कौन सा तो एग्ज़ाम दे यस यू जी नेट का हम लोग एग्जाम देने गए थे हम लोग क्या मैं अकेले ही जाती हूँ ना घर वालों के साथ ही जाती हूँ हमेशा आदत रही है मम्मी पापा दोनों छोड़ने आते हैं ठीक है एंड बड़े स्वीट होते हैं वो मम्मी पापा जो तीन घंटे जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाए वहां बैठेंगे और आपको पता भी नहीं कि उस जब जितने टाइम में आप एग्जाम दे रहे हो पीछे कितने कितने मम्मी पापा उसे उन्होंने रिश्तेदारी बना लिए हैं ठीक है एंड ओके तो आई स्टिल रिमेंबर कि हम यूजीसी नेट का जब एग्जाम देने गए थे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे भाई ज्वेलरी पहन के आए बढ़िया एग्जाम पहली बार देने आए हो तुम लोग हैं तुमको पता नहीं है ए आई वी का एग्जाम कभी दिए नहीं हो तो पहले से ध्यान रखो वहां जाके फिर आपको इयर खुलवाएंगे वॉच खुलवाएंगे तो पहले से अपना जो आ, आपका जो भी आ, ड्रेस ड्रेसिंग सेंस होगा या जो भी ड्रेस कोड होगा वैसे पहले से सब पहन के जाओ फिर वहां कोई होता नहीं किसको फोन थमाऊं इयर किसको दूं तो ये सारी चीजें पहले से ध्यान रखो फिर वहां पे अफरा तफरी मच जाएगी ठीक है क्लियर है चलो ओके okay, आगे चलेंगे वहीं सेंटर आते हैं मोस्टली लकी है ठीक है कितने आए एक दो एग्जाम के आए बाकी तो जितने भी कॉलेज टाइम पे जब हमने कॉलेज को टारगेट किया था तो सारे बाहर आए थे सब दिल्ली में दिल्ली या जयपुर और जनरली मेरे सारे मतलब जोधपुर सेंटर होते हुए मांगते हुए जोधपुर नहीं मिले आपको दिल्ली मिल जाए भरी गर्मी में तो फिर उससे बुरा आपका किस्मत क्या ही होगा ठीक है तो बढ़िया आप ध्यान रखें कि जब भी आपका एग्जाम होगा जेलो का स्टूडेंट्स ध्यान रखना कि आरपीएससी के बहुत सारे एग्जाम्स होंगे उस वक्त भर भर के ट्रेन बसेस में भीड़ रहने वाली है तो अपने आने का बंदोबस्त समय पर करना एन मौके पे नहीं आना है जब एग्जाम है उससे छः सात आठ घंटे पहले पहुंच जाना अगर बहुत दूर से आ रहे हो तो ठीक है रात का ट्रैवलिंग का है तो भी जल्दी आना है क्योंकि रात में मान लो भगवान नगर ऐसी कुछ स्थिति हो जाए तो और कौन से कन्वेंस से पकड़ के आ पाओगे ठीक है तो मेक श्योर sure करो कि टाइम पे आओ और जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम देने आ रहे हैं प्लीज अपना एक पर्सन रिलेटिव को जरूर साथ मिलेगा कुछ नहीं होगा दोस्त को ले आओ फ्रेंड को भाई बहन मम्मी पापा किसी को भी ले आओ लेकिन अच्छा रहेगा पॉजिटिव भी फील करोगे ध्यान रखने वाला कोई पर्सन होगा चीजें सामान वगैरह सब कुछ ठीक है एग्जाम के बाद अच्छा फील होगा ओके क्लियर है चलो और बाकी मैं मिल जाऊं तो देख लेना मुझे दे देना अपना सामान ठीक है चलो ओके <coughs>

इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर मजिस्ट्रेट सेक्शन नंबर 204 to 210 आफ्टर कॉग्निजेंस कॉग्निजेंस लेने के बाद मजिस्ट्रेट क्या करेंगे या तो कंप्लेन डिसमिस कर देंगे या फिर वो प्रोसीडिंग को इनिशिएट करेंगे एंड इशू प्रोसेस करेंगे इशू प्रोसेस कहा होता है 204 में होता है लेकिन 202 में क्या करते हैं स्टूडेंट्स हम <coughs>

हाउ टू तो हाउ टू अपियर या तो पर्सन इन पर्सन आ सकता है या प्लीडर को भेज सकता है अगर वो पर्सन प्लीड गिल्टी करना चाहता है विदाउट अपियरिंग तो वो क्या कर सकता है फाइन को ट्रांसमिट कर सकता है या तो पोस्ट के द्वारा मैसेज के द्वारा या फिर प्लीडर के द्वारा अमाउंट ऑफ फाइन कितना होगा मैक्सिमम थाउजेंड रुपीज होगा मैक्सिमम थाउजेंड रुपीज होगा मीनिंग ऑफ पेटी ऑफेंस क्या होता है वो ऑफेंस विच आर पनिशेबल ओनली एंड ओनली अप टू अप टू थाउजेंड रुपीज थाउजेंड रुपीज स्टेट गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड कैन एम्पावर मेजिस्ट्रेट टू यूज सेक्शन 406 इन केस तो अगर आपको यह लगता है कि मैम पेटी ऑफेंस तो सिर्फ वो हुए जो फाइन से है है तो ऐसा नहीं है क्योंकि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो मैजिस्ट्रेट को एम्पावर कर सकता है कि फोर जीरो सिक्स वाली प्रोसीजर आप दो जगह अप्लाई कर सकते हो दैट इज इन केस ऑफ ऑफेंस कंपाउंडेबल अंडर थ्री ट्वेंटी एंड इफ ऑफेंस इज नॉट पनिशेबल मोर देन थ्री इस मामले में क्या हो सकता है हम हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स दे सकते हैं आई मीन टू से हम स्पेशल समन दे सकते हैं like है? okay? जस्ट लाइक है? no तो इन पेटी ऑफेंसेस क्लियर है ओके ठीक है ना पेटी ऑफेंसेस के मामले में क्या नहीं होती कोई अपील भी नहीं होती 253 ने क्या बोला है कि जब पेटी ऑफेंसेस के मामले में अक्यूज प्रेजेंट नहीं है और कन्विक्शन हो जाती है कन्विक्शन हो जाती है तो उसका इफेक्ट क्या होता है वो दे रखा है टू फिफ्टी थ्री में तो वहां पे बोल रहा है प्लीडर से अपियर होकर आप अपना फाइन वगैरह भिजवा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है चलो अब चलेंगे हम कहां पे स्टूडेंट्स आगे

केस ऐसा है जो कि कोर्ट ऑफ सेशन क्या कर सकता है स्टूडेंट्स ट्राई कर सकता है आपको यह ध्यान रखना है स्टूडेंट्स जब जब आप कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइबल केस आपको पता है मजिस्ट्रेट को पता है ऑफेंस कैसा है कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ट्राइबल है तो माना कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ट्राइबल है लेकिन 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 कोर्ट ऑफ सेशन वहां डॉक्यूमेंट भिजवाएगा नहीं आप कमिट कर रहे हो ना कोर्ट ऑफ सेशन को उससे पहले आप क्या करोगे आप डॉक्यूमेंट भिजवा दोगे स्टूडेंट्स जब मैटर इज या केस इज एक्सक्लूसिवली ट्राइवल बाय कोर्ट ऑफ सेशन जो मजिस्ट्रेट है वो डॉक्यूमेंट सप्लाई करेंगे नहीं करेंगे ठीक है क्लियर है क्या चलो नेक्स्ट इज टू जो कि किससे डील करता है स्टूडेंट्स 210 जो कि प्रोसीजर बता रहा है ये कुछ नई चीज की प्रोसीजर बता रहा है स्टूडेंट्स ये बोल रहा है कि मैम अगर कंप्लेन केस है और कोई एफ़आईआर भी फाइल कर रखी है तो उस मामले में क्या होगा

डो नॉट रिलेट अगर लग रहा है कि नहीं नहीं ये तो रिलेट नहीं कर रहा है यहाँ पे तो अक्यूज अलग है कंप्लेन केस में अलग है और एफ आई आर वाली इन्वेस्टिगेशन में अलग है तो फिर मैजिस्ट्रेट विल नॉट टेक दी कांग्रेस रिपोर्ट फिर ये वाला मामला अप्लाई नहीं होगा और मेजिस्ट्रेट क्या करेंगे प्रोसीड करेंगे कंप्लेन केस से ठीक है क्लियर है तो ये थोड़ा सा चार्ट आप सभी स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है नेक्स्ट इज थ्री जीरो डबल जीरो से लेकर थ्री हंड्रेड फोर्टीन इसको दो पार्ट में हमने फाउंडेशन बैच में लिया था इसीलिए आपको स्लाइड यहाँ पे इस तरीके से दिख रही है क्लियर है चलो अब एक अच्छा खासा बड़ा चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज चैप्टर नंबर ट्वेंटी सिक्स चैप्टर नंबर कौन सा है स्टूडेंट्स ट्वेंटी सिक्स है जो किसकी बात कर रहा है सॉरी ट्वेंटी फोर है इट इज नॉट ट्वेंटी सिक्स इट इज ट्वेंटी फोर जो कि जनरल प्रोविजन की बात कर रहा है एज टू इंक्वायरी एंड ट्रायल ठीक है इंक्वायरी एंड ट्रायल से रिलेटेड कुछ जनरल प्रोविजन की बात कर रहा है अब देखो यहां बात की गई है राइट्स की प्रोसिक्यूशन की टेंडर ऑफ पार्डन इंक्वायरी ट्रायल एंड प्रोसीडिंग की राइट्स की बात करेंगे फिर प्रोसिक्यूशन की बात करेंगे फिर पार्डन कैसे ग्रांट होता है उसकी बात करेंगे फिर इंक्वायरी ट्रायल एंड प्रोसीडिंग की बात करेंगे सेक्शन से हर जगह से सवाल आए हैं भूल के भी इन सबको स्किप नहीं करना है सुनो फटाफट इट सेज़ सेक्शन 300 बोल रहा है अगर एक बार पर्सन को कर दिया गया तो वापस फट अंजलि जी मैं क्लास में ऑलरेडी बोल चुकी हूं आपको पीडब्ल्यू लॉ वाला जुडिशरी टेलीग्राम चैनल से आप जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं मेरे पीडीएफ नहीं मिलेगी आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाएगा ठीक है क्लियर है अलाउड यस

वापस से चला सकते हैं पर्सन को अगर डिस्चार्ज कर दिया गया है 528 के अंदर, सॉरी 258 के अंदर देन सेम ऑफेंस के लिए उसको ट्राई किया जा सकता है प्रोवाइडेड कंसेंट ऑफ दैट कोर्ट इज रिक्वायर्ड जिसने कि उसको डिस्चार्ज किया है ठीक है क्लियर है ओके नीरज बेटा तुम फिर आ गए हो हाँ क्लैट अचीवर्स का बच्चा है ना ये बेटा देखो तुम मंडे को मिलो फिर मेरे को अचीवर बैच में आना तुम तो, अचीवर में आना तुम तो, मुस्कान मैम प्लीज ये नाम नोट कीजिए आप इस स्टूडेंट का चलो फोकस थ्री जीरो थ्री

Chicken? क्लियर है अगर लग रहा है कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन कोई भी इंक्वायरी ट्रायल या प्रोसीडिंग उनको अटेंड करनी है तो अगर हमारा कंप्लेनेंट चाहे एज वेल एज हमारा विटनेस चाहे तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट के आदेश पे वो ऐसा खर्चा पानी ले सकते हैं मूविंग ऑन टू प्रोसिक्यूशन थ्री जीरो बोला है कौन अपियर होगा पीपी अपियर होगा पीपी एंड असिस्टेंट पीपी विदाउट रिटर्न अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट क्या कर सकते हैं अपियर हो सकते हैं अपना मैटर प्लीड कर सकते हैं प्राइवेट प्लीडर अलाउड है, है कि नहीं है पहले ये बताओ जब भी स्टूडेंट्स कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिल रहा है किसी को विक्टिम को हमेशा क्या

After the evidences are closed, पूछा जा सकता है कब आफ्टर closed, क्लोज the permission ऑफ द कोर्ट प्राइवेट प्लीडर क्या कर सकता है स्टूडेंट्स रिटर्न में रिटर्न में अपना आर्ग्यूमेंट सबमिट कर सकता है तो ध्यान रखेंगे कि अगर पीपी साहब है तो पीपी साहब के साथ एडिशनल यहाँ पे सरकारी वकील के साथ और हम वकील को इंप्लॉय कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट इज थ्री जीरो टू परमिशन बाय द मेजिस्ट्रेट टू परमिट बाय टू परमिट एनी पर्सन अब देखो टू कंडक्ट द प्रोसिक्यूशन याद आ रहा है थ्री जीरो वन में पीपी थ्री जीरो टू में हम मेजिस्ट्रेट परमिट कर रहे हैं कि किसी भी पर्सन को कर सकते हैं परमिट कि आप प्रोसिक्यूशन कीजिए Provided, वो person कौन नहीं होना चाहिए in बताओ ये कहां पड़ा था ये पॉइंट हमने कहा पड़ा था कि पुलिस ऑफिसर पुलिस ऑफिसर पीपी या ए पी पी हो सकता है या नहीं हो सकता है सेक्शन नंबर ट्वेंटी फोर नो फटाफट से बताओ कोई भी परमिशन रिक्वायर्ड नहीं है अगर एजी है गवर्नमेंट एडवोकेट है, पीपी है या असिस्टेंट पीपी है आप आराम से मस्ती से प्लीड कीजिए कोई दिक्कत नहीं है नेक्स्ट सेक्शन नंबर थ्री ट्वेंटी वन जिसमें हम बोल रहे हैं विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन अगर प्रोसिक्यूशन का विड्रॉल होता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स ओके पीपी एंड असिस्टेंट पीपी के कंसेंट क्या कर सकते हैं कोर्ट के कंसेंट के साथ क्या कर सकते हैं बिफोर जजमेंट इज प्रोनाउंस क्या कर सकते हैं प्रोसीक्यूशन को विड्रॉल कर सकते हैं 305 में क्या बोला जब कॉर्पोरेशन या रजिस्टर्ड सोसाइटी है क्या है वो अक्यूज है तो वो क्या कर सकते हैं वो यहां पे अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकते हैं क्लियर है ये चीज यस yes. आगे चलो 24 25 दोनों देख लेंगे अब देखो वापस से पूरा पॉइंट पढ़ेंगे विड्रॉल ऑफ पीपी या एबी चाहे तो कोर्ट की कंसेंट के साथ बिफोर दी जजमेंट क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स विड्रॉल कर सकते हैं विड्रॉल का इफेक्ट क्या होगा डिस्चार्ज भी हो सकता है या एक्विटल भी हो सकता है लेकिन आपको समझना पड़ेगा स्टूडेंट्स कि डिस्चार्ज कब होगा विड्रॉल कब होगा अच्छे से सुनना एग्जाम में आएगा फिर खोटा करके आओगे अगर अगर डिस्चार्ज कब हुआ है अगर बिफोर फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज प्रोसिक्यूशन ने केस को विड्रॉ कर लिया है तो वो डिस्चार्ज होगा लेकिन आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज यहां पे अगर विड्रॉल किया गया है पर्सन एक्विट होगा दिस इज अ गोल्डन रूल एक्विटल और डिस्चार्ज में यही फर्क है क्लियर है कोई भी विड्रॉल विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से नहीं होगा अगर ऑफेंस है जो कि हमारे एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियन है या फिर टे स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट या डिस्ट्रक्शन ऑफ द ऑफ़ सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर इन सर्विस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट तो इन मामलों में कभी भी हम सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बिना केस का विद्रॉल नहीं कर सकते हैं बाकी हर केस में हमारा ए असिस्टेंट पीपी कोर्ट की परमिशन से क्या कर सकता है मामले को विड्रॉ कर सकते हैं क्लियर है

तुम्हारा पनिशमेंट क्या कर देंगे लेट गो कर देंगे प्रोवाइडेड तुम क्या करो तुम यहाँ पे जो भी तुम्हें इन्फॉर्मेशन पता है वो यहाँ पे डिस्क्लोज कर दो ओके नाइस ओपन जी मी मराठी नहीं आए हाँ यस द डिफरेंस बिटवीन सुमिता जी डिफरेंस बिटवीन डिस्चार्ज एंड एक्विटल यही है डिस्चार्ज मीन्स वॉट जब पर्सन के अगेंस्ट पर्सन को

कमीशन ऑफ द ऑफेंस बाय अब देखो एक्म्प्लिस को पार्टन कौन कौन करेगा अच्छे से देखना यहां से सवाल बनेगा फिर फिर गलत करके आओगे थ्री जीरो सिक्स ये वाला पॉइंट अच्छे से देखना आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट सीजेएम या मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन ट्रायल तीनों स्टेज में क्या कर सकता है तीनों स्टेज पे एक को पार्टन दे सकता है बट वेन इट कम्स टू जे एम एफ सी सिर्फ और सिर्फ इंक्वायरी एंड ट्रायल के स्टेज पर ही एक कंप्लेक्स को पार्डन दे सकता है लिख लो लिख लो ठीक है क्लियर है अगर डिस्चार्ज नहीं करेगी तो फिर चार्ज लगाएगी चार्ज करने के बाद हम लोग केस को ट्राई करते हैं यस और नो अगर सीजेम है, MM है तो वो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन ट्रायल के बाद ही क्या करेंगे यहां uh, कर पर पार्डन ग्रांड कर सकते हैं लेकिन अगर बात करूं जीएमएफसी की तो इंक्वायरी या ट्रायल के स्टेज पर ही क्या कर सकते हैं यहाँ पे को डिस्चार्ज कर सकते हैं कंडीशन क्या है कि ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन एंड एंड क्या है सेवन ईयर्स से अब पनिशमेंट है प्लस पर्सन एक्सेप्टिंग एंड उसको कस्टडी में डिटेल डिटेन करके रखेंगे जब तक की उसका टर्म ऑफ ट्रायल खत्म नहीं हो जाता है नेक्स्ट पॉइंट दैट कम्स टू असिस थ्री जीरो सेवन जो ये बोल रहा है दट आफ्टर कमिटमेंट बट बिफोर जजमेंट क्या हम आफ्टर कमिटमेंट केस को कोर्ट ऑफ सेशन के पास कमिट करने के बाद देखो बोल रहे ना कोर्ट ऑफ सेशन के पास अगर ये केस ट्राइबल है तो आप क्या कर सकते हो उस मामले में तो उस मामले में उसको हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स पार्डन दे सकते हैं या 7 इयर्स अभाव है लेकिन अगर ऐसा केस है स्टूडेंट्स जो कि कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ट्राइबल है तो कमिटल से पहले कमिटल के बाद एंड बिफोर दी जजमेंट क्या हम उसे दे सकते हैं ऐसा टेंडर uh, तो आंसर इज यस बाय द कोर्ट टू विच द कमिटमेंट इज मेड जिस को हम कमिटमेंट दे रहे हैं वो क्या कर सकता है जिसको केस कमिट कर रहे हैं वो क्या कर सकता है टेंडर ऑफ पार्टन दे सकता है 316 है, क्या कहता है नो इन्फ्लुएंस एक्सेप्ट 306 एंड 307 अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमको 306 में पढ़ना था वो ये था कि जब टेंडर ऑफ पार्डन एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो मैजिस्ट्रेट टेकिंग द कॉग्निजेंस जो मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले रहा है शैल कमिट टू दर्ट ऑफ सेशन और सीजेएम और स्पेशल और स्पेशल जज ठीक है क्लियर है और और इन दी अदर केसेस क्या करेगा सीजीएम को मेक ओवर कर देगा केस ठीक है जब पार्टन एक्सेप्ट कर दिया गया है तो मैजिस्ट्रेट टेकिंग द टेकिंगजेंस क्या करेगा उस पर्टिकुलर केस को या तो कमिट करेगा कोर्ट ऑफ सेशन या सीजीएम के पास या फिर स्पेशल जज के पास या फिर अदर केसेस दैट इज मेकिंग ओवर में सीजीएम के पास भेज देगा क्लियर है नाउ लिसन टू मी just अट स्टूडेंट students okay 308 किसकी बात कर रहा है नॉन कंप्लायंस किसकी बात कर रहा है नॉन कंप्लायंस कंप्लायंस नॉन नॉन ऑफ व्हाट कंप्लायंस ट्राई फॉर ऑफेंस नो जॉइंट ट्रायल कोई भी जॉइंट ट्रायल नहीं होगी ट्राई फॉर गिविंग द फॉल्स एविडेंस सैंक्शन ऑफ हाई कोर्ट अगर सुनो अच्छे से बात सुनो ये क्या बोल रहा है कि अगर 306 एंड 307 में 306 एंड 307 में तुमने टेंडर ऑफ कंप्लायंस जो तुमको टेंडर दे रहे थे वो तुमने अगर कंप्लाई नहीं किया देन इन दैट केस 308 अप्लाई होगा और हम क्या करेंगे उस ऑफेंस के लिए तुमको ट्राई करेंगे तुम्हारी जॉइंट ट्रायल तो नहीं होगी लेकिन तुम्हें फॉल्स एविडेंस देने के लिए ट्राई करेंगे वहां परमिशन किसकी लेंगे हाई कोर्ट की परमिशन लाएंगे हाई कोर्ट की परमिशन लाएंगे एट ट्रायल अगर accused है 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 देखो at trial, accused है, PP है. अगर accused ये कहता कहता इसको जूम क्या स्टूडेंट्स इसको जूम कर देते ठीक है अच्छे से सुनना इस पॉइंट को अच्छा पॉइंट है थ्री जीरो एट क्या बोलता है अच्छे से सुनेंगे सब इसको

कंप्लाई नहीं किया है

एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस टेकन मेजिस्ट्रेट उससे पूछ सकता है डू यू प्लीड गिल्टी एंड इफ द पर्सन प्लीड गिल्सी गिल्टी तो जजमेंट पास करेंगे या तो एक्विटल का या फिर कन्विक्शन का समझ आया सबको ये वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट प्लीड गिल्टी

विटनेस इन अटेंडेंस को हम क्या नहीं कर एग्जामिन नहीं कर ले तब तक अगर रेप का मामला है तो इंक्वायरी या ट्रायल कितने दिन में कंप्लीट होगी टू मंथ फ्रॉम दी फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट कंप्लीट हो जानी चाहिए कोर्ट क्या कर सकता है जॉन कर सकता है पोस्टपोन कर सकता है रीजन रिकॉर्ड करेगा एंड एंड क्या करेगा मे रिमांड द अक्यूज फॉर द फॉर दी कस्टडी जो कि 15 डेज से ज्यादा नहीं होने वाली है जब तक आपका मामला पोस्टपोन रहेगा या रहेगा तब तक के लिए अक्यूज को हम कस्टडी में भेजेंगे जो कि 15 डेज से ज्यादा की नहीं हो सकती है आगे देखो नो no एडजॉइनमेंट कब तक कौन से मामले में स्टूडेंट एडजॉइनमेंट नहीं होगा कुछ मामलों में एडजॉइनमेंट नहीं हो सकता फर्स्ट अगर विटनेस इन अटेंडेंस है तो विटनेस अटेंड कर चुका है तो अटेंड हमारे एडजॉइनमेंट की जरूरत नहीं है हमारा अक्यूज क्या है ये शो नहीं कर पा रहा है एनेबल अक्यूज टू शो कॉज अगेंस्ट सेंटेंस आप अक्यूज को एनेबल करने के लिए कि भाई तुम्हारे अगेंस्ट सेंटेंस पारित किया जा रहा है खुद को डिफेंड करने के लिए तुम्हें टाइम दे दिया जाए एट ऐसा अलाउड नहीं है एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पार्टी आपके हाथ में सिचुएशन में नहीं है सर्कम आउट ऑफ योर कंट्रोल है तो एडजॉर्नमेंट मिल जाएगा अदरवाइज पीडर पार्टी कोई और कोर्ट में एंगेज है ये कोई ग्राउंड नहीं होता है एडजॉर्नमेंट का विटनेस प्रेजेंट बट दार्टी प्लीडर नॉट प्रेजेंट नॉट रेडी टू एक्जामिन और क्रॉस एग्जामिन विटनेस कह रहे हैं कि कह रहे हैं कि विटनेस तो प्रेजेंट है लेकिन पार्टी या रेडी नहीं है किस चीज के लिए रेडी नहीं है ऑर्डर ऑर्डर पास कर देगा कोर्ट यहाँ पे नहीं इन सब लोगों के लिए आपको बिना मतलब का एडजोनमेंट नहीं देगा कोर्ट दिस इज गिवन अंडर 309 310 में क्या दिया लोकल इंस्पेक्शन लोकल इंस्पेक्शन एक जगह और पढ़ के आ चुके हैं हम लोकल इंस्पेक्शन जज या मजिस्ट्रेट कर सकते हैं इंक्वायरी ट्रायल या आपके प्रोसीडिंग के किसी भी स्टेज पे आफ्टर गिविंग द नोटिस टू द पार्टी दैट विजिट एनी प्लेस बोला जा सकता है कि हम कोई भी पर्टिकुलर प्लेस पे यहां पे क्या कर सकते हैं इंस्पेक्शन कर सकते

अ्यूज अक्यूज को हम एग्जामिन भी कर सकते हैं जिस तरीके से हम सेक्शन 200 में एग्जामिनेशन कर रहे थे कंप्लेनेंट का हम 313 में क्या कर रहा है कोर्ट खुद से एक्सामिन कर रहा है यहां पे एक्सामिनेशन स्टूडेंट्स थोड़ा सा डिफरेंट है हम जो एग्जामिनेशन की बात करते हैं कौन से एग्जामिनेशन की बात करते हैं जो चीफ एग्जामिनेशन है री एग्जाम कौन करता है पार्टीज करते है, करते हैं हैं लॉयर्स ऑपोजिट पार्टी का या खुद की पार्टी का राइट right? लेकिन 313 में क्या हो रहा है कोर्ट खुद एग्जामिन कर रहा है देखो कोर्ट मे एग्जामिन और शेल एग्जामिन कब इंक्वायरी और ट्रायल के दौरान एग्जामिनेशन हो रहा है यहां बोल रहा है कोर्ट कब कर सकता है मे एट एनी स्टेज पुट क्वेश्चन

को सम, क्योंकि प्रोसिक्यूशन को क्योंकि एक बार समझ ले फिरी तो मेजिस्ट्रेट क्या होगा दुविधा में पहुंचेगा तभी तो उनको अक्यूज को सुनना पड़ेगा प्लस बिफोर अक्यूज कॉल इन डिफेंस प्रोसिक्यूशन विटनेस हो गए अक्यूज तुम डिफेंस में आओ उससे पहले तुम्हारा डिफेंस छोड़ो पहले तुम आओ तो पहले डिफेंस को पहले हम क्या कर लेंगे उस पर्टिकुलर अक्यूज को सुन लेंगे यहां पर ओथ की जरूरत नहीं है जिस तरीके से 164 में हमारे स्टेटमेंट के लिए जरूरत नहीं थी यहां पे भी यहां पे भी जरूरत नहीं है लेकिन कहां पे जरूरत थी हमें बताओ अभी पढ़ के आए हैं सेक्शन 200

ओके okay? क्लियर है चलो 314 किसकी बात करता है ओरल एग्रीमेंट प्लस मेमो ऑफ आर्ग्यूमेंट किसकी बात करता है ओरल प्लस मेमो ऑफ की बात करता है कौन दे सकता है कोई भी पार्टी दे सकती है है क्लोजर एविडेंस लग रहा है कि भाई और भी कुछ चीजें हैं ऐसी आर्ग्यूमेंट में देनी है तो आर्ग्यूमेंट क्लोज हो चुका है ना आप रिटर्न फॉर्मेट में दे सकते हो ठीक है सॉरी ओरल आर्ग्यूमेंट प्लस मेमो ऑफ आर्ग्यूमेंट बाई एनी पार्टी ठीक है नॉट रिटर्न ओरल दे सकते हैं वर्ड ही और ओरल लिखा हुआ है ठीक है क्लियर है चलो आगे चलेंगे

तो कोई भी पर्सन कॉम्पिटेंट है कोई भी पर्सन कॉम्पिटेंट है उस पर्सन के बिहाफ पे कंपाउंड करने को लेकिन अगर पर्सन डेड है तो उसकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या है लीगल रिप्रेजेंटेटिव अलाउड है वहां पे उस मैटर को कंपाउंड करने के लिए एंड अपील पेंडिंग ट्रायल कमिटेड क्या बोल रहा है अपील पेंडिंग है अभी तो नो कंपाउंडिंग इज अलाउड विदाउट कंसेंट ऑफ द कोर्ट जब तक अपील हियर नहीं हो जाती या ट्राय, ट्रायल जो है वो कमिटेड नहीं हो जाती तब तक के लिए कोई कमिटमेंट ऐसा या कंपाउंडिंग जो है वो नहीं होने वाला है नेक्स्ट इज हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन अंडर फोर जीरो कर सकते हैं कंपाउंडिंग के लिए अलाउ कर सकते हैं कोई भी कंपाउंडिंग नहीं होगी अगर प्रीवियस कन्विक्शन है एंड एनह पनिशमेंट है एनहांस पनिशमेंट फटाफट से बताओ सेक्शन नंबर सेवेंटी फाइव आईपीसी नो क्लियर नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ ए कंपाउंडिंग इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग क्या है उसका इफेक्ट ये होता है कि वहां हो जाता है कंपाउंडिंग का इफेक्ट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज एक्विटल ध्यान रखना एग्जाम्स में सवाल आता है चलिए अक्यूज के मामले में चीजें पढ़ेंगे अगर कॉम्पिटेंट विटनेस ऑफ डिफेंस गिव एविडेंस ऑन ओथ जो कॉम्पिटेंट विटनेस है किसका डिफेंस का अक्यूज का विटनेस है और वो क्या कर देता है स्टूडेंट्स एविडेंस दे देता है ओथ पर एविडेंस दे देता है ओथ पे स्टूडेंट्स तो हम उसको क्या नहीं करेंगे नॉट कॉल्ड इन विटनेस नॉट कॉल्ड इन विटनेस विदाउट हिज़ ओन रिक्वेस्ट इन दी राइटिंग सेकेंड पॉइंट इफ इवी फेल्स टू गिव एविडेंस नो कमेंट बाई दार्टी इन द कोर्ट और नो प्रम्पन अगेंस्ट अगर वो एविडेंस नहीं देता है तो उसकी मर्जी भाई आप उसके अगेंस्ट ऐसी कोई प्रिजम्पन नहीं ले सकते थ्री हंड्रेड से कुछ पर्टिकुलर केसेस में अगर हमारा ऑफेंडर या जो अक्यूज है वो एबसेंट हो जाता है तो जजेस या मेजिस्ट्रेट इंक्वायरी या फिर ट्रायल की स्टेज पर क्या कर सकते हैं उसकी अटेंडेंस डिस्पेंस कर सकते हैं कौन से ग्राउंड पे कि उसकी प्रीवियस अटेंडेंस रिक्वायर्ड नहीं है अक्यूज डिस्टर्ब द प्रोसीडिंग या फिर अक्यूज इज रिप्रेजेंटेड तो ठीक है ना जाने तो यहां भी क्या हो रही है उसकी अटेंडेंस डिस्पेंसरी हो रही है यहां पे भी थ्री हंड्रेड फिफ्टीन की तरह हो रही है ना क्लियर है एक बार चेक कर लीजिएगा ठीक है थ्री हंड्रेड एटीन क्या बोलता है अक्यूज डो नॉट अंडरस्टैंड द प्रोसीडिंग अगर उसको प्रोसीडिंग समझ नहीं आ रही है तो कोर्ट प्रोसीड करेगा एंड एंड अगर कन्विक्शन हो रहा है तो फिर वो मामला किसको सॉल्व करेगा किसको भेजेंगे आगे हाई कोर्ट को भेजेंगे जहां हाई कोर्ट देखेगा कि अब इस मामले में हमें आगे क्या करना है क्लियर है और जब हम बात कर रहे हैं जब वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहा तो टू और टू टू हमें डील करना चाहिए चलेंगे प्रोसीजर की तरफ तो बोल रहे हैं थ्री ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स अच्छे से सुनना ठीक है 322, 23, 24, 25, से सुनो 322 ये बोल रहा है दैट मैजिस्ट्रेट कैन नॉट डू व्हाट कम टू थ्री ट्वेंटी टू स्टूडेंट यस ओके जहां मामला ऐसा स्टूडेंट्स द मैजिस्ट्रेट कैन नॉट डिस्पोज ऑफ द केस बिकॉज ही डज नॉट है जोरिस्डिक्शन या फिर वो मामला ऐसा विच इज ट्राइड और कमिटेड टू बी दी टू दी अदर मैजिस्ट्रेट या इट इज ट्राइबल हम स्टे कर देंगे करेंगे, किसको? को करेंगे, या फिर अदर मैजिस्ट्रेट को सबमिट करेंगे ये बात कर रहे हैं प्रोसीडिंग्स की हमारे चैप्टर नंबर ट्वेंटी फोर में जो कि जनरल प्रोविजन है थ्री ट्वेंटी थ्री किसकी बात करता है केस कमिट कर रहे हैं हम आफ्टर कमिस्मेंट ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल इंक्वायरी एंड ट्रायल के बाद पर स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग या बिफोर साइनिंग ऑफ द जजमेंट विच इजल बाय सेशन एंड चैप्टर नंबर ट्वेंटी एट विल अप्लाई ठीक है आगे सुनो यस yes, एब्सोलूटली yes, पूजा जी एबसोल्यूटली थ्री ट्वेंटी फोर किसकी बात करा है ट्रायल ऑफ प्रीवियसली कन्विक्टेड पर्सन ऑफ ऑफेंस किसकी बात कर रहा है ऐसा पर्सन जो कि प्रीवियसली कोई ऑफेंस के लिए कन्विक्टेड है जो कि कॉइनेज स्टैंप है या प्रॉपर्टी है प्लस तीन साल से ज्यादा की पनिशमेंट है तो मैजिस्ट्रेट कौन ट्राई करेगा उसको या तो वो ट्राई किया जाएगा सीजीएम द्वारा या फिर उसको भेजा जाएगा कहां पे केस को कमिट किया जाएगा कोर्ट ऑफ सेशन को अनलेस द मेजिस्ट्रेट इज कॉम्पिटेंट टू ट्राई प्लस ओपिनियन दैट ही हैज ही कैन पास द एडिकुएट सेंटेंस तब तो वो खुद अपने पास रख लेंगे या फिर क्या कर लेंगे या फिर वो मामला आगे भेज देंगे ठीक है क्लियर है अरे कुछ नहीं विदुषी जी थोड़ा सा टाइम लगेगा और कुछ नहीं ये आपको जो मामला है ना जनरल प्रोविजंस वाला ये आप लॉ फाउंडेशन बैच में जाके दो क्लास देखना बहुत अच्छे से डील होगा ठीक है क्योंकि मैं आपको बताऊं बाकी सारे स्टूडेंट्स को क्लियर हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि या तो आपने इसको थोड़ा पहले ढंग से पढ़ा नहीं है डू नॉट वरी दो तीन बार पढ़ोगे आराम से क्लियर हो जाएगा और ये ऐसी चीजें हैं कि इतने रिडंडेंट सेक्शन है कि हम इनको पढ़ने की कोशिश कम कर दें सवाल भी अक्सर कम ही आते हैं प्रैक्टिकलिटी देखू तो कम है इसलिए हमको कई बार ये थोड़े लगते हैं ओके नॉट वरी ठीक है आगे सुनो 325 किसकी बात करता है जब मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि भाई मैं तो सफिशियंट तो सजा दे ही नहीं सकता हूं तो वो क्या करेगा अकी उसको फॉरवर्ड कर देगा सीजीएम के पास कि भैया जाओ और वहां पे अपनी सजा लेके आओ ठीक है क्लियर है अब देखो 326 क्या बोलता है कन्विक्शन बाय पार्टी वन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड अदर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कन्विक्शन कौन कर रहा है पार्टली पार्टली हो रहा है पार्टली पार्टली हो रहा है क्रिश जी फोकस अगर ये वाला पॉइंट आपको नहीं समझना कोई बात नहीं लेकिन मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं ये सेगमेंट भी पढ़ा दू उसके बाद आगे वाला पॉइंट हम डील कर लेंगे ठीक है क्लियर है 326 क्या कहता है 326 ये बोल रहा है अगर हमारा कन्विकशन ऐसा है पार्टली एक जज ने सुनाया पार्टली दूसरे जज ने सुनाया तो हम कैसे कर ले इसको तो उन्होंने बोला जज मे एक्ट ऑन द एविडेंस जो हमारा दूसरे जो भी हमारे जजेस हैं वो एक्ट कर सकते हैं एविडेंसेस पे ऐड फर्दर एग्जामिनेशन किया जा सकता है रीसमन कर सकते हैं पार्टीज को और जो फॉरमर जज का जुरिसडिक्शन है वो सीज हो जाता है मान लो एक पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर जज ने क्या किया है स्टूडेंट्स मामला सुना है कन्विक्शन क्या है और पार्टली कन्विक्शन अगर दूसरे जज ने सुनाया है तो आगे वाला जज क्या कर सकता है स्टूडेंट्स हमारे फॉर्मर जज का ज्यूरिस्डिक्शन सीज हो जाएगा और वो मैटर खुद से ट्राई कर सकता है दैट इज आगे वाला जज ठीक है क्लियर है अब आगे तो अब आगे चलेंगे जहां हमें डील करना है ओपन कोर्ट ओपन कोर्ट इजी है उसके बाद हमारे पास में आ जाएगा आपका ट्रांसफर ऑफ केसेस ठीक है क्लियर है चलो ओपन कोर्ट क्या होता है स्टूडेंट्स ओपन कोर्ट मतलब हर क्रिमिनल कोर्ट ओपन कोर्ट रहने वाला है कोई भी आम जनता आ जा सकती है देख सकती है एक्सेस टू पब्लिक होगा लेकिन जजेस और मैजिस्ट्रेट चाहे तो ऑर्डर पास कर सकते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर मामले में कुछ मामले में जो पब्लिक है आम जनता है उसका एक्सेस नहीं रहेगा अगर रेप का ऑफेंस है इंक्वायरी और ट्रायल चल रही है तो वो हमेशा कैमरा में होने वाली है प्रैक्टिकेबल आपको यह करना है कि वहां वुमेन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हो एंड जज या मैजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं ये देख सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर पर्सन उस बिल्डिंग

एग्जीक्यूशन है जजमेंट है रुकिए जरा अभी आप कहा, कहा भागे चले जा रहे हैं चलो फोकस स्टूडेंट्स हमने ये बोला स्टूडेंट्स जब हमारा केस स्टार्ट हो जाता है हम एफ में कुछ लोगों डाल देते हैं लेकिन जब मामला ट्रायल पे पहुंचता है तब पता चलता नहीं दो लोग और इसमें दोषी हैं वो तो फरार हैं वो कहीं और घूम रहे हैं कुछ लोगों को तो हमने इसमें ऐड ही नहीं किया वो गिल्टी हैं कुछ और लोगों को ऐड करना चाहिए था नाउ व्हाट इन दिस केस मैजिस्ट्रेट may प्रोसीड अगेंस्ट अदर पर्सन ऑल्सो जिनको आपने पहले एड नहीं किया था अभी तो ज्वाइंडर ऑफ ट्रायल भी बच्चा है सॉरी फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज टाइप्स ऑफ ट्रायल सब बच्चा है सुनो so no. कोर्ट मे बी अरेस्टेड और समन तुमको बुलाया था क्यों नहीं आए तुमको अरेस्ट कर लिया जाएगा उसको कस्टडी में डिटेन किया जा सकता है और जब कोर्ट एस ए पर्सन के अगेंस्ट प्रोसीड कर रहा है तो शैल में क्या करेगा उसके अगेंस्ट वो प्रोसीडिंग फ्रेश स्टार्ट होगी एंड विटनेसिस को री ही करेंगे मे में क्या बोल रहा है मे प्रोसीड एज इफ दर्सन हैज बीन अक्यूज प्रीवियसली वेन द कोर्ट टूक कॉग्निजेंस क्लियर है अंडरस्टूड तो ये दो पावर्स हमारे मजिस्ट्रेट को दे रखे हैं जब कुछ ऐसे नए व्यक्ति उनको मिले तो चलेंगे हम ट्रांसफर ऑफ द केसेस ट्रांसफर बाय 406 में सुप्रीम कोर्ट 407 हाई कोर्ट 408 सेशन जज 411 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फिर हम बात कर रहे हैं किसकी स्टूडेंट्स हम बात करेंगे स्टूडेंट्स विड्रॉल की विड्रॉल को हम ऑलरेडी याद करके आए थे अगर आप सभी स्टूडेंट्स को याद है तो विड्रॉल पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था बताओ 192 में पढ़ा था 191 192 194 के टाइम हमने विड्रॉल के बारे में ऑलरेडी पढ़ा था तो अब देखो

प्लस वो क्या करे स्टूडेंट्स परमिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्लस वहां पे एफिडेविट भी हो इफ एप्लीकेशन इज सुप्रीम कोर्ट विल डायरेक्ट टू पे द कॉम्पनसेशन टू पर्सन नॉट मोर दे रुपीज अगर एप्लीकेशन डिस्चार्ज कर दी गई केस को ट्रांसफर करने की तो सुप्रीम कोर्ट अग्रीव पर्सन को क्या बोलेगा कि भाई तुमको हजार रुपए तक का कॉम्पनसेशन पे किया जाएगा ठीक है फोर जीरो सेवन में कौन ट्रांसफर कर रहा है स्टूडेंट्स केस हाई कोर्ट ट्रांसफर कर रहा है कहां से कहां तक एक क्रिमिनल कोर्ट से दूसरे क्रिमिनल कोर्ट कब जब क्रिमिनल कोर्ट कैन नॉट कैन नॉट डू fair and impartial इंक्वायरी और अन डिफिकल्टी है या फॉर द ऑफ जस्टिस है जीरो एट में कौन ट्रांसफर चीज के लिए फॉर द ऑफ जस्टिस एंड्स ऑफ जस्टिस के लिए यहां यहां पे पे क्या किया जा पे किया जा जा रहा रहा है है केस को ट्रांसफर कहां से एक क्रिमिनल कोर्ट से दूसरे क्रिमिनल कोर्ट आपको यह ध्यान रखना स्टूडेंट्स कौन कौन से सेक्शन में कौन कौन से कोर्ट केसेस को ट्रांसफर कर रहे हैं आगे सुनो वेन द रिपोर्ट ऑफ द लोअर कोर्ट दैट एप्लीकेशन ऑफ द पार्टी आई है कब हो सकता है तीन चीजों में या तो लोअर कोर्ट रिपोर्ट करे या पार्टीज की एप्लीकेशन आई है या सो मोटो तो सेशन जज क्या करेगा एक क्रिमिनल कोर्ट से दूसरे क्रिमिनल कोर्ट में हमारा मैटर ट्रांसफर कर देगा आगे सुनो 411 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दैट इज डीएम और एसडीएम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में आते हैं केस को मेक ओवर कर सकता है अपने से subordinate लोगों को या फिर विड्रॉ कर सकता है एक मजिस्ट्रेट से खुद को कि मजिस्ट्रेट साहब ये केस हम ले रहे हैं आपको यहां पे इस केस को देखने सुनने और समझने की आवश्यकता नहीं है ठीक है इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू स्टूडेंट्स ठीक है आप लोग पढ़ने में इंटरेस्टेड ही नहीं इंटरेस्ट ही नहीं दिखाओ अगर आप लोगों की डिमांड ही नहीं हो मुझसे पढ़ने की तो मैं क्लास लाऊंगी क्या कभी नहीं हो ही नहीं सकता है ना चलो विड्रॉल ऑफ द केसेस 409 देखो क्लियरली लिखा है 194 194 409 को हम 194 के साथ पढ़ रहे हैं क्योंकि 194 में सेशन जज एंड हाई कोर्ट्स क्या कर रहे थे केसेस को ट्रांसफर कर रहे थे आ जाओ सेक्शन नंबर 194 पे फटाफट से बेरेक्ट में यस हियर वी हैव आवर बेरेक्ट 194 एडिशनल एंड असिस्टेंट सेशन जज 192 में मेकिंग ओवर हो रहा है सीजीएम द्वारा या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास द्वारा कहां गए कृष्ण चौधरी जी क्लियर है ओके okay. सो so, 409 इज सेशन जज विड्रॉ कर रहा है केसेस एंड 410 में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स केसेस को विड्रॉ कर रहे हैं जहां हमने 191 में 192 वन नाइनटी वन में वन नाइन टू में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ट्रांसफर कर रहा था नाउ लेट्स कम टू योर मोस्ट फेवरेट टॉपिक लिमिटेशन लिमिटेशन संज्ञान लेने की परिसीमा सो so, लिमिटेशन दे रखा है स्टूडेंट्स हमको 467 से लेके 473 तक ठीक है

आपको बोला ना तीन साल में केस फाइल करो नहीं क्या आपकी गलती right, तो यहाँ पे क्या बोला है कि हो गया, नहीं ले सकते तो हमको ये तो बताओ कितना टाइम पीरियड अवेलेबल है हमारे पास तो अगर आपका ऑफेंस ऐसा है जो कि पनिशेबल है सिर्फ और सिर्फ फाइन के द्वारा तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन सिक्स मंथ है अगर ऑफेंस पनिशेबल है वन ईयर द्वारा तो फिर कॉग्निजेंस कितना वन में ले सकते हैं अगर पनिशमेंट मिल रही है वन ईयर से लेके थ्री इय तक तो आपका लिमिटेशन थ्री है। एंड थ्री इयर्स के अब कोई भी ऑफेंस पनिशेबल है तो वहां पे बिल्कुल भी लिमिटेशन नहीं है एंड व्हेन द ऑफेंसेस आर ट्राइड टुगेदर, ऑफेंस पनिशेबल विद द सिवियर पनिशमेंट उसकी हम क्या करेंगे स्टूडेंट उसको यहां पर कंसिडर करेंगे जो बहुत सारे ऑफेंसेस है मान लो कोई टू ईयर से पनिशेबल है कोई सेवन ईयर से, से पनिशेबल है कोई टेन ईयर से पनिशेबल है तो फिर आप कौन सा वाला ऑफेंस कवर करेंगे आप वो वाला ऑफेंस कवर करेंगे स्टूडेंट जो कि जो कि सिवियर मैक्सिमम पनिशमेंट देता है इज इट क्लियर यस और नो अभी हंसा जी लगभग मान के चलिए मुझे लग रहा है हो सकता है छह बजे तक हमारी क्लास खिंच जाए ठीक है तो हम लोग इसको छह बजे तक कवर कर लेंगे ठीक है नेक्स्ट फोर सेवेंटी टू कंटेनिंग ऑफेंस अगर कंटेन्यूंग ऑफेंस है फटाफट से बताओ हमने लिमिटेशन एक्ट में कौन सा वो सेक्शन डील किया था जो बोल रहा था कंटिन्यूंग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉट वॉज इट सेक्शन नंबर और नो लाइव सेक्शन फटाफट से जवाब देंगे कंटिन्यूंग ऑफेंस जब अबारा कंटिन्यूंग मतलब किडनेपिंग किया भाई एक महीना दो महीना तीन महीना छह महीने तक किडनेप करके बैठा है बंदा तो लिमिटेशन पीरियड कब से शुरू होगा फ्रेश लिमिटेशन ऑफ पीरियड एवरी मोमेंट ड्यूरिंग विच द ऑफेंस कंटिन्यूज ठीक है कमेंसमेंट किस दिन से कमेंट होगा कमेंट होगा स्टूडेंट्स डेट ऑफ ऑफेंस से कमेंट होगा मैम लॉजिक है देन 21 वाला कौन है 23 वाला कौन है बताओ 23 वाला तो कंपनसेशन वाला था स्पेशली uh, इंजरी वाला था 23 आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर है ठीक है अज्ञानी जी होते रहने दो जो पॉपुलर हो रहे नहीं हो रहे हैं कोई लेनदेन नहीं है ठीक है कौन है भाई ऐसा है नहीं तो अपने क्या लेन देन आपका मतलब पढ़ने का है जुडिशरी क्रैक पढ़ने से होगा कॉन्ट्रोवर्सी कॉन्ट्रोवर्सी में पढ़ने से कुछ नहीं होगा दो दिन की कॉन्ट्रोवर्सी उसके बाद आपको ये सब बकैती लगेगा लड़ रहे हैं झगड़ रहे हैं मर रहे हैं पिट रहे हैं आपको क्या लेन देन ये सब दुनिया में ऐसे ही चलेगा है ना चलने दो जो चल रहे चलो सेक्शन नंबर वेरी गुड करेक्ट चलो राजेश बेनीवाल जी कहा हो भाई सुबह से क्लास अटेंड नहीं किया है संडे है नोटिफिकेशन बराबर मिल रहा है सारे ग्रुप्स पे फर्स्ट डे व्हेन द वेन कम्स टू नॉलेज वो भी क्या होगा दैट इज नॉट द कमीशन ऑफ ऑफेंस नोन अच्छा देखो अगर आपको पता नहीं है अगर आपको पता नहीं नहीं, नहीं सर

एक्सक्लूड क्या करना है डे फ्रॉम विद सच पीरियड इज टू बी कंप्यूटेड जिस दिन से हमारा वो पीरियड स्टार्ट होना है वो वाला एक्सक्लूड कर देंगे बाकी उसके बाद वाला पीरियड हम कवर कर लेंगे यस यस डेफिनेटली मान लीजिए डेफिनेटली ठीक है मैंने आप सबको बोला था मेरे को थोड़ा आ, नाइट में कोई स्टूडेंट मैसेज करके याद दिला देगा कि मैम वो पीपीटी वगैरह शेयर कर दो ठीक है दिन में हम थोड़ा ऑक्यूपाइड रहते हैं तो रात में कोई भी स्टूडेंट मेरे को मैसेज कर देगा इंग्लिश और हिंदी की मैं पीडब्ल्यू के आपके काफी अच्छे टीचर्स हैं हिंदी और इंग्लिश के आ, ग्रामर्स की जो क्लासेस हैं पूरी के पूरी प्लेलिस्ट शेयर कर मैं आपको, ठीक है? क्लियर है चलो एक्सक्लूड क्या क्या होगा हमने क्या बात किया था हमने कुछ बोनाफाइड जुडिस के बारे में बात की थी कुछ सर्टन प्रोसीडिंग्स के बारे में बात की थी गुड फेथ में अगर कहीं केस फाइल कर रखा उसकी बात की थी डेथ के मामले में बात कर रखी थी राइट अक्रूवल ऑफ द राइट टू स्यू क्लियर अब सुनो ये बोल रहे हैं क्या एक्सक्लूड करना है प्रोसिक्यूटिंग लग रहा था कि इस पर्टिकुलर कोर्ट के पास पावर है ये मैटर डिसाइड करने का मैं तो तो वहां ट्राई कर 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 रहा था ये पीरियड एक्सक्लूड दीजिए अगर कर रहे थे इंजंक्शन और और स्टे जब जब वो वो इशू किया गया जब तक व्रॉ नहीं हो जाता तब तक का टाइम पीरियड माइनस कीजिए टाइम रिक्वायर्ड फॉर ऑप्टेनिंग सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट बहुत जगह हमने पढ़ा है सेक्शन नंबर सेक्शन नंबर 195 से लेके 199 तक तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स जगह पढ़ा है हमने कि वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट की आवश्यकता होगी तो जितने टाइम पीरियड तक के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट लाने की

गदर टू चले गए थे कोई बात नहीं मैं जाऊंगी फिफ्टीन को ओ ठीक है बड़ी मुश्किल से पंद्रह अगस्त को पिताजी को छुट्टी मिलती है वरना सैटरडे संडे सब है ना तो पंद्रह अगस्त को सभी स्टूडेंट्स को जिस तरीके से आपको इंतजार रहता है बूंदी के लड्डू हमारे यहाँ मिलते हैं मोहन जी के लड्डू बड़े अच्छे होते हैं है ना वो लड्डू आप खुद खरीद के लाओ ना उसकी बात नहीं है बात यह है कि पापा लेके आते हैं ना वो चाहे एक लड्डू आए दो लड्डू आए पर हाँ, पापा लाते हैं पापा के ऑफिस से मिलता है उसका स्वाद ही अलग है ना वो चाहे फिर कितने भी बड़े हो जाओ आपको इंतजार उसी चीज का रहता है ठीक है चलो वैसे फिफ्टीन ऑगस्ट को एक क्लास भी लेंगे हम आपके लिए नहीं है वो थोड़ी क्लैट एस्पेरेंट्स के लिए ठीक है तो फिफ्टींथी ऑगस्ट एक बहुत अच्छा सा वीडियो भी आ रहा है उम्मीद करते हैं कि वो वीडियो बन जाएगा तो डेफिनेटली आप सभी स्टूडेंट्स के साथ उसको शेयर किया जाएगा ठीक है आगे सुनो एक्सटेंशन

आ जाओ स्टूडेंट्स चलिए ट्रायल स्टार्ट करेंगे यस और नो शुड वी बिगिन विद द ट्रायल यस वी शुड बिगिन विद द ट्रायल मैम ओके उससे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स हम बनाएंगे एक ट्रायल का चार्ट ट्रायल का चार्ट इज नेसेसरी देखो ट्रायल दो तरीके तीन तरीके की हैं कितनी है बेसिकली तीन तरीके की ट्रायल है पहली कौन सी हमारे पास पहली है हमारे पास वारंट ट्रायल ट्रायल, फिर आती है हमारे पास समन ट्रायल फिर आती है हमारे पास समरी ट्रायल अभी तो प्ली बार्गेनिंग भी पढ़ेंगे। जब हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स वारंट ट्रायल की तो वारंट ट्रायल किसके किसके द्वारा होती है एक तो बाय कोर्ट ऑफ सेशन होती है दूसरा बाय मेजिस्ट्रेट होती है बाय कोर्ट ऑफ सेशन एंड बाय मेजिस्ट्रेट मेजिस्ट्रेट के द्वारा भी कैसे होती है ऑन पुलिस रिपोर्ट एंड अदरवाइज ऑन पुलिस रिपोर्ट चलो वॉरेंट ट्रायल के सेक्शंस बताएंगे स्टूडेंट्स फटाफट से वॉरेंट ट्रायल के सेक्शंस कहां से कहां तक है पहले कोर्ट ऑफ सेशन 225 से लेके 237। फिर ये कहां से कहां तक है 238 से लेके 250, 251 से लेके 259, 260 से लेके 263 65 सॉरी 265 हाँ इसके बाद तो प्ली बार्गेनिंग आ जाती बराबर है यस और नो ये एक छोटा सा चार्ट आपको अच्छे से ध्यान रहना ही रहना चाहिए ठीक है ओके यस यस बाकी है अभी तो देखो देखो बस 6 बजे तक साथ बनाए रखो स्टूडेंट्स ढाई घंटे और है ठीक है तो फिनिश करते हैं फटाफट फड़ इसको चलो

तो हमारी सेशन ट्रायल क्या हो जाती है स्टूडेंट्स स्टार्ट हो जाती है देखो ओपनिंग स्टेटमेंट बिल्कुल है ट्रायल स्टार्ट जरूर होती है ट्रायल कंडक्ट जरूर की जाती है लेकिन जो मेन ट्रायल है वो कैसे होती है जब हमारे जब हमारे चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं ना ठीक है वैसे कैसा होता है जब हमारा

उससे पूछेंगे डू यू प्लीड गिल्टी और नॉट एंड इफ ई सेज दट यस आई प्लीड गिल्टी तो टू ट्वेंटी नाइन में कन्विक्शन हो जाएगा जजमेंट मिल जाएगा इफ ई सेट पीड गिल्ति टू थर्टी में हम प्रोसिक्यूशन एविडेंस लेंगे मतलब पार्टी का एविडेंस पहले लेंगे एंड उसके बाद हम प्रोसिक्यूशन एविडेंसिस को रिकॉर्ड करेंगे पहले डेट फिक्स करेंगे प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस की उसके बाद रिकॉर्ड करेंगे उन एविडेंसेस को फिर हम एक्विटल कर देंगे अगर लग रहा है कि नहीं चार्ज फ्रेम करने के बाद लग रहा है कि नहीं सफिशियंट ग्राउंड नहीं है तो हम एक्विट कर देंगे लेकिन लग रहा है कि नहीं भाई हमें डिफेंस को भी सुनना पड़ेगा बात तो डिफेंस की भी है तो डिफेंस के एविडेंसेस में एंटर करेंगे रिकॉर्ड करेंगे उन्हें एंड आर्ग्यूमेंट के बाद फाइनल जजमेंट पे पहुंच जाएंगे ठीक है ट्रायल से रिलेटेड क्वेश्चन कम आते हैं आपको जिस बेसिक क्वेश्चन आता है कि चैप्टर नंबर पूछा जा सकता है और आपको क्या पूछा जा सकता है प्रॉपर सेक्शन uh, का रेंज पूछा जा सकता है ठीक है ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट 238 से लेकर 253 238 में कंप्लायंस करना है किसका 207 का 207 मतलब 207 मतलब डॉक्यूमेंट सप्लाई कीजिए प्लीज डॉक्यूमेंट सप्लाई करने के बाद अगर लग रहा है सफिशिएंट ग्राउंड्स नहीं है ग्राउंडलेस चार्जेस हैं तो अक्यूज को डिस्चार्ज कर देंगे लेकिन लग रहा है कि सफिशियंट चार्जेस है तो चार्ज फ्रेम करेंगे पूछेंगे प्लीड गिल्टी कर रहे हो अगर वो बोलता है यस आई प्लीड गिल्टी तो कन्विट करेंगे और जजमेंट सुना देंगे अगर लग रहा है अगर लग रहा है कि प्लीड गिल्टी नहीं कर रहा है तो एविडेंस लेंगे प्रोसिक्यूशन का डिफेंस का फिर एक्विटल या कन्विक्शन हो जाएगा कहां पे हो रहा है दो बार एक्विटल जी बताओ प्री दो बार एक्विटल किधर ठीक है क्लियर हाँ, हा हां बिल्कुल यहां पे हो सकता है यह ये देखो यहां पे भी कन्विक्शन एंड एक्विटल दो जगह हो सकता है ठीक है ये वाला पॉइंट बोल रहे हो क्या प्रितेश जी चलो नेक्स्ट पॉइंट दैट इज वॉरेंट ट्रायल बाय मेजिस्ट्रेट 244 अब देखो दोनों में फर्क क्या है ये वाली भी वॉरेंट ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट थी और ये वाली ट्रायल भी वॉरेंट ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट थी दोनों में फर्क क्या है ये किस पे थी स्टूडेंट्स ये पुलिस रिपोर्ट पे, थी ये किस पे है स्टूडेंट्स ये विदाउट वॉर ट्रायल है विदाउट I दिस mean uh, uh, पुलिस रिपोर्ट बिना पुलिस रिपोर्ट के हैं क्लियर है ओके okay. ये कौन सी स्टूडेंट्स

डिफेंस का एविडेंस रिकॉर्ड करेंगे प्रोसिक्यूशन का तो हमने पहले ही कर लिया था एंड अगर लग रहा है कि हाँ जी मामले में दम है तब तो कन्विक्ट किसकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स हम एबेंस ऑफ अगर कंप्लेनेंट एबसेंट हो गया वॉरेंट ट्रायल में तो क्या वॉरेंट ट्रायल में कंप्लेनेंट एबसेंट हो गया आए नहीं तो क्या तो 249 कहता है वॉरेंट ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट हो रही है अदरवाइज़ क्योंकि है, है, पुलिस रिपोर्ट पे नहीं, report, so जी एंड ऑफेंस कैसा है कंपाउंडेबल एंड नॉन कॉग्नेसिबल है तो इसका इफेक्ट क्या होगा डिस्चार्ज ऑफ अक्यूज बाय कंप्लेनेंट नहीं आए ना तुम ऑफेंस कंपाउंडेबल था नॉन कॉग्नेसिबल था लाइट टाइप का था हमने अक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया अब निकलो ठीक है फॉर दी अक्यूजेशन विदाउट रीजनेबल ग्राउंडलेशन फॉर अक्यूजेशन सॉरी अरेस्ट नहीं है स्टूडेंट अक्यूजेशन दैट इज मैलिशियस प्रोसिक्यूशन की बात कर रहा है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन की बात करने पर अब देखो यहां पर क्या है फर्स्ट बोल रहा है कि मैजिस्ट्रेट

फेल हो गया कॉम्पनसेशन देने में अक्यूज को आपने कॉम्पनसेशन नहीं दिया तो थर्टी डेज का इंप्रेजेंटमेंट मिलेगा सेक्शन नंबर आईपीसी अप्लाई होगा जो बात करता है डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ द डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ दी फाइन कॉम्पनसेशन अगर आप पे इंपोज कर दिया गया तो उसके बाद भी आपको किससे बरी नहीं कर दिया जाता सिविल या क्रिमिनल लाइबिलिटी से मुक्त नहीं कर दिया जाता है

जब तक आपकी अपील डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाती Clear है क्लियर है एंड अपील किसको किसमें लाए करेगी अपील अपील समन केस एंड वॉरेंट केस दोनों में ही सॉरी सेक्शन नंबर 250 दोनों में ही अप्लाई होगा समन केस एंड वॉरेंट केस दोनों में ही अप्लाई होगा यस और नो बताओ मिटा दे इसको है फिर तुम्हारे पास पीपीटी आएगी फिर बोलोगे अरे मैम लिखा हुआ आ गया है चलो आगे चलो नाउ <coughs> लेके टू फिफ्टी टू ट्वेंटी फाइव से लेकर टू फिफ्टी हमने देख लिया वॉरेंट ट्रायल अब हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ समन ट्रायल समरी ट्रायल भी देखेंगे ऐसा नहीं है ठीक है अब देखो यू देखो फटाफट फटाफट होंगे आगे के बहुत सारे प्रोविजन तो सेक्शन नंबर 251 ये बोलता है सब्सटेंस टू बी स्टेटेड टू तो द अक्यूज बताओ समन ट्रायल में समन ट्रायल में क्या चार्जेस फ्रेम होते हैं समन ट्रायल में डू वी नीड टू फ्रेम द चार्जेस यस और नो कमेंट सेक्शन में फटाफट से स्टूडेंट बताएंगे इसीलिए मैं आप सबके लिए मेजर पीपीटीज बना के लाई थी क्योंकि मुझे पता है कि ये सारी चीजें समझाने के लिए पीपीटी लगती है और अगर मैं यहां आके पीपीटी बनाऊंगी

वारंट केस अगर वो बोलता है जी मैं प्लीड गिल्टी कर रहा हूं तो कन्विक्शन दे देंगे अगर वो बोलता है कि नहीं मैं तो प्लीड गिल्टी नहीं करता तो हम प्रोसिक्यूशन एविडेंस रिकॉर्ड करेंगे डिफेंस एविडेंस रिकॉर्ड करेंगे उसके बाद क्या करेंगे उसका एक्विटल या कन्विक्शन हम कर देंगे ठीक है क्लियर है ओके यस और नो बराबर यथा रीति आरोप विरचित करना आवश्यक नहीं है जयशु शर्मा जी ग्रेट अभी तो यहां जुबान अटक रही है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बोलने में भी है चल गुड गुड स्टूडेंट्स टू डब्ल्यू एंड टू एक्स चल अब यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं चाहती हूं कि आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे अब सुनो करना क्या है इसमें पहले तो इस सेगमेंट को डिवाइड करो ठीक है मैं ही आपके लिए डिवाइड कर देती हूं इसको अरे भैया तुमको कहा बोले चल ठीक है सुनो इसको डिवाइड करो एक तो ठीक है आप सुनो पहले ऊपर वाला पार्ट पढ़ेंगे क्योंकि इसका इफेक्ट देखना हमको ठीक है इफेक्ट पूछा जाएगा एग्जाम में गलत नहीं करना है पहले सेक्शन

फाइव टू ओके क्लियर है अब मैम आपकी हिम्मत जो है वो क्या कर रही है गिव अप कर रही है ठीक है <coughs> 256, 256 ये कहता है कि मैम अगर कंप्लेनेंट नहीं आया या कंप्लेनेंट की डेथ हो गई उसको एक्वेट करेंगे क्या करेंगे ये वर्ड ध्यान रखने उसको हम एकवेट कर देंगे वो एक्वेट हो जाएगा ठीक है Clear? अब आगे सुनो। अगर 257 में कर 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 लेता है, क्या कर रहा है? कर लेता है, before the final order of the summon, कर रहा है? है है। क्या रहा रहा पे आ नहीं रहा था 257 में विद्रॉल कर रहा है फिर से हमारा अक्यूज क्या हो जाएगा एक्विट हो जाएगा। दोनों में बराबर कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है आगे सुनो टू क्या बोल रहा है टू फिफ्टी एक मिनट ये हम विद्रॉल किसके साथ पढ़ेंगे यहां से पढ़ेंगे ये देखो विड्रॉल जहां हमने प्रोसिक्यूशन के विड्रॉल में क्या बोला था प्रोसिक्यूशन के विड्रॉल में, तो तो में हम क्या बोल रहे हैं अगर विड्रॉल किया जाता है बोल रहा है पावर टू स्टॉप द प्रोसीडिंग वेन समन केस ऑन पुलिस रिपोर्ट हमारे हमारे मैजिस्ट्रेट के पास पावर है स्टूडेंट्स वो क्या कर सकते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या अदर मैजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं प्रोसीडिंग को रोक सकते हैं समन केस के मामले में जब वो पुलिस रिपोर्ट पे है और कब रोका जा सकता है अगर उसको रोका गया है एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस के बाद कब रोका गया है आफ्टर एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस प्रोसिक्यूशन विटनेस के एविडेंसेस ही हुए हैं ना अभी तो एक्विट हो जाएगा ठीक है लेकिन बिफोर द एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस हुआ है before, मतलब prosecution evidence के witness से पहले भी तो ये होगा 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 क्या होगा? मात्र डिस्चार्ज होगा, and अगर after evidence of prosecution witness हो गया तो एक स्टेज और आगे चलेगा तो एक स्टेज और आगे जाओ मतलब एक्विटल होगा ठीक है क्लियर है यस और नो यस बराबर क्लियर आगे चले तो ये पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखना स्टूडेंट्स एग्जाम में आएगा ये एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस एविडेंस ऑफ विटनेस आफ्टर है तो एक्विटल है है बिफोर तो डिस्चार्ज है क्लियर है चलो 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 अब थोड़ी सी देर की बात है बेटा फटाफट से फिनिश करते हैं पावर ऑफ द कोर्ट टू में हमने क्या बोला ये पढ़ा भी हमने यहाँ पे ना टू फिफ्टी कोर्ट के पावर्स में क्या है टू में हमने बोला ये प्रोसीडिंग स्टॉप कर सकते हैं कौन सी समन केस के मामले में समन केस के मामले में कर सकते हैं क्लियर है अब सुनो 259 समन केस वॉरेंट केस कन्वर्जन बोल रहे हैं समन केस को कन्वर्ट कर सकते हैं हम वॉरेंट केस में 259 जब डेफिनेशंस लिखते हैं तो पास ही लिख लेते है, 259, जब ऑफेंस ऐसा है इंटरेस्ट तो वो क्या कर सकते हैं सकते हैं केस में और वहां पर फर्दर रीयर करेंगे केस को अकॉर्डिंग टू दी वॉरेंट केस वॉरेंट केस में तब्दील कर दिया ना भाई साहब तो अब वॉरेंट केस के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे मैटर की सुनवाई करेंगे एंड वी विल रिकॉल दी विटनेसेस क्लियर है मूविंग ऑन टू समरी ट्रायल मूविंग ऑन टू समरी ट्रायल समरी ट्रायल क्या कह रहा है टू सिक्सटी टू टू सिक्सटी फाइव एक्चुअल प्रोसीडिंग बता रहा है और उसके बाद हमें क्या बता रहा है स्टूडेंट्स उसके बाद हमें अदर्स बता रहे क्या बता रहे स्टूडेंट्स अदर प्रोविजन बता रहे हैं सुनो Actual proceeding का दे रखी है 260 और 261 में दे रखी है और 265 में और क्या, क्या? क्या बताया प्रोसीजर बता रखा है आगे और बाकी चीजें रिकॉर्ड कैसा होना है उसका जजमेंट कैसा होना है उसकी लैंग्वेज कैसे होनी है तो पहले डिस्कस करेंगे एक्चुअल प्रोसीजर टू में क्या बोला कौन समरी ट्रायल करवा सकता है स्टूडेंट्स गोल्डन रूल सी जे एम 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 एंड जे एम एफ सी सीजेएम एंड एमएम समरी ट्रायल कर सकते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को अगर करना है तो अगर वो एम्पावर्ड है हाईकोर्ट द्वारा तो ही वो समरी ट्रायल कंडक्ट कर सकते हैं ये बोलता है 260। अब भाई 260 में हम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की बात कर रहे हैं तो 262 में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की भी बात कर लेते हैं अब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास

प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या नहीं है दो हजार से ज्यादा नहीं है, है क्रॉस की की है और जहां हंड्रेड इलेवन में कंसील किया गया है को, या, कोई भी स्टोलन प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ किया गया फोर हंड्रेड फोर्टीन में ऑफेंसिस अंडर 454 एंड 456 ऑफ आईपीसी ये सारा याद करना ही करना है करना है आपको इंसल्ट इंसल्ट कर रखा है टू ब्रीच ऑफ प्रीस अंडर फोर जीरो फाइव जीरो फोर एंड फाइव जीरो अबेटमेंट है इन सारे ऑफेंसेस का या इन सारे ऑफेंसेस का अटेम्प्ट है या सेक्शन ट्वेंटी ऑफ कैटल ट्रास ट्रेस पास एक्ट है तो फिर इन सारे मामलों को स्टूडेंट्स हम समरीली ट्राई करेंगे समरीली ट्राई कौन करेगा टू सिक्सटी के तहत सीजेएम करेगा एमएम MM करेगा और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास करेगा अगर हाई कोर्ट उनको एम्पावर करे तो एंड 261 क्या बोलता है सेकंड क्लास भी कर सकता है प्रोवाइडेड कि उनको भी हाई कोर्ट अलाउ करे तो एंड वो भी कौन से जहां पे पनिशमेंट सिक्स मंथ से ज्यादा की नहीं है और ऐसे ऑफेंसेस का अगर अबेटमेंट किया गया या अटेम्प्ट किया गया तो सिर्फ इन्हीं मामलों में जुडिशियल मैसेज सेकंड क्लास उस ऑफेंस को ट्राई कर सकता है अगर यहां पर भी हाईकोर्ट उन्हें परमिशन दे तो

समरी प्रोसीजर की प्रोसीजर कौन सी है समरी ट्रायल की प्रोसीजर समन ट्रायल वाली है कौन सी है समन ट्रायल वाली है तो समरी की खुद की कोई प्रोसीजर नहीं है समन ट्रायल की है अब क्या मैं बोल सकती हूं पेटी ऑफेंस में भी कैन आई कंक्लूड पेटी ऑफेंस में भी समन केस की ट्रायल है बिकॉज़ 206 ने बोल दिया कि कौन सी प्रोसीजर है इन्होंने बोला पेटी ऑफेंस की ट्रायल कैसी होगी समरी ट्रायल होगी अरे बाबू जब आप बोल रहे हो कि ये जो आपकी पेटी uh, ऑफेंसेस का मामला है इसमें समरी ट्रायल होगी तो समरी ट्रायल में तो सेक्शन 262 खुद बोल रहा है कि समन केस होगी और नो, कैन आई दिस, हाँ जी हांजी मुस्कान जी डेफिनेटली डेफिनेटली ये होगा ठीक है यस यस और नो फटाफट से कमेंट सेक्शन बताओ फटाफट से एंड यहां पे पनिशमेंट क्या नहीं होगी कभी भी समरी ट्रायल में पनिशमेंट तीन महीने से ज्यादा की नहीं होगी यस आई कैन से तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स ध्यान रखना डेफिनेटली जी ध्यान रखना कि हमेशा जो पेटी ऑफेंसेस में हम बोल रहे हैं समरी ट्रायल तो समरी ट्रायल भी तो घूम के किसकी प्रोसीजिंग बता प्रोसीजर बता रही है समन प्रोसीजर बता रही है तो हम बोल सकते हैं कि पेटी ऑफेंस में भी समन प्रोसीजर की ट्रायल होती है क्लियर है स्टूडेंट्स चलो फटाफट से आगे चलेंगे चलो 263 रिकॉर्ड ऑफ समरी ट्रायल जब आप रिकॉर्ड बनाओगे समरी ट्रायल का तो वो कैसे होना चाहिए फॉर्म कैसा होना चाहिए उसका जो कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करे सीरियल नंबर होना चाहिए डेट ऑफ ऑफेंस होना चाहिए डेट ऑफ कंप्लेंट रिपोर्ट नेम ऑफ कंप्लेनेंट होना चाहिए नेम एंड पेरेंटेज एंड एड्रेस ऑफ अक्यूज ध्यान रखना यहां से क्वेश्चन आ चुका है पहले भी ठीक है नेक्स्ट इज ऑफेंस complaint of of plea of accused, his examination findings, sentences, final orders and the the date when the proceeding got terminated. Ye aapko kya karna hai students, us record mein mention कंप्लेट ऑफ Judgment, ऑफ में क्या होगा? अगर अक्यूज प्लीड गिली नहीं करता है स्टूडेंट तो मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेंगे क्यों प्लीड गिल्टी नहीं कर रहा है और उसमें सबस्टैंड ऑफ एविडेंस देंगे कौन कौन से नोट किए हैं जजमेंट कंटेनिंग द स्टेटमेंट रीजन फॉर the, रीजन फॉर द findings. क्लियर है मैं अब चक्कर आ रहे हैं चक्कर आ रहे हैं वैभव जी तो बैठ जाओ ठीक है अब सुनो 265, 265 किसकी बात करता है लैंग्वेज किसकी रिकॉर्ड एंड जजमेंट की रिकॉर्ड एंड जजमेंट के लैंग्वेज की बात कर रहा है जहां पे यह बोला जा रहा है स्टूडेंट्स 263 263 एंड 264 की बात की जा रही है इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट होगी रिकॉर्ड कहां पे दे रखा है कोर्ट के रिकॉर्ड की लैंग्वेज कहां दे रखी है या मैं बोलूं लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड कहा है, 263 में लैंग्वेज ऑफ जजमेंट कहा दे रखा है टू में और कोर्ट की लैंग्वेज कौन सी होगी जो 272 में दे रखी है 272 में 272 में सबके कोर्ट की लैंग्वेज डिसाइड करता है स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट दी हाई कोर्ट एक्सेप्ट दी हाई कोर्ट ठीक है चलो आगे सुनो बहुत सुंदर और प्यारा चैप्टर है से 265L, जहां बेसिक कहां दे रखे है, में बोल है, फिर फाइनलिटी ऑफ जजमेंट की बात करेंगे पावर ऑफ कोर्ट पीरियड ऑफ डिटेंशन एंड स्टेटमेंट ऑफ द अक्यूज अच्छे से सुनो एप्लीकेशन यहां से क्वेश्चन आते हैं जेलों में आएंगे एंड उसके बाद एंड उसके बाद क्या करेंगे आप अगर अटेम्प्ट नहीं कर पाए तो आपको काफी रिग्रेट रहने वाला है ठीक है चलो 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 यस yes. एप्लीकेशन कहां कहां अप्लाई होता है स्टूडेंट्स? हर ऑफेंस पे अदर देन डेथ एलाई इन सेवन ईयर्स तो कह रहा है सेम

पीपी -पी को नोटिस भेजेंगे ताकि क्या हो वो अपियर हो उस फिक्स डेट पे पीपी -पी को भेजेंगे अक्यूज को भेजेंगे कंप्लेनेंट को भेजेंगे अक्यूज को एग्जामिन करेंगे इन कैमरा में एंड एंड अगर सेटलमेंट हो जाता है तो जजमेंट हम देंगे इन ओपन कोर्ट कॉम्पनसेशन देंगे विक्टिम को हम यहां पे एंड रिलीज करेंगे अक्यूज को अंडर 360 सिक्सटी एंड मे गिव हाफ पनिशमेंट अगर प्ली बार्गेनिंग हो जाती है तो हम सिर्फ और सिर्फ हाफ पनिशमेंट देने वाले हैं नो अपील कौन से मामले में अपील नहीं होगी यहां पे प्ली बार्गेनिंग कोई भी अपील अलाउड नहीं है एक्सेप्ट आप क्या कर सकते हो रेड पिटीशन फाइल कर सकते हो टू ट्वेंटी टू ट्वेंटी में या फिर स्पेशल एसपीएल फाइल कर सकते हो स्पेशल लीव पिटिशन फाइल कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 136 अब प्रोसीजर पे आ जाओ प्रोसीजर 265 में बोला है एमएसडी करना पड़ेगा म्यूचुअल सैटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन आपको करना पड़ेगा 265 में जहां पर अगर केस है पुलिस रिपोर्ट पे तो फिर नोटिस दीजिए पीपी को आयो को एक्यूज अक, अक्यूज को एंड विक्टिम को अगर केस है तो आपको नोटिस देना सिर्फ सिर्फ और विक्टिम को ध्यान रखना एफआईआर का मामला है ना तो फिर हम आयो को भी देंगे और आयो के देंगे तो पीपी -पी को भी देंगे और मामला सिर्फ कंप्लेन का है, तो आयो को नहीं देंगे आयो को नहीं देंगे तो पीपी -पी को नहीं देंगे मतलब अक्यूज और विक्टिम को ही देंगे अगर रिपोर्ट एमएसडी की रिपोर्ट आती है पार्ट डी में और अगर वर्कआउट हो जाता है तो रिपोर्ट प्रिपेयर की जाएगी लेकिन अगर एमएसडी वर्कआउट नहीं होता है तो हम रिकॉर्ड को ऑब्जर्व करेंगे स्टूडेंट एंड प्रोसीड करेंगे अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी छोड़ो प्ली प्लीवरगेनिंग नहीं हुई नॉर्मल अपनी ट्रायल पे आ जाते हैं ओके 265 e क्या बोलता है है जब केस हो रहा तो क्या करेंगे? Compensation देंगे विक्टिम को, रिलीज करेंगे रिलीज कर सकते हैं हम किसको अक्यूज को प्रोबेशन पे हाफ पनिशमेंट भी दे सकते हैं या फिर वन फोर्थ पनिशमेंट ये आपको अच्छे से सी और डी पॉइंट नंबर एक बार देखना पड़ेगा कि हाफ और वन फोर्थ पनिशमेंट कब देंगे ठीक है चलो

और 223 में हम बात कर रहे हैं जब हम सेवरल ऑफेंडर्स को ज्वाइन कर रहे हैं यहां पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स यहां पे ऑफेंसेस हो रहे हैं और यहां पे ऑफेंडर ज्वाइन हो रहे हैं ठीक है क्लियर चल फॉर्म ऑफ चार्ज तो ये हमारा फॉर्म ऑफ चार्ज का एक छोटा सा चार्ट है जहां पे 200 हंड्रेड में कंटेंट पढ़ेंगे पर्टिकुलर्स एज टू द चार्ज मतलब 212 में आपको यह बोल रखा है कि आपको कुछ पर्टिकुलर्स भी मेंशन करने हैं। द मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफिस भाई तुमने कमिट किया कैसे वो स्टेट करना है 214 में बोला चार्ज में वही वर्ड एक्सप्लेन करें जो एक्चुअली आपका उस पर्टिकुलर लॉ में दे रखा है एरर ऑफ एरर का इफेक्ट देखना है फिर अल्टरेशन की बात करेंगे हम एंड शुरू करेंगे सबसे पहले हमारा फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का सेक्शन नंबर 211 जो ये कहता है कंटेंट ऑफ चार्ज में आप ऑफेंस स्टेट करो specific name बताओ, number specified करो स्पेसिफिक नेम नेम बताओ definition of बताओ नंबर स्पेसिफाइड सॉरी अक्यूज का डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस बताओ ठीक है लॉ बताओ सेक्शन बताओ लीगल कंडीशन बताइए सब कुछ कोर्ट की लैंग्वेज में रिटर्न होना चाहिए प्रीवियस कन्विक्शन का डेट एंड प्लेस भी बताइए क्लियर है ओके okay, आपका फेवरेट है ये चलो देन इज पर्टिकुलर ऑफ द चार्ज पर्टिकुलर ऑफ द चार्ज मतलब टाइम एंड प्लेस बताओ आइटम डेट इन केस ऑफ द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट डिसनेक्सीड वन ईयर बिट्वीन बिटवीन द फर्स्ट डेट एंड दास्ट डेट कहने का मतलब यह है कि ये जो ऑफेंसेज की बात कर रहे हैं ये क्या नहीं एक्सीड होना चाहिए फर्स्ट डेट एंड लास्ट डेट के बीच इसका एक साल से ज्यादा का टाइम पीरियड एक्सीड नहीं होना चाहिए 213 बोल रहा है मैनर ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस आपको यह बताना पड़ेगा कन...

अगर इफेक्ट हुआ सॉरी एरर हुई तो क्या इफेक्ट होगा तो उन्होंने बोला बिल्कुल भी मेटीरियल कंसिडर नहीं करते हमें कोई इफेक्ट नहीं करेगा ये हमें कोई इफेक्ट नहीं करेगा एक्सेप्ट कब अगर अक्यूज मिसलेड हुआ है या जस्टिस का फेलियर हुआ है तो हम कहेंगे कि यहाँ पे प्रॉपर एक अच्छा एरर हुआ है अदरवाइज हम एरर को मेटीरियल कंसिडर ही नहीं करते हैं नेक्स्ट इज ऑल्ट्रेशन टू एंड टू कौन सा है 216 एंड 217 की बात कर रहे हैं 216 बोल रहा है कोर्ट्स पावर

ओके नेक्स्ट इज ऑल्टर एंड एडिशन करते हुए सच सैंक्शन ऑफ़ द द रिक्वायर्ड देन सेक्शन अगर स्टूडेंट्स चार्ज ऐसा है जहां पर कि हमें सैंक्शन चाहिए जो भी सैंक्शन रिक्वायर्ड है चाहे स्टेट गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर वो रिक्वायर्ड है तो आप लेके आइए उसके बाद ही आप ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं ठीक है 217 क्या बोल रहा है रिकॉल विटनेस आप जब ऑल्ट्रेशन ऐसा कर रहे हैं तो आप विटनेस को रिकॉल कर सकते हैं रीसमन कर सकते हैं एग्जामिन कर सकते हैं को call any further witnesses. ये पूछा जा सकता है में, में. किसकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स हम हम बात कर रहे हैं ज्वाइंटर ऑफ द चार्ज चलो चार्ज का ज्वाइंटर कैसे होगा 218 बोल रहा है जनरल रूल बताया है अब जनरल रूल में इन्होंने क्या बताया स्टूडेंट्स जनरल रूल में इन्होंने ये बोला है क्या क्या बताया गया students? इन्होंने बोला है separate charge for every Exception क्या है इसके 219, 20, 21 and 23, 22 and 24 भी हैं। लेकिन पहले समझेंगे हम कि इन्होंने ये बोला 218 में दैट सेपरेट ऑफेंस के लिए आप क्या सेपरेट चार्ज के लिए क्या करेंगे सेपरेट ऑफेंस अरे भाई जब अलग अलग ऑफेंस किया है तो अलग अलग चार्ज लगाओ ना अलग अलग जब ऑफेंस किया है तो अलग अलग चार्ज लगाइए आप अगर थेफ्ट का थे तो थेफ्ट का चार्ज लगाइए मर्डर किया तो मर्डर का लगाइए अगर आपका यहां फॉर्जरी है तो फॉर्जरी का चार्ज लगाइए आपको एक ही चार्ज नहीं लगाना है अब 219, हंड्रेड नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी इस सबका एक्सेप्शन है इस सबका एक्सेप्शन है आई मीन टू हंड्रेड 218 का एक्सेप्शन है 219 कहता है स्टूडेंट्स तीन ऑफेंस सेम काइंड के किए गए इन एरिया ईयर सबको एक साथ चार्ज करेंगे सबको एक साथ जोड़ लेंगे हम और जैसे मानेंगे जैसे कि जैसे कि एक ही ऑफेंस किया गया है अब इन्होंने बोला है 12 मंथ्स में होना चाहिए 12 मंथ्स एंड थ्री इन नंबर ये जरूरी है तो उन सबको हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स एक साथ ट्राई कर लेंगे एंड सेम काइंड का मतलब क्या होता है जिसकी पनिशमेंट सेम काइंड की ध्यान रखना यहां से आ सकता है ठीक है क्लियर है किसको दिख रहा है वन एट्टी स्लाइड्स हाँ बाबा चलो आ जाओ आ जाओ आगे आ जाओ अब देखो सेक्शन 220 बोलता है ट्रायल ऑफ मोर देन वन ऑफेंस अगर एक से ज्यादा ऑफेंस की ट्रायल है अगर ट्रायल ऑफ मोर देन वन ऑफेंस कमिटेड इन वन सीरीज टू फॉर्म दी सेम ट्रांजैक्शन आप उनको सेम उसमें ट्राई कर सकते कोई दिक्कत नहीं है देखो क्या बोल रहा है सेम ट्रांजैक्शन एक ही सीरीज में आपने एक से ज्यादा ऑफेंस कमिट किए हैं ना तो ये माना जाएगा कि सेम ट्रांजेक्शन में वो किए गए सेक्शन नंबर सिक्स रेस्ट जैसे थोड़ा थोड़ा कनेक्ट कर सकते हो राइट क्लियर है क्लियर है तो यहां पे आपको यह ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि यहां पे अगर एक ही सीरीज में एक से ज्यादा ऑफेंस किए गए हैं तो हम ये मानेंगे कि वो सेम ट्रांजैक्शन के ऑफेंस है और हम उन्हें ट्राई

में ही किए हैं नेक्स्ट इज अबैटमेंट हो गया या अटेम्प्ट हो गया प्रॉस्प दैट इज दैट इज दैट इज दैट इज पर्सन अक्यूज्ड ऑफ मोर देन वन ऑफेंस इन ट्वेल्व मंथ्स नॉट एक्ससीडिंग थ्री ठीक है ये कौन सा हो गया 219 यस और नो 219 220 एंड 221 नेक्स्ट इज थेफ्ट रॉबरी एक्सट्रॉशन क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन सबको एक साथ ट्राई कर लो प्रोसिक्यूशन ऑफ दी और पर्सन अफ फोर हंड्रेड इलेवन एंड फोर हंड्रेड फोर्टी पर्सन अक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर ट्वेल्व ऑफ आईपीसी क्लियर है फिर बोल रहा है विद्रॉल ऑफ रिमेनिंग चार्ज अगर हम चार्ज को कर लें अगर हम चार्ज को विड्रॉल कर लें तो उसका इफेक्ट होगा

ज नॉट इवन यू नो वर्दी फॉर योर इंस्पिरेशन आज कहीं से भी आ गए क्या क्या करना क्या चाहते हो जीवन में हाँ ये सारी चीजें करनी है इन तो सोचो इमेजिन द लेवल ऑफ थिंकिंग जुडिशरी की क्लास चल रही है बोल रहे मैम फलाने डिमकाने पर्सन का नाम लो क्या हो जाएगा उससे उसके वोट के मैं क्यों मांगू उसके वोट के लिए आई डोंट इवन सी दैट पर्टिकुलर शो द मोस्ट यूजलेस शो जो आपको एग्रेशन सिखा रहा है जो आपको कंपैटिबिलिटी नहीं सिखा रहा है जो आपको यू नो डिसिप्लिन नहीं सिखा रहा कोई कुछ भी करते जा रहा है दैट इज स्क्रिप्टेड तुमको क्यों देखना हो देखना है देखो बट डोंट प्रमोट ऑल थिंग्स प्रमोटर मैम इसका नाम बोल दो मैं क्यों बोलू नाम मतलब देखो तुम कुछ ऐसा काम करो बेटा कि जिस दिन मैं प्राउडली तुम सबका नाम ले सको हां वो स्टूडेंट मेरा है ठीक है जैसे मैं अपनी फर्स्ट स्टूडेंट का नाम अक्सर क्लास में लेती हूँ ठीक है शी इन स्टैंडर्ड आई आई फर्स्ट ईयर टू टीच हर सो मैं रुचि का नाम हर जगह लेती हूँ आज वो आई थिंक एम बी बी एस कर रही है, है चलो, और उसकी मम्मी को भी बड़ा पसंद था कि नहीं तुम ही पढ़ाओ मेरी बेटी को इमेजिन आई यू टू हर मैथ साइंस ठीक है चलो आ जाओ वापस आ जाओ सेक्शन नंबर टू ट्वेंटी टू टू ट्वेंटी टू किसकी बात कर Focus करना. It says, When in क्या बोल रहा है क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स ये बोल रहा है व्हेन ऑफेंस अच्छे से सुनना 222 थोड़ा टेढ़ा है अच्छे से सुनना इट सेज व्हेन ऑफेंस प्रूव्ड इज इंक्लूडेड इन ऑफेंस चार्ज्ड कहने का मतलब ये है जो 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 ऑफेंस आपने चार्ज किया बड़ा ऑफेंस चार्ज किया लेकिन उसमें जो हमने उसमें क्या-क्या स्टूडेंट्स क्या, जो ऑफेंस प्रूव हुआ है वो ऑलरेडी उसमें था वो ऑलरेडी उसमें था तो इस केस में क्या होगा ये हमारा कौन सा ऑफेंस था स्टूडेंट्स ये मेजर ऑफेंस था और ये कौन सा ऑफेंस था ये माइनर ऑफेंस था तो ये ऑलरेडी उसके अंदर मौजूद था और ये प्रूफ हो गया तो क्या होगा अब देखो वेन ए पर्सन इज चार्ज विद सब सेक्शन सबसेक्शन ऐसा ऑफेंस विच कंसिस्ट सेवरल पर्टिकुलर एंड कॉम्बिनेशन कॉन्स्टिट्यूटिंग वन माइनर लॉ

लेकिन बाकी के पर्टिकुलर्स प्रूफ नहीं हुए ना ये प्रूफ हो गया तो हम उसको इसके लिए चार्ज कर देंगे ठीक है यस वेरी गुड हिमांशु जी जैसे हर्ट ग्रीवियस हर्ट के अंदर ही है ओके नेक्स्ट ऑफेंस बट ऑफेंस ऐसे ऑफेंस के लिए चार्ज किया जा रहा है बट द फैक्ट प्रूव्ड रिड्यूस इट टू माइनर ऑफेंस हमने चार्ज तो उस पर्टिकुलर बड़े ऑफेंस के लिए किया लेकिन जो प्रूफ हुआ उसको रिड्यूस छोटे ऑफेंस की सजा मिल रही है उसको। बड़े ऑफेंस के लिए पनिश किया था लेकिन जब सब कुछ मैटर देखा गया तो पता चल रहा है कोई अलग सा छोटा सा ऑफेंस के लिए उसको पनिशमेंट दी जा सकती है देन ही कैन बी कन्विक्टेड ऑफ द माइनर ऑफेंस इवन इफ ही क्लियर है तो अलाउड है ओके

हेफ्ट के लिए पनिशमेंट दिया जा सकता है ठीक है क्लियर है अरविंद जी इसे पढ़कर क्या फायदा ये वो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं जिनका अगले डेढ़ महीने में एग्जाम है बाबा जेलों वालों के लिए है छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स के लिए एंड यू नेवर नो की व्हेदर इन 6 मंथ्स आने को 6 डे में आ जाए आने को 6 मंथ्स में आ जाए आने को 2 साल नहीं आए लॉस तो पढ़ोगे नहीं है यू हैव टू स्टडी ओके दिया है तो क्या हम ऐसे ही पढ़े पढ़ो देखो जो न्यू लॉ बना ना ऐसा नहीं अरविंद जी की जो नया लॉ वो कम्प्लीटली डिफरेंट है कुछ माइनर चेंजेस है बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है अल्टीमेटली द इज कंप्लीटली सेम न जाने आपको ये डर दर... इनफैक्ट मैं तो देख रही हूँ यूट्यूब पे सारे टीचर्स बोल रहे हैं कि कोई मेजर चेंज नहीं आपको डर कहां से लग रहा है कौन ये भ्रम फैला रहा है कि सब कुछ चेंज हो गया कोई सब कुछ चेंज नहीं हुआ है जितना मानोगे की सब कुछ चेंज हो गया सब कुछ चेंज हो गया सब कुछ बदलावा लगेगा आपको कुछ चेंज नहीं हुआ है ठीक है आपके डेफिनेटली मैं मानती हूँ कि सेक्शन चेंज हुए कुछ न्यू चीजें एड ऑन की गई है है बिकॉज दैट रिक्वायर्ड ठीक लेट्स सी कितने टाइम में ये आता है क्या इसका कोई ऑब्जेक्शन भी लिया जाता है क्या सारी चीजें वो देखना पड़ेगा ठीक है है क्लियर तो पढ़ो जिनका एग्जाम है अगले छह महीने में मैं कल ही के कल के ही सेशन में आपको बोल चुकी हूं कि लास्ट सेशन था जहां तक का मेरा अनुमान है पार्लियामेंट का लास्ट सेशन था समर डेज का समर सेशन का तो अभी तीन रीडिंग होगी लोकसभा में तीन रीडिंग होगी आपके राज्यसभा में और उसके बाद बिल पास होगा एकदम से थोड़ी ना आ जाएगा ठीक है क्लियर है? चलो और आपको लग रहा है कि जो यही सारी स्लाइड्स होगी उसकी क्लास में जब वन शॉट लेंगे बदल जाएंगे कुछ चीजें और ऐड ऑन हो जाएगी दैट्स इट ठीक है चलो चलो <coughs> मैंने हमेशा बोला है कि स्टूडेंट्स हमारे हाथ में कुछ नहीं है हमारे हाथ में सिलेबस नहीं हमारे हाथ में एग्जाम का डेट नहीं हमारे हाथ में नोटिफिकेशन नहीं, हमारे हाँ नहीं, हमारे हाँ नहीं, नहीं है हमारे हाथ में नंबर ऑफ वैकेंसीज नहीं नहीं है क्वेश्चंस हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ हमारी प्रिपरेशन है सिर्फ और ये देखो तीन सितंबर को स्टूडेंट्स का छत्तीसगढ़ का पेपर है फिर मेंस का पेपर है किसी का इंटरव्यू का है जेहलो वालों का है जो एग्जाम नोटिफाई हो गए अगले छह महीने तक पढ़ना है तुम सबको चलो आगे चलेंगे चलो सबको समझ आया ये वाला पॉइंट स्टूडेंट्स टू टू एंड टू ट्वेंटी थ्री वेरी इंपॉर्टेंट चलो आगे चलेंगे दैट इज मोड ऑफ टेकिंग एंड रिकॉर्डिंग दस एंड रिकॉर्डिंग एविडेंस कैसे एविडेंस रिकॉर्ड होगा स्टूडेंट्स ये एविडेंस कैसे रिकॉर्ड होता है तो इन्होंने बोला है 273, 273 272 भी है है जो कि की, की बात करता देखो कैसे लिया जाएगा हमेशा अक्यूज प्रेजेंट होगा स्टूडेंट्स देखो जब भी को बुलाया जाता है सवाल जवाब किया जाता है लेकिन ध्यान रखना है आपको लेकिन ध्यान रखना है स्टूडेंट्स आप सभी को कि यहाँ पे अक्यूज भी प्रेजेंट होना चाहिए या फिर उसका प्लीडर प्रेजेंट होना चाहिए अगर अक्यूज प्रेजेंट नहीं है दैट इज नो प्रेजेंस ऑफ अक्यूज इनकेस एविडेंस एविडेंस ऑफ वुमेन बिलो द एटीन ईयर्स ऑफ रेप और सेक्सुअल ऑफेंस अगर ऐसी वुमेन है जो कि एटीन ईयर्स से बिलो है उसका रेप हुआ है या कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है तो फिर उसके प्रेजेंस की दैट इज अक्यूज के प्रेजेंस की वहां पर जरूरत नहीं, नहीं तो वो डर सकती है नहीं तो वो क्या कर सकती है स्टूडेंट नहीं तो वो डर सकती है नेक्स्ट इज बट इन्श्योर द राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द अक्यूज माना कि इन केसेस में अक्यूज का प्रेजेंस वहां जरूरी नहीं है लेकिन उसके बाद कोर्ट को यह भी इंश्योर करना है कि अक्यूज का जो क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट है वो भी हो ठीक है ठीक है किरण जी बताओ एग्जाम नोटिफाई हो गया क्या चलो रिकॉर्ड ऑफ द सम रिकॉर्ड ऑफ द एविडेंस समरी ट्रायल समन ट्रायल वॉरेंट ट्रायल सेशन कोर्ट हाई कोर्ट क्या प्रोसीजर रहने वाली है समन ट्रायल में कैसे होगा स्टूडेंट्स ये रिकॉर्ड

फॉर्म में या तो खुद से डिक्टेशन कर सकते हैं या अपॉइंट कर सकते हैं किसी और को एंड ऑडियो वीडियो मीन से भी सकता है हमारे मजिस्ट्रेट इसको क्या कर सकते हैं डिक्टेशन खुद से या फिर हमारा एक पर्टिकुलर पर्सन अपॉइंट किया जा सकता है मजिस्ट्रेट ये सर्टिफाई करेंगे कि कुछ पर्टिकुलर एविडेंसेस नहीं लिए गए तो क्यों नहीं लिए गए फॉर्म या फिर क्वेश्चन

सेशन कोर्ट अपने एविडेंसेस को कैसे रिकॉर्ड करेगा तो उन्होंने बोला उनका प्रिसाइडिंग जज करेगा सेम यही वाला मामला, 275 वाला मामला मामला 275 सिक्स मेंट इज हाई कोर्ट टू प्रिस्क्राइब दी मैनर हाई कोर्ट मैनर प्रिस्क्राइब करेगा कि कैसे एविडेंसेज लेने हैं कैसे अक्यूज को एग्जामिन करना ध्यान रखना जब हम एविडेंसेज लेते हैं तो उसी वक्त अक्यूज को एग्जामिन भी करते हैं सवाल जवाब पूछे जाते हैं उससे ठीक है एंड 474 क्या बोलता है ट्रायल बाय हाई कोर्ट जब हमने हाई कोर्ट के मैनर को बताया कि हाई कोर्ट खुद मैनर बताएगा तो इन्होंने बोला हाई कोर्ट की ट्रायल कैसी होगी सेम कोर्ट ऑफ सेशन वाली होगी वेरी इंपॉर्टेंट 274 ओके okay? क्लियर है चलो 280 क्या बोल रहा है रिमार्क्स रिस्पेक्टिंग डिमिन्योर ऑफ द विटनेस ये भी रिकॉर्ड करना है डिमिन्योर ऑफ द विटनेस मतलब स्टूडेंट्स बिहेवियर उसका बिहेवियर क्या रहा है उसका आचरण क्या रहा है घबराया है शांत है चुप है रोया है वो सब 280 ठीक है क्लियर है चलो 278 किसकी बात कर रहा था 281 हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे जब हमने सेक्शन नंबर 164 डील किया था अब देखो 278 क्या डील करता है प्रोसीजर ऑफ एविडेंस व्हेन कंप्लीट एविडेंस रिकॉर्डिंग का प्रोसीजर कब कंप्लीट हो जाता है जब कंप्लीट हो जाता है तो क्या होगा तो इन्होंने बोला भैया जब एविडेंस रिकॉर्ड कर लिया ना अब उसको रीड आउट करके सुनाओ अब उसको रीड आउट करके सुनाइए कि आप आप उसको रीड आउट करिए अक्यूज पर्सन को और प्लीडर को अगर नेसेसरी है एंड इफ विटनेस डिनाइज करेक्शन मेजिस्ट्रेट में मेक मेमो ऑफ सच ऑब्जेक्शन कहने का मतलब ये जब आप रीड आउट करके बता रहे हैं अक्यूज को और प्लीडर को और उस वक्त विटनेस बोले कि नहीं नहीं इसमें कुछ करेक्शन की रिक्वायरमेंट है तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्शन क्या करेंगे हमारे मेजिस्ट्रेट ऑब्जेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे एंड इफ एविडेंस ऑफ रिकॉर्ड इज इन लैंग्वेज डिफरेंट फ्रॉम द विटनेस विच यू कैन नॉट अंडरस्टैंड तो उसके लिए लैंग्वेज को इंटरप्रेट करवाइए क्योंकि विटनेस तो बहुत कुछ बोलेगा कोर्ट उसको रिकॉर्ड भी करेगा लेकिन जब कोर्ट उसको रिकॉर्ड करेगा तो आप उसको क्या करेंगे उसको चेंज करके इंटरप्रेट करके बताइए कि एग्जैक्टली आपने क्या उसके लिए लिखा है ठीक है क्लियर है चलो आगे सुनो लैंग्वेज इसके बारे में बात कर लेते फटाफट -फड़ से लैंग्वेज इसके बारे में आपको ये चार पांच सेक्शंस याद रखने हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे वेरी मेजर सेक्शन इज 272 जो ये बोलता है कि कोर्ट की लैंग्वेज क्या होने वाली है स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी व्हाट विल बी द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट एक्सेप्ट हाई कोर्ट हाई कोर्ट के अलावा जितनी भी लैंग्वेजेस रहेगी वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी

265 में बोल रहे समरी ट्रायल 265 में इन्होंने बोला अगर समरी ये कनेक्ट कर रही हूं मैं चीजों को 265 में हम ऑलरेडी पढ़ के हैं प्ली बार्गेनिंग में कैसी होती है स्टूडेंट्स वहां जजमेंट और रिकॉर्ड दोनों की ही लैंग्वेज कोर्ट की लैंग्वेज होती है कोर्ट की लैंग्वेज मतलब 272 275 277 क्या बोलता है 277 बोल रहा है कि तो 275 एंड 276 में जो मैम आपने अभी एविडेंस रिकॉर्डिंग की है वारंट ट्रायल वारंट केस एंड कोर्ट ऑफ सेशन के मामले में तो वो वो मामले में आपकी लैंग्वेज कौन सी होगी वो मामले में आपकी लैंग्वेज हमेशा कोर्ट की लैंग्वेज में होने वाली है ज court, तो court में होगी लेकिन विटनेस एविडेंस दे रहा है मान लो गुजरात का कोर्ट था विटनेस आके वहां मारवाड़ी में बोल रहा है अगर मारवाड़ी में बोल रहा है तो क्या होगा इफ विटनेस ड नॉट गिव दस इन दैंग्वेज ऑफ द कोर्ट ट्रांसलेट अगर वो गुजरात जावन है मारवाड़ी में उठे स्टेटमेंट दू तो गुजरात रो कोर्ट के गर्सी क्या करेगा गुजरात का कोर्ट वहां पे फिर तो गुजरात का कोर्ट वहां पे क्या करेगा जो कुछ मैं मारवाड़ी में बोल रही हूँ उसको ट्रांसलेट करेगा और फिर वहां रिकॉर्ड करेंगे फिर जब वापस से मेरे को रीड आउट करके सुनाएंगे मेरे को नहीं समझ आएगा तो मेरे को इंटरप्रेटर ला दो ताकि मैं समझू तो सही कि आपने लिखा क्या है क्लियर है ये चीज ओके यस 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 बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं ठीक है आगे सुनो इफ लैंग्वेज इज नॉट अंडरस्टूड बाय द अक्यूज मानो वो लैंग्वेज अक्यूज के द्वारा अंडरस्टूड नहीं है जो आप उसको रीड आउट करके बता रहे हो कुछ भी क्वेश्चन तो हम उसके लिए इंटरप्रेटर लाएंगे इंटरप्रेटर टू अकूज इन द लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय हिम या उसके प्लीडर के लिए इन द लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय हिम क्लियर है ओके नेक्स्ट इज 280 में क्या बोला इंटरप्रेटर टू इंटरप्रेट ट्रूथफुली 279 में इंटरप्रेटर लेके आ रहे हैं तो भाई साहब 280 में बोल दिया सही सही तरीके से स्टेटमेंट और एविडेंसेस को ट्रूथफुली क्या करोगे तुम इंटरप्रेट करके दे बोलोगे ठीक है ओके okay. चलो आगे सुनो 281 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यस और नो 281 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे रिकॉर्ड ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ द अक्यूज रीड विद सेक्शन नंबर 164 हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके थे राइट रिकॉर्ड कौन करेगा मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कर सकता है ठीक है तो ये हम चीज ऑलरेडी पढ़ चुके थे एक बार क्लास ओवर होने के 164 के बाद जरूर 164 साथ हम पढ़ चुके चलो commissions के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ठीक है चले आगे ओके अरे मारवाड़ी बहुत प्यारी लैंग्वेज है पढ़ा करो कभी यस टू एटी वेरी गुड वन के साथ पढ़ के आते यस yes, प्रीतेश जी कौन से एग्जाम की बात कर रहे है अजीत मीना जी मुझे इस एग्जाम का आइडिया नहीं है लॉ वाला चैनल पे तो ये एग्जाम का भी कोई वीडियो नहीं चल रहा है ना कोई क्लासेस ले रहा है ठीक है सी जी डी एस एस मेरे को इस एग्जाम का आइडिया नहीं है प्लीज थोड़ा सा मुझे बताना टेलीग्राम पे बता दीजिएगा ठीक है चलो कमीशन के बारे में डिस्कस करते हैं कमीशन कब कैसे एग्जीक्यूशन और कब उसका रिटर्न करना है वो सब है एंड अगर ज विसिल उनका एवडेंस लिया जाता है टू नाइन टू नाइन एट टू नाइन टू एंड टू नाइंटी थ्री एफिडेविट दिया जाता है एंड कुछ अदर मामले है तो इसका बेसिक डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट एग्जामिनेशन में हमको क्या पढ़ना है हम क्या कर सकते हैं पहले ये देखो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस कैसे होता है या तो हम विटनेस को समन कर सकते हैं या हम विटनेस को कमीशन इशू कर सकते हैं या फिर हम विटनेस क्या कर सकते हैं एफिडेविट पर कुछ चीजें ले सकते हैं या फिर विटनेस से क्या कर सकते हैं एविडेंसिस ले सकते हैं मतलब एफिडेविट ले सकते हैं तो पहले हम ये पार्ट डील करेंगे ओके okay? बस यह पार्ट इंपॉर्टेंट रहता है कमीशन इशू कब किया जाएगा कमीशन में भी इशूड अगर नेसेसरी है एंड्स ऑफ जस्टिस के लिए

कौन सा सेक्शन बोल रहे हैं स्टूडेंट्स इट इज 282 ना एक मिनट स्टूडेंट्स जस्ट अ मिनट ओके ये रहा हमारा यस 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 रिमार्क्स तो ऑलरेडी हो गया था इट इज 282 ओके okay? 282 चलो थैंक यू स्टूडेंट्स चलो 282 बराबर ओके थैंक यू थैंक यू दीप्ति जी एंड ओके ओके okay, चलो आगे चले चलिए तो ये पॉइंट अच्छे से ध्यान रखना कौन पे करेगा प्रोसिक्यूशन में सब कमीशन इशू किया जाएगा कौन कमीशन यहां पे लेके जा सकता है किसको ऑथराइज कर रहे हैं हम तो बोला जहां जहां सीआरपीसी एक्सटेंड करता है वहां वहां सीजेएम एंड सीएमएम क्या कर सकता है इशू कर सकता है ऐसे कमीशन

क्या पार्टी विटनेस को एग्जामिन कर सकती है आंसर इज यस अगर पार्टी विटनेस को एग्जामिन करती है तो हम फॉरवर्ड करेंगे इन इन राइटिंग टू द कोर्ट एंड मैजिस्ट्रेट इन होती हैं वो हमारा विटनेस भर के दे देगा हम आगे वापस कोर्ट या मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर देंगे दैट इज बाय पर्सनली अपियरिंग इन द कोर्ट प्लस एग्जामिनेशन री एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेसेस आल्सो अलाउड ठीक है विटनेस खुद से पर्सनली भी आ सकता है कोर्ट में 288 क्या बोल रहा है बोल रहा है रिटर्न ऑफ द कमीशन कमीशन रिटर्न कैसे होगा टू द कोर्ट इशूइंग विद द द ऑफ विटनेस एंड विल बी रेड इन एविडेंस एट द स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग ये कहां कहां अप्लाई होता है 290 में भी अप्लाई होता है दैट इज एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉरन कमीशन पर भी ये अप्लाई होता है ठीक है बराबर है चलो स्टूडेंट्स आगे चलेंगे अब ये वाला जो पार्ट है इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है वो विटनेसेस हैं जिनको विटनेस के तौर पे आप नहीं बुला सकते हालांकि ये विटनेस नहीं है लेकिन फिर भी इनका एविडेंस क्या रहता है इंपॉर्टेंट रहता है तो इसको एक बार आप अपने स्तर पे जरूर देखेंगे स्टूडेंट्स ए एंड बात करेंगे नो फॉर्मल प्रूफ ऑफ सर्टन डॉक्यूमेंट्स कुछ डॉक्यूमेंट्स के कुछ डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मल प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है कब जब ये फाइल किया गया या तो अक्यूज के द्वारा या प्रोसिक्यूशन के द्वारा तो कॉल देम टू डिनाई और एडमिट द जेनमिनस ऑफ द डॉक्यूमेंट यहां पर उनको बुलाने की जरूरत नहीं है उन डॉक्यूमेंट्स की जेनमिनस को क्या करने के लिए स्टूडेंट्स को यू नो डिनाई करने के लिए एडमिट करने के लिए अगर डॉक्यूमेंट के जेनमिनस डिस्प्यूटेड नहीं है तो वो डॉक्यूमेंट्स और ऑब्वियसली बात है कि एविडेंस में रीड किए जाएंगे एंड विदाउट द प्रूफ ऑफ साइन बाई पर्सन टू होम इट परपोर्स टू बी साइन ऐसा बिना कोई प्रूफ दिए हम उसको एडमिट कर लेंगे ठीक है क्लियर है ये चीज चलो दैट इज एफिडेविट्स

किसके सामने 297 में बोल रहा है एफिडेविट दिया जा सकता है बोल रहे हैं इट मे बी सोन इन फ्रंट ऑफ जजेस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कमिश्नर ऑफ दी ओथ हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन एंड एंड नोटरी अंडर नोटरी एक्ट लेकिन अगर स्क्रैंडेलियस है या इनरेलीवेंट है तो ऐसा एफिडेविट रिक्वायर्ड नहीं है क्लियर है नेक्स्ट इज प्रीवियस कन्विक्शन यानविक्शन प्रूव करोगे मैं प्रीवियसली कन्विक्टेड हूं या मेरा प्रीवियस एक्विटल हो चुका है कोर्ट में में अगले decisions या अगले केस कैसे प्रूव करेंगे तो इन्होंने दो तरीके बताए हैं या तो एक्स्ट्रैक्ट या तो एक्सट्रैक्ट सर्टिफाइड ऑफ दी ऑफिसर हैविंग कस्टडी वो ऑफिसर जिसके पास की एक्चुअली वो पहले के डिसीजंस की सर्टिफाइड है उनसे हम लोग वो एक्सट्रैक्ट निकाल सकते डॉक्यूमेंट निकाल सकते हैं या फिर कन्विक्शन शन को कैसे प्रूफ करेंगे स्टूडेंट्स या तो सर्टिफिकेट साइंड बाय द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द जेल क्योंकि मेरी हुई थी तो वो बता सकते हैं या फिर प्रोडक्शन ऑफ द वॉरेंट ऑफ कमिटमेंट इन चीजों से प्रीवियस कन्विक्शन प्रूफ किया जा सकता है ठीक है रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस इन एब्सेंस ऑफ द अक्यूज्ड। ओके चलो क्या बोल रहा है रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस इन द एब्सेंस ऑफ द अक्यूज रीड विद सेक्शन नंबर 273। सेवेंटी थ्री कब तो यहां बोला जा रहा है कि जब भी अक्यूज एब्सकॉन्ड कर रहा है देखो कहानी सुनो बहुत अच्छी कहानी है स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी कहानी है इंडीड प्राची जी सुनो सभी स्टूडेंट्स फोकस करेंगे इंपॉर्टेंट कहानी स्टूडेंट्स यहां पे ये है कि जब हम कोई प्रोसीडिंग चला रहे हैं मान लीजिए क्रिमिनल ट्रायल अक्यूज का पता ही नहीं है अक्यूज क्या है एबसेंट है

हम अभी पढ़ के आए हैं स्टूडेंट्स 273 कि कभी भी आप एविडेंसेस अक्यूज के एबसेंस में नहीं ले सकते हो येस और नो यस और नो लेकिन लेकिन जब हमें नहीं पता कि कहां है या अरेस्ट में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा तो उस केस में क्या कर सकते हैं हम उस पर्टिकुलर हम उस पर्टिकुलर ऑफेंडर के एबसेंस में भी एविडेंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं एंड सुनो जब भी उस पर्सन की अरेस्ट होगी एंड मे ऑन दी अरेस्ट ऑफ सच पर्सन बी अगेंस्ट बी एविडेंस अगेंस्ट हिम जब भी वो अरेस्ट होगा तो उसके अगेंस्ट में हम क्या कर सकते हैं हम उस पर्सन के अगेंस्ट वो एविडेंस दे सकते हैं कब कब देंगे अगर जो डेपोनेंट डेपोनेंट मतलब जो विटनेस था वो डेड हो चुका है अब नहीं है वो इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस कैन नॉट बी फाउंड उट विबल डीले और एक्सपेंसिज से हम उनको की में डालेंगे ये सारे स्टेटमेंट रेलिवेंट है तो भाई जब अक्यूज पकड़ा गया उस वक्त जो बूढ़ी दादी ने पहले स्टेटमेंट दे दिया था अब वो मर गई है तो अक्यूज पकड़ा गया ना तो अब अगर बूढ़ी दादी नहीं है चल बसी है तो अभी भी उनका स्टेटमेंट रेलिवेंट रहता है हम वो एविडेंसिस को उसके अगेंस्ट यूज करेंगे क्लियर है इफ ऑफेंस इज पनिशेबल विद डेथ और लाइफ एंड वो ऑफेंस अननोन पर्सन ने किया है तो हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन कह सकती है ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को आप इंक्वायरी करो और एग्जामिन करो विटनेस को बराबर है अगर अननोन पर्सन के द्वारा कोई ऐसा ऑफेंस ऑफेंस किया गया है स्टूडेंट्स जो डेथ या लाइफ के द्वारा पनिशेबल है तो हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन के कमिट करने पर हमारा जुडिशियल मेजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास क्या करेगा स्टूडेंट्स इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है एंड विटनेसेस को एग्जामिन कर सकते हैं चलेंगे अब हम किसकी तरफ स्टूडेंट्स अब बात करेंगे हम जजमेंट्स की ओके okay? किसकी बात करेंगे स्टूडेंट्स लेट्स टॉक अबाउट जजमेंट्स नाउ यस ठीक है चलिए स्टूडेंट्स थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे हम सभी स्टूडेंट्स चलिए यस जजमेंट्स की बात हो रही है टू फिफ्टी थ्री से लेकर टू सिक्सटी फाइव की बात की जा रही है पहले कंटेंट की बात करेंगे फिर रीजंस ऑल्टरेशन कॉपी ट्रांसलेशन की बात करने वाले हम ओके okay? तो पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स कि जजमेंट में हमारे पास क्या क्या दे रखा है जजमेंट में थ्री फिफ्टी थ्री क्या बोल रहा है अभी बस फिफ्टी स्लाइड्स और बाकी है ठीक है फिफ्टी स्लाइड्स टें नाम से देखेंगे फिफ्टी स्लाइड्स अगले डेढ़ घंटे में हो जाएगी आराम से ठीक है कोई दिक्कत नहीं सभी स्टूडेंट्स सुने गए हमें बोला गया जजमेंट दैट इज 253 में बोला गया जजमेंट कैसे प्रोनाउंस होगा ओपन कोर्ट में होगा प्रेसाइडिंग ऑफिसर द्वारा किया जाएगा आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ द ट्रायल ट्रायल खत्म होने के बाद ही होने वाला है ट्रायल खत्म होने के बाद ही होने वाला है हाउ बाय डिलीवरिंग द होल जजमेंट या रीडिंग आउट द होल जजमेंट रीडिंग द ऑपरेटिव पार्ट ओनली और एक्सप्लेनिंग द सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ द जजमेंट ओनली दैट्स इट अगर अक्यूज कस्टडी में है तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या हमें उसे लाने की जरूरत पड़ेगी क्या अगर अक्यूज कस्टडी में है तो ब्रिंग हिम ब्रिंग हेम टू हियर द जजमेंट अगर अक्यूज कस्टडी में नहीं है तो उसको बोल दीजिए कोर्ट अटेंड कर ले अगर नहीं कर पाता है एक्सेप्ट द अटेंडेंस डिस्पेंस अगर कोर्ट बोलता है कि भाई उसके अटेंडेंस की जरूरत नहीं है तो उसके एबसेंस में भी जजमेंट को सुनाया जा सकता है मोर देन वन अक्यूज है प्लस नॉट प्रेजेंट है तो जो लोग प्रेजेंट है उनके

अगर एक्विट हुआ है तो वो भी स्पेसिफाई करो कन्विकशन हुआ है तो वो भी बताओ डाउट है बिटवीन टू सेक्शंस तो वो क्लियर कीजिए एक्सप्लेन करेंगे डेथ सेंटेंस है तो आप ये लिखिए हैंगड बाय नेक टिल डेथ लिखिए 354 वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर किसी को डेथ की सजा मिल रही है मिल रही है नहीं नहीं आएंगे आएंगे आगे, आगे, आगे कवर करेंगे सपना जी ठीक है आगे कवर करेंगे इनको क्लियर ओके अरे 300 से 352 तो हो गया ना हो गया हो गया कब का करके आए हम लोग वी हैव ऑलरेडी कवर्ड जनरल प्रोविजंस हो गया है हो गया ठीक है है क्लियर आगे सुनो मेट्रोपॉलिटन मेजिस्ट्रेट जजमेंट सीरियल नंबर बताइए डेट बताइए नेम बताइए तो का का अक्यूज नेम बताइए बताइए ऑफेंस कंप्लेंट प्ली ऑफ अक्यूज बताइए उसका एग्जामिनेशन बताइए फाइनल ऑर्डर बताइए डेट ऑफ ऑर्डर एंड इफ अपील लाइज तो ब्रीफ स्टेटमेंट बताइए अपने डिसीजन का ठीक है क्लियर है मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन दैट इज जजमेंट 361 क्या बोल रहा है रिकॉर्ड द स्पेशल रीजंस आप रिकॉर्ड कीजिए रीजंस का आप रिकॉर्ड कीजिए स्पेशल रीजंस कोर्ट कुड हैव दैट अक्यूज डेल्ट अंडर 360 अब ये बताइए ना कि 360 के अंदर हम उसको डील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं यूथफुल ऑफेंडर के तहत क्या हम उसे चिल्ड्रेन एक्ट 1960 में डील करते हैं या नहीं कर सकते हैं और अगर नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है रीजन बता दीजिए हमको थ्री सिक्सटी टू क्या बोल रहा है एक एक बार जजमेंट प्रोनाउंस कर दिया है उसके बाद ये ऑल्टर नहीं होगा एक्सेप्ट क्लेरिकल एरर्स एंड अर्थमेटिकल एरर्स सी एंड ए लिख लो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है ऑल्टेशन अलाउड नहीं है आफ्टर दी जजमेंट हैजबीन हैजीन प्रोनाउंस या फिर गिफेन थ्री सिक्सटी थ्री बोलता है कॉपी ऑफ जजमेंट अक्यूज को भी देंगे अदर पर्सन को भी देंगे थ्री सिक्सटी फोर बोलता है जजमेंट टू भी ट्रांसलेटेड अगर लैंग्वेज डिफरेंट है फ्रॉम द फ्रॉम दैट लैंग्वेज लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट प्लस अक्यूज रिक्वायर कर रहा है कि भाई जजमेंट की जो लैंग्वेज है वो आपने बहुत डिफरेंट लैंग्वेज में बताया है जो कि कोर्ट की लैंग्वेज नहीं है या फिर अक्यूज को समझता नहीं है तो फिर प्लीज आप ये लैंग्वेज एक्सप्लेन करके बताइए नेक्स्ट इज थ्री कोर्ट ऑफ सेशन या सीजीएम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को बोलेंगे

जब भी कन्विक्शन हो रही है अंडर 506, 215, ये जितने भी चीजें दे रखी है, वो किस पे अप्लाई होंगे अबिटमेंट एंड अटेम पर भी अप्लाई होने वाले हैं किसकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स? 356 की बात कर रहे हैं जो क्या बोलता है ऑर्डर टू नोटिफाई द एड्रेस किसकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स ऑर्डर टू

एंड अगर ऑर्डर किसके द्वारा दिया गया कोई भी कोर्ट के द्वारा जो कि सेकेंड क्लास का कोर्ट नहीं है तो फिर ड्यूरिंग कब जब एपलेट कोर्ट है हाई कोर्ट है कोर्ट ऑफ सेशन है या रिविजन है तो आपको आपको ऑर्डर कौन दे सकता है या तो एपलेट कोर्ट दे सकता है हाई कोर्ट दे सकता है कोर्ट ऑफ सेशन दे सकता है

ट्रायल कोर्ट क्या करेगा अगर लग रहा है कि 357 का compensation एडिक्वेट नहीं है तो थ्री फिफ्टी सेवन दिलवाएगा ऑफेंडर अगर ट्रेस नहीं किया गया है विक्टिम आइडेंटिफाई हो चुका है और ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हुई है तो यहाँ पे क्या किया जा सकता है विक्टिम या उसके डिपेंडेंट्स को हम कॉम्पनसेशन दिलवा सकते हैं कॉम्पनसेशन दिलवा सकते हैं इंक्वायरी कितने दिन में कंप्लीट होगी यहाँ पे स्टूडेंट्स टू मंथ में इंक्वायरी कंप्लीट होनी है फर्स्ट एड फैसिलिटी एंड मेडिकल बेनिफिट भी जरूरी है कौन से मामले स्टूडेंट्स अगर ऑफेंडर नहीं मिला है विक्टिम आइडेंटिफाई हो चुका है ट्रायल स्टार्ट नहीं हुई है क्या विक्टिम रुकी रहेगी के लिए नहीं विक्टिम के लिए नहीं रुकेगी क्लियर है ओके बताओ पूजा जी कौन सा पॉइंट बता रहे हो सर हम एक बार वापस बताना ठीक है क्लियर है अच्छा ये वाला बता रहे हो अच्छा अच्छा कॉम्पेंसेशन ग्राउंडलेस अरेस्ट के लिए हाँ ठीक है ठीक है ठीक है समझ राइट पूजा जी आगे सुनो

कोई भी

क्लियर है क्वालिटी बढ़ा लीजिए प्लीज वीडियो का वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लेंगे सभी स्टूडेंट्स चलो ये है बहुत अच्छा चीज दैट इज प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट और आफ्टर एडमोनिशन

प्रोबेशन की और नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे रिलीज ऑफ एडमोनिशन की 360 सिक्सटी सब सेक्शन वन में स्टूडेंट्स क्या हो रहा है प्रोबेशन पे रिलीज कर रहे हैं कब जब ऑफेंस ऑफेंस कमिट किया गया 21 इयर्स के अब के पर्सन के द्वारा जहां उसको पनिशमेंट मिला है फाइन सेवन इयर्स या फिर बिलो सेवन इयर्स का पनिशमेंट मिला गया तब हो सकता है या फिर ट्वेंटी वन के 21 के बिलो कोई पर्सन है है और विमेन है, लेकिन उसने पनिशमेंट का ऐसा नहीं किया जो कि क्या है या तो फाइन या 7 से बिलो पनिशेबल है एंड ट्वेंटी वन ईयर से कम या वेमेन ने कोई भी पनिशमेंट किया लेकिन डेथ या एलाई नहीं है तो हम उनको आफ्टर कंसिडरिंग एज कैरेक्टर एंटीसीडेंट ऑफेंट से आया है क्या उसका हिस्ट्री बैकग्राउंड है उसको प्रोबेशन पे रिलीज कर सकते हैं ड्यूरेशन नॉट एक्सीडिंग थ्री इस जुडिशियल सेकंड क्लास के पास कोई पावर नहीं है अगर जुडिशियल फर्स्ट क्लास को वही चाहे तो प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे रिलीज कर सकते हैं सब सेक्शन टेन देखो कहता है इसका कोई भी इफेक्ट प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट पे नहीं होगा चिल्ड्रेन एक्ट पे नहीं होगा अदर कोई भी लॉ जो कि ट्रीटमेंट ट्रेनिंग या यूथफुल ऑफेंडर से डील दी, करता है क्लियर है ओके okay? Understood? अब सुनो, आगे चलेंगे जहां डील करेंगे एडमोनिशन पे रिलीज करना है तो किन चीजों को कवर करना है कन्विक्शन हुआ है किसी पर्सन का तो हम एडमोनिशन पे रिलीज करने से पहले अगर थेफ्ट का ऑफेंस है थेफ्ट इन बिल्डिंग है, आ, मिस है या चीटिंग है या आईपीसी का को कोई भी ऑफेंस है जहां पनिशमेंट टू ईयर से ज्यादा की नहीं है टू ईयर से ज्यादा की नहीं है एंड फाइन है और कोई भी प्रीवियस कन्विक्शन नहीं हुआ है तो सिर्फ इन मामलों में हम एडमोनेशन पे उस पर्सन को रिलीज करेंगे और कंसिडर क्या करेंगे एज कैरेक्टर एंटीसीडेंट फिजिकल और मेंटल कंडीशन ट्राइवल नेचर का ऑफेंस है कि नहीं है और क्या करेंगे uh, nature of the नेचर ऑफ ऑफेंस ट्राइवल नेचर मीन सेक्शन नंबर नाइनटी फाइव ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट यस एडमोनेशन मतलब बर्स ना डांट फटकार के थोड़ा समझा के अच्छे से तमीज से सलीके से समझा के ठीक है क्लियर है आयुष जी तीन साल से ज्यादा के लिए आपको गुड बिहेव अरे ये देखो ना ये नॉट एक्सीडिंग जो आपको बॉन्ड पे छोड़ा जा रहा है ना ये तीन साल तक का ही रहेगा ठीक है इट जस्ट लाइक सेक्शन नंबर वन जीरो सिक्स ओके बराबर चलो कौन ही ऑर्डर कर सकता है 360 में हाई कोर्ट कर सकता है कोर्ट ऑफ सेशन अपीलेट कोर्ट ड्यूरिंग द रिवीजन ऑलरेडी पढ़ा है हमने एंड हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन क्या कर सकता है अपील या रिविजन के दौरान सेट असाइड कर 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 सकते 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 हैं 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 ये या कोई भी और, और सेंटेंस पास कर सकते हैं. 121, 124, 373 अप्लाई हो जाएंगे मतलब श्योरिटीज श्योरिटीज को रिजेक्ट न्यू मंगवा सकते अगर ऑफेंडर फेल हो जाता है कंडीशन को ऑब्जर्व करने के लिए तो कोर्ट तुरंत प्रभाव से अरेस्ट वॉरेंट उसके अगेंस्ट जारी कर देगा भाई तुमको एडमोनिशन पे छोड़ा था गुड बिहेवियर पे छोड़ा था एंड जब उसको अरेस्ट किया जाएगा तो उसको वापस से उसी कोर्ट के सामने लेके जाया जाएगा जहां पर कोर्ट उसको या तो रिमांड कर देगा कस्टडी में जब तक उसकी सुनवाई नहीं हो जाती या फिर उसको एडमिट कर देगा बेल के लिए या तो बेल के लिए छोड़ देंगे या फिर उसको कस्टडी में लेके जाएंगे ठीक है क्लियर है अपील के बारे में डिस्कस करते हैं फटाफट -फड़ से चलो अपील अपील के में क्या क्या दे रखा है स्टूडेंट्स अपील में बोल रहा है ये कि सेक्शन नंबर 380 में कुछ हमें स्पेशल चीजें दे रखी है बेसिक

अगर एपेलेट जेल में है तो उसके पे कौन यहाँ पे अपील करेगा स्टूडेंट्स तो इट इज सेट कि वहां पे ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द जेल क्या करेगा अपील जो प्रेजेंट की गई है उस ऑफेंडर द्वारा या जो भी अंडर ट्रायल है अभी वो पर्सन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ दी जेल को फॉरवर्ड करेगा जो कि प्रॉपर एपेलेट कोर्ट को आगे फॉरवर्ड कर देंगे नाउ कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपकी अपील कहां से कहां लय करेगी

ठीक है आगे सुनो सेवेंटी टू नहीं एट्टी टू सपना जी किसकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स एक मिनट मैं एक बार सेक्शन देख लेती हूँ विक्टिम का राइट ऑफ अपील सपना जी अच्छे से बताओ फटाफट फड़ से ज्यादा देर के लिए कंफ्यूजन थोड़ा ना रहे क्लास में फटाफट बताओ दिस इज आज वो थ्री सेवेंटी टू पढ़ लेते हैं अरे तो अभी तो थ्री सेवेंटी भाई साहब सुनो पहले हमने थ्री एटी टू के बारे में बात की ना अभी तो कहां कंफ्यूजन हो गया आपको बताओ सेवेंटी टू तो अभी पढ़ा ही नहीं हमने अरे थ्री पढ़ा ही नहीं अभी हमने 372 पे हम नहीं आए हैं पे अभी नहीं आए हैं हम ठीक है क्लियर थ्री अपील आगे चलेंगे ठीक है थ्री सेवन टू नो अपील प्रोवाइजो आगे चलेंगे अभी थ्री आए ही नहीं हम लोग थ्री एटी टू की बात कर रहे हैं पिटिशन ऑफ अपील वन टू थ्री फोर नहीं चलते हैं अपन अपनी क्लास में आपको पता है ना ठीक है क्लियर है ओके ओके चलो कोई बात नहीं चलो सुनो आगे सुनो अब देखो रेप की कोई भी अपील है सिक्स मंथ्स के अंदर अंदर आपको इसको फिनिश करनी है वो कैसे होगी स्टूडेंट्स अगर ट्रायल कंडक्ट की है, class, class, कैसा था? अपील सीधा लाए किसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपील टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सॉरी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डायरेक्ट करेंगे पीपी -पी को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डायरेक्ट करेगा पीपी को भाई कोर्ट ऑफ सेशन में इसकी अपील करो क्यों क्योंकि अपील अगेंस्ट एक्विटल है मतलब 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 स्टेट का नुकसान हुआ स्टेट का नुकसान हुआ मतलब जो ऑफेंडर था उसको हमने रिलीज कर दिया जब उसको रिलीज कर दिया तो भाई स्टेट को सही पसंद नहीं आएगा ना डीएम किसको रिक्वेस्ट करेगा, को करेगा मतलब सीजीएम हो गया है तो उसकी अपील के लिए उन्होंने अगर दिया है, तो उसकी अपील के लिए स्टेट गवर्नमेंट पीपी को बोलेगा भाई, हाई में इसकी जजमेंट कीजिए जजमेंट का अपील कीजिए ओके क्लियर है तांबा मींस वेट ओके आगे

अपील कहां पे एक्विटल के अगेंस्ट क्लियर है नेक्स्ट इज 390 आपको यहीं पर पढ़ना है जो बोलता है हाई कोर्ट में इशू वारंट टू अरेस्ट अक्यूज प्लस ब्रिंग बिफोर एट ब्रिंग बिफोर एट सब्जेक्ट टू दी कमिटमेंट प्लस कमिटमेंट कमिट हिम टू दी प्रेजेंट क्लियर है 390 को एक बार वापस से पढ़ लेंगे आगे चलेंगे 370 किसकी बात करते हैं है, तो कौन करवाएगा स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगा किसको पीपी को करेगा कि अपील कौन से पे? कि मिला है. अगर सेंटेंस पारित किया है मजिस्ट्रेट ने तो अपील कहां लाए करेगी कोर्ट ऑफ सेशन अगर अदर कोर्ट ने किया है तो फिर कोर्ट में लाए करेगी हमारी अपील ठीक है कोई भी एनहांसमेंट तब तक नहीं होगा जब तक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं दे दी हमने को. में अपील कहां फाइल हो जाएगी हमेशा कोर्ट ऑफ सेशन में फाइल की जाएगी कोई 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 भी भी पर्सन पर्सन द्वारा द्वारा जो जैसे कि कि जैसे हमारा हो हो गया गया 117 में या गया में या फिर एग्रीड 121 रिजेक्ट करने के ग्राउंड पे तो वो क्या करेगा 373 में कहां जाओगे जाओ सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली क्लियर है चले। अब चलेंगे हम, एप्लीकेशन हाउ हर्ड बाय कोर्ट ऑफ सेशन कोर्ट ऑफ सेशन एंड सेशन जज के मामले में अपील कौन सुनवाई करेगा अपील की सुनवाई कौन करेगी या तो सेशन जज या फिर एडिशनल सेशन जज करेंगे जुडिशियल सेकंड क्लास के मामले में अपील कैसे सुनी जाएगी यहां पे सुनी जाएगी सीजेएम द्वारा या फिर असिस्टेंट सेशन जज के द्वारा सुनी जाएगी ठीक है जिस तरीके से वहां सुनी जाती है ओके थ्री क्या बोल रहा है अपील समरेली डिसमिस अगर अपील समरेली डिसमिस हो गई अपील कौन कौन से मामले में समरीली डिसमिस होगी वेन नो सफिशियंट ग्राउंड फॉर इंटरफियरिंग बट कोई भी ग्राउंड पे कोई भी तीन ग्राउंड पे अपील हमारी समरीली डिसमिस नहीं होगी पहला रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ड एपलेट को नहीं दिया है After giving application, reasonable opportunity, unless appeal, appeal क्या है है. है, है अगर appeal frivolous नहीं है, genuine लग रही तो आप उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे अपील एक्सपायर हो चुका है तो इस केस में क्या नहीं होगा क्या नहीं होगा कोई भी डिसमिसल नहीं होने वाला है ठीक है क्लियर है ओके नेक्स्ट चलेंगे थ्री जो बोलता है अपील नॉट समरीली डिसमिस्ड एपलेट कोर्ट क्या करेगा नोटिस सेंड करेगा किसको एपिलेंट को प्लीडर को ऑफिसर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कंप्लेनेंट को एंड टू द अक्यूज़ अंडर 377 एंड 378, 392 बोल रहा है व्हेन जजेस इक्वली डिवाइडेड बताओ कहां पड़ा था बताओ फटाफट अगर जजेस का ओपिनियन इक्वली डिवाइडेड है बताओ कहां पड़ा था सेक्शन नंबर 32 35 32 33 34 35 बताओ अगर अपील हर्ड की जा रही है बेंच ऑफ हाई कोर्ट द्वारा एंड ओपिनियन डिवाइडेड है तो हमें कोई दूसरे जज ऑफ द सेम हाई कोर्ट के सामने वो मैटर रखना है एंड उनका ओपिनियन हम फॉलो करेंगे अगर वन ऑफ दी जज ऑफ दी बेंच और अनदर जज रिक्वायर्स या तो उस बेंच के जज या कोई भी और जज ये रिक्वायर करे कि भाई ये जो अपील है वो वापस रिह ही रिह रीहर्ड की जानी चाहिए तो दैट विल बी अलाउड एंड वो मैटर किसके द्वारा डिसाइड किया जाएगा लार्जर बेंच द्वारा ठीक है यस थ्री सेवेंटी में भी किया था एंड थर्टी फोर वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड शुभम एब्सोल्युटली करेक्ट जब हमारा ओपिनियन क्या है स्टूडेंट्स जब हमारा ओपिनियन डिवाइडेड है नॉट विड्रॉल बट इट इज इट इज इट इज गिवेन एंड यस एब्सोल्युटली करेक्ट स्टूडेंट्स है yes, ना जब हमने बात की थी कि हम क्या कर रहे हैं हम लोग हाईकोर्ट को सेंटेंस भेज रहे हैं हाई को confirmation के लिए भेज रहे हैं ठीक है क्लियर है चलो 393 में क्या बोला जजमेंट और ऑर्डर ऑन अपील फाइनल होने वाला है जजमेंट हमारे अपील के मामले में ठीक है जजमेंट या ऑर्डर हुआ वो फाइनल होगा अगर अपील की गई है एक्सेप्ट ऑन दीज केसेस ठीक है चलिए आगे चलेंगे कौन से मामले में अपील नहीं होने वाली है आ जाओ अ uh, हमारे कौन थे सपना जी चलो 372 अपील कहां नहीं होगी अगर अनलेस प्रोवाइडेड बाय दिस कोड और अदर कोड अगर इन दोनों चीजों में हमारे कोड में या कोई लॉ में प्रोवाइडेड है तब तो हम अपील कर लेंगे अदरवाइज कोई भी अपील अलाउड नहीं है अदरवाइज कोई भी अपील अलाउड नहीं है लेकिन विक्टिम के पास राइट है राइट टू अपील अगेंस्ट एक्विटल लेस पनिशमेंट और फॉर इन एडिक्वेट कंपनसेशन वो अपील कर सकते हैं कहां को कोर्ट वेयर अपील फ्रॉम कन्विकशन लाइज जहां पर अपील फ्रॉम कन्विक्शन लाया करती है वहां पर हमारी अक्यूज अपील सॉरी हमारी विक्टिम अपील कर सकती है ये राइट किसका है हमारी विक्टिम का है 375 क्या बोलता है जहां पे अक्यूज ने प्लीड गिल्टी कर लिया है वहां पे अगर कन्विक्शन हाईकोर्ट कोर्ट ऑफ सेशन मेट्रोपोलिटन मेजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास के द्वारा है तो क्लियर है एक्सेप्ट और लिगैलिटी ऑफ द सेंटेंस इस मामले में हम अपील नहीं कर सकते सिर्फ इस ग्राउंड में हम क्या कर सकते हैं अपील कर सकते हैं क्लियर है नेक्स्ट इज 376. सेवेंटी पेटी केसेस के मामले में दैट इज 206, जीरो सिक्स टू एंड टू साथ में कनेक्ट करके पढ़ेंगे जो ये कहता है 376 के मामले में आप कुछ पेटी ऑफेंसेस में अपील नहीं कर सकते कौन कौन से हैं अच्छे से सुनना अगर हाई कोर्ट ने कन्विक किया जहां छह महीने की सजा और एक, एक हजार रुपए तक का फाइन दिया है अगर कोर्ट ऑफ सेशन मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने कन्विक्ट किया है तीन महीने की सजा दी है एंड टू थाउजेंड रुपीज टू हंड्रेड रुपीज का फाइन दिया है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है हंड्रेड रुपीज का फाइन दिया है समरी ट्रायल हुई है टू हंड्रेड रुपीज का फाइन दिया गया है अपील कैन बी प्रेफर्ड इफ सच सेंटेंस इज कंबाइंड विद दी अदर सेंटेंस ठीक है क्लियर है यहाँ पे अपील हम प्रेफर नहीं कर सकते लेकिन ये अपील तभी प्रेफर की जा सकती है जब इस सेंटेंस को हम दूसरे सेंटेंस के साथ क्या स्टूडेंट्स इस सेंटेंस सेंटेंस को दूसरे के साथ जब हम आ, मिला दें ठीक है चलो आगे चलेंगे एपलेट कोर्ट के पावर्स हैं 386 में क्या बोला एपलेट कोर्ट के पास क्या पावर है एपलेट कोर्ट के पास ये पावर है <laughs> ट कोर्ट के पास ये पावर्स है स्टूडेंट्स 386 में कि अगर अपील एक्विटल के फॉर्म में तो वो उसको रिवर्स कर सकते हैं कन्विक्शन के फॉर्म में तो उसको रिवर्स कर सकते हैं ऑल्टर कर सकते हैं एनहांसमेंट है तो भी ये सारी चीज कर सकते हैं और कोई भी और अदर ऑर्डर के अगेंस्ट भी अगर ऐसी कोई अपील की गई है तो उसको भी ऑल्टर या रिवर्स कर सकते हैं वैसे कि वैसे थ्री में क्या बोला जजमेंट ऑफ द दबॉर्डिनेट एपेलेट कोर्ट तो चैप्टर नंबर ट्वेंटी अप्लाई हो जाएगा टू द जजमेंट इन अपील ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन एंड सीजे and 391 ये क्या बताता है कि अपीलेट कोर्ट के पास पावर है कि वो एडिशनल एविडेंसेस ले सकते हैं अपीलेट कोर्ट के मामले में स्टूडेंट्स अपीलेट कोर्ट के मामले में आपके पास ये पर्टिकुलर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा जा सकता है डू दे हैव पावर टू टेक द एडिशनल एविडेंसेस आंसर इज यस वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन अबैटमेंट ऑफ द अपील क्या बोलता है अंडर सेक्शन 377 टू 378

ठीक है, है? क्लियर चलो सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस देखो स्टूडेंट्स, जब कोई पर्सन ने अपील की है और उसको मान लो कन्विक्ट कर दिया गया था लेकिन अब उसने अपील कर दी ना तो जब अपील कर दी है तो क्या अभी तक जब उसने अपील कर दी है तो क्या अभी तक इस मामले में जस्ट अट स्टूडेंट्स है ना <coughs> देखो छह बजे का समय बोल रखा था ना पिताश्री को ओके okay. चलिए क्या होता है स्टूडेंट्स कई बार जब हम मान लो हमने स्क्रीन दिख रही है चलो कई बार जब हमने अपील के लिए

सॉरी नॉट पोरियर एंड इनविक्टेड फॉर अबिस तो उस मामले में उसका सेंटेंस सस्पेंड किया जा सकता है क्लियर है ओके okay. नहीं दीप्ति जी मम्मी पापा कितने घंटे के लिए क्लास देखेंगे है ना क्लियर है ओके okay. मैं थोड़ा घर से बाहर जाऊं तो मम्मी पापा को भी सुकून होता है कि चलो जें, 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 बंद हो गई अब हमको थोड़ा चिल्लाने देगी वो बिकॉज आई डू नॉट लेट यू नो यू आर कॉन्स्टेंटली बिजी इन द क्लासेज यू टेक क्लासेज तो घर में कोई भी बोलता है तो फिर आप उसको चुप करा दे कि भाई मत बोलो धीरे बोलो है ना क्लियर है संडे है तो सब अपना अपना काम कर रहे होते हैं आई टोल दे कि पांच बजे तक लगभग क्लास फ्री हो जाएगी तो आई टोल दे कि क्लास देख लें अगर आपको पता चल जाए बोले तुम्हारी क्लास हम हम नहीं देखेंगे एक मिस कॉल मार देना ठीक है चलो आगे चलो रेफरेंस एंड रिविजन क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स रेफरेंस एंड रिविजन अब देखो रेफरेंस है

मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट क्वेश्चन ऑफ लॉ के लिए भी मैटर भेज सकते हैं हाई कोर्ट को तो वाइल रेफरेंस पेंडिंग कोर्ट क्या कर सकता है या तो अक्यूज को जेल के लिए कमिट करेगा या फिर उसको रिलीज कर देगा

सेम पावर्स है हमारे सेशन जज के पास भी बस नो रिविजन ऑफ द डिसीजन ऑफ सेशन जज अंडर द रिवीजन। 400 क्या बोल रहा है? एडिशनल सेशन जज की पावर बता रहा है सेम जो हमारे सेम जो हमारे 399 में पावर्स थे वही पावर्स किसके पास है हमारे सेशन एडिशनल सेशन जज के पास भी पावर्स हैं, ठीक है मूविंग ऑन टू दी कोर्ट अब देखो कोर्ट से रिलेटेड यहां पे कुछ सेक्शंस हैं यस असिस्टेंट सेशन जज के पास पावर नहीं वेरी गुड सुमिता जी अब अच्छे से सुनो स्टूडेंट्स हाई कोर्ट के मामले में 398, 401 एट फोर एंड फोर ये इंपॉर्टेंट चीज है 398 ये बोलता है पावर टू ऑर्डर इंक्वायरी हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो क्या कर सकते हैं इंक्वायरी करवा सकते कब जब वो कोई भी रिकॉर्ड 397 में कंडक्ट कर रहे हैं ये देखो 397 में जब कोई भी ऑर्डर दैट इज टू से रिवीजन कर रहे हैं वो इंक्वायरी कंडक्ट कर सकते हैं कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन किसको डायरेक्ट करेगा अच्छे से ध्यान रखना किसको डायरेक्ट करेगा सीजीएम को डायरेक्ट करेगा या अपने से सबॉर्डिनेट मजिस्ट्रेट्स को डायरेक्ट करेगा कि इंक्वायरी कीजिए कि आखिर कंप्लेन टू थ्री में डिसमिस क्यों हुई या टू सब फोर सबसेक्शन फोर में डिसमिस क्यों हुई क्लियर है

अप्लाई हो जाएगा 392 मींस 370 भी देखेंगे हम क्लियर नेक्स्ट नो ऑर्डर अनलेस अक्यूज हैज रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हट यहां पे हाई कोर्ट कब तक तक कोई डिसीजन नहीं देंगे स्टूडेंट्स रिवीजन का जब तक कि हम अक्यूज को भी सुन नहीं लेते हैं हाई कोर्ट कैन नॉट कन्वर्ट द फाइंडिंग ऑफ एक्विटल कभी भी एक्विटल से कन्विकशन में हाई नहीं जा सकता 401 लेकिन आप नहीं लेके आए हैं अपील आप रिविजन में नहीं जा सकते हैं आप रिविजन में सिर्फ तभी जा सकते हैं अगर आप इस भ्रम में थे अगर आपको पता था कि अपील लाई करती हो फिर आपने अपील फाइल नहीं की तो आप रिविजन में नहीं जा सकते लेकिन अपील तो लाइक करती थी, थी आपको लग रहा था कि शायद अपील लाई नहीं करती है इस भ्रम में थे तो ही आपकी रिविजन पिटिशन क्या होगी अलाउ की जाएगी एंड देन हाईकोर्ट Can treat the of as the of यहां जाके आपकी अपील का प्रावधान होने के बावजूद भी अगर आपने रिविजन की पिटिशन फाइल कर दी रिविजन की फाइल कर दी तो आपकी रिविजन की को वो अपील की पिटीशन समझेंगे फोर जीरो पावर टू विड्रॉ एंड ट्रांसफर द रिविजन केसेस क्या बोला जा रहा है हाई हाईकोर्ट के पास पावर है कि वो विड्रॉ कर सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं क्या रिविजन सकता है? है? Uh, है, है जब एक या एक से ज्यादा व्यक्ति को कन्विक्ट किया गया एक ही केस से एक रिविजन कर रहा है हाईकोर्ट को दूसरा रिविजन कर दे रहा है सेशन जज को तो फिर यहां पर हाईकोर्ट डिसाइड कर सकता है कि रिविजन एप्लीकेशन कौन डिसाइड करेगा एंड अगर वो उनको लगता है कि मैं खुद से डिसाइड कर लूंगा तो वो सेशन जज के पास वाली भी खुद के पास मंगवा लेगा एंड उनको लग रहा है कि सेशन जज डिसाइड कर सकता है तो खुद की एप्लीकेशन भी सेशन जज को भेज देगा जब दो लोगों ने एक ही अलग अलग जगह पे क्या किया है रिविजन एप्लीकेशन फाइल कर दिया गया ठीक है चीके?

आप ऐसा डिसीजन बता रहे हो तो हाई कोर्ट का ऑर्डर सर्टिफाई होना चाहिए एंड थ्री नाइन एट क्या बोल रहा है इन केस ऑफ अपील टू हाई कोर्ट ठीक है वहां पे भी क्या होना चाहिए मैटर सर्टिफाइड होना चाहिए ठीक है क्लियर है वहां पे भी हाई कोर्ट का डिसीजन क्या होगा स्टूडेंट्स आपका आ, जो हाई कोर्ट का डिसीजन है वो कैसा होना चाहिए सर्टिफाइड होना चाहिए चलो फटाफट से डिस्कस करेंगे पार्डन एंड रेमिटेशन रेमिडेशन सस्पेंशन रिस्पाइट इन सबका मतलब क्लास ओवर होने के बाद आप जरूर देखेंगे क्योंकि अब हम चल रहे हैं एग्जीक्यूशन पर एग्जीक्यूशन अब मेरे ख्याल से हमारे पास

क्लियर है तो सबसे पहले डील करेंगे कम्यूटेशन सस्पेंशन एंड कम्यूटेशन हमें पता है स्टूडेंट्स सस्पेंशन एंड कम्यूटेशन का सेक्शन कहां दे रखा है, है पार्ट तो तो में कर सकती है ठीक है क्लियर है अप्रोप्रियट गवर्नमेंट में टेक ओपिनियन ऑफ प्रिसाइडिंग जज ऑफ द कन्विक्टिंग कोर्ट जिस कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया उसका भी डिसीजन सुन सकती है इफ कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड अप्रोप्रियट गवर्नमेंट कैंसिल कर सकती है ऐसा सस्पेंशन और रेमिशन एंड अरेस्ट कर सकती है किसको उस पर्सन को विदाउट वारंट 433 कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस यहां पे क्या हो रहा है सस्पेंशन एंड रेमिशन 432 सस्पेंशन रेमिशन सस्पेंशन रेमिशन 433 कम्यूटेशन 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 कौन करता है एपलेट गवर्नमेंट बिना कंसेंट के ये ध्यान रखना ये कैसे हो रहा है बताओ कौन सा सेक्शन कनेक्ट करूं आईपीसी का आईपीसी का सेक्शन फटाफट से देखो डेथ अगर हुई है डेथ की पनिशमेंट दी गई है हम आईपीसी के कोई भी ऑफेंस में उसको क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स कम्यूट कर सकते हैं अगर लाइफ इंप्रिजनमेंट है तो हम फोर्टीन ईयर्स में उसको कम्यूट कर सकते हैं अगर रिगरस इंप्रिजनमेंट है सिंपल इंप्रिजनमेंट तो दे सकते हैं सिंपल इंप्रिजनमेंट है तो हम फाइन दे सकते हैं क्लियर और 433 क्या बोल रहा है रिस्ट्रिक्शन ऑफ द पावर ऑफ रेमिशन और कम्यूटेशन हम कम्यूटेशन और रेमिशन के पावर पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं अगर सेंटेंस लाइफ का है है बट डेथ डेथ इज वन ऑफ द पनिशमेंट पनिशमेंट वहां भी दिया जा सकता है, या फिर डेथ पनिशमेंट दिया गया है एंड हम उसको कम्यूट कर रहे हैं लाइफ सेंटेंस में देन नो रिलीज ऑफ द पर्सन अनलेस सर्ड फोर्टीन ईयर ऑफ द पनिशमेंट तो हम उसको कब तक रिलीज नहीं करेंगे स्टूडेंट्स जब तक कि फोर्टीन ईयर्स नहीं हो जाते यस 54 फोर एंड फिफ्टी क्लियर है चलो 434 क्या बोल रहा है कॉन्करेंट पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट को कॉन्करेंट पावर्स होते हैं इन डेथ सेंटेंस सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों को होते हैं ठीक है ठीके? 435 क्या बोलता है स्टेट गवर्नमेंट टू एक्ट

in service of central government while discharging the offence and no order of suspension remission ya fair commutation by the central by the state government if Person convicted of offence which relates to the matter which executive power of the union extends unless the order is by central government itself. जब तक इस central government आपको ना बोल दे, तब तक कि आप क्या नहीं करेंगे इस मामले में उस person को क्या नहीं करेंगे? आप यहाँ पे उस person को suspension, execution या suspension, remission या commutation का benefit नहीं देंगे, ठीक है? क्लियर है, अदरवाइज आपको इन मामलों में किसकी परमिशन लेनी है डेथ सेंटेंस है? है तो कोई भी पनिशमेंट में कर दीजिए लाइफ इंप्रिजनमेंट है तो 14 इयर्स कर दीजिए और कैसे होगा विदाउट दी कंसेंट ऑफ वाला है अब डिस्कस करेंगे हम एग्जीक्यूशन का एक एक पॉइंट एग्जीक्यूशन जनरल प्रोविजन कहा है फोर ट्वेंटी डेथ का एग्जीक्यूशन इंप्रिजनमेंट का एग्जीक्यूशन एंड फाइन का एग्जीक्यूशन बराबर है यह क्लेज बराबर है ये ठीक है मोहम्मद रियाज जी चलो फोकस करेंगे सभी स्टूडेंट्स अब देखो अगर जनरल प्रोविजन की बात करें फोर ट्वेंटी फाइव फोकस करेंगे यहां से क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स अगले सिर्फ और सिर्फ चालीस मिनट के लिए मेरे साथ साथ बनाए रखेंगे ताकि हम इस सेशन को फटाफट -फड़ से खत्म करेंगे और लास्ट में कुछ होमवर्क बचेगा जो कि मुझे लगता है कि आप अगर एनालाइज करेंगे तो दैट विल भी मोर देन एनफ फॉर यू ठीक है हमारे पास अच्छी खासी टेबल है एक तो अमेंडमेंट्स की टेबल है मैं आपको सेशन में दिखा दूंगी और एक टाइम लिमिट की टेबल है जो आपको काफी पसंद आएगी काफी मेहनत से उसको बनाई गई है वो याद करना क्योंकि टाइम लिमिट आपसे पूछा जा सकता है ठीक है तो वो टेबल देख लो दैट विल भी मोर देन एनफ सेक्शन के साथ साथ है ठीक है आप सुनो 425 क्या कह रहा है हु में इश्यू वारंट कौन वारंट इशू कर सकता है तो इन्होंने बोला जज कर सकता है मजिस्ट्रेट कर सकता है जिसने सेंटेंस पास किया या फिर सक्सेसर इन ऑफिस ओके फोर थर्टी बोल रहा है कब तक वारंट एग्जीक्यूशन में रहेगा क्योंकि स्टूडेंट्स जब हम बोल रहे हैं कि पनिशमेंट का निष्पादन करना है तो उसके लिए भी वारंट दिया जाएगा और एक बार वो पनिशमेंट मिल गया तो वारंट को वापस भेजना पड़ेगा तो वारंट को वापस भेजना पड़ेगा रिटर्न करना है टू द कोर्ट विच हमने ऑलरेडी पढ़ा था सेक्शन नंबर सिक्सटी टू के साथ पढ़ा था ना कि जो हमारा वॉरेंट है वो कब तक इफेक्ट में रहता है ठीक वैसे ही ठीक है सेंटेंस अगर फोर ट्वेंटी सिक्स में एस्केप्ड कन्विक्ट पे किया मान लो हम सेंटेंस किस पे दे रहे हैं एस्केप्ड कन्विक्ट भाग गया और उसको सेंटेंस दे दिया कौन सा दिया है हमने नॉर्मल सेंटेंस दिया तो कैसे होगा अगर सेंटेंस सिवियर है तो इमीडिएटली लागू हो जाएगा जैसे पकड़ा जाएगा लागू हो जाएगा अगर इतना सिवियर नहीं है तो आफ्टर सफरिंग द रिमेनिंग अनएक्सपायसमेंट तो जितना की अनएक्सपायर्ड पीरियड उसका खत्म हो जाता है जो ऑलरेडी सजा भुगत रहा था उसके बाद उसकी सजा शुरू हो जाएगी ठीक है

क्या ऐसा थोड़ी है कि इस जन्म में पहली पनिशमेंट ले लो मर जाओ और फिर दूसरा जन्म लेके दूसरे जन्म में भी लाइफ इंप्रिजनमेंट भुगतना राइट right? क्लियर है ओके okay, सपना जी आगे चलो देखो जितना ट्वेंटी मान लो चार साल ऑलरेडी जेल में जाके आया दस साल की सजा मिली है चार साल माइनस हो जाएंगे बच्चे हुए छह साल तक के लिए सजा मिलेगी फोर क्या बोलता है मनी ऑर्डर टू बी पेड रिकवर्ड एज फाइन आ जाओ अब डील करेंगे किससे हम डेथ सेंटेंस है डेथ सेंटेंस का एग्जीक्यूशन कैसे होगा 413 से लेके 416, 413 से लेके 416, दैट इज वी हैव फोर सेक्शन ओवर ईयर 413 ये बोलता है एग्जीक्यूशन कैसे होगा इसका तो उन्होंने बोला कि उसका एग्जीक्यूशन के लिए आ, ओके okay, जो 368 में भी इंक्लूड हुआ है 368 में जो हाई कोर्ट ने भी कंफर्म किया है फॉर फॉर

क्लियर है ओके चलो आगे सुनो पोस्टपोनमेंट 419, इन केस ऑफ अपील टू द अपील तो प्रेफर कर रहा है अगर सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहा है अंडर आर्टिकल थर्टी फोर एंड या फिर फाइल कर रहा है हाईकोर्ट को अंडर आर्टिकल थर्टी सिक्स एंड रिक्वायर कर रहा है हाईकोर्ट से क्या कर रहा है सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है तो हमारी सेंटेंस सेंटेंस डेथ पोस्टपोन हो जाएगी तब तक जब तक के लिए हमने जब तक कि हमारा पटीशन डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाता या फिर जो अपील के लिए हमको टाइम पीरियड दिया गया था वो खत्म नहीं हो जाता है आपको रुकना पड़ेगा हम अपील प्रेफर करें ना करें ये हमारी मर्जी है ठीक है क्लियर है स्टूडेंट्स मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन दैट इफ इफ इट द डेथ सेंटेंस इज गिवन ऑन अ प्रेग्नेंट वुमेन हाई कोर्ट उसको कम्यूट कर देगा लाइफ सेंटेंस में वेरी इंपॉर्टेंट फोर चलो आगे चले स्टूडेंट्स आगे चलते हैं दैट हैंजनमेंट इंप्रेजनमेंट मीस इंप्रेजनमेंट मींस आपको जेल की सजा दी गई है ठीक है लाइफ इंप्रेजनमेंट नहीं है इट इज नॉर्मल इंप्रेजनमेंट फोर टू फोर डायरेक्ट दी प्लेस ऑफ इंप्रेजमेंट फोर हंड्रेड सेवेंटीन बोले कौन डायरेक्ट करेगा प्लेस ऑफ इंप्रेजमेंट इन्होंने बोला सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट बता देगा अगर मैंने गलती से भी कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दिया स्टेट गवर्नमेंट का इधर उधर हो गया तो ध्यान रखिएगा सेंट्रल और स्टेट कई बार नहीं रहता दिमाग में बट जो लिखा हुआ है वो सही है ठीक है स्टेट गवर्नमेंट मेंशन करेगा वो प्लेस एंड इफ इट इज इन सिविल जेल पुट हिम टू द क्रिमिनल जेल अगर पर्सन ऑलरेडी सिविल जेल में था उसको ट्रांसफर कर देंगे क्रिमिनल जेल में एंड रिलीज फ्रॉम द क्रिमिनल जेल पुट बैक टू सिविल जेल Unless three year expired since he is removed from the criminal jail. और कोर्ट ऑर्डरिंग जमेंट इन सिविल जेल सर्टिफाइडल टू बी रिलीज अंडर सेक्शन नंबर 58 ऑफ सीआरपीसी क्या होता है स्टूडेंट्स कई बार मान लो वो पर्सन ऑलरेडी सिविल जेल में था लेकिन बाद में चलता है नहीं बाद में पता चलता है कि नहीं इसको क्या करना था क्रिमिनल जेल में डालना था तो 480 417 के तहत हम उसको वापस क्रिमिनल जेल में भी डाल सकते हैं 418 क्या बोलता है एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस ऑफ सेंटेंस ऑफ इंप्रिजमेंट का एग्जीक्यूशन कैसे होगा जिस कोर्ट ने वो ऑर्डर पास किया है वो क्या करने वाले स्टूडेंट्स एक वारंट निकालेंगे प्लस अक्यूज को कहां भेजेंगे जेल में भेजेंगे वारंट निकालेंगे प्लस अक्यूज को जेल में भेजेंगे या अदर प्लेस में भेजेंगे एंड सेंटेंस कब से कमेंस होगा फ्रॉम द डेट ऑफ अरेस्ट उसी दिन से उसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स सेंटेंस कमेंस हो जाएगा एंड अगर कोर्ट में प्रेजेंट नहीं है हमारा अक्यूज तो कोर्ट डायरेक्ट करेगा कि भाई उसको अरेस्ट किया जाए

ठीक है, क्लियर है नेक्स्ट नो ऑर्डर एग्जीक्यूटेड बाय अरेस्ट और डिटेंशन इन दी प्रिजन ऑफ एन ऑफेंडर किसी भी मामले में आप इसको कैसे एग्जीक्यूट नहीं करेंगे इसको अरेस्ट या डिटेन नहीं करेंगे इन दी प्रिज़न

डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को जहां पर सीआरपीसी अप्लाई होता है ऑथराइजिंग हिम टू रिलीज द अमाउंट ऑफ द ऑफ़ द लैंड नेक्स्ट इज फोर जब तक कि कोर्ट आपका बैठा है जब तक आपका कोर्ट बैठा है टिल द एंड ऑफ दैट डे ठीक है सुमित जी चलिए 424 बोल रहा सस्पेंशन ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस क्या इसका सस्पेंशन हो सकता है बिल्कुल हो सकता है व्हेन फाइन इंपोज है एंड इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट अगर इंप्रिजनमेंट हो गई है देन इन दैट केस कोर्ट क्या करेगा रिलीज कर सकता है उस पर्सन को बॉन्ड पे सस्पेंड कर सकता है उस पर्सन को उस पर्सन का सेंटेंस ऑफ इंप्रिजनमेंट एंड ऑर्डर कर सकता है कि आप फुल या इंस्टॉलमेंट्स में उस अमाउंट को पे कर दीजिए सस्पेंशन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इंप्रिजनमेंट अगर आपने अमाउंट पे नहीं किया फाइन पे नहीं किया तो कोर्ट आपको जेल भेजेगा लेकिन ये क्या कह रहा है कि आप पे फाइन इंपोज किया गया आपने पेमेंट करने में डिफॉल्ट कर दिया है आपको इंप्रिजन कर दिया गया था लेकिन उसके बाद भी कोर्ट क्या कर सकता है आपको एक आपसे एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा के आपको रिलीज कर सकता है क्लियर है नाउ लेट्स कम टू इर प्रोसीडिंग जो काफी इंपॉर्टेंट है इेगुलर प्रोसीडिंग मतलब यहां पे हमारी प्रोसीडिंग क्या हो जाती है स्टूडेंट्स विशिएट हो जाती है मतलब कि 460, 461 अति महत्वपूर्ण है रट के घोल के पढ़ के जैसे अच्छा लगे वैसे कर लेना पर 460, 461 आप नहीं छोड़ सकते हैं. ठीक है क्लियर है अब ये चीजें रटने से नहीं होगी ये चीजें कैसे होगी स्टूडेंट्स ये चीजें तभी होगी जब आप जब आप क्या करें स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें ठीक है अब सुनो 460 बोलता है प्रोसीडिंग रिशिएट नहीं होगी वैलिड रहेगी कुछ ग्राउंड्स पे 461 बोलता था कुछ ग्राउंड्स पे हमारी प्रोसीडिंग रिशिएट हो जाएगी 462 बोल रहा है अगर रॉन्ग प्लेस पे प्रोसीडिंग हो गई तो उसका इफेक्ट क्या होगा 463 बोल रहा है अगर 164 एंड 281 का कंप्लायंस नहीं किया तो क्या होगा 464 बोल रहा है इफेक्ट अगर चार्ज को फ्रेम करने में ओमिशन कर 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 दिया दिया या एरर में कर, एरर में कर है चार्ज में तो उसका इफेक्ट क्या होगा 465 बोल रहा है फाइंडिंग इन सेंटेंस क्या रिवर्सिबल है क्या 466 ये बोलता है नो अटैचमेंट अनलॉफुल अगर कोई भी एरर या डिफेक्ट हुआ है तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं थैंक यू आयुष जी चलो बेटा फटाफट फड़ से लास्ट पार्ट है इसको खत्म करते हैं जो भी आपकी इच्छा हो वो कमेंट सेक्शन में बाद में जरूर दे, लिख देना क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन अच्छे से जरूर चेक करती रहती हूँ हर एक डेढ़ दो दिन में मैं डेफिनेटली आपके जो वन शॉर्ट्स लिए उनका कॉमेंट सेक्शन देखती रहती हूं ताकि ये पता चले कि स्टूडेंट्स को क्या पसंद आया क्या पसंद नहीं आया है ठीक है क्लियर है लाइव क्लास है तो बाद में स्टूडेंट्स देखो कॉमेंट चले जाते हैं क्योंकि पूरी नौ घंटे क्लास ऑब्वियसली मेरे देखने के लिए भी संभव नहीं होता है कल क्लास होगी यस कल क्लास होगी सुबह नौ बजे हम लोग क्लास लेने वाले हैं कल सुबह भी नौ बजे क्लास लेंगे दो घंटे सीआरपीसी के जेएलओ के टू थाउंड के जो क्वेश्चन आए थे वो डील करेंगे अब सुनो 260 में अगर ये सारी चीजें हुई है उसके बाद भी हमारी प्रोसीडिंग वैलिड रहेगी अगर सर्च वारंट इश्यू कर दिया कोर्ट के पास ऑथोरिटी नहीं थी फिर भी कर दिया पुलिस ने इन्वेस्टिगेट कर लिया वन में ऑर्डर कर दिया गया सॉरी पुलिस को 155 में इन्वेस्टिगेट के लिए इनक्वेस्ट होल्ड कर ली 176 में 176 में याद है ना 176 सेवेंटी सिक्स दैट इज वन का सबसेक्शन थ्री क्लॉज वन क्लॉज टू एंड 176 में जो तो दो, दो ग्राउंड खुद ने दिए थे ठीक है क्लियर है एनी मजिस्ट्रेट एंड दूसरे में कौन कौन से मजिस्ट्रेट्स थे वो भी आगे सुनो फटाफट फ़ड़, स्टूडेंट्स अगले आधे घंटे के लिए अच्छे से फोकस करेंगे और उसके बाद उसके बाद हम लोग टाटा बाय बाय करेंगे ठीक है आगे सुनो टू इशू द प्रोसेस अंडर 187 187 में प्रोसेस प्रोसेस इशू कर दिया कॉग्निजेंस ले लिया 191 ए और बी में वॉइड नहीं होगी वैलिड होगी मतलब अगर सी में ले लिया तो वैलिड नहीं होगी वो वॉइड हो जाएगी ठीक है टू मेक दी केस अंडर 192 कर लिया 306 में pardon grant कर लिया केस खुद से रिकॉल कर लिया सेक्शन नंबर ट्राई हिमसेल्फ ये देखना स्टूडेंसूड्स ये वाला क्वेश्चन देखना आई थिंक दिस इज फोर जीरो वन एक बार ये देख लेना ठीक है नेक्स्ट इज चलो हम ही देख लेते ना अभी अभी अभी, अभी देख लेते हैं कम टू सेक्शन नंबर सिक्सटी फटाफट से स्टूडेंस फोर सिक्सटी पे आ जाएंगे मैं अभी इसको री करेक्ट दूंगी कर यहाँ पे ठीक है uh... ओके okay, इट्स 410 है ना 410 चलो टू सेल द प्रॉपर्टी अंडर 48458 एंड 459 तो यहाँ पे प्रोसीडिंग कैसी रहेगी स्टूडेंट्स हमारी प्रोसीडिंग वैलिड रहेगी विशिएट नहीं होती है नेक्स्ट ये सारे ग्राउंड्स पे हमारी प्रोसीडिंग क्या हो जाती है स्टूडेंट्स वॉइड हो जाती है अब आपके पास अच्छा ऑप्शन ये बचता है कि ये इतने सारे पॉइंट्स पढ़ने से अच्छा है कि आप ये पॉइंट्स पढ़ लें चार पांच

ओके okay, क्लियर है इफ डन तो वो क्या कर सकते हैं वो ये बोलेंगे कि जो ऑर्डर है ऑर्डर टू चार्ज बी फ्रेम्ड

क्वैश कीजिए कन्विक्शन को नेक्स्ट <coughs> इज चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट इज 460

डिफेक्ट है या वॉन्ट ऑफ फॉर्म ऑफ समन कन्विक्शन रेट ऑफ अटैचमेंट या फिर या फिर जो अदर प्रोसीडिंग है इनमें कोई त्रुटि है मात्र इन चीजों के ग्राउंड पे क्या नहीं होता स्टूडेंट्स मात्र इन चीजों के ग्राउंड पे हमारी कोई भी अटैचमेंट अनलॉफुल नहीं हो जाती है ठीक है ये वो अटैचमेंट है जो कोट करता है ये वो अटैचमेंट नहीं जो कि हमें एक दूसरे मनुष्य से हो जाता है जहां पे हम अपना टाइम निरंतर खराब करते रहते हैं सुनो कमिंग टू दिस चार्ट दैट इज डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर टू फोर फिफ्टी वन में ड्यूरिंग प्रोसीडिंग हो रहा है फोर में एट कंक्लूजन हो रहा है कन्विक्शन के मामले में कन्विक्शन के मामले में क्या बोला है पेमेंट अगर इनोसेंट पर्सन को कर दिया तो क्या 455 में डिस्ट्रक्शन ऑफ में मैटर के बारे में बात कर रहे हैं 456 में हम प्रॉपर्टी के रिस्टोरेशन की बात कर रहे हैं एंड फिर बात करेंगे हम प्रोसीजर की अब देखो डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी में 451 में क्या बोल रहा है कोर्ट क्या कर सकता है प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है बिल्कुल सेल कर सकता है कोई भी डॉक्यूमेंट है या कोई भी प्रॉपर्टी है जो कि कोर्ट को कोर्ट के कस्टडी में है या कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके विरुद्ध कोर्ट को लग रहा है कि यहां पे इस चीज को यूज करके ऑफेंस कमिट किया गया था या इस चीज के विरुद्ध कोई ऑफेंस कमिट किया गया था ठीक है ओके 452 क्या बोल रहा है एट द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल बस दोनों में ये फर्क है ठीक है यहां बोल रहा है कोर्ट ऑर्डर कर सकता है प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करे डिस्ट्रक्ट करे कॉन्फिसिकेट करे या जो पर्सन एक्चुअली क्लेम कर रहा है उसको भी प्रॉपर्टी डिलीवर कर सकते हैं कोर्ट ऑफ सेशन में डायरेक्ट द पर्सन टू बी डायरेक्ट द प्रॉपर्टी टू बी डिलीवर टू सी जी एम सी जी एम को प्रॉपर्टी डिलीवर किया जा सकता है पर कोई भी ऑर्डर तब तक कैरी आउट नहीं किया जाएगा जब तक दो महीने ना हो जाए या जब तक कि finally appeal की फाइनली हमारी अपील जो प्रेजेंट की गई थी वो डिस्पोज ऑफ ना हो जाए एक्सेप्ट लाइफ स्टॉक या ऐसे मैटर्स जो कि स्पीडी या नेचुरल डीके का हिस्सा है अगर ऐसा है तो ही उस मामले में क्या हो सकता है स्टूडेंट्स हम लोग उस मैटर को सोल्व कर सकते हैं सेल कर सकते हैं अदरवाइज हम सेल नहीं करेंगे ठीक है मैम आई वॉन्ट टू बी लाइक यू कैन आई नो योर क्वालिफिकेशन माई क्वालिफिकेशन इज दैट आई एम स्टूडेंट ओके okay, चलो आगे चलते हैं बेटा डिस्पोजल ऑफ अ प्रॉपर्टी एट कन्विक्शन मान लो अगर किसी का कन्विक्शन हो गया अब उसकी प्रॉपर्टी का क्या करें किसी को जेल में डाल दिया गया है सजा दे दी गई है अब उसकी प्रॉपर्टी का क्या करें अब उसकी प्रॉपर्टी कैसे डिस्क्लोज करेंगे तो देखो. 453 ये कहता है अगर पेमेंट टू इनोसेंट पर्सन कर दिया गया है पेमेंट टू इनोसेंट पर्सन हम पेमेंट करेंगे इनोसेंट पर्सन को पर्सन को कन्विक्शन हो गया मतलब जो अक्यूज था उसको पनिशमेंट मिल दी गई है उसने थेफ्ट किया था या कोई स्टोलन प्रॉपर्टी रिसीव की थी एंड उसने अदर पर्सन को अदर पर्सन को बिना किसी नॉलेज के बेच दिया बिना किसी नॉलेज को बेच दिया देन इन दिस केस देन इन दिस केस जो पर्सन है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ दिस पर्सन जो इनोसेंट था ना कि भाई मैंने तो खरीद ली मुझे क्या पता था चोरी का माल है ये तो चोरी की सजा चला गया भुगत ने अब मैं क्या करूं मैं क्या करूं देन इन दैट केस सम नॉट एक्सीडिंग द प्राइस पेड बाय सच परचेजर तो हम उसको क्या करेंगे स्टूडेंट्स हम उस परचेजर को अमाउंट रीपे करेंगे वो अमाउंट जो कि उस पर्टिकुलर पर्सन ने क्या कर लिया है उस पर्टिकुलर पर्सन ने बिना ये नॉलेज के क्या कर लिया है उस पर्टिकुलर पर्सन से ये चीज खरीद ली थी ओके एंड अपील अगेंस्ट सेक्शन नंबर फोर 452 टू फोर फिफ्टी टू एंड फोर फिफ्टी थ्री अलाउड है

प्लस प्रॉपर्टी नॉट प्रिक्लूड फ्रॉम द क्रिमिनल कोर्ट ड्यूरिंग द इंक्वायरी और ट्रायल तो यहां पे मैजिस्ट्रेट क्या करेगा ऑर्डर देगा डिस्पोजल का एंड डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी अगर पर्सन नोन है तो हम उसको प्रॉपर्टी डिलीवर कर देंगे अननोन है तो प्रॉपर्टी को डिटेन करके रखेंगे एंड एंड क्या करेंगे स्टूडेंट्स प्रोक्लेमेशन इश्यू करेंगे अगर पर्सन सिक्स मंथ्स के अंदर वापस आ जाता है तो उसको उसकी प्रॉपर्टी दे देंगे ध्यान रखना ठीक है यस यस अपील की बात करें क्रिश जी थ्री फिफ्टी फोर फोर्टी फाइव आ जाओ एक बार बेटा फोर फोर्टी फाइव पे आ जाओ 445 फोर्टी अपील बोल रहे अपील अंडर सेक्शन 452 और 453 और फोर ठीक है थीके? क्लियर है जिस तरीके से अपील इन ऑर्डिनरी केसेस लाए करती है ना जहां से कन्विक्शन सेम वैसे ही क्रिश जी कोई डाउट है तो बताओ ठीक है ओ यू गॉट द मैक्सिमम मार्क्स इन टीपी एक्ट ओके ग्रेट टी पी एक्ट वॉज द सब्जेक्ट टी पी एक्ट एंड सी पी सी वर प्रोबावली दब्जेक्ट्स विच आई नेवर लाइड इन माई ग्रेजुएशन ऑल्सो एंड पता नहीं कि उनके टीचर्स भी हमको ठीक ठीक मिले मतलब बाकी के अच्छे मिल गए थे ज़्यादा ही अच्छे मिल गए थे जैसे सी आर पी सी के बहुत अच्छे मिले इंडियन एविडेंस एक्ट की तो लवली टीचर मिली थी हमको एंड टूडे शी इज़ अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट फैमिली कोर्ट की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एट अहमदनगर महाराष्ट्र में ठीक है तो कुछ कुछ टीचर्स होते हैं जो आपको काफ़ी बेहतरीन मिलता है अब कुछ है नहीं है तो नहीं अब क्या करें कॉन्ट्रैक्ट की भी बड़ी अच्छी मिली है ना कुछ यंग टीचर्स जैसे की हमारी बहुत प्यारी टीचर थी मतलब आप तीन साल तक आपके क्लास के जो ये लड़के होते हैं वो आप उस टीचर को परेशानी करते रहते हैं बड़ी प्यारी सी टीचर थी। चलो फोर चलो। चले, चले। डाउट क्लियर चलो 458, 458 क्या डील कर रहा है स्टूडेंट इट no के अंदर अंदर यहाँ पे कोई क्लेमेंट अपियर नहीं हुआ है तो मजिस्ट्रेट क्या करेंगे मजिस्ट्रेट डायरेक्ट करेंगे स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट करेंगे स्टेट गवर्नमेंट को टू डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी एंड अपील क्या होगी अपील को हम सेल कर सकते हैं मैजिस्ट्रेट के पास पावर है कि अगर वो ओनर के बेनिफिट के लिए है एंड उसकी प्रॉपर्टी बिलो फाइव हंड्रेड है ये दूसरी बार पढ़ रहे हैं हम ये दूसरी दफा ये प्रोविजन है ठीक है क्लियर है चलिए आगे चले स्टूडेंट्स प्रोसीजर ओके प्रोसीजर विद रिस्पेक्ट टू योर सेक्शन नंबर 195 सब सेक्शन 1 बी ऑफ़ सीआरपीसी ये जरूर स्टूडेंट्स एक बार आप पढ़ेंगे ठीक है ये आपका बेसिक एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस हैं ठीक है ठीके? अगर आप इनको पढ़ना चाहें

वन में वो क्या कर सकते हैं कॉस्ट इंपोज कर सकते हैं फोर थ्री फोर्टी में क्या बोला जो मेजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले रहे हैं वो ऐसे डील करेंगे इन मैटर्स में जैसे कि केस कैसे है पुलिस रिपोर्ट के मामले में है 344 किससे डील करता है समरी प्रोसीजर

कर सकते हैं या कमिटल कर सकते हैं उसको क्लियर है चलो वेन रजिस्टर और सब रजिस्टर डीम टू बी सिविल सर्वेंट्स कब जब स्टेट गवर्नमेंट बता रहे तो नहीं नहीं सर जस्ट थर्टी मिनट्स मोर है ना ठीक है जब कौन करे स्टेट गवर्नमेंट आपको डिसाइड स्टेट गवर्नमेंट आपको डायरेक्ट करे तो समरी प्रोसीजर फॉर द पनिशमेंट ऑफ द द नॉन अटेंडेंस बाय विटनेस इन द द ऑफ पर्सन वेरी इंपॉर्टेंट समन भेजा गया समरी प्रोसीडिंग हंड्रेड रुपीज फाइन है अपील फॉम दशन अंडर थ्री फोर्टी फोर थ्री फोर्टी फाइव थ्री फोर्टी नाइन एंड थ्री फिफ्टी तो थ्री फिफ्टी वन ये क्या बोल रहा है दैट ऑर्डिनरली कहां पर अपील करना है हमको चैप्टर नंबर ट्वेंटी नाइन भी अप्लाई होगा एंड अपील फ्रॉम फ्रॉम स्मॉल causes फ्रॉम SSC to Court टू कोर्ट ऑफ सेशन एंड रजिस्ट्रार एंड सब रजिस्ट्रार से कहा जाएगा students ये जाएगा हमारा कोर्ट ऑफ सेशन ठीक है स्मॉल कोर्ट से कहा जाएगा कोर्ट ऑफ सेशन रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार टू कोर्ट ऑफ सेशन जाएगा ठीक है सर्टन जजेस एंड magistrate नॉट टू ट्राई सर्टन offences कुछ offences है जो बिल्कुल भी ट्राई नहीं करने वाले हैं ठीक है चलिए चलिए फिर हाई कोर्ट का ये लास्ट मुद्दा डिस्कस कर लेते हैं देन वी आर डन विद आर सेशन ओके लास्ट थ्री स्लाइड स्टूडेंट्स लास्ट थ्री फॉर द डे स्टूडेंट्स यस अब सुनो हाईकोर्ट के मामले में ये जो हमारा आखिरी प्रोविजन है जो हमें मिसलेनियस के बारे में बताता है इसको अच्छे से डील करेंगे क्योंकि यहां से हमारे पास में क्वेश्चन आते हैं जो चीजें हमने ज्यादा वक्त जिनपे जाया नहीं किया है वहां से सवाल नहीं आते हैं जनरली हमारे जुडिशियरी को भी देखें या स्पेसिफिकली जेलों से देखू मैं ठीक है क्लियर है अब सुनो यस yes, बताओ वैभव वे जी हाईकोर्ट के 474 में क्या बोला है कि हाईकोर्ट कौन सी प्रोसीजर अपनाएगा हाई हाईकोर्ट आपकी वही प्रोसीजर अपनाएगा सभी स्टूडेंट्स हाई कोर्ट वही प्रोसीजर अपनाएगा जो कि क्या है कोर्ट ऑफ सेशन है जो कि कोर्ट ऑफ सेशन के पास प्रोसीजर है ठीक है आशीष जी अभी हम बी एन एस एस तो पढ़ ही नहीं रहे हैं हम तो सीआरपीसी पढ़ रहे हैं और जब बी एन एस एस आ जाएगी तो वो न्यू सीआरपीसी नहीं वो बी एन एस एस ही कहलाएगी बिकॉज सीआरपीसी अलग होगी बीएनएसएस अलग होगी ना अभी वो सीआरपीसी 2023 आती तो बोलते कि आप सीआर न्यू सीआरपीसी है वो तो नेम ही चेंज कर दिया तो सीआरपीसी तो 1973 वाली ही सीआरपीसी रहेगी न्यू सीआरपीसी नहीं बोल सकते आप बीएनएसएस 2023 के लिए क्लियर है बेटा ओके क्लियर वेरी गुड हजरा जी लास्ट चैप्टर है ठीक है ओके okay? मार्केट में नया बुक कब आएगा अभी बिल्कुल नहीं आएगा मार्केट में कोई भी ऑथर्स अभी कोई भी बुक पब्लिकेशन हाउस कोई भी बेरेक्ट्स वगैरह तब तक नहीं बनाएंगे जब तक कि बिल्स इनेक्ट नहीं हो जाते बिल्स आपके लॉ नहीं बन जाते एंड लॉ बनने के बाद भी स्टूडेंट्स जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट उसको नोटिफाई नहीं कर देती ठीक है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब इसको नोटिफाई करेगी तब हो जाएगा ओके okay? आगे सुनो प्रज्ञा जी फोर क्या बोलता है हाई कोर्ट के पास है रूल्स बनाने का कौन कौन सी चीजों के लिए पावर है हाई कोर्ट के पास रूल्स बनाने का कि विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल मे बी परमिटेड टू एक्ट एज अ पेटिशन राइटर इन द क्रिमिनल कोर्ट्स ये रूल्स बना सकते हैं कि कौन वो पर्सन होगा जो कि पेटिशन फाइल करेगा हमारे क्रिमिनल कोर्ट्स में रेगुलेटिंग द इश्यूज इश्यूज ऑफ लाइसेंस लाइसेंस के जो हैं उसे रेगुलेट करने के लिए हमारा हाई कोर्ट रूल्स बना सकता है कंडक्ट ऑफ द बिजनेस बिजनेस से रिलेटेड रूल्स बना सकता है स्केल ऑफ द फीस टू बी चेंज बाय देम जो फीस है कम करनी है बढ़ानी है घटानी है हाई कोर्ट कर सकता है प्रोवाइडिंग पेनल्टी फॉर द द्रवेंशन ऑफ द रूल्स रूल्स को कॉन्ट्रावेंट किया आपने मतलब उसके कॉन्ट्रोडिक्शन में कुछ भी किया हाईकोर्ट हमारा रूल बना सकता है determining authority who will investigate and impose the penalty who can decide this this can be decided by our honorable high courts okay clear hai chalo next is 482 jo ki high court ke inherent powers ke bare mein batata hai theek hai Confused तो होंगे प्रिया जी प्रज्ञा जी अभी तो बहुत students confused होंगे ठीक है अभी तो बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे पर कोई बात नहीं धीरे 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 सब जैसे के के टाइम हुआ था ना के टाइम कितना हुआ था कितनी अफवाहें फैल रही थी धीरे धीरे सब कुछ हो गया पैसे बदल गया हमारे नोट जेब में हरे नोट और गुलाबी नोट होते हैं ना फिलहाल मेरे जेब में तो कुछ भी नहीं है ठीक है चले ठीक है जब पापा लेने आए तो फिर आपको क्या टेंशन है ना कि क्या आना है कैसे आना है कोई टेंशन नहीं है फिर तो ठीक है चलो आगे सुनो ज इनहेरेंट पावर्स इनहेरेंट पावर्स किस चीज के लिए इनहेरेंट पावर्स है कोर्ट के पास टू मेक दर्डर्स ऑर्डर्स बना सकते हैं वो प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट

ट का क्या है पावर है सुप्रीटेंडेंस का टू इंश्योर दैट इज एंड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द केसेस ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स वो ये ध्यान रखेंगे कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि अब एक्सपीडिशियस है एंड प्रॉपर डिस्पोजल है ठीक है क्लियर है आगे सुनो 484 रिपील हो गया है सीआरपीसी एटीन नाइनटी फाइव जो सीआरपीसी 484 को रिपील कर रहा है उसको क्या पता था एक दिन वो खुद ही रिपील हो जाएगा और उसके लिए भी सेक्शन 533 ऑफ बीएनएसएस बोलेगा कि भाई एक दिन तुम भी रिपील हो जाओगे है ना तो वक्त का कोई भरोसा नहीं जिसको सीआरपीसी रिपील कर रहा था आज वो सीआरपीसी रिपील हो रहा है प्रोहिबिशन ऑफ जजेस मैजिस्ट्रेट्स एंड पब्लिक सर्वेंट्स कुछ प्रोहिबिशन लगाए गए हैं जजेस पे पब्लिक सर्वेंट्स पे एंड मैजिस्ट्रेट्स पे ये चीजें ध्यान रखना जजेस बनेंगे आप तो आपको ये पतम पता होना चाहिए तो ये पता होना चाहिए थैंक यू संजीव जी भरद्वाज जी भरवाद प्रताप सॉरी मैं अगर नाम गलत स्पेल कर रही हूं तो आई I मीन mean, स्पेल नहीं प्रनाउंस कर रही हूं तो ठीक है सुनो फोकस करेंगे सभी अरे अभी रुको आपके अमेंडमेंट की लिस्ट है अमेंडमेंट की लिस्ट नहीं देखनी इतनी ज्यादा अच्छी कर दी है उसको देखो बहुत मजा आएगा आपको अमेंडमेंट की लिस्ट देखने में आई थिंक अगली ही स्लाइड में है यस yes, अगली ही स्लाइड में आपकी पूरी अमेंडमेंट की लिस्ट है ये देखो अमेंडमेंट की लिस्ट देखते हुए जाना ठीक है कवर आप कर लेना बस मैं आपको एक बार बता जरूर दूंगी ठीक है आगे सुनो

बोला है प्रैक्टिसिंग प्लीडर नॉट टू सिट एज अ मैजिस्ट्रेट जो प्रैक्टिसिंग प्लीडर्स है वो कभी क्या नहीं करेंगे स्टूडेंट्स एज अ नहीं बैठने वाले हैं इन दैट कोर्ट और इन एनी कोर्ट इन एनी कोर्ट इन दैट लोकल जूरिस्टिक्शन ठीक है आई राइट इट डाउन स्टूडेंट्स आई विल राइट इट डाउन देखो आप दो घंटे की नींद लेके आओ चार घंटे की नींद सर लेके आ गए हैं हैं पांच छह कप चाय कॉफी पी के आ गए हैं चलिए देखो इन दैट लोकल ओके? ही तो मतलब जो प्रैक्टिस कर रहा है वो मजिस्ट्रेट के रूप में नहीं बैठ सकता जज अपना खुद का है, वो केस की नहीं कर सकते इनफैक्ट आईपीसी में इसको ऑफेंस भी माना गया है अगर कोई भी ऐसा कोई भी ऐसा पब्लिक सर्वेंट है वो क्या नहीं कर सकता स्टूडेंट प्रॉपर्टी में बिड नहीं कर सकता है क्लियर है कोई भी ऐसी सेल हो रही है तो वहां नहीं आ सकता फोर सेवेंटी फाइव किससे डील करता है डिलीवरी ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स ऑफ पर्सनल लाइबल टू बी ट्राइड बाय द कोर्ट मार्शल कोर्ट मार्शल यहां पे क्या करेंगे उनकी ट्रायल करेंगे और उसके लिए

तो आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट, आफ्टर दी कंसल्टेशन ऑफ दी कोर्ट, क्या हो सकता है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को हम कंस्ट्यू करेंगे जैसे कि आप जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को रेफर करना चाह रहे हो सभी स्टूडेंट्स फोकस करेंगे दैट आफ्टर रेफरेंस अंडर 109, 1010, 145 एंड 147 स्टेट गवर्नमेंट को अगर स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली अलाउ करे तो हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के बाद वो क्या कर सकते हैं ये बोल सकते हैं कि भाई साहब जहां जहां एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लिखा है आप उसको ऐसे कॉन्टिट्यू करो जैसे कि आपने जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बोला है नाउ कम टू योर अमेंडमेंट लिस्ट अब इस बात पर तारीफ करना बाकी पहले वाले सेशन के लिए मैं तारीफ आपको बोलती नहीं क्योंकि यहां से क्वेश्चन आते हैं और आप बिल्कुल मेहनत नहीं करते हो इस टेबल को बनाने के लिए तो

क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 एंड क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 जिसमें जनरली रेप और सेक्सुअल ऑफेंसेस जो भी विमेन के अगेंस्ट थे उसके पनिशमेंट को और उनमें क्या कर दिया गया स्टूडेंट्स वृद्धि कर दी गई है <coughs> बराबर है अब देखो 2006 का जो अमेंडमेंट था उसमें ये सारी चीजें क्या हुई है या तो ऐड की गई हैं, या फिर इनमें अमेंडमेंट हुआ जनरली सब ए वाली चीजें हैं ये आपको अमेंडमेंट नोट डाउन करना है उसके बाद इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें कवर करनी है जैसे प्ली बार्गेनिंग का प्रोविजन है वो आपको देखना है

अमेंडमेंट हुआ है ये देखो सारे 326 ए बी यहां तक तो लक्ष्मी का एसिड केस एसिड अटैक का केस आ चुका था 354 ए बी सी डी स्टॉकिंग वॉयरिज्म सब निर्व्या रेप केस के बाद ऐड हुए हैं उसके बाद आता है 2018 दैट इज काथुआ रेप केस के बाद जिसका मेजर चेंजेस आपको देखने को मिलेगा जहां पे काथुआ रेप केस के बाद आपको पता है कि जो माइनर थी उसके साथ रेप होने के बाद या माइनर के साथ जितने भी रेप्स हैं उनमें पनिशमेंट बहुत एग्रीवेट कर दी गई है ठीक है डीए पीडीएफ डलवा दिया जाएगा बहुत ही जल्दी ही डलवा दिया जाएगा मैं आज ही बोल दूंगी हमारे टेलीग्राम ऐड कर देंगे जगह स्टूडेंट्स ये, ये, ये हो गए कहने का मतलब ये सेक्शन तो वही रहे लेकिन इनमें बहुत सारे बदलाव हुए हैं सब्सटीट्यूशन हुआ है 2018 में ये न्यू चीजें इंसर्ट की गई यहां पर भी इंसर्ट किया गया और ये सब्सिट्यूट किया गया ठीक है चलिए तो ये एक शॉर्ट में और आप एक चार्ट देख सकते हैं रेप और गैंग रेप का

डेथ uh, सेंटेंस है अब आ जाओ टाइम लिमिट आई होप यू विल लाइक दिस टेबल ऑल्सो ठीक है जिन्होंने बना लिया है दैट इज वेरी गुड वेरी वेरी नाइस ठीक है टाइम लिमिट देखो वॉलेंट केस का दो साल है स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अपॉइंट हुआ है, एक साल स्पेशल मेट्रोपॉलिटन एक साल पीपीएपीपी का एलिजिबिलिटी साल स्पेशल पीपी की टेन इयर्स डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूटर है या टेन ईयर्स है ज्यूरिसन इन केस ऑफ जुवेनाइल सिक्सटीन रखा है इम्प्रेजनमेंट डिफॉल्ट ऑफ फाइन नॉट एक्सेस इन पावर एंड वन फोर्थ दे रखा है कन्विक्शन ऑफ सेवरल एट वन ट्रायल नॉट मोर देन से ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा केस लॉ वाला केस लॉ नहीं करना नहीं नहीं आप केस में नहीं आता बेटा जेलों में नहीं आता केस लॉ जेलो में बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलने वाला है तो कोई जरूरत नहीं है आपको ठीक है बस ये टाइम लिमिट वाला जरूर आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे जैसे थर्टी डेज दे रखा है प्रोक्लेमेशन में क्लेम ऑब्जेक्ट करना है क्लेम एंड ऑब्जेक्शन करना है सिक्स मंथ दे रखा है आपको सेल है रिलीज है रिस्टोरेशन है सिक्स मंथ्स के अंदर अंदर एप्लीकेशन लगानी है हाई कोर्ट में 95 में वो सारा मटेरियल जो कि सीज कर लिया गया था सेल न्यूजपेपर वगैरह 2 मंथ्स के अंदर अंदर, अंदर लगाइए फिर 106 से लेके वन सारे बॉन्ड्स की ड्यूरेशन लिखी हुई है इंक्वायरी टूथ ऑफ द इंफॉर्मेशन सिक्स मंथ है तो ये टाइम टेबल आपके लिए बहुत जरूरी बन जाता है ठीक है क्लियर है ओके इंग्लिश एंड हिंदी की क्लास का मैं आपको जो लिंक है पीडब्ल्यू के जो फैकल्टीज का वो एक बार आपको प्लेलिस्ट जरूर शेयर कर दूंगी ठीक है क्लियर है अब सभी स्टूडेंट जाते जाते फिर सुन लो मैं फिर अपने क्लास के स्... लाइव लाइव नहीं कमेंट सेक्शन में जरूर देखने वाली हूं मैम पीडीएफ कहां से लें किसी को पीडीएफ मिल गई तो बता दो मैं फिर से आपको बोल रही हूं पीडीएफ और जितने भी वन शॉट स्टूडेंट हमने किए हैं चाहे वो इंडियन एविडेंस एक्ट हो टीपी एक्ट हो पहले के जितने भी बीस माइनर लॉज वन शॉट मैंने करवाए हैं सबकी एक एक पीडीएफ आपको पीडब्ल्यू लॉ वाला टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाली है और इस पीडीएफ को इस पूरे ही जो भी मैंने आपको ये टाइम ड्यूरेशन बताया है स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना कि आप इसको मैच करते हुए पढ़ो हालांकि आई आई बिलीव कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि, कि मैम अभी तो हमारा BNSS आ चुका है है जब जब इफेक्ट इफेक्ट में में आएगा स्टूडेंट्स तब की बात है। लेकिन जब तक में नहीं आएगा तब तक कॉन्सेप्ट आपको यही पढ़ने हैं और ज्यादा इनमें भी चेंज हुआ नहीं है और जो भी अगर चेंज बीएनएसएस में हुआ है तो हमें क्या हमें तो इस टेबल में हल्का सा चेंज करना है मैं चेंज करके नई टेबल आपको शेयर कर दूंगी थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स थोड़ा सा हमें क्या रहना पड़ेगा अपडेटेड चीजों से रहना पड़ेगा क्लियर है यह चीज थोड़ा सा स्टूडेंट ध्यान रखेंगे कल हम क्या कंडक्ट करेंगे ये थोड़ा सा देखो कल हम क्या कंडक्ट करने वाले हैं कल सुबह नौ बजे ठीक है सर कल सुबह नौ बजे है वापस कल सुबह नौ बजे हम लोग एंड हो चुका है सॉरी स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स का का 2013 एंड 2019 का क्या करने वाले है? students, MCQ लेने वाले हैं हैं लेने जो प्रीवियस ईयर टू थाउजेंड नाइनटीन में आए थे, थे? थे तो वो सब हम क्लास में कन्वर्ट कवर uh, करेंगे एंड नेक्स्ट क्लास प्रोबेबली आपकी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट रहेगी जो एलो एंड आपके आरजीएस uh, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है तो ठीक है संडे मंडे संडे मंडे हमारे सेशन चलने वाले हैं और जो भी इंफॉर्मेशन अतिरिक्त रहेगी वो मैं आपको इंफॉर्मेशन देते रहूंगी ठीक है चलिए सेशन को एंड करेंगे फिर से बोल रही रही हूं पीडीएफ आपको कहां से लेनी है आप सभी को पता होना चाहिए रही बात न्यू लॉस की तो मैं आपको बता दूं मैं पहले ही बोल चुकी हूं जो एग्जाम ऑलरेडी नोटिफाई हो चुके हैं सिर्फ उन लोगों को अभी यह लॉस पढ़ने हैं एंड हो सकता है कि विंटर सेशन में हमारे ये लॉस इनेक्टमेंट में आ जाए और अगर आपकी स्टेट जुडिशरी का नोटिफिकेशन विंटर सेशन में या विंटर सेशन के बाद आपको दिख रहा है तो आपको न्यू लॉस पढ़ने शुरू कर देना चाहिए और जब भी आपका न्यू लॉस इफेक्ट में आ जाएगा हम इसी तरीके से तीनों सब्जेक्ट का वन शॉट लेने वाले हैं ठीक है कुछ माइनर मेजर जो भी हमारे स्लाइड्स में चेंजेस होंगे वो करके हम बराबर उसका वन शॉट लेने वाले हैं ठीक है एनर्जी का राज सिर्फ और सिर्फ आप स्टूडेंट्स हैं क्योंकि आप स्टूडेंट्स को पढ़ना अच्छा लगता है तभी मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है वरना देखो छोड़ो अब ठीक है चलो ओके तो इट वाज अ ग्रेट सेशन स्टूडेंट्स काफी समय से मैंने डिसाइड कर रखा था, था कि सीआरपीसी का वन शॉट लेंगे सीआरपीसी का वन शॉट लेंगे बट मुझे नहीं पता था कि सीआरपीसी कब वन शॉट लेंगे मैंने सोचा सोचा था 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 कि कि अभी जेलों के पर्सपेक्टिव से आपको ये ये सेशन करा दूं उसके बाद एक और हमने वन शॉट लेंगे पर मुझे क्या पता सीआरपीसी मैं आखिरी दफा के लिए आपको पढ़ा रही हूं अभी सीआरपीसी को भी हम जल्दी अलविदा अल कहेंगे क्योंकि सीआरपीसी अब सीआरपीसी नहीं रही जज्बात बदल गए भावनाएं बदल गई सब कुछ बदल गया अब हमारी सीआरपीसी बन चुकी है बी एन एस एस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दो ठीक है न्यू आईपीसी भी जल्दी लाएंगे आपके लिए लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आएगा आपके लिए डीपीसी अभी बहुत जरूरी है डीपीसी ड्राफ्टिंग कन्विंसिंग एंड प्लीडिंग जो कि आपके जेलों का हिस्सा रहने वाला है उसको बहुत अच्छे से करेंगे ठीक है नहीं बेटा थैंक यू वर्ड कभी छोटा नहीं होता है मेरे लिए आपका थैंक यू आपकी मेहनत अल्टीमेटली जो है वो बहुत मायने रखती है जितनी मेहनत मैं यहां से कर रही करी उतनी ही मेहनत आप स्टूडेंट्स की मुझे दिखती है बच्चे आते हैं टेलीग्राम पे अपना नोट्स दिखाते मैम ने ये क्या मैम ने ये क्या अलग अलग डाउट पूछेंगे तो अपना पता चलता है कि स्टूडेंट्स मेहनत कर रहे हैं आई रियली नो कौन कौन से प्लेटफॉर्म से कहां कहाँ बच्चा कनेक्ट होता है बोलता है मैम हमें आपसे पढ़ना है मैम हम आपकी क्लास देखते हैं तो सारा फीडबैक आता है स्टूडेंट्स आई रियली फील्स प्राउड आपका जो भी अप्रिसिएशन दैट इज आई थिंक मोर देन अनफ फॉर मी दैट इज एनअ

In today's session, I hope that you all have enjoyed this session. Now we will meet in another new session. Till then, thank you. Thank you so much.